हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्टी पर बहुत बहुत स्वागत है तो आप सभी के लिए ऑल इन ट्रिपल सी महामाराथन क्लास स्टार्ट हो चुकी है और इस क्लास में हमने ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप सभी को कराया है यानी कि हर टॉपिक यहां पर हमने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है अगर इससे पहले आपने कोई भी क्लास नहीं किए हैं आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तो केवल आप इस ऑल इन वन ट्रिपल सी महामाराथन क्लास को देख करके ही अपने एग्जाम को शत प्रतिशत पास कर सकते हैं अगर आपने इसे अच्छे से देखा और समझा एक अच्छी ग्रेड आप यहां से ला सकते हैं क्योंकि यहां पर हमने हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है अभी हम आपको बताएंगे कि हमने यहां पर क्या-क्या आपको पढ़ाया है ठीक है व्हाट इससे पहले आपको बता दें अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplecbyfish.com पर आ सकते हैं और यहां पर आप सभी को ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जैसे कि आप यहां देख सकते हैं फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें आप ट्रिपल सी मॉडल पेपर कर सकते हैं यहां पर सारे मॉडल पेपर आपको मिलेंगे इसके बाद ट्रिपल सी मॉक टेस्ट हिंदी में दे सकते हैं यहां से इंग्लिश में कर सकते हैं और यहां से चैप्टर वाइज आप टेस्ट कर सकते हैं जैसे ही आप मॉडल पेपर पर क्लिक करते हैं या किसी भी टेस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मॉडल पेपर ओपन हो जाएगा जहां से अपने टेस्ट आप बारी बारी से कर सकते हैं देखिएगा यहां पर टेस्ट आ चुके हैं अब ट्रिपल सी मॉडल पेपर बन हमारे सामने है हम अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो टेस्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा ऐसी टेस्ट टू है थ्री है ऐसे यहाँ पर ढेर सारे टेस्ट हैं जहाँ से आप बारी बारी से कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हिंदी में कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं तो आइए अब आपको बताते हैं कि हमने इसमें शामिल क्या क्या किया है सबसे पहले आपको बता दें छह सौ अड़तीस प्रश्नों को हमने शामिल किया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छह सौ अड़तीस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलेंगे और इस सभी टॉप छे सौ अड़तीस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे साथ में छिया ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इक्कीस कि इक्कीस फाउंडर्स नेम हमने यहां पर शामिल किए हैं तो यहाँ से इक्कीस क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और लिनक्स यूनिक्स की कमांड है ट्वेंटी फाइव तो यहां से ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आपके लिनक्स यूनिक्स की कमांड से बन सकते हैं ऐसे कंप्यूटर की फुल फॉर्म यहाँ पर आपको एक सौ तीन मिलने वाली है एक सौ तीन प्रश्न आपके कंप्यूटर uh, की फुल फॉर्म से बन सकते हैं और यहां पर टोटल सेवन ई वॉलेट हमने लिए हैं यानी कि बहुत सारे ई e वॉलेट भी आपके एग्जाम में पूछते हैं तो सात ई वॉलेट को हमने यहां पर शामिल किया है 196 शॉर्टकट की हैं जिसमें आपके लिब्रे ऑफिस राइटर कैल कोर इंप्रेस शामिल है साथ में वेब ब्राउजर के शॉर्टकट की भी यहां पर शामिल की गई हैं तो 196 प्रश्न आपके शॉर्टकट की से बन सकते हैं ऐसे ही हमने 35 ट्रिपल सी एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं जो पॉइंट हमने यहां पर डिस्कस किए हैं तो उनसे भी आपके 35 क्वेश्चन बन सकते हैं साथ में फाइव इंडियन करेंसी यानी कि इंडियन करेंसी के बारे में भी हमने आपको बताया है जैसे नोट का साइज क्या क्या है क्या है कलर वो चीजें आपको बताई गई हैं साथ में बारह बताए गए हैं टोटल बारह सर्च इंजन के बारे में आपको बताया गया क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है तो बारह आपको सर्च इंजन यहाँ से मिलेंगे साथ में फाइव वेब ब्राउजर आपको यहाँ पर बताए गए हैं कि फाइव जो टॉप वेब ब्राउजर हैं उनके बारे में आपको बताया गया है ग्यारह टोटल 1113 प्रश्न आपको इस पूरी सीरीज में मिलने वाले हैं ठीक है और ये सभी टॉप सेलेक्टेड प्रश्न होंगे तो आपको पूरा सीरीज फॉलो करना है जब आप देखेंगे क्लास को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें हमने किस प्रकार से आपको पढ़ाने की कोशिश की है और आपको क्या क्या यहां पर बताया गया है और अगर आप ईमानदारी से इस पूरी मैराथन को देखते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने एग्जाम को एक बेहतर ग्रेड में पास कर पाएंगे ही इससे पहले आपने कोई क्लास ना किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है बस आपको इस क्लास को कंप्लीट पूरा अच्छे से कर लेना है तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को वट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें अगर अभी तक आपने हमारे इस ई बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस ई बुक को हमने अपडेट कर दिया है और अब इस फर्स्ट ई बुक में आपको 1500 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं साथ में यहाँ पर जो चैप्टर वाइज ई बुक दी गई है इसमें आपको पाँच प्लस क्वेश्चन मिलेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पर लिप्रो ऑफिस की शॉर्टकट की बे ब्राउजर की शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट फाउंडर्स नेम लिनक्स यूनिस्ट की कमांड भी शामिल हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो हमने अभी फोर्टीन डेज क्रास कोर्स कराया था उसका पी भी यहाँ पर शामिल

ऑप्शन नंबर पहला ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका लिंक यहां पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और अलगोरिद्म के निर्देश हैं प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और अलगोरिद्म के निर्देश हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर बी ब्राउजर या ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्शन नंबर यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपको जवाब करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप सभी जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास क्योंकि आज इस मैराथन क्लास में आप सभी को ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलने वाला है जो भी आपके एग्जाम में आता है सारा कुछ आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे ठीक है तो पूरा क्लास आपको अंत तक देखना है और अधिक से अधिक शेयर करना है ठीक है तो यहां पर बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका करेक्ट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा निम्न में किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज उपरोक्त दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं तो आपको बताना है लो लेवल लैंग्वेज किसे कहा जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी के सामने है जल्दी से जवाब करना है इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपको पता है आपका कंप्यूटर किस भाषा को समझता है यानी कि आपका कंप्यूटर केवल और केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज में आती है बट असेंबली लैंग्वेज भी आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा उपरोक्त दोनों ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर अगला अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फोर और यहाँ पर पूछा है कोबॉल फोट्रॉन और सी ये सभी डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मीन सभी कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्वेश्चन नंबर आपके सामने है और यहां पर करेक्ट जवाब करना है सभी बच्चों को क्या हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर पर पहला पहला हो जाएगा प्रोसीजर ओरिएंटेड आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर फाइव देखिएगा एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीनी लैंग्वेज कोड देता है ऐसा ट्रांसलेटर क्या कहलाएगा जो इनपुट तो असेंबली लैंग्वेज लेता है बट आउटपुट में क्या करता है मशीन लैंग्वेज कोड देता है तो ऐसे ट्रांसलेटर का नाम क्या होता है आपको पता है ट्रांसलेटर तीन प्रकार के होते हैं एक आपका असेंबलर होता है कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है इनका काम क्या होता है हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर इस्तेमाल होता है और जो आपका असेंबलर होता है इसका मतलब असेंबली भाषा को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने का काम करता है है तो यहां पर आपसे यही पूछा कि एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में क्या लेता है असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में क्या करता है मशीन लैंग्वेज देता है यानी कि मशीन लैंग्वेज कोड देता है तो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम असेंबलर करता है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा जाबा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डैश द्वारा विकसित की गई है अब सिंपल यहां पे पूछा है कि जाबा का विकास किसके द्वारा किया गया है किसने जाबा को डेवलप किया है ये आपको बताना है जाबा को किसने डेवलप किया है तो यहां पर आपका सही जवाब करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जेम्स गौसलिंग के द्वारा जाबा का विकास किया गया है ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है वेसिक एक लैंग्वेज है वेसिक इजा लैंग्वेज अब कैसी है ये आपको बताना है प्रोसीजरल लैंग्वेज है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या फिर दोनों या फिर नन ऑफ दे जिसमें से कोई नहीं बताइए क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने है और यहाँ पर आपका राइट right आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है सभी बच्चों को तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आप प्रोसीजरल लैंग्वेज आपका है ना ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला पूछा है फोर्ट्रॉन का पूर्ण अर्थ क्या होता है Fortran का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका पूरा नाम क्या होता है तो यहां पर हो जाएगा ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा। होता है. Fortran का पूरा नाम आपको रखना है। अगला पूछा क्या है उस त्रुटि को किस नाम से जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है उस त्रुटि को किस नाम से जानते हैं जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जाता है बताइएगा काफी अच्छा प्रश्न है उसे सिंटैक्स एरर कहते हैं या सेमेंटिक एरर कहते हैं लॉजिकल कहते हैं या इंटरनल एरर कहते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन आप सभी के सामने है और इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला उसे सिंटैक्स एरर का नाम देते हैं उस त्रुटि को किस नाम से जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा छोड़ा जाता है तो वह सिंटैक्स एरर कहलाता है ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर टेन अब आपके सामने है और यहाँ पर आपको बताना है मेमोरी और स्टोरेज के बीच में क्या अंतर है मेमोरी और स्टोरेज के बीच में क्या अंतर है मेमोरी अस्थाई है और स्टोरेज स्थाई है मेमोरी स्थाई है और स्टोरेज अस्थाई है या फिर मेमोरी धीमी है और स्टोरेज तेज है या फिर ऑल ऑफ दीज उपरोक्त में से सभी तो आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताइए और आप सभी भाई शेयर करते रहो क्लास को तो सभी बच्चे जो भी इस समय प्रेजेंट हैं क्लास में सभी क्लास को शेयर करो और आज यहाँ पर सबको जैसा कि हमने बताया आपके चाहे फाउंडर्स नेम हो शॉर्टकट की हो ब्राउजर शॉर्टकट की हो सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए सारा कुछ यहां पर स्टडी मटेरियल इसी वीडियो में आपको मिलेगा बस आपको कंटिन्यू क्लास को देखते रहना है ठीक है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट होगा मेमोरी अस्थाई है और स्टोरेज कैसा है स्थाई है मेमोरी आपकी अस्थाई है वट स्टोरेज जहां पर डेटा को स्टोर करते हैं वो आपका कैसा होता है स्थाई होता है ठीक है परमानेंट होता है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ओरेकल डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है ऑप्शन right तो पहला यहां पे राइट right है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कहता है डैश पर्सनल कंप्यूटर को पारंपरिक रूप में सबसे सीमित ज्योग्राफिकल एरिया के सिंगल बिल्डिंग से जोड़ता है कौन लैन, वैन, मैन या डेप्लु 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 डेप्लु। कौन पर्सनल कंप्यूटर को पारंपरिक रूप से सबसे सीमित जियोग्राफिकल एरिया के सिंगल बिल्डिंग से जोड़ता है एक सिंगल बिल्डिंग एक कैंपस एक स्कूल एक कॉलेज में क्या होता है लैन का इस्तेमाल करते हैं लैन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिएगा पूछा है आईएफएससी कोड कितने अंक का होता है कोड में आपको बताने हैं कितने डिजिट होते हैं कितने अंक होते हैं टोटल ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपके सामने और काफी अच्छा प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल्स एग्जाम में हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन तो आई कोड में टोटल ग्यारह डिजिट होते हैं टोटल ग्यारह अंक होते हैं शुरुआत के जो चार डिजिट होते हैं वो आपकी वैंक कौन सी बैंक है वो दर्शाते हैं ठीक है इसके बाद जो पांचवा होता है वो क्या होता है जीरो होता है और लास्ट के जो आपके छह डिजिट होते हैं वो ब्रांच को दर्शाते हैं कि कौन सी आपकी ब्रांच है क्योंकि इस प्रकार से भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं और आईएफएससी का मतलब क्या होता है आईएफएससी का फुल फॉर्म कौन कौन बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में एक बार बताएं आईएफएससी का पूरा नाम क्या होता है तो इसका मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ये भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर देखिए फोर्टीन कहता है दिए गए विकल्पों में से कौन सा कंप्यूटर में वास्तविक रूप में होता है कौन सा कंप्यूटर में वास्तविक रूप से होता है यानी कि फिजिकली कौन सा होता है मैनु, प्रिंट सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर इसमें से कौन सा फिजिकली आपके कंप्यूटर में होता है तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर होता है देखो यहां पर प्रिंट दिया गया है प्रिंटर नहीं दिया गया है मेनू प्रिंट सॉफ्टवेयर ये सब कमांड है ना मैनू प्रिंट सॉफ्टवेयर तो बट ये आपका सॉफ्टवेयर है अब यहां पर हार्डवेयर है यही आपका फिजिकली आपको दिखाई देता है जैसे आप टच कर सकते हैं बाकी आपको दिखाई नहीं देता है ठीक है तो हार्डवेयर है आपका राइट आंसर यहां पे अगला क्वेश्चन देखिएगा इनमें से कौन सा विकल्प आपको डॉक्यूमेंट में पेज नंबर टाइटल आदि की सूचना देता है कौन सा विकल्प क्या करता है डॉक्यूमेंट में पेज नंबर टाइटल आदि की जानकारी देता है इंसर्ट टेबल हेडर एंड फुटर थी सारस या स्पेलिंग एंड ग्रामर बताइए सही जवाब यहां पर बताना है कौन सा राइट right आंसर होगा तो देखो यहाँ पर इंसर्ट टेबल तो आपका राइट right आंसर होगा नहीं थे सारस भी नहीं होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर भी नहीं होगा बजा कौन सा है हेडर एंड फुटर तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं यही फिर आपका राइट right आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिखे हुए कार्य को बदलने में सहायक होता है कौन सा विकल्प आपके लिखे हुए कार्य को बदलने में सहायक होता है आपने कुछ लिखा अब उसको आप चेंज करना चाहते हैं एडिट करना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प है जो आपको ऐसा कार्य करा सकता है एडिट करा सकता है ठीक है ऑप्शन नंबर वी है ना एडिट मैंने बोल ही दिया ऑप्शन पर वी हो जाएगा एडिट कर सकते हैं हम एडिट में जाकर के उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं हैं बदल एक सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना होता है एक सॉफ्टवेयर है उसका उद्देश्य क्या होता है उसका उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है मेमोरी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम या फिर ऑब्जेक्ट तो एक सॉफ्टवेयर का जो पहला उद्देश्य होता है आपके डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंफॉर्मेशन में बदलना जैसे आपने कोई वीडियो शूट किया है और आपके पास जो वीडियो अभी आपने शूट किया है वो कैसा है वो आपका रो डेटा है, है ना वो आपका रो डेटा है मीन्स वो आपके भी काम का नहीं है अभी क्या करना है हमें इसको एडिट करना है तो हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर में लेकर जाते हैं जहां पर हम वीडियो को एडिट कर सकते हैं और उस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है आपके इस रो डेटा को क्या कर देना इन्फॉर्मेशन में बदल देना और जब वो प्रोसेस करेगा उसको एडिट करेंगे आप उसके बाद में जो आपको रिजल्ट मिलेगा इसी रिजल्ट को हम क्या कहते हैं इसी को हम आउटपुट का नाम कर देते हैं और आउटपुट ही हमारा क्या होता है इन्फॉर्मेशन होता है है ना जो हमारे काम का होता है इसीलिए तो हमने इस वीडियो फाइल को जो हमने अभी एडिट किया था वो क्यों एडिट किया था क्योंकि हमें एक सही डेटा मिल सके और जो हमारा सही डेटा होता है सही आउटपुट होता है उसी का नाम इंफॉर्मेशन होता है तो ऑप्शन यहां पर हमारा वी करेक्ट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा इनमें से कौन सा टर्म इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए प्रयोग में लाया जाता है कौन सा टर्म है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं टी आई पी गोफर बूथ ए एंड पी बताओ क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है इसमें कौन सा राइट right आंसर हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड पी मतलब इसमें टीसीपी और आईपी दोनों ठीक है तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा डी हो जाएगा ए और बी दोनों टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल चलो क्वेश्चन नंबर देखो अगला भाई इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर रिमोट कनेक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है रिमोट कनेक्शन के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं रिमोट कनेक्शन का मतलब आपके पास एक पीसी है आप एक कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं आप चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति का कंप्यूटर भी आप रिमोटली एक्सेस कर पाए अपने ही कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को अगर आप रिमोटली एक्सेस करते हैं उसको चलाते हैं उसको ऑपरेट करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होता है रिमोट कनेक्शन का इस्तेमाल करना होता है तो इसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन पहला हो जाएगा टीम व्यूअर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है भी और एक सॉफ्टवेयर और इसका नाम आप ध्यान रखना है एनी डेस्क कई बार एपी आपके ऑप्शन में दे देते हैं तो एनी डेस्क भी एक रिमोट कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है ओके आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा यहां पे पूछा गया है निम्न में किस संस्था ने 2011 में सागा 220 यानी कि 220 सुपर कंप्यूटर बनाया किस संस्था ने बनाया 2011 में सागा 220 सुपर कंप्यूटर काफी अच्छा प्रश्न है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा ऑप्शन में दिया है इसरो नासा सीडेक या फिर पार्क तो आप सभी जल्दी से जवाब भेजो कौन सा आपका राइट आंसर होगा और आप सभी को हमारे साथ इस पूरी क्लास में बने रहना है है ना क्योंकि आज इस क्लास को काफी मेहनत से हम आप सभी के लिए दे पा रहे हैं क्योंकि इसको बनाने में काफी समय लगा बहुत टाइम लगता है जब हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं और ये सोचना पड़ता है कि कौन से क्वेश्चन आपके काम के हो सकते हैं या कौन सा क्वेश्चन मुझे पढ़ना चाहिए जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट हो तो काफी ज्यादा मेहनत करनी होती है इसके पीछे इसलिए सभी बच्चों को लाइक करना है और हमारे साथ पूरी क्लास में आपको प्रेजेंट रहना है उपस्थित रहना है तो यहाँ पर देखिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन पहला इसरो ध्यान रखना है सभी बच्चों को इसरो ने दो में सागा सो सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए एक डेटाबेस में एडमिनिस्ट्रेटर है कौन प्रोग्राम पर्सन एप्लीकेशन या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसमें बताइए कौन सा राइट right आंसर है एक डेटाबेस में एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो सकता है तो एडमिनिस्ट्रेटर तो आप ही हो सकते हैं मीन्स पर्सन हो सकता है ना ऑप्शन भी हमारा है यहाँ पे पर्सन चलिए 22 का आंसर बताइए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करते हैं देखो आपको पता है आपके ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन आते हैं चाहे लिब्रो ऑफिस राइटर हो चाहे आपका कैलक हो या फिर आपका इम्प्रेस हो व्हाट एक से दो क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिल जाते हैं एमएस ऑफिस से भी जिसमें अधिकांश पावर पॉइंट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो आपको एक से दो क्वेश्चन या थोड़ा सा रिवीजन इसका भी कर लेना है इसका भी आपको आना चाहिए क्वेश्चन को थोड़ा ठीक है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना होता है है आपको बताना है। 22 का राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जूमेंटी चार सौ परसेंट मैक्सिम चार सो परसेंट आप कर सकते हैं पावर पॉइंट में एक यूजर द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है हमने आपको बताया था यूजर जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है या फिर यूजर जिस सॉफ्टवेयर पर अपना वर्क करता है वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा यूजर द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है उसी को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं ट्वेंटी फोर में आपको बताना है निम्न में कौन सा वैध मेमोरी यूनिट नहीं है एक वैलिड मेमोरी यूनिट नहीं है मेमोरी की इकाई वैलिड नहीं है ऑप्शन दिया है सी बी के बी बाई बी और पी बी इसमें से वैलिड कौन सा नहीं है तो देखो आपको पता है के बी का मतलब होता है किलो बाइट का मतलब होता है योटाबाइट और पीबी का मतलब होता है पेटाबाइट वीबी ये आपका वैलिड नहीं है तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देखिएगा रैम डैश का हिस्सा है मीन्स रैम किसका एक पार्ट है की बोर्ड इंटरनेट सिस्टम यूनिट मॉनिटर रैम किसका एक हिस्सा है बताइए ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा सी सिस्टम यूनिट का ही एक पार्ट है आपका रैम तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका राइट right आंसर हो जाएगा देखो मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या है आपके पास एक सीपीयू है आपने देखा होगा ना सीपीयू कुछ इस प्रकार से होता है आपका सीपीयू तो यहां पर एक सीपीयू है अगर हम इसको बोले ये ऊपर वाला जो आपका ये कवर देखते हैं ना पूरा इसे क्या बोलते हैं इसी को हम कैबिनेट का नाम देते हैं ये आपका कैबिनेट होता है और इस कैबिनेट के अंदर क्या होता है इस कैबिनेट के अंदर एक मदर बोर्ड होता है इस मदर बोर्ड पर क्या होता है छोटा सा यहां पर माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसी का नाम सीपीयू होता है जिसी को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं तो हमने देखा कि हमारा जो एक सीपीयू होता है इसमें सबसे ऊपर का जो एक कवर होता है जिसको हम कैबिनेट का नाम देते हैं इस कैबिनेट के अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है जहां पर सारे कंपोनेंट होते हैं यहीं पर बीच में आपका एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है यहीं पर आपका रैम भी होता है बाकी सारे कंपोनेंट यहीं पर होते हैं तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं इस पूरे को हम सिस्टम यूनिट का नाम देते हैं तो रैम भी तो हमारा इसी सिस्टम यूनिट का एक पार्ट है एक हिस्सा है रैम भी तो इसी के अंदर आता है यहां कहीं ना कहीं लगा होगा है ना तो इस पूरे को हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं इसलिए रैम भी हमारा सिस्टम यूनिट का ही एक भाग होता है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे करेक्ट होगा ठीक है कौन सा बटन अक्षरों संख्याओं को छोटा और बड़ा बनाता है और संख्या को चिन्हों में परिवर्तित भी करता है बताइए कौन सा बटन है जो अक्षरों को छोटा और बड़ा बनाता है साथ में संख्या को चिन्हों में भी बदल देता है यहां से आपका आंसर चेंज हो जाएगा ठीक है तो आंसर बताना है क्या हो जाएगा सही जवाब ट्वेंटी सिक्स का राइट आंसर करना है सभी बच्चों को फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका शिफ्ट देखो शिफ्ट के साथ में आप क्या कर सकते हैं शिफ्ट के साथ में अगर आप क्या करते हैं कोई भी सिंबल प्रेस करते हैं मतलब जो आपने देखा होगा ना ऊपर

तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बाकी हम कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं तो भी हमारा जो लेटर होता है वो बड़ा बनता है अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो लेटर हमारा छोटा बनता है ठीक है तो ये भी आपको ध्यान रखना है बट यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में दो चीजें पूछती हैं साथ में ये बोल दिया कि भाई चिन्हों को परिवर्तित करता है संख्या को चिन्हों में कौन बदलता है तो जो संख्याएं होती हैं उनको चिन्हों में बदलने का काम भी शिफ्ट वाला ही वटन करता है ठीक है

सीपीयू और रैम के बीच में कार्य करती है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब होता है सीपीयू का और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं देखो यहां पर आपका मान लिया आपका यहाँ पे रैम है और यहां पर आपका सीपीयू है और यहाँ बीच में क्या लगा होगा कैश मेमोरी लगा होगा ये बीच में कैश मेमोरी है ठीक है और यहां पर यह आपका रैम है तो देखो रैम और सीपीयू के बीच में आपका कैश मेमोरी होता है ध्यान रखना है ठीक है कई बार ये भी पूछते हैं कि प्रोसेसर के सबसे नजदीक कौन सी मेमोरी होती है और कई बार ऐसा पूछते हैं कि प्रोसेसर को सबसे कम समय किस मेमोरी को एक्सेस करने में लगता है तो यही आपका कैश मेमोरी राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में कौन सा कंप्यूटर का सबसे छोटा रूप है कंप्यूटर का सबसे छोटा रूप आपको बताना है सबसे छोटा रूप कौन सा है नोटबुक लैपटॉप डेस्कटॉप या फिर वर्क स्टेशन तो यहां पर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला नोटबुक सबसे छोटा रूप है नोटबुक आपके कंप्यूटर का सिस्टम को बूट करने के लिए निम्न में कौन सा आवश्यक है जब आप सिस्टम को बूट करते हैं तो इसके लिए क्या आवश्यक है कंपाइलर हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबलर आंसर करना है आप सभी को सिस्टम को बूट करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है ट्वेंटी नाइन में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन नंबर सी जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो सिस्टम आपका बूट कैसे होगा है ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर सही जवाब होगा व्हाट ये ध्यान रखना है हमेशा क्वेश्चन का आंसर जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वहां पर हमेशा आंसर डिपेंड करता है ऑप्शन पर ठीक है क्योंकि एक क्वेश्चन के दो भी आंसर हो सकते हैं तीन भी आंसर हो सकते हैं क्योंकि रिलेट करते हैं ना आपके ऑप्शन से रिलेट किए जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन चार में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपके आंसर से सबसे ज्यादा रिलेट हो रहा है वही आपका आंसर होता है ठीक है तो कई बार ये आंसर चेंज भी हो सकता है अगर यहां पर ऑप्शन कुछ और दिए हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए यहां पर आपको बताना है निम्न में कौन सा एक रैम का हिस्सा है अब रैम का एक पार्ट रैम का एक हिस्सा कौन सा है बताओ क्वेश्चन नंबर थर्टी का आपको सही जवाब करना है यहां पे राइट right आंसर क्या होगा रैम का एक हिस्सा कौन सा है आपको बताना है ऑप्शन नंबर पहला मैग्नेटिक कोर क्या हो जाएगा मैग्नेटिक कोर आपका राइट right आंसर हो जाएगा आपको ध्यान रखना है ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अल्गोरिद में एक चूक डैश है जो गलत परिणाम का कारण बनती है अलगोरिद में एक चूक क्या हो सकती है जो गलत परिणाम का कारण बनती है लॉजिकल एरर हो सकता है सेंटेक्स हो सकता है प्रोसीजरल या फिर कंपाइलर तो थर्टी वन का आपको जवाब करना है थर्टी वन में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइएगा तो सही जवाब है लॉजिकल एरर ऑप्शन पहला लॉजिकल एरर यहां पे राइट आंसर है क्वेश्चन पूछा गया है वेंडर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के संशोधनों को डैश कहते हैं वेंडर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के संशोधनों को कहा जाता है क्या कहा जाता है अब आपको बताना है यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओवरलैप्स कहा जाता है ध्यान रखना है सभी बच्चों को ओवरलैप्स कहा जाता है चलिए आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर दो प्रमुख श्रेणियों में शामिल होता है सॉफ्टवेयर दो प्रमुख श्रेणियों में शामिल है अब आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी पर्सनल प्रोडक्टिविटी एवं सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख आपको श्रेणियां बतानी है कौन सी है तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा सी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको पता है सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम के काम के लिए होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर के वर्क के लिए होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषताएं हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता आपको बतानी है एक प्रोग्रामिंग वातावरण प्रदान करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भाग है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन से संबंधित कार्य करता है या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं तो 34 का जवाब करना है सभी को यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर निम्न में से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता है तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन से संबंधित कार्य करता है ठीक है ध्यान रखना है तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट है एक कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है और अन्य सॉफ्टवेयर रन के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है या प्रदान करता है उसे हम क्या बोलते हैं डैश कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है ठीक है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए या अन्य सॉफ्टवेयर रन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ठीक है अन्य सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आप यहां को लगा सकते हैं तो यहां पर बताइए क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है और अन्य सॉफ्टवेयर के रन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है अगला क्वेश्चन देखिएगा एक पिक्सल क्या है एक पिक्सल क्या है वट इज अ पिक्सल आपको बताना है कौन सा हो जाएगा थर्टी सिक्स में राइट आंसर तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक तस्वीर का सबसे छोटा रिजॉल्वेबल हिस्सा ही आपका एक पिक्सल होता है ध्यान रखना है थर्टी सेवन में बताना है कंप्यूटर शब्दावली में कैड का क्या मतलब होता है कैड कई बार एग्जाम में पूछा है आपसे कैड का फुल फॉर्म तो कंप्यूटर शब्दावली में कैड का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन कंप्यूटर एडेड डिजाइन आप सभी को ध्यान रखना है क्वेश्चन देखिएगा यूनिकोड क्या है व्हाट इज यूनिकोड आप सभी को बताना है यहां पर यूनिकोड क्या है तो ऑप्शन यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना यूनिकोड एक करेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है करेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है आपका यूनिकोड अब यहां पर आपको बताना है निम्न में से अब एक पीसी के रूप में उपलब्ध है मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर और ऑल ऑफ रीच थर्टी तो नाइन का जवाब करना है सभी बच्चों को यहां पे कौन सा राइट आंसर होगा अब एक पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के रूप में उपलब्ध है तो राइट आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर ऑप्शन बी है यहां पर माइक्रो कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है निम्न में क्या आमतौर पर महंगा होता है आमतौर पर क्या महंगा होता है आपको यह बताना है मॉनिटर मेन फ्रेम कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कंप्यूटर इसमें से सबसे महंगा आपको ये बताना है कौन सा हो सकता है तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको पता है आपका डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो चार भागों में बांटा गया है सबसे छोटा जो कंप्यूटर होता है डिजिटल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला यानी कि सबसे छोटा जिसे हम माइक्रो कंप्यूटर का नाम देते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बाद में अगर हम बात करते हैं तो क्या आता है फिर हमारा मिनी कंप्यूटर आता है और मिनी के बाद में अगर बात करते हैं तो क्या आता है फिर मैन फ्रेम कंप्यूटर आता है और इसके बाद में फिर आपका सुपर कंप्यूटर आता है तो आपका जो डिजिटल कंप्यूटर है ना ये चार प्रकार का होता है साइज के आधार पर अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटा आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है उससे बड़ा फिर मिनी कंप्यूटर होता है उससे बड़ा फिर मेन प्रेम कंप्यूटर होता है और फिर आपका सुपर कंप्यूटर होता है ओके चलिए विशेष रूप से डिजाइन कंप्यूटर है जो जटिल गणना बेहद तेजी से कर सकता है कौन सा यहां पे हो जाएगा सर्वर सुपर कंप्यूटर लैपटॉप या फिर मेन फ्रेम फोर्टी तो वन का जवाब करना है।, रूप से कंप्यूटर है जो जटिल गणना बेहद तेजी से कर सकता है तो सुपर कंप्यूटर आपका राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर यहां पर आपका सही जवाब होगा सभी को ध्यान रखना है ठीक है सुपर कंप्यूटर किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया होता है जैसे मौसम की जानकारी देना है ना तो इस प्रकार से आपका यहां पर सुपर कंप्यूटर कार्य करता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू का आंसर करना है निम्न में कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है कौन सी इसमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लोटस पास्कल पासकल एक्सेल नेटस्केप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताना है इसमें कौन सी है चलो 42 आपके सामने है आंसर करो भाई और जो बच्चे अभी भी क्लास से जुड़े हैं सबसे पहले आपका काम है आप क्लास को भाई शेयर करो और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे क्लास को लाइक जरूर करें और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी आज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन बच्चों ने नहीं किया क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और कंटिन्यू क्लास करते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना है ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास हो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए ठीक है तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पास्कल आपका राइट आंसर होगा पास्कल एक प्रोग्रामिंग भाषा है ठीक है ध्यान रखना है कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश के सेट को डैश कहा जाता है कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देशों के एक सेट को कहा जाता है मिनटर इंस्ट्रक्शन कंपाइलर या फिर प्रोग्राम तो 43 में जवाब करना है कौन सा जवाब हो जाएगा 43 में बताइए तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उसे कहते हैं प्रोग्राम रखना है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट right आंसर होगा देखिएगा यहां पर पूछा गया है NASCOM का फुल फॉर्म अच्छा तो का आप सभी को बताना है इसमें राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज आपका राइट right आंसर है क्वेश्चन पूछा गया है एपीएल का फुल फॉर्म ध्यान रखना सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन हमने कोशिश की है वो क्वेश्चन यहां पर शामिल करें जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न है ठीक है तो एपीएल कई बार एग्जाम में पूछा गया इसका फुल फॉर्म आपको बताना होता है इसका फुल फॉर्म क्या है यहां पर सही जवाब हो जाएगा अप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एपीएल का मतलब अप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको ध्यान रखना है ठीक है फोर्टी सिक्स में बताइएगा निम्न में से क्या एक छोटे से एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है लैन बैन डीएनएस या यूएसबी बताओ 46 में आपका जवाब करना है निम्न में से क्या एक छोटे से एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है बात हो गई नेटवर्क की तो यहां पर सही जवाब फिर क्या हो जाएगा लैन हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा और अगर आपसे पूछे कि बैन का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप सभी का आंसर क्या होगा बाइट एरिया नेटवर्क डीएनएस का मतलब क्या होता है डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है डोमेन नेम सिस्टम और यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस तो आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है ठीक है बाकी बहुत सारी फुल फॉर्म हमने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है तो आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर जा सकते हैं और वहां पर भी बहुत सारी फुल फॉर्म आपको मिलेंगे जहां से भी आप पढ़ सकते हैं वहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ सकते हैं देखिए यहां पर क्या पूछा है ओबन टू यूके की कंपनी द्वारा विकसित किया गया जिसे कैनोनिकल लिमिटेड कहा जाता है जिसे कैनोनिकल लिमिटेड कहा जाता है ट्रू फॉल्स में जवाब करना है सही जवाब क्या होगा ओवन टू क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका ओबन टू ठीक है यूके की कंपनी द्वारा विकसित किया गया है जिसे कैनोनिकल लिमिटेड कहा जाता है तो बिल्कुल राइट बात है ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट होगा देखिएगा ओवन टू सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिद्धांतों पर आधारित है आपका जो ओवन टू सॉफ्टवेयर है यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिद्धांतों पर आधारित है आपका जवाब यहाँ पे क्या होगा क्या ये सही बात है

पूछा गया है डक डक गो निम्न में से क्या है व्हाट इज डक डक गो आपको बताना है इसमें डक डक गो क्या है कौन सा सही जवाब हो जाएगा डक डक गो यहां पे क्या है ये आपको बताना है तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्च इंजन डक डक गो एक आपका सर्च इंजन है याद रखना है और कहां का है ये तो ये है आपका चाइना का ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है एस टी टी पे में टीटी का क्या मतलब होता है एसटीटीपी में टीटी का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो यहां पर हो जाएगा टेक्स्ट ट्रांसफर ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा एचटीएमएल डैश की भाषा होती है किसकी भाषा होती है एचटीएमएल किसकी भाषा होती है यह आपको बताना है वेब पेज सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर या फिर ऑफ का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ये किसकी भाषा होती है तो ध्यान रखना है ये आपकी वेब पेज की भाषा होती है ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा वेब पेज की भाषा होती है आईपीवी में कितने बिट होते हैं हाउ मेनी बिट्स इन आईपीवी एड्रेस आईपीवी एड्रेस में कितने बिट होते हैं आपको बताना है बताइएगा यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32 बिट होते हैं कितने होते हैं 32 बिट होते हैं आईपीवी4 में और यही अगर आपसे पूछे आईपीवी6 में कितने होते हैं तो आईपीवी6 में 128 बिट होते हैं ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा जीओआई का फुल फॉर्म क्या होता है जीओआई का फुल फॉर्म आपको बताना है जीओआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा राइट आंसर करना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जी यू आई का पूरा नाम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है विंडोज 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है सभी बच्चों को बताना है विंडोज 10 में कौन सा डिफॉल्ट ब्राउजर होता है सभी टॉप क्वेश्चन सभी टॉप सेलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह बनाया है हमने आज इस मैराथन क्लास में तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कुछ बोला नहीं जा सकता है सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए टॉप क्वेश्चन यहां पर हमने शामिल किए हैं तो विंडोज टेन का डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है बताइएगा माइक्रोसॉफ्ट एज ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर है जो कि विंडोज 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर है जब आप विंडोज 10 को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि वेब ब्राउजर है इंस्टॉल हो जाता है इसके साथ में ही आपको मिल जाता है इसीलिए इसको कहते हैं डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है Microsoft, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा सीट ऐड करने में प्लस कैसा होता है क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि सीट ऐड करने में मतलब जब आप ऑफिस कैल्कि में कोई सीट को ऐड करते हैं तो उसमें जो प्लस होता है ना ऐड करने वाला प्लस कैसा होता है ऑप्शन दिया था थिक होता है थिन होता है डॉक्टर वाला होता है कोई नहीं होता है तो आपको बताना है भाई इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कैसा होता है तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा थिक होता है थोड़ा सा आपने देखा डार्क होता है ना मोटा सा ऐसे करके थिक होता है ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा फंट साइज बदलने के लिए कौन सी बार में जाते हैं फंट साइज को चेंज करना है तो कौन सी बार में जाएंगे काफी अच्छा प्रश्न पूछा है अगर हमारा जो फंड साइज है ना इसको हमें बदलना है तो हम कौन सी बार में जा सकते हैं बार कौन सी दी है पहले ये देख लो ऑप्शन दिया है फॉर्मेटिंग टूल बार ठीक है फिर दिया है स्टैंडर्ड टूल बार और फिर दिया है मेनू बार और फिर दिया है नन ऑफ तीज तो इसमें से आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्टी सी का आप सभी को बताना है तो इसके लिए हमें फॉर्मेटिंग टूल बार में जाना होता है देखो चाहे हम फंड का आकार चेंज करें चाहे हम फंड का कलर चेंज करें फंड का साइज बढ़ाएं तो हमें इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है और फॉर्मेटिंग के लिए हमें फॉर्मेटिंग टूल बार में जाना होता है फॉर्मेटिंग टूल बार का आप इस्तेमाल करेंगे ठीक है अगर कभी आपसे मेनू पूछें तो आपको बता देना है फिर हमें फॉर्मेट मेनू में जाना होगा क्योंकि फॉर्मेट मेनू में भी हमें ये ऑप्शन मिल जाएंगे सारे ओके अगला क्वेश्चन देखिएगा आईपी क्या है वर्ट इज आई पी आई पी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल तो आईपी क्या है एक ब्राउजर है एड्रेस है नेटवर्क है या फिर नन ऑफ दिच इसमें से आईपी क्या है आपको पता आईपी एक एड्रेस होता है तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईपी एक पता है एक एड्रेस है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन कहता है इंप्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है मैक्सिमम जूम की बात की गई है आप इंप्रेस प्रोग्राम में अगर अधिक से अधिक जूम करना चाहते हैं तो कितना जूम कर सकते हैं इम्प्रेस कैसा प्रोग्राम है एक आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसमें हम मैक्सिमम तीन हजार परसेंट तक जूम बढ़ा सकते हैं तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वी और मिनिमम अगर आपसे पूछ लें तो कितना हो जाएगा फाइव परसेंट पांच परसेंट कम से कम अधिक से अधिक तीन हजार परसेंट सबसे ज्यादा आप लिब्रो ऑफिस में इंप्रेस में जूम बढ़ा सकते हैं ठीक है बाकी अगर बात करते हैं दोनों की जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे राइटर भी हम आपको बता देते हैं हालांकि आपको पता होगा क्योंकि बहुत सारे क्लास हमें दिए हैं जिसमें ये सब कुछ बताया आपको तो राइटर का जो मैक्सिमम होता है वो कितना होता है 600 परसेंट होता है और अगर बात करते हैं मिनिमम की तो ट्वेंटी परसेंट होता है अगर यही हम बात कर ये तो आपका राइटर का हो गया ठीक है क्योंकि आप सभी का एग्जाम होने वाला है ऐसे में आपको बहुत ही ध्यान से पूरी क्लास करनी है सब कुछ आपको रिवाइज करना है अगर हम बात कर लेते हैं कैल्क की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कैल्क में जो मैक्सिमम होता है वो चार होता है और मिनिमम ट्वेंटी होता है ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छा एक चीज और आपको बता दें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है देखो कई बार होता क्या ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे गए आपसे वहां पे पूछा था कि लिब्रोफिस कैल्क में या लिब्रोफिस इंप्रेस में मैक्सिमम जूम कितना होता है और ऑप्शन में क्या दिया था चार सो परसेंट फाइव हंड्रेड परसेंट ठीक है 600 सौ परसेंट और यहां पर दे दिया था टू हंड्रेड परसेंट अब देखिए भाई ऑप्शन में हमें कहीं पर भी तीन हजार परसेंट नहीं दिया है चार 500 600 सौ और दो और पूछा है कि इंप्रेस में मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं तो अब क्या करोगे आप आपको यहां पर जो सबसे ज्यादा होगा ना उसी का टिक कर देना है तो ऐसे इसलिए मैंने बताया क्योंकि हमने कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जिसमें बच्चों ने हमारे पास क्वेश्चन भेजे हैं बोला सर ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें कहीं तीन हजार दिया ही नहीं था तो जो हमें क्योंकि हम छे तो कर सकते हैं और छह से ज्यादा ऑप्शन में दिया नहीं है तो हम और क्या कर सकते हैं छे सौ पर ही हमें टिक करना पड़ेगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ठीक है चलो यदि आपका डॉक्यूमेंट टू से अधिक है तो कितनी स्कोल बार आपको दिखाई देंगे स्क्रॉल बार आपको कितने दिखाई देंगे आपने देखा होगा एक हॉर्जेंटल स्क्रॉल बार होता है और एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है है ना आपने देखा होगा एक तो आपको ऐसे मिलता है जिससे हम स्क्रॉल कर सकते हैं पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं और एक आपका ऐसे होता है जिससे हम पेज को लेफ्ट राइट right कर सकते हैं तो ये वाला हमें कब मिलता है दो सौ से अधिक होता है तो कितने मिलते हैं आपको तभी आपको दो मिलते हैं ये वाला भी मिलेगा और ये वाला भी मतलब हॉर्जेंटल और स्क्रॉल दोनों आपको तब मिलते हैं तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तब हमें दो दिखाई देते हैं सौ परसेंट से ज्यादा अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट का परसेंट बढ़ा दिया साइज बढ़ा दिया तो फिर दो स्क्रॉल बार हमें दिखाई देते हैं वैसे एक ही दिखाई देगा निम्न में आप चार्ट किस से ऐड कर सकते हैं चार्ट आप किस से मीन्स किस मेनू से ऐड कर सकते हैं चार्ट को व्यू रेफरेंस इंसर्ट या फिर पेज लेआउट तो चार्ट आप कौन से मेनू में जाकर के इंसर्ट कर सकते हैं हमने आपको बताया जहां पर भी इंसर्ट करने वाली बात होगी तो अधिकांश वहां पर 99 परसेंट वहां पर क्या होता है इंसर्ट मेनू ही होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इंसर्ट मेनू यह बात आपको ध्यान रखना है कभी आपको आंसर ना पता हो और कहीं पर आपको ऐसा लगे कि इंसर्ट करने वाल वाली बात हो गई है जैसे हमें इमेज इंसर्ट करनी है तो हमें इंसर्ट मेनू में ही जाना पड़ेगा चार्ट इंसर्ट करना है इंसर्ट मेनू में ही जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है विट क्वाइन के फाउंडर आपको बताने हैं विट क्वाइन के फाउंडर कौन है काफी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा ही जाता है बिटकॉइन क्या है एक क्रिप्टो करेंसी है क्या है एक क्रिप्टो करेंसी है इसके फाउंडर का नाम बताना है सतोशी नाकामोटो है इसके फाउंडर ऑप्शन नंबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा इनमें से कौन एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है कौन सा एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है आंसर करिएगा सिक्सटी थ्री का कौन सा जवाब हो जाएगा बताइएगा फाइनेंशियल फंक्शन आपको बताना है कौन सा नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सम आपका फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है अगला क्वेश्चन देखिएगा इनमें से कौन एक टेक्स्ट फंक्शन नहीं है कौन सा एक टेक्स्ट फंक्शन नहीं है जो टेक्स्ट पर काम करता है ऑप्शन में दिया है C -H -A -R मतलब e तो कैरेक्टर, right बी आपका राइट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द्वारा अधिकृत और परिचालित इंटरनेट पर स्थित कंप्यूटर्स इनमें से किस डोमेन का हिस्सा है बताइएगा डॉट कॉम डोमेन है डॉट एजू डोमेन है डॉट मेल डोमेन है या फिर नन ऑफ दिच तो 65 में आपको जवाब करना है इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी एजू एजू डॉट एजू डोमेन मतलब डॉट एजू आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ठीक है जो आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें जो भी जो डोमेन होता है अधिकांश वो आपका क्या होता है डॉट एजू होता है मतलब एजुकेशन से संबंधित ठीक है जो कॉमर्शियल होता है उसमें डॉट कॉम होता है और डॉट मेल किस लिए होता है मिलिट्री की जो वेबसाइट होती है अधिकांश वहां पर डॉट मेल आपको दिखाई देता है फेसबुक के संस्थापक कौन है आपको बताना है फेसबुक के संस्थापक कौन है बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर है तो आपको पता है फेसबुक के संस्थापक कौन है मार्क मार्क जुकरबर्ग जुकरबर्ग ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं और यहां पर आपको बताना है राइटर में प्रोग्राम राइटर प्रोग्राम में चार्ट कितने प्रकार के डाल सकते हैं तो आपको बताना है राइटर प्रोग्राम में आप चार्ट कितने प्रकार के इंसर्ट करा सकते हैं चार प्रकार के पांच प्रकार के दस प्रकार के या फिर बारह प्रकार के तो अभी हमने आपको बताया था चार्ट को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल करते हैं और चार्ट कितने प्रकार के डाल सकते हैं तो दस प्रकार के चार्ट आप इंसर्ट करा सकते हैं राइटर प्रोग्राम में चलिए और यहाँ पर आपको बताना है दो हजार रुपए के नोट का रंग कैसा होता है दो हजार रुपए के नोट का रंग आपको बताना है कैसा होता है मजेंटा पर्पल स्काई ब्लू या फिर नन ऑफ थीच तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला ध्यान रखना है मजेंटा दो हजार रुपए के नोट का रंग मेजेंटा होता है ध्यान रखना है सभी बच्चों को चलिए और यहां पर आपको बताना है बाइनरी नंबर में बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या होती है बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू आपको बतानी है ठीक है इसका क्या वैल्यू होता है थ्री फाइव सिक्स या फिर वन जीरो वन इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी फाइव देखिए जो आपका बाइनरी नंबर एक है इसका मान कितना होगा फाइव होगा अगर आप फाइव को चेंज करते हैं बाइनरी नंबर में तो उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना एक एक ठीक है ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ट्रू फॉल्स में जवाब करना है लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा और यहां पर आपको बताना है निम्न में कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है राइट right आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है

फ्लॉपी हार्ड डिस्क या फिर रैम तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा रैम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है डाटा को स्टोर करके नहीं रखती है इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम केवल क्या होता है जब तक आपका डेटा प्रोसेस होता है जब आप किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं उसी समय वो सॉफ्टवेयर वो डेटा आपका रैम के अंदर होता है उसके बाद में यहाँ परमानेंट आप डाटा को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं तो यह एक स्टोरेज डिवाइस में नहीं आती है क्वेश्चन नंबर सेवनटी टू में बताना है कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या होता है कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम होगा एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा ब्राउजर या फिर फाइल मैनेजर तो इसमें आपको जवाब करना है कौन सा सही जवाब होगा सेवनटी टू में कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या होता है ऑप्शन पहला हो जाएगा यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका राइट आंसर होगा किसी सॉफ्टवेयर को अवैध तरह से चलाने को क्या कहते हैं किसी सॉफ्टवेयर को अवैध तरीके से अगर आप चलाते हैं इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम क्या नाम देते हैं कोलाबोरेसन सॉफ्टवेयर पायरेसी हैकिंग या फिर नन ऑफ दिच तो 73 में आप सभी को जवाब करना है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा देखिए किसी सॉफ्टवेयर को अगर आप अवैध तरीके से चलाते हैं तो इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सभी को ध्यान रखना है सॉफ्टवेयर पायरेसी का नाम दिया जाता है कंप्यूटर स्पीकर्स या हेडफोन किस प्रकार के डिवाइस हैं कंप्यूटर स्पीकर्स या हेडफोन किस प्रकार के डिवाइस हैं इनपुट आउटपुट या इनपुट या सॉफ्टवेयर या फिर आउटपुट तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं ऑप्शन नंबर डी देखो आपका स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है जो डेटा जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आउटपुट करता है आपको आवाज सुनाई देती है और हेडफोन भी जैसे हम अपने हेड पर लगाते हैं तो यह भी हमारी एक आउटपुट डिवाइस है जिससे भी हम आवाज सुनते हैं क्वेश्चन देखिएगा 75 क्या कहता है कंप्यूटर स्टार्ट करने का प्रोग्राम किस प्रकार की मेमोरी होल्ड करता है कंप्यूटर स्टार्ट करने वाला प्रोग्राम कौन सी मेमोरी में रखा जाता है रोम रैम कैश या फिर तो 75 में सभी को जवाब करना है कौन सा आपका सही आंसर होगा कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोग्राम किस मेमोरी में रखा जाता है ऑप्शन पहला हो जाएगा रोम के अंदर रखा जाता है जिसे हम रीड ऑली मेमोरी का नाम देते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा वेब पेज जिससे देखे जाते हैं उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं यानी कि जिस प्रोग्राम से वेब पेज देखे जाते हैं उस प्रोग्राम का नाम आपको बताना है वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट प्रोटोकॉल या फिर ब्राउजर तो जिस प्रोग्राम से आप वेब पेज को देखते हैं उस प्रोग्राम का नाम होता है ब्राउजर ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है इसकी मदद से ही हम वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं यानी कि डब्ल्यू 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 पर क्या है उसको देखने के लिए हमें ब्राउजर का ही इस्तेमाल करना होता है क्वेश्चन पूछा गया है पांच सौ रुपए के नोट का साइज कितना होता है अब आपको बताना है फाइव हंड्रेड रुपीज के नोट का साइज अभी आपको बताया था कलर दो हजार रुपए के नोट का कलर क्या होता है अब आपको बताना है पांच सौ रुपए नोट के साइज और इस पर हमने एक अलग से भी वीडियो बनाया जहां पर सारे नोट के साइज कलर सब कुछ वहां पर ऑलरेडी बता दिया है तो आप उसको भी देख सकते हैं पांच सौ रुपए के नोट का साइज कितना होगा छियासठ एम एम बाई एक सौ पचास एम एम ध्यान रखना है तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कहता है निम्न में से सबसे कम स्टोरेज क्षमता किसकी है सबसे कम स्टोरेज क्षमता मतलब जिसमें सबसे कम डेटा स्टोर हो सके हार्ड डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क फ्लॉपी डिस्क या फिर ऑफ सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी किसके अंदर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क में ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा आईएसपी का पूरा रूप क्या होता है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ आईएसपी आपको आईएसपी का पूरा नाम बताना है ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने कंप्यूटर पर संगीत सुनने हेतु आपके लिए क्या आवश्यक होगा अपने कंप्यूटर पर संगीत सुनने के लिए आपके लिए क्या आवश्यक होगा वीडियो कार्ड टेप रिकॉर्डर माउस या फिर साउंड कार्ड तो इसमें आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर तो आपको पता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साउंड कार्ड की आवश्यकता होती है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है इसमें से क्या बताना है कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है LinkedIn है लिंक विकीपीडिया -E ये होगा आपका लिंक्ड इन तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकीपीडिया ध्यान रखना है विकीपीडिया एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है एक ज्ञान का भंडार है विकीपीडिया आपको पता होगा अगला क्वेश्चन देखिएगा इनपुट और आउटपुट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है इनपुट को आउटपुट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है ये आपको बताना है आप इनपुट को आउटपुट किसके माध्यम से करते हैं मेमोरी स्टोरेज सीपीयू इनपुट डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस तो आपको पता है सीपीयू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यही तो प्रोसेस करेगा तभी तो हमारा इनपुट का आउटपुट में चेंज होगा ठीक है क्वेश्चन देखिएगा निम्न में कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है नॉन मेमोरी कौन सी है ये आपको बतानी है नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है यस रैम डी रैम रोम या फिर नफीच देखो आपको पता है आपकी जो मेमोरी है जो प्राइमरी मेमोरी है जैसे हम मुख्य मेमोरी का नाम देते हैं दो प्रकार की होती है एक रैम होता है एक हमारा रोम होता है मेमोरी के दो भाग होते हैं रैम होता है और रोम होता है रैम हमारा के अंदर भी आपके दो पार्ट होते हैं एक आपका एस रैम होता है और एक आपका डी रैम होता है एस रैम का मतलब होता है स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एस रैम ये आपकी नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी भी कहलाती है कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है और कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ता है तो डी रैम को आपको रिफ्रेश करना पड़ता है एक है एक रिफ्रेशिंग मेमोरी होती बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है बट एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है इसका मतलब स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसका मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी अब पूछा है कौन सी नॉन वोलेटाइल है तो यहां पर हमारा सही जवाब हो जाएगा सी रोम होता है रोम हमारा नॉन वोलेटाइल होता है क्योंकि आपको

घड़ी कैलकुलेटर अवेकस या फिर माउस तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर ठीक है का कहां किया गया था मिस अवेकस का जो था वो कहां हुआ था भारत में चीन में फ्रांस में या यूनान में अबेकस का आविष्कार कहां पर हुआ था तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चाइना यानी कि चीन में हुआ था किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया था किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ था लॉन्च किया गया था या आया था आप ऐसा भी बोल सकते हैं तो आपको हमने बताया था किस जनरेशन में आया था चौथी जनरेशन में आया था डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है और यहां पर आपको बताना है एच एम डी का फुल फॉर्म क्या होता है व्हाट इज द फुलच एम डी यहां पर क्या हो जाएगा एच एम डी एच एम डी का पूरा नाम आप सभी को बताना है इसमें कौन सा राइट right आंसर होगा तो यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हेड माउंटेड डिस्प्ले आपका करेक्ट आंसर है हेड माउंटेड डिस्प्ले क्वेश्चन नंबर देखिएगा पूछा गया है पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है बताओ तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ब्लेज़ पास्कल के द्वारा ध्यान रखना है सभी को टेक्स्ट के लाइन के शुरुआत में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है टेक्स्ट की लाइन के शुरुआत में जाना है तो कौन सी की आप प्रेस करते हैं कौन सी कुंजी आपको दबाना होता है यहां पे सही जवाब कर देना है आप सभी को क्या हो जाएगा आपका राइट right आंसर तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन पहला होम टेक्स्ट की लाइन के शुरुआत में जाना है तो हमें होम की प्रेस करना होता है होम बटन हमें दबाना होता है कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी है कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं बताओ टोटल फंक्शन की आपको पता है अफ वन से लेकर के एफ ट्वेल्व तक होती हैं तो फंक्शन की की संख्या बारह होती है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है आपको बताना है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है माउस कीबोर्ड मॉनिटर या फिर जॉयस्टिक तो इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा रही है माउस कैसा है इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड कैसा है इनपुट डिवाइस है है जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस लेकिन मॉनिटर आपका स्टेप्स फॉलो करने होते हैं मेल मर्ज करने के लिए कितने चरण होते हैं कितने स्टेप्स होते हैं तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फाइव स्टेप होते हैं पांच चरण होते हैं मेल मर्ज करने के लिए और कई बार ये पूछते हैं कि मेल मर्ज करने के लिए मेल मर्ज का ऑप्शन हमें कौन से मेनू में मिलता है तो ध्यान रखना है टूल्स मेनू में आपको मेल मर्ज का ऑप्शन मिलता है टूल्स मेनू में आपको जाना होता है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है आपको क्या बताना है कौन सा आउटपुट नहीं है मॉनिटर प्रिंटर प्लॉटर या फिर जॉयस्टिक आउटपुट कौन सा नहीं है देखो मॉनिटर तो आपका आउटपुट है प्रिंटर भी आपका आउटपुट है प्लॉटर भी है बट जॉयस्टिक आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है किस मेमोरी में कंप्यूटर बंद करने पर डाटा समाप्त हो जाता है कंप्यूटर आपने बंद किया तो आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा किस मेमोरी में अगर आपका रखा है डिस्क रोम या फिर CD? तो आपको पता है अगर आपने रैम के अंदर आपका कोई भी डेटा है वो आपका डिलीट हो जाएगा जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा वी यहाँ पे राइट है लिब्रो ऑफिस स्पेड में नया दस्तावेज बनाने के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस लिब्रोफिस स्प्रेडशीट में अगर आपको एक नया दस्तावेज बनाना चाहते हैं तो क्या होगा इसका शॉर्टकट की एक नया डॉक्यूमेंट आपको लेना है एक नया ही आपको लेना है तो इसके लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं कौन सी शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल एन से हम एक नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं तो कंट्रोल एन हमारा राइट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है आप सभी को बताना है सीडी डीवीडी प्रिंटर या फिर फ्लॉपी डिस्क इसमें भी आपका इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा प्रिंटर प्रिंटर आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है आउटपुट डिवाइस है जो डेटा को आउटपुट करता है बट अगर बात करते हैं सीडी डीवीडी या फ्लॉपी डिस्क की तो ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है डीवीडी का पूरा नाम आप सभी को बताना है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है फुल फॉर्म क्या होता है तो इसमें कौन सा सही जवाब है आप सभी को जल्दी से आंसर करना है कौन सा होगा राइट आंसर डीबीडी का मतलब क्या होता है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क भी होता है इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा बोथ ए एंड सी चलो भाई अगला क्वेश्चन बताइएगा जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है इसमें से राइट आंसर कर देना है सभी बच्चों को क्या हो जाएगा और सौ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस क्लास में तो यहां पर हमारा राइट right आंसर बता देना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा फोर्ट्रांस जिसका मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो जल्दी से ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे क्लास को भाई लाइक भी कर देना तो आप देखेंगे 101 क्वेश्चन क्या कहता है वी टू बी का पूरा नाम आप सभी को बताना है वी टू बी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका सही जवाब जल्दी से बताइएगा v2b का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा v2b का फुल फॉर्म और यहां पर आपको बताना है लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में मिलता है आपको बताना है मास्टर स्लाइड फंक्शन आपको किस मेनू में मिलेगा बताइएगा तो राइट आंसर कर देना है सभी बच्चों को ऑप्शन में दिया है स्लाइड शो व्यू स्लाइड या फिर नन ऑफ दीज तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपको व्यू मेनू में मिलेगा मास्टर स्लाइड का फंक्शन और आपको पता है जब आप मास्टर स्लाइड में कोई भी बदलाव करते हैं तो यह सभी स्लाइड पर प्रत्येक स्लाइड पर डिस्प्ले होता है अगर आपने यहां पर कोई भी बैकग्राउंड अप्लाई किया कोई इमेज आपने लगाई तो वो आपका हर जगह हर स्लाइड पर डिस्प्ले करेगा यह ध्यान रखना है आप सभी को ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 103 क्या कहता है प्रेस को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है प्रेषक को वापस लौटाने वाला मेल क्या कहलाता है आपको बताना है व्लिंक मेल बाउंस मेल रिटर्न मेल या फिर स्पैम तो प्रेषक को जिसने मेल भेजा है अगर उसी के पास मेल वापस आ जाता है तो उसको कहते हैं बाउंस मेल ऑप्शन यहां पर हो जाएगा वी बाउंस मेल कहते हैं ठीक है आपने जब किसी को मेल भेजा होगा और कई बार क्या होता है ना अगर आपने गलत ईमेल का एड्रेस भर दिया है ईमेल का पता सही नहीं है मतलब वो ईमेल है ही नहीं और उस पर आपने मेल कर दिया है तो आपको आपने देखा होगा एक बाउंस मेल प्राप्त होता है यानी कि आपको ही वो मेल वापस आ जाता है जिसे हम बाउंस मेल कहते हैं कैल्क में कितने रो और कॉलम होते हैं कैल्क में टोटल नंबर ऑफ रो और कॉलम आपको बताने हैं एक का सही जवाब करना है सभी को क्या हो जाएगा राइट right आंसर कितने रो और कॉलम होते हैं एक हजार चौबीस कॉलम होते हैं और दस लाख अड़तालीस हजार पांच सौ छिहत्तर आपके टोटल रो होते हैं आपको ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन देखेगा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी का विकास किसके द्वारा किया गया था आईसी का विकास किसके द्वारा हुआ था जे किल्बी के द्वारा हुआ था ठीक है तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा जे किल्बी कुछ अलग तरीके से लिखा है यहां पर जेएस किलबी आपका राइट आंसर होगा ठीक है ध्यान रखना है क्वेश्चन देखिएगा किस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते हैं किस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में साइज में सबसे बड़े होते थे प्रथम जनरेशन द्वितीय पीढ़ी या द्वितीय जनरेशन या फिर तृतीय पीढ़ी या फिर इसमें से कोई नहीं फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन या फिर नन ऑफ किस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते थे तो ऑप्शन हो जाएगा पहला फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आकार में बड़े होते थे क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी वो क्या थी वैक्यूम ट्यूब था वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था

स्टार #06# has, जैसे ही आप डायल करते हैं तो आपको आपके स्क्रीन पर आईएमआई नंबर डिस्प्ले हो जाएगा ठीक है चलो और ये तो आपको पता होगा आईएमआई का आईएमईआई का मतलब क्या होता है फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बता दो अच्छा एक बार ठीक है क्योंकि कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए अगर किसी को नहीं पता है उसको भी पता चलना चाहिए आज की इस पूरी वीडियो में सारा कुछ यहां पर कवर करने वाले हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंट्री और कई बार आपसे पूछते हैं कितने डिजिट का होता है तो ये पंद्रह डिजिट का होता है पंद्रह डिजिट का होता है ये भी आपको ध्यान रखना है एटीएम और क्रेडिट कार्ड में सी कितने डिजिट का होता है आपने देखा होगा आपके डेबिट कार्ड में या आप जैसे एटीएम कार्ड बोलते हैं तो उसमें जो सी नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है आपके कार्ड के पीछे आपके कार्ड के बैक साइड में एक सी नंबर होता है जिसका मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू ये भी ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू हो जाएगा तो ये कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कितने डिजिट का होता है थ्री डिजिट का होता है ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सी तीन अंकों का होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में जूम का न्यूनतम साइज कितना होता है जूम कितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम इंप्रेस में ठीक है यहां पर सॉरी न्यूनतम पूछा गया है लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में जूम का न्यूनतम साइज आपको बताना है कम से कम कितना कर सकते हैं तो आपको बताया था मैंने कम से कम फाइव परसेंट कर सकते हैं यानी कि पांच परसेंट आप कम से कम जूम कर सकते हैं मैक्सिमम तीन हजार परसेंट कर सकते हैं लिब्रो ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है प्रेजेंटेशन कैसे बोलते हैं कैल के इंप्रेस राइटर या फिर इसमें से कोई नहीं तो लिब्रो ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है ये आपको बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा तो प्रेजेंटेशन होता है आपका इम्प्रेस ऑप्शन नंबर वी इम्प्रेस जैसे आपने देखा होगा एमएस ऑफिस में आपका पावर पॉइंट होता है वैसे ही लिब्रो ऑफिस में आपका इम्प्रेस होता है जो कि एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है कैलक एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जैसे आपने एक्सेल का नाम सुना होगा वैसे ही यहाँ पर लिब्रो ऑफिस में कैल्क होता है और राइटर जैसे आपने एमएस वर्ड का नाम सुना होगा तो एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है वैसे ही राइटर भी हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है लिब्रो ऑफिस का ठीक है और ये तीनों सॉफ्टवेयर आपके ट्रिपल्स एग्जाम में आते हैं आपके सिलेबस में इनको शामिल किया गया है क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है निम्न में से कौन सी एक्सटेंशन लिब्रो ऑफिस से संबंधित नहीं है अब यहां पे क्या बताना है कौन सी एक्सटेंशन ऐसी है जो संबंधित नहीं है जिसका लिब्रो ऑफिस से कोई भी संबंध नहीं है ओडीटी ओडीएस ओडीपी आर टी एफ तो ऑप्शन नंबर डी आर टी एफ आरटीएफ का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फाइल इसका मतलब रिच टेक्स्ट फाइल जो कि किसकी एक्सटेंशन है वर्ड पैड की वर्ड पैड की एक्सटेंशन है वर्ट ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ये राइटर की है नोट कर लो भाई सभी बच्चे ये 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 राइटर की 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 है ये आपकी है की है ये आपकी की है आपकी 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 ओडीएस किसकी स्प्रेड और ओडीपी अगर बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन का मतलब यहां पर जैसे मैंने राइटर लिखा ये वर्ड प्रोसेसिंग था स्प्रेड सीट यहां पे कैल्क हो जाएगा कैल्क और ये यहां पे क्या हो जाएगा इमप्रेस हो जाएगा ठीक है सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है सबसे छोटा कंप्यूटर आपको बताना है मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर तो इसमें सबसे छोटा कंप्यूटर हमारा होगा कौन सा माइक्रो कंप्यूटर ऑप्शन नंबर बी है माइक्रो कंप्यूटर क्वेश्चन देखिएगा उमंग ऐप में एन का क्या अर्थ होता है उमंग ऐप में एन का मतलब आपको बताना है न्यू एज उमंग ऐप में एन का मतलब न्यू एज आप सभी को ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा कैल्क कैल्क में में फाइल फाइल एक्सटेंशन एक्सटेंशन क्या है है आपको आपको बतानी है। अभी अभी आपको बताया था तो कैल्क का जो फाइल एक्सटेंशन होगा कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है आपको यस देखना है ओडीएस यहां पे दिया गया है ऑप्शन नंबर वी हमारा राइट right आंसर हो जाएगा यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया आप लोग बताएं जल्दी से यूपीआई को किसके द्वारा डेवलप किया गया नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन पेमेंट्स गेटवे या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो यूपीआई को किसके द्वारा डेवलप किया गया यूपीआई का मतलब क्या होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है और इसे एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपका राइट आंसर होगा क्या डायल करने से यू सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है क्या डायल करें कि आप सेवाओं का लाभ ले सकें यूएसएसडी का मतलब क्या होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म होगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा और इस सेवा का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टार डबल लाइन हैश कोड इस्तेमाल करना होता है ठीक है कैल्क में ए वन प्लस ए टू को ऐड करने से क्या परिणाम होगा क्या रिजल्ट आएगा अगर कैल्क में आप सेल ए वन प्लस सेल ए टू कर देते हैं दोनों को जोड़ देते हैं तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा कोई वैल्यू नहीं बताई गई आपको ऐसा नहीं कहा गया है कि ए वन में अगर पांच दिया है और ए टू में अगर छह दिया है तो ए वन प्लस ए टू का मान कितना हो जाएगा ऐसा नहीं बताया गया है तो यहां पर हो जाएगा जीरो फिर आएगा जीरो अगर आप कोई दो ब्लैंक सेल को जोड़ देते हैं तो उसका आंसर होगा जीरो ऑप्शन नंबर यहां पे भी आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नंबर देखिए वैक्यूम ट्यूब तकनीक कौन सी पीढ़ी में प्रयोग की जाती थी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस जनरेशन में किया जाता था आपको आंसर करना है इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा तो अभी हमने आपको बताया था वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कहां होता है और इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला प्रथम पीढ़ी यानी कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था अगला क्वेश्चन देखिएगा उमंग ऐप में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है मीन उमंग ऐप में कितनी भाषाएं हैं ये आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है उमंग ऐप में कितनी भाषाएं हैं उमंग का मतलब यूनिफाइड यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है तो इसमें कितनी भाषाएं हैं आपको ये बताना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेरह उमंग आपका ऐप जो है वो तेरह भाषाओं में काम करता है ये आपको ध्यान रखना है लिब्रोफिस में अंतिम कॉलम का नाम आपको बताना है लिब्रोफिस में जो टोटल कॉलम की संख्या कितनी होती है एक हजार चौबीस होती है तो एक हजार चौबीस वाला जो कॉलम है उसका नाम क्या होता है अंतिम कॉलम का नाम आपको बताना है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला ए एम जे अंतिम कॉलम का नाम ए एम जे होता है सभी बच्चों को ध्यान रखना है और यहाँ पर आपको बताना है डॉट कॉम किससे संबंधित है तो यहां पर बताइएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा डॉट कॉम किस से संबंधित है एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉमर्सियल है कॉमर्शियल है? है जो कॉमर्शियल वेबसाइट होती है अधिकांश वहां पर आपको डॉट कॉम एक्सटेंशन दिखाई देता है ठीक है क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या पूछा गया है पहला सर्च इंजन कौन सा है फर्स्ट सर्च इंजन आपको बताना है पहला सर्च इंजन कौन सा है याहू आरची गूगल या फिर इसमें से कौन सा आपका राइट right आंसर है पहला सर्च इंजन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आरसी और यहां पर आपको बताना है पावर पॉइंट में सो प्रिव्यू करने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे अगर आप सो प्रव्यू करना चाहते हैं तो क्या आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा होम टैब स्लाइड शो डिजाइन या फिर ये सभी 130 का जवाब करना है आपका यहां पे राइट right आंसर क्या होगा तो स्लाइड शो करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी हमें यहां पर करेक्ट करना है ऑप्शन भी आपका राइट right आंसर हो जाएगा क्वेश्चन देखिएगा सिक्स का पता कितने बिट का होता है सिक्स एड्रेस कितने बिट का होता है 32 64 128 140 तो राइट आंसर होगा 128 128 आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर सी ठीक है ऑप्शन नंबर सी 128 आपका राइट right आंसर हो जाएगा कोमंग का अर्थ क्या होता है यानी कि फुल फॉर्म यहां पर आपको बतानी है उमंग का पूरा नाम आपको बताना है अभी पूछा था उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है अब फिर पूछा उमंग कितनी भाषाओं में काम करता है और अब आपको बताना है उमंग का पूरा नाम क्या होता है तो इसका मतलब यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है फोन पे क्या है मैसेंजर है सोशल साइट है ई वॉलेट है या इनमें से कोई नहीं तो फोन पे आपको बताना है फोन पे क्या है 126 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा फोन पे क्या है फोन पे हमारा ई e बॉलेट का एक प्रकार है ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर ई e बॉलेट अगला क्वेश्चन देखेगा ई सी बी का फुल फॉर्म क्या होता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए और यहाँ पर बताना है ई सी बी की फुल फॉर्म क्या होती है ई सी बी का पूरा नाम क्या होता है 127 का जवाब करना है सभी बच्चों को और यहाँ पर हो जाएगा सी एक्सटर्नल कंप्यूटर वॉर इसका राइट right आंसर हो जाएगा एन यूयूपी की फुल फॉर्म आपको बतानी है एन यूयू पी का पूरा नाम क्या होता है बताइएगा 128 में कौन सा करेक्ट जवाब हो जाएगा एन यूयू पी का फुल फॉर्म क्या होता है 128 में आप सभी को बताना है कौन सा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म चलिए यहाँ पर आपको बताना है ट्विटर में ट्वीट करते समय अधिकतम कितने करेक्टर प्रयोग कर सकते हैं मीन्स कितने करेक्टर आप ट्वीट करते समय लिख सकते हैं एक सौ चालीस एक सौ अस्सी दो तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है आप सभी को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो सभी बच्चे क्लास को शेयर करते रहो ठीक है क्योंकि आज इस क्लास में अधिक से अधिक बच्चे शामिल होने चाहिए इस मैराथन क्लास में जो भी हमने क्वेश्चन शामिल किए हैं आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सो आपको पूरी क्लास पूरी मेहनत और लगन के साथ करनी है तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 280 सौ करेक्टर आप शामिल कर सकते हैं पहले 140 था बट बाकी बाद में बढ़ा करके 280 कर दिया गया है तो अब सी ऑप्शन हमारा यहां पे करेक्ट है क्वेश्चन दो लाख से पांच लाख के बीच ट्रांसफर करने पर कितना चार्ज लगता है यह आपको बताना है दो लाख से पांच लाख के बीच में ट्रांसफर करने पर कितना चार्ज लगता है तो सही जवाब यहां पे क्या हो जाएगा आप सभी को जल्दी से जवाब करना है इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा ट्वेंटी और यहां पर आपको बताना है है निम्न में से मोबाइल मोबाइल ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम कौन सा ऑफ़ द फॉलोइंग अ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ उपरोक्त में से सभी अगला क्वेश्चन देखेगा एवीआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है एवीआरएस का पूरा नाम आप सभी को बताना है फुल फॉर्म यहां पर क्या हो जाएगा आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस होता है तो ऑप्शन पहला हो जाएगा आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है प्लॉटर मॉनिटर लाइट पेन और प्रिंटर आउटपुट कौन सी नहीं है प्लॉटर आउटपुट है मॉनिटर आउटपुट है प्रिंटर भी आउटपुट है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लाइट पेन ये आपकी इनपुट डिवाइस है और इनपुट भी इनपुट के अंदर भी इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस में कंसिडर करते हैं कई बार पूछते हैं ना पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है तो लाइट पेन एक प्रकार की पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस आपकी है अगला क्वेश्चन देखिएगा जब हमारे पास कोई मेल भेजता है तो किस में दिखाई देता है काफी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे अभी पिछले एग्जाम में जो जुलाई में एग्जाम हुआ था तो जब हमारे पास कोई मेल भेजता है तो ये किस में दिखाई देता है जब आपके पास कोई मेल भेजेगा तो ये इनबॉक्स में दिखाई देगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला इनबॉक्स निम्न में से किसका उदाहरण है ना ओटीपी किसका एग्जाम्पल है? है आपको बताना है. एक बच्चे गलत कर सकते हैं क्योंकि यहां पर वन टाइम पासवर्ड दिया है तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपसे ओ का फुल फॉर्म नहीं पूछा है ओ का मतलब वन टाइम पासवर्ड होता है और वो यही तो पूछ रहे हैं कि वन टाइम पासवर्ड निम्न में से किसका एग्जाम्पल है तो वन टाइम पासवर्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर यहां पर वी हो जाएगा इससे क्या होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है जैसे आपने अपना लॉग इन और पासवर्ड यूज किया अब पासवर्ड डालने के बाद भी आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा उस ओ को आप डालेंगे तभी आप लॉग कर सकते हैं तो ये हमारा क्या हो गया टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया जब हमें कोई मेल प्राप्त होता है और उसे दूसरों को भेजना होता है तो यह क्या, क्या कहलाता है हमें कोई मेल आया है और उसी मेल को हमें किसी और को भेजना होता है तो हम इसे किस क्या नाम देते हैं इसको क्या बोलते हैं तो 136 का जवाब करना है क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारे पास कोई मेल आया है और हमें दूसरों को भेजना है तो हम इसे क्या कहेंगे फॉरवर्ड करेंगे ऑप्शन बी तब हो जाएगा फॉरवर्ड और जब हमें उसी मेल को जो मेल हमारे पास आया है उसी को हमें रिप्लाई करना होता है तो हम रिप्लाई करते हैं ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा पूछा गया है पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को बताना है पीओपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा पीओपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल तो ऑप्शन पहला हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा लिब्रो ऑफिस राइटर में नए पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में नए पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करेंगे एक नया पेज आपको लेना है राइटर में तो कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करेंगे इसके लिए कंट्रोल एन का इस्तेमाल करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा कंट्रोल एन क्वेश्चन देखिए 139 में कहता है याहू किससे संबंधित है आपको बताना है याहू किससे संबंधित है सर्च इंजन वेब ब्राउजर ई कॉमर्स या फिर नन ऑफ दीज इसमें याहू से याहू किससे संबंधित है यह आपको बताना है तो यहां पर क्या हो जाएगा याहू हमारा एक सर्च इंजन है ऑप्शन पहला करेक्ट होगा सर्च इंजन अगला क्वेश्चन देखिएगा राइटर में फंड के आकार को छोटा करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं फंड के आकार को छोटा करना है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं यह आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा अगर आप फंड के आकार को छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में आप ये ओपन वाला ब्रेकेट इस्तेमाल करेंगे अगर आप साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में आप क्लोज वाला ब्रेकेट इस्तेमाल करेंगे ध्यान रखना है ठीक है तो यहां पर ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन कहता है एस का उपयोग किया जाता है एस एम टी पी इज यूज फॉर मेल को भेजने के लिए करते हैं मेल को डाउनलोड करने के लिए करते हैं एक्सेस समय के लिए करते हैं या फिर इसमें से कोई नहीं तो एस एम टी पी का इस्तेमाल कब किया जाता है ये आपको बताना है एस एम टी पी का इस्तेमाल कब करते हैं मेल को भेजने के लिए करते हैं ठीक है और इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेल को भेजने के लिए एस का इस्तेमाल करते हैं और मेल को डाउनलोड करने की अगर बात करें तो यहां पर पीओपी का इस्तेमाल होता है पीओपी थ्री का इस्तेमाल करते हैं मेल को डाउनलोड करने के लिए ठीक है ये आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंस्टाग्राम किस से संबंधित है बताओ वट इज इंस्टाग्राम रिलेटेड टू फेसबुक से संबंधित है गूगल से संबंधित है माइक्रोसॉफ्ट या फिर यूट्यूब से संबंधित है इंस्टाग्राम किससे संबंधित है इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और आपका फेसबुक भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन पूछा गया है आई का पूरा नाम क्या होता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई आपको बताना है आई का पूरा नाम क्या हो जाएगा कौन सा यहां पे सही जवाब हो जाएगा आई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा 143 में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इमीडिएट पेमेंट सिस्टम हो जाएगा आई का मतलब इमीडिएट पेमेंट सिस्टम ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन पूछा गया है एटीएम कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं एटीएम कार्ड जो आपका होता है ना एटीएम कार्ड नंबर कितने अंक का होता है बताइए एटीएम कम डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं तो सोलह डिजिट होते हैं सोलह अंकों का आपका होता है एटीएम कार्ड आपको ध्यान रखना है ऑप्शन हमारा यहां पर सी हो जाएगा एटीएम का अर्थ क्या होता है फुल फॉर्म आपको बताना है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है इसका मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा एटीएम का पूरा नाम क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है आपको बताना है मास्टर कार्ड वीजा बोथ ए एंड बी या फिर ऑफ दीज <coughs> कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी दोनों मास्टर कार्ड भी और वीजा भी ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर बताना है निम्न में से किसी ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जाना जाता है किसी ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जाना जाता है इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग दोनों या फिर कोई नहीं तो ऑनलाइन बैंकिंग के लिए किसे जाना जाता है ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो जाएगा दोनों नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग दोनों यहां पर राइट आंसर है पीएम एस बी के अंतर्गत दुर्घटना व्रत पर क्षतिपूर्ति कितनी दी जाती है पीएमएसबी बाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति कितनी आपको दी जाती है यह बताना है 148 का सही जवाब क्या हो जाएगा तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दो लाख रुपए ऑप्शन नंबर पी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर पूछा गया है भारतीय रुपए का चिन्ह जिसे मान्यता मिली यानी कि भारतीय रुपए का चिन्ह जिससे मान्यता कब मिली आपने देखा होगा भारतीय रुपए का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है तो इससे कब मान्यता मिली यह आपको बताना है एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दो में इससे मान्यता मिली ठीक है दो आपका राइट आंसर है पूछा है अनिएफटी सेवा किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी अनि कब प्रारंभ की गई थी तो 150 में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर एनईएफटी कब शुरुआत हुई थी 2005 से एनईएफटी की शुरुआत हुई थी और अगर आपसे पूछते हैं आरटीजीएस तो 2004 आरटीजीएस की शुरुआत हुई थी 2004 से किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है इसमें बताइएगा राइटर right सर कौन सा हो जाएगा किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को प्रीमियम के नाम से जानते हैं तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा प्रीमियम अगला क्वेश्चन आपको बताना है इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे किससे होती होती है इंटरनेट होती है इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा आपको बताना है तो कौन सा यहां पे सही जवाब होगा वन फिफ्टी टू आप सभी के सामने है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पासवर्ड ठीक है पासवर्ड आपका राइट right आंसर है पूछा गया है भीम ऐप का पूरा नाम क्या होता है भीम ऐप का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है इसमें कौन सा करेक्ट जवाब हो जाएगा तो इसका मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला भारत इंटरफेस फॉर मनी अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है यह आपको बताना है 154 में कौन सा सही जवाब है तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला अठारह से चालीस चालीस से अठारह लिखा है उल्टा लिख दिया गया है अठारह से चालीस ठीक है अठारह से चालीस वर्ष तक के लोगों के लिए अटल पेंशन योजना है यह आप बोल सकते हैं क्वेश्चन देखिएगा अगला पूछा क्या है आपसे ग्राहक द्वारा किसी ऑर्डर को कैंसिल करने में कंपनियां किस वॉलेट का प्रयोग करती हैं ग्राहक द्वारा किसी ऑर्डर को कैंसिल करने में कंपनियां किस वॉलेट का इस्तेमाल करती हैं ओपन वॉलेट सेमी ओपन वॉलेट क्लोज्ड वॉलेट या फिर इसमें से कोई नहीं तो 155 का आपको जवाब भेजना है 155 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोज्ड वॉलेट का इस्तेमाल करती हैं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है क्लोज्ड वॉलेट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था कब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था यह आपको बताना है बताइए एक में कौन सा राइट आंसर है तो ऑप्शन हो जाएगा 9 मई 2015 को ऑप्शन पहला है 9 मई 2015। क्वेश्चन देखिए 57, 157 में पूछा गया है यूपीआई पेमेंट इंटरफेस द्वारा विकसित की गई है डैश यहां पे लगा हुआ है मींस क्या हो जाएगा आप राइट आंसर यूपीआई पेमेंट इंटरफेस द्वारा विकसित की गई किसके विकसित की गई है यह आपको बताना है ऑप्शन पहला है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के द्वारा डीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा द फुल फॉर्म ऑफ़ डीएफटी तो डीएफटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट right आंसर 158 में आपको बताना है डिजिटल फाइनेंशियल टूल ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा वी डिजिटल फाइनेंशियल टूल अगला क्वेश्चन देखेगा हम प्रतिदिन की बचत के लिए चालू खाते का प्रयोग करते हैं हम प्रतिदिन की बचत के लिए चालू खाते करेंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं क्या यह सही है तो यह हो जाएगा फॉल्स क्योंकि आपको पता है बचत के लिए हम सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं ना कि करंट अकाउंट तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सेविंग सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर यह फॉल्स होगा क्योंकि तो हो बचत के लिए हम सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं करंट अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्वेश्चन देखिएगा डायलप कनेक्शन पी का इस्तेमाल करते हैं ट्रू फॉल्स में बताना है डायलप कनेक्शन पीएसटीएन का इस्तेमाल करते हैं पब्लिक स्विस्ट टेलीफोन नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है भी आपको ध्यान रखना है तो क्या ये सही है बिल्कुल राइट है ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन देखिएगा 161 कहता है निम्न में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है आपको बताना है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल निम्न में से कौन सा है तो यहां पर आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट right होगा थर्मल प्रिंटर अगला क्वेश्चन देखिएगा ए आई किस पीढ़ी में आया ए आई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जनरेशन में आया तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन में आया और कई बार पूछते हैं ए आई का जनक किसे कहा जाता है तो ध्यान रखना है जॉन मैकार्थी को AI का जनक कहा जाता है जॉन मैकार्थी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है जो नेट बैंकिंग में नहीं आता है इसमें से क्या है जो नेट बैंकिंग में नहीं आता है कौन सा हो जाएगा राइट आंसर तो यहां पर हो जाएगा डी चेक आपका नेट बैंकिंग में नहीं आता है क्वेश्चन पूछा है व्हाट्सएप क्या है व्हाट्सएप क्या है आपको यह बताना है इंस्टेंट मैसेजिंग है ईमेल सर्विस है ई-कॉमर्स e है या फिर नन ऑफ दीज इसमें से आपको बताना है व्हाट्सएप क्या है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल है व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल है आप सभी को ध्यान रखना है क्वेश्चन देखिए अगला पूछा गया है ईमेल में कितने भाग होते हैं हाउ मेनी पार्ट्स इन ईमेल तो ईमेल में कितने भाग होते हैं ये आपको बताना है ईमेल में कितने भाग होते हैं दो भाग होते हैं ऑप्शन पहला, पहला करेक्ट होगा पहला वाला पार्ट होता है यूजर नेम और दूसरा वाला पार्ट होता है डोमेन नेम पहला यूजर नेम दूसरा आपका डोमेन नेम होता है बीच में एट द रेट का सिंबल होता है जो दोनों भागों को अलग करने का काम करता है लाइट पेन क्या है इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस से आउट स्टोरेज डिवाइस से या फिर नन ऑफ टेज तो लाइट पेन किस प्रकार की डिवाइस है आपको पता है लाइट पेन एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला अगर यहां पर दिया होता पॉइंटिंग डिवाइस तो भी आप करेक्ट कर सकते थे क्योंकि लाइट पेन आपका इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस होती है ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है हमने सभी वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी हैं और इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया था जिसमें सारी वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की वहां पर हमने डिस्कस की थी तो आप उसे भी देख सकते हैं यहां पर आपको बताना है नई टैब आप किस शॉर्टकट की से ओपन कर सकते हैं तो आपको दबाना है कंट्रोल के साथ में टी और जैसे ही कंट्रोल आप टी दबाते हैं तो आपके ब्राउजर में एक नई टैब ओपन हो जाएगी क्वेश्चन कहता है स्प्रेडशीट में फंक्शन के अंदर फंक्शन बना सकते हैं एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी बना सकते हैं ट्रू फॉल्स में जवाब करना है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा तो बिल्कुल सही ऑप्शन पहला हो जाएगा फंक्शन के अंदर भी फंक्शन बना सकते हैं और यहां पर आपको बताना है इंटरनेट का प्रारंभिक विकास किसके द्वारा किया गया तो इंटरनेट का प्रारंभिक विकास किसके द्वारा किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया गूगल के द्वारा किया गया अर्पानेट के द्वारा किया गया या फिर नन ऑफ दिस तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्पा नाम की एक कंपनी थी एक संस्था थी है ना यूएसए में डिफेंस के द्वारा है ना डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ये नेटवर्क बनाया गया था जिसका नाम था अर्पानेट तो अर्पा नाम की एक एजेंसी थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जिसका नाम था इसने एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम रखा गया अर्पानेट यानी कि इसका नाम हो गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क तो प्रारंभिक विकास जो था वो अर्पानेट के माध्यम से ही किया गया था और कई बार पूछते हैं कि पहला नेटवर्क कौन सा था तो दुनिया का जो पहला नेटवर्क था वो अर्पानेट ही था यह भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है आपको बताना है आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या होता है बताइएगा आईआरसी टी सी का फुलफॉर्म आप सभी को बताना है इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसका मतलब होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन आप सभी को ध्यान रखना है भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से रिवाइज करना है ध्यान रखना है क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा ठीक है क्वेश्चन देखिएगा जी ओ आई का फुलफॉर्म क्या होता है पूरा नाम बताना है जी ओ का तो इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका राइट right आंसर हो जाएगा क्वेश्चन कहता है हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है वट इज द शॉर्टकट की टू हाइपर लिंक हाइपर लिंक को इंसर्ट कराना है तो कौन सी शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करना होता है तो हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल के इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंट्रोल के से हम हाइपर लिंक को इंसर्ट करा सकते हैं क्वेश्चन देखिएगा यूटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है काफी अच्छा प्रश्न है यूटीपी कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो सभी को ध्यान रखना है इसका मतलब क्या हो जाएगा यूटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा वन सेवन थ्री का आपको जवाब करना है इसका मतलब अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल हो जाएगा आपका राइट आंसर अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल ठीक है सभी को ध्यान रखना है चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 174 क्या कहता है इक्वल प्रोडक्ट उसके बाद टू फिर कामा फाइव कामा सेवन का मान कितना होगा इसकी वैल्यू आपको बताना है ठीक है इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा देखो सबसे पहले क्या होगा सम करना पड़ेगा फाइव सेवन को सम कर दो जोड़ दो क्या हो जाएगा बारह हो जाएगा और बारह की दो में आप गुणा करा दो, 12 दो ना, 24 हो जाएगा तो बी ऑप्शन दोनों राइट आंसर होगा क्योंकि पहले हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा तो सम का मतलब जोड़ना सम जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फाइव और सेवन को जोड़ देंगे तो बारह हो जाएगा और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना है ना और अब बारह की गुणा अगर आप दो में कराते हैं तो ट्वेंटी फोर आपका राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन पूछा गया है आईएफएससी का पूरा नाम क्या होता है आईएफएससी का फुल फॉर्म आपको बताना है आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बताइएगा इसका मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है द फॉर्म ऑफ डीवीडी इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ट्रू फॉल्स में आपको जवाब करना है क्या यह सही है डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क भी होता है और डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है तो इसे आप करेक्ट करेंगे ऑप्शन पहला करेक्ट है क्वेश्चन पूछा है यूएसडी का फुल फॉर्म। यूएसडी का फुल फॉर्म बताना है यूएसडी का पूरा नाम क्या होता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर यूएसडी का मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर है ना सबसे बड़ा कंप्यूटर किस पीढ़ी में था सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में था शायद था, था तो सबसे बड़ा कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में था पहली पीढ़ी में सबसे बड़ा कंप्यूटर था ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन पूछा है काफी अच्छा प्रश्न अमेरिकन क्रेडिट कार्ड में सीबीबी नंबर कितने डिजिट का होता है बताइएगा अमेरिकन

कहा जाता है किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग या संस्थापक का संस्थापक कहा जाता है तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा जस्टिन हेल ऑप्शन आपका जस्टिन हेल ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा चलो और यहां पर आपको बताना है PSTN का फुल फॉर्म द फुल फॉर्म ऑफ पी एस का पूरा नाम आप सभी को बताना है कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तो यहां पर सही जवाब है पब्लिक स्विस्ट टेलीफोन नेटवर्क ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है क्वेश्चन पूछा गया है IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है IMEI का पूरा नाम आप सभी को बताना है ठीक है तो कौन सा जवाब हो जाएगा International Mobile Equipment Identity. Option number यहाँ पर हो जाएगा ठीक right है है आपका पे निम्न में कौन पता यानी किसी फिजिकल एड्रेस का होता है किसी फिजिकल एड्रेस का पता क्या होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है मोबाइल एक्सेस कंट्रोल होता है मीडिया एडवांस कम्युनिकेशन होता है या फिर नन ऑफ दीच तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसे हम मैक का नाम देते हैं मैक एड्रेस मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है एक physical पता होता है, ये एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो आपके में लगा होता है, तो है है, है ना तो का ही कहलाता ये ध्यान रखना आप सभी को पहला सर्च इंजन था पहला सर्च इंजन कौन सा था यह बताना है फर्स्ट सर्च इंजन की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आरची आपका पहला सर्च इंजन था क्वेश्चन नंबर देखिए 186 कहता है ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है कौन सा सही जवाब हो जाएगा तो ब्लूटूथ में होता है पैन यानी कि डब्ल्यू पैन यहां पर सही जवाब हो जाएगा वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है आपके ब्लूटूथ में यह आपको ध्यान रखना है पूछा गया है साटा का पूरा नाम क्या होता है वट इज द फुल फॉर्म ऑफ साटा साटा का पूरा नाम आप सभी को बताना है इसमें कौन सा राइट right आंसर हो जाएगा साइटक साटा का पूरा नाम क्या हो जाएगा तो इसका मतलब होता है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भी यहां पे करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन बताइएगा इक्वल राउंड 246, 246.346,2 का रिजल्ट क्या होगा यह आपको बताना है 188 में कौन सा राइट right आंसर हो जाएगा बताओ कौन सा यहां पर सही जवाब हो जाएगा तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दो दशमलव तीन पांच यानी कि यहां पर पूछा है राउंड फॉर्मूला का मान कितना होगा और देखो यहां पे दिया है दो दशमलव तीन चार और 6 दिया है कामा यहां पर क्या दिया है दो दिया है तो हमें दो राउंड करने हैं दो स्थान ही रखने हैं ना पॉइंट के बाद में ये दो वैल्यू रखनी है छे यहां से हटाना है और जो संख्या यहां से रिमूव होगी अगर वो फाइव है या फाइव से बड़ी है तो क्या करना पड़ेगा हमें एक संख्या जो यहाँ पे जो बच रही है ना उसी में प्लस कर देना होगा मतलब यहां पर हमें प्लस एक कर देना होगा तो अगर हम यहां पे प्लस एक करेंगे तो ये चार के स्थान पर फाइव हो जाएगा तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा बी आर का फुल फॉर्म आपको बताना है बी आर का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा बी आर का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है ठीक है का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल रियलिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा पूछा गया है यू आई डी आई किस से जुड़ा है यू आई डी ए आई किस से जुड़ा है पैन कार्ड से आधार कार्ड से यूपीआई से या फिर ऑल ऑफ तीज से यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है और ये आधार कार्ड से संबंधित है आधार कार्ड से जुड़ा है क्वेश्चन पूछा है एफ एस एफ का फुल फॉर्म क्या होता है एफ एस एफ का पूरा नाम आप सभी को बताना है इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ऑप्शन हमारा वी होगा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन बताना है आईओटी में टीका मतलब क्या होता है आईओ टी में टीका फुल फॉर्म क्या होता है टीका पूरा मतलब क्या होता है यह आपको बताना है टीका मतलब थिंग हो जाएगा ऑप्शन सी आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग इंस्टाग्राम in पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा सकता है इंस्टाग्राम पर आप कितनी देर का वीडियो अपलोड कर सकते हैं साठ सेकेंड का कर सकते हैं बीस सेकेंड का कर सकते हैं तीस सेकेंड का कर सकते हैं या फिर दस सेकेंड का कर सकते हैं तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साठ सेकेंड का कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर वीडियो आप साठ सेकेंड का अपलोड कर सकते हैं क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है पी आर ए का फुल फॉर्म क्या होता है पी का फुल फॉर्म क्या होता है और आप सभी एक बार फिर से क्लास को भाई शेयर कर दीजिए तो आप समय समय पर क्लास को शेयर करते रहिए और जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक सभी बच्चों को करना है ठीक है इसका मतलब होता है प्राइमरी रेट एक्सेस ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है प्राइमरी रेट एक्सेस का फुल फॉर्म होता है क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है आज इस क्लास में हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे है ना हर तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए या फिर अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं जहां पर भी कंप्यूटर आता है वहां पर ये क्लास आपको हेल्प अवश्य करेगी

और इसका फुल फॉर्म क्या होता है लिस्ट प्रोसेसिंग और कई बार ये भी पूछते हैं कि लिस्ट प्रोसेसिंग जो लिस्ट भाषा है इसका आविष्कार किसने किया है तो इसका आविष्कार जॉन मैकार्थी ने किया है जॉन मैकार्थी ही आपका राइट आंसर होगा ये भी आपको ध्यान रखना है 197 कहता है आर का मतलब क्या होता है आर का पूरा नाम आपको बताना है इसका मतलब क्या हो जाएगा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा v रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है rpa का पूरा नाम क्वेश्चन बताना है smtp प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है smtp प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होगा 20 यहां पर uh, 198 में आपको बताना है कौन सा सही जवाब हो जाएगा और इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन b 25 smtp का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर कौन सा होता है 25 होता है 198 का अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्लोर बारह का रिजल्ट क्या होगा इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या आने वाली है आपको बताना है कौन सा सही जवाब हो जाएगा बताइएगा देखो यहां पर फ्लोर दिया गया है और दिया है 1209.11 सो नौ फ्लोर का मतलब क्या होता है फर्श यानी कि नीचे की तरफ आपको देखना है बारह सौ के नीचे वो संख्या कौन सी है जो ग्यारह से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए ये आपको बताना है तो यहां पर हो जाएगा ग्यारह सौ निन्यानवे ऐसी वो संख्या है जो ग्यारह से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करना है तो कौन सी कमांड आप इस्तेमाल करते हैं ठीक है चिंता मत करो सफी लिनक्स यूनिक्स की कमांड भी हम आपको पढ़ाएंगे इसी सीरीज में इसी वीडियो में तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है यहां पर अभी आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी एल पी आर आपका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपको अगला बताना है यानी कि 201 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है ठीक है कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है वेसिक सी फोट्रान या फिर फास्ट कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये आपको बताना है तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फास्ट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बाकी बेसिक सी फोटान सभी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं बट फास्ट नहीं है क्वेश्चन नंबर अगला बताना है वन निवल कितने किसके बराबर होता है वन निवल किसके बराबर होता है एक निवल में कितने विट होते हैं तो चार विट्स के बराबर होता है वन निवल ये आपको ध्यान रखना है चार विट्स के बराबर होता है वन निवल एक वाइट में कितने विट्स होते हैं एक वाइट्स में कितने विट्स का प्रतिनिधित्व किया जाता है एक वाइट्स में कितने विट होते हैं यह आपको बताना है तो एक वाइट में आठ विट होते हैं आठ विट में एक वाइट होता है ठीक है ये बात आपको ध्यान रखना है और अगर बात करते हैं चार विट की तो अभी आपने देखा था चार विट में क्या होता है वन निवल होता है चार विट में वन निवल होता है अभी हमने आपको बताया था चार विट बराबर वन निवल होता है ठीक है बट आठ विट में वन वाइट होता है अगला क्वेश्चन देखेगा दुई आधारित संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन दी बाइनरी नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं दो होते हैं ऑप्शन यहां पर हो जाएगा वी जीरो और वन होता है ठीक है जीरो और वन किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने में आप किसका इस्तेमाल करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने में आप किसका इस्तेमाल करेंगे ये आपको बताना है अगर कोई डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे वर्ड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा यानी कि अगर आप कोई रिज्यूमे बनाना चाहते हैं कोई बायोडाटा बनाना चाहते हैं तो आप एम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन नंबर अगला 206 में आपको बताना है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है आपको ये बताना है कौन सा हार्डवेयर नहीं है तो यहां पर कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखो माउस प्रिंटर मॉनिटर सभी हार्डवेयर हैं बट एक्सेल आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये आपका हार्डवेयर नहीं है अगला क्वेश्चन है विषम शब्द का प्रयोग करें मीनस विषम शब्द इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है विषम शब्द इसमें से कौन सा है यूनिक्स एमस्टॉस विंडोज सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्सेस आपका विषम है ये आपका अलग है प्लॉटर क्या है इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है बॉथ या फिर नन ऑफ इच प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस है इनपुट आउटपुट दोनों या फिर कोई नहीं तो प्लॉटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है ऑप्शन हमारा v हो जाएगा एक आउटपुट डिवाइस में आता है आपका है आपका प्लॉटर ठीक किसी फाइल या फोल्डर का नाम देने के लिए डैश कुंजी का प्रयोग किया जाता है किसी फाइल या फोल्डर का नाम देने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा तो हमने आपको बताया था अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को रिनेम करना चाहते हैं तो एफ का इस्तेमाल करते हैं एफ टू आपको प्रेस करना होता है दूसरा अगर आप किसी सेल को एडिट करना चाहते हैं तो भी आप एफ टू का इस्तेमाल करते हैं ठीक है क्वेश्चन पूछा गया है अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या है अंडू के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं बताइएगा कंट्रोल जेड कंट्रोल बाई कंट्रोल या केबल बाई फिर नन ऑफ टीच अंडू के लिए क्या करते हैं कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करते हैं और रेडो करने के लिए कंट्रोल बाई का इस्तेमाल करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं कंट्रोल बी का प्रयोग किया जाता है किस लिए बोल्ड करने के लिए इटैलिक करने के लिए फॉर नेम चेंज करने के लिए या फिर नन ऑफ कंट्रोल बी का इस्तेमाल हम कब करते हैं किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए अगर हमें बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी का इस्तेमाल करते हैं इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई का इस्तेमाल करते हैं अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू का इस्तेमाल करते हैं ऑफिस में अगर हमें डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल डी का इस्तेमाल करते हैं तो ये शॉर्टकट की भी आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन पूछा है लाइन किसके लिए उपयोगी है रेलवे बैंक कंपनी और ऑफिस या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के लिए लाइन जैसे लोकल एरिया नेटवर्क का नाम देते हैं किसके लिए उपयोगी है तो ये कंपनी और ऑफिस के लिए ये इस्तेमाल की जाती है डब्ल्यू डब्ल्यू द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है बताइएगा डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब और वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रोटोकॉल का नाम आप सभी को बताना है यहां पर क्या हो जाएगा सही जवाब कौन सा होगा राइट आंसर तो सही जवाब हो जाएगा एच टी जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और अगर आपको मिलता है एच तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और यस फॉर सिक्योर हो जाएगा क्या हो जाएगा सिक्योर हो जाएगा आपको ध्यान रखना है ठीक है यानी कि एस एस एल सिक्योर होता है इसका मतलब होता है सिक्योर सॉकेट सर्टिफिकेट एस एल सिक्योर होता है पर लग जाता है वेबसाइट का संग्रह क्या कहलाता है वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ एस टी एम एल डॉक्यूमेंट ग्राफिकल फाइल नंबर की या फिर ऑल ऑफ दीज तो एस टी एम एल किसका संग्रह होता है html डॉक्यूमेंट्स के संग्रह होते हैं ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा html डॉक्यूमेंट एमएस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन आपको बताना है एमएस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होगा एमएस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है .pptx तो ऑप्शन पहला हो जाएगा .pptx हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्वेश्चन देखिए वे पेज का एक्सटेंशन क्या होगा यहां पे वे पेज का एक्सटेंशन आप सभी को बताना है 216 में कौन सा राइट right आंसर हो जाएगा तो बी पेज का एक्सटेंशन होता है ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला .html आपका राइट right आंसर है और यहां पर आपको बताना है किसी इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है किसी इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है डॉट जेपीजी होता है ए एम आर होता है एम पी थ्री होता है या इसमें से कोई नहीं तो इसमें कौन सा राइट right आंसर हो जाएगा बताइएगा यहां पर हो जाएगा डॉट जेपीजी यानी इसका मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप किसी इमेज फाइल का ये एक एक्सटेंशन होता है ध्यान रखना है अगर आपसे पूछते हैं जेपीईजी तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा और एक इमेज का होता है पीएनजी जिसका मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक तो ये सभी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए ठीक है क्वेश्चन नंबर देखिएगा विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है सी यू वाई है जी यू वाई है एमयू आई है या एल यू आई है विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है आपको बताना है तो विंडोज आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन देखिएगा चमकते बिंदु यानी कि व्लिकिंग पॉइंट जो किसी लेख में आपकी स्थिति दिखाता है उसे क्या कहते हैं जो ब्लिंकिंग पॉइंट होता है जब आप कुछ लिखते हैं कुछ टाइप करते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा एक कर्सर व्लिंक करता होता है तो उसका नाम

दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया था तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा ऐसा नहीं है क्योंकि आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया था फोर्थ जनरेशन में आया था और अब आपको बताना है मनरेगा किससे संबंधित है मनरेगा किससे संबंधित है कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिजनेस टूरिज्म इंप्लॉयमेंट या नो वन कोई भी नहीं तो मनरेगा इंप्लॉयमेंट रोजगार से संबंधित है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आप सभी को ध्यान रखना है मनरेगा रोजगार से संबंधित है क्वेश्चन पूछा गया है अतुल्य ऐप किससे संबंधित है बताइए अतुल्य ऐप किससे संबंधित है टूरिज्म बिजनेस जॉब या फिर नॉफीच अतुल्य ऐप किससे संबंधित है आपको बताना है तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला टूरिज्म से संबंधित है आपका अतुल्य ऐप आप. ये आपको ध्यान रखना है टूरिज्म से संबंधित है ठीक है यानी कि पर्यटन से संबंधित है आप ऐसा बोल सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है पावर पॉइंट में कंट्रोल ई -E कमांड का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है पावर पॉइंट में कंट्रोल ई -E का इस्तेमाल किसके लिए होता है यह आपको बताना है कंट्रोल ई -E से हम क्या कर सकते हैं सेंटर अलाइन कर सकते हैं तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा सी सेंटर अलाइन करने के लिए हम कंट्रोल uh, ई -E का इस्तेमाल करते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है यहां पे पूछा गया है V -tag का इस्तेमाल कहां पर होता है तो आप सभी को बताना है वी टैग का इस्तेमाल कहां पर करते हैं एस टी एम एल में होता है फोटोशॉप में होता है वर्ड या फिर नन ऑफ दीच तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को जल्दी से जवाब करना है वी टैग का इस्तेमाल कहां पर होता है तो आपको पता है एच टी एम एल में वी टैग का इस्तेमाल होता है और इस वी टैग से क्या होता है बोल्ड कर सकते हैं है ना बोल्ड करने के लिए वी टैग का इस्तेमाल करते हैं तो ये एच टी एम एल में इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर आपको बताना है वाज को कब लॉन्च किया गया था ठीक है रुपे डेबिट कार्ड को कब लॉन्च किया गया था 2015 में 2014 में 2013 में या फिर 2016 में तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा 2014 में रुपे डेबिट कार्ड को 8 मई 2014 को लॉन्च किया गया था ध्यान रखना है 8 मई 2014 को रुपे डेबिट कार्ड को लॉन्च किया गया था क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा गया है अतुल्य ऐप कब शुरू हुआ आप सभी को बताना है अतुल्य ऐप को कब स्टार्ट किया गया मीन्स कब लॉन्च किया गया था तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आप सभी के सामने है 227 का आपको जवाब करना है इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताइएगा तो ध्यान रखना है 2002 में अतुल्य ऐप को लॉन्च किया गया था ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है कौन कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है इसमें से कौन कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है बताइएगा कौन सा आपका राइट आंसर है डी फ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम डेटा या फिर नन ऑफ दीज और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए और जो बच्चे चैनल पर पहली बार हैं तो आप सभी सब्सक्राइब करके घंटी के भी बटन को दबा लेना ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भी मिलते रहें तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है ठीक है क्योंकि आपको पता है वायरस भी एक प्रकार का प्रोग्राम ही होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कहता है डेल प्रिंटर किसका प्रकार है डेजिवील प्रिंटर किसका प्रकार है मैट्रिक्स प्रिंटर है लेजर प्रिंटर है इंपैक्ट प्रिंटर है या फिर मैनुअल प्रिंटर का एग्जाम्पल है तो 29 क्या कहता है इसका जवाब क्या होगा आप सभी बच्चों को बताना है बताइएगा 229 आप सभी के सामने है और इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा तो डेजी प्रिंटर किस प्रकार का, का एग्जाम्पल है याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा इंपैक्ट प्रिंटर यहां पर आपको बताना है निम्न में से किसको स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है किसको स्वतंत्र रूप से एक्सेस कर सकते हैं संशोधित कर सकते हैं मीन्स तो उसमें बदलाव कर सकते हैं पैकेट सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं लाइसेंस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं ओ एस एस का मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं या नन ऑफ नीज इसमें से कोई नहीं तो अब आपको बताना है इसमें आपका कौन सा सही जवाब है ठीक है बताइएगा इसमें राइट right आंसर कौन सा है किस किस में आप स्वतंत्र रूप से एक्सेस और बदलाव कर सकते हैं तो ओ एस एस में कर सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आप बदलाव कर सकते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं ठीक है चलिए यहां पर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है फेसबुक क्या है फेसबुक एक मैसेंजर है एक जॉब सर्च या सोशल नेटवर्क है या नन ऑफ दीच इसमें से आपको क्या बताना है फेसबुक क्या है कौन सा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फेसबुक क्या है एक सोशल नेटवर्क है आप सभी को बता है सोशल नेटवर्किंग साइट है आपका फेसबुक ठीक है क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है स्टार्टअप किसके लिए शुरू किया गया ये भी काफी अच्छा प्रश्न है स्टार्टअप किसके लिए शुरू किया गया बताओ डॉक्टर्स के लिए किया गया इंटरप्रिन के लिए किया गया स्टूडेंट्स के लिए किया गया या के लिए किया गया कौन सा इसमें राइट आंसर है तो स्टार्टअप किसके लिए शुरू किया गया है इंटरप्रिन के लिए शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर वी आपका सही जवाब है जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर वी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं और यहां पर आपको बताना है गूगल ड्राइव में अधिकतम कितने जीबी की फाइल को आप अटैच कर सकते हैं अगर आप गूगल ड्राइव से किसी फाइल को अटैच करके भेजना चाहते हैं तो कितने जीबी की फाइल को आप अटैच करके भेज सकते हैं कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बताओ कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्वेंटी थर्टी थ्री का आपको बताना है टू हंड्रेड थर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंद्रह जीबी की फाइल को भी आप अटैच करके भेज सकते हैं तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर कहता है पॉकेट यूपीआई ऐप किस बैंक के द्वारा जारी किया गया पॉकेट यूपीआई ऐप किस बैंक के द्वारा जारी किया गया बताओ यहां पे कौन सा राइट आंसर है तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है बैंक IC के द्वारा पॉकेट यूपीआई ऐप को लॉन्च किया गया था अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज है या मल्टीटास्किंग है मल्टी यूजर है या फिर ऑल ऑफ दीज है ना यहाँ पर यूजर होगा तो बताइएगा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है सिंगल यूजर होता है मल्टीटास्किंग होता है मल्टी यूजर होता है या फिर सभी प्रकार के होते हैं तो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रकार के हैं सिंगल यूजर भी है मल्टी टास्क मल्टी यूजर ऑप्शन उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया अब आपको बताना है उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था 2016 में 2015 में 2014 में या फिर 2017 में तो कब लॉन्च किया गया था उमंग ऐप को 2017 में उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था आपको याद रखना है 2017 में अगला क्वेश्चन देखेगा यूपीआई का उपयोग एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं यूपीआई का उपयोग एक दिन में कितने घंटे आप कर सकते हैं कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तो सही जवाब है ऑप्शन सी आप 24 फोर आवर कर सकते हैं यूपीआई का इस्तेमाल ठीक है और ध्यान रखना है क्वेश्चन देखिएगा कंप्यूटर में कौन सा गुण नहीं है कौन सा कंप्यूटर में गुण नहीं है कौन सी क्वालिटी कंप्यूटर की नहीं है स्टोरेज फीलिंग वर्सेटेलिटी या ऑटोमेटिक तो अब आपको बताना है 238 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है इसमें कौन सा राइट right आंसर हो जाएगा तो आपको पता है कंप्यूटर में क्या नहीं है फीलिंग नहीं है ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है अगला क्वेश्चन पूछा गया है आईएफएससी कोड कितने अंक का होता है आईएफएससी कोड कितने डिजिट का होता है कितने डिजिट होते हैं आपके आईएफएससी कोड में बताओ तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टोटल डिजिट कितने होते हैं ग्यारह होते हैं ठीक है डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का फाइल आप अपलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर में कितने साइज का फाइल अपलोड किया जा सकता है <laughs> कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है जिन बच्चों ने दस एम बताया है उन सभी का सही जवाब है डिजी लॉकर में आप दस एम का फाइल अपलोड कर सकते हैं और कई बार ये पूछते हैं कि डिजी लॉकर के लिए क्या आवश्यक है तो डिजी लॉकर का इस्तेमाल करने के लिए आधार कार्ड आवश्यक है आधार होना जरूरी है ना आधार नंबर डालेंगे तभी आप लॉकर की जो सर्विस है इसका लाभ ले पाएंगे ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा गया है आधार में कुल कितने डिजिट होते हैं आपका जो आधार नंबर होता है इसमें टोटल डिजिट कितने होते हैं कितने अंक होते हैं आपके आधार नंबर में ये आपको बताना है कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बताइए तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टोटल जो नंबर होते हैं आपके आधार में वो बारह अंक होते हैं बारह डिजिट होते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा क्यू आर कोड किसने बनाया ड द क्यू आर कोड या क्यू आर कोड को किसने डेवलप किया किसके द्वारा इसको बनाया गया तो सही जवाब होगा यहाँ पर क्या डेन्सो बैब के द्वारा इसको डेवलप किया है क्यू आर कोड को डेंसो बैब के द्वारा डेवलप किया गया है ये आपको ध्यान रखना है कब डेवलप किया है उन्नीस सौ चौरानवे में क्यू आर कोड को डेवलप किया गया था और क्यू आर का मतलब क्या होता है क्विक रिस्पॉन्स होता है इसका फुल फॉर्म ये भी आपको ध्यान रखना है कई बार एग्जाम में पूछते हैं यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं क्यू आर का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए और क्यू आर कोड कैसा है तो ये टू डी है टू डायमेंशनल ये होता है आपका क्यू आर कोड तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अगर कोई बड़ी कंपनी कच्चा माल खरीदती है तो वह किस तरह का व्यापार है अगर कोई बड़ी कंपनी कच्चा माल खरीदती है तो किस प्रकार का व्यापार है किस मॉडल में आता है क्या ये बी टू बी मॉडल में आएगा वी टू सी में आएगा या सी टू सी में आएगा तो बताइएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ठीक है कौन सा आपका सही जवाब है दो सौ तैतालीस का आपके सामने है तो ये आपका वी टू बी में आ जाएगा देखो यहाँ पर एक कंपनी है जो आ, मैनुफैक्चरिंग का काम करती है कुछ बनाती है कोई प्रोडक्ट बनाती है और एक दूसरी कंपनी है जो भी आ, कुछ प्रोडक्ट बनाती है बट कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके कुछ पार्ट्स हम आ, दूसरी कंपनी से भी मंगा लेते हैं तो अगर मान लिया कंपनी ए और कंपनी बी है ये दो तो अलग अलग कंपनी है जब कंपनी ए कोई भी प्रोडक्ट कम बी कंपनी से मंगाएगा तो यहाँ पर जो व्यापार होगा जो बिजनेस होगा वो तो वी टू वी के अंतर्गत आएगा मतलब यहाँ पर व्यापार बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है आपस में ही हो रहा है और जब किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर के पास जाता है जैसे यहाँ पर आपका कस्टमर है तो अब यहाँ पर क्या हुआ अब यहाँ पर वी टू सी हुआ मतलब बिजनेस टू कस्टमर फिर यहाँ पर हो जाएगा ये चीज आपको ध्यान रखना है और जहां पर कस्टमर टू कस्टमर ही अगर आपस में कोई लेन देन करते हैं तो वहां पर सी टू सी होता है इसका एग्जाम्पल क्या है तो इसका आपका ओ एलेक्स एग्जाम्पल है या फिर क्विकर नाम की वेबसाइट है तो क्वीकर भी इसका एक एग्जाम्पल है जहां पर आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं और आप खरीद भी सकते हैं ठीक है तो ध्यान रखना यहां पर हो जाएगा वी टू वी आपका राइट आंसर अगर आपसे पूछते हैं कि अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनियां हैं ये किस प्रकार की हैं ठीक है अमेजन या फ्लिपकार्ट तो किस में आती हैं तो ये आपका वी टू सी में आती हैं वी टू सी के अंतर्गत आती हैं ये आपको ध्यान रखना है बिजनेस टू कस्टमर आपका फिर हो जाएगा यहां पर बताइए सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है सीसी जब आप किसी को मेल करते हैं और मेल करने के दौरान आपने देखा होगा वहां पर सीसी का भी ऑप्शन दिया होता है तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी ऑप्शन हमारा हो जाएगा वी कार्बन कॉपी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आप अगर किसी को मेल करते हैं और आप उसी मेल की कार्बन कॉपी भी किसी को देना चाहते हैं तो सीसी के अंदर आप जिस व्यक्ति का मेल एड्रेस भर देंगे उसके पास भी एक कार्बन कॉपी चली जाएगी यही आपने देखा होगा कि वी का भी ऑप्शन होता है इसका मतलब क्या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी अब इसमें अगर जिसका ईमेल डालेंगे तो यहां से भी उसके पास एक कॉपी तो पहुंचेगी बट ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगी मतलब अब इस व्यक्ति के पास एक कॉपी गई तो इसको पता नहीं रहेगा कि मेल और किसके किसके पास भेजा गया है बट अगर आप कार्बन कॉपी में देखेंगे तो सभी को पता रहेगा कि ये कॉपी मेरे पास भी आई है ये कॉपी और भी किसी के पास गई है सबको पता रहेगा कि ये कॉपी किसके किसके पास भेजी गई है बट ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर ऐसा नहीं होता है आपको लगेगा कि मेरे पास ही लाया है अगले को लगागा मेरे पास ही में लाया है बट वो काफी सभी के पास गई होती है ठीक है तो ये फर्क होता है वीसीसी और सीसी में आगे बढ़ते हैं लैन में डाटा ट्रांसफर की दर कितनी होती है लैन में डाटा ट्रांसफर करने की दर कितनी होती है मैक्सिमम और होता क्या है मैक्सिमम में कई बार क्या होता है ना कि मैक्सिमम से कम भी दे देते हैं बट हमें ऑप्शन में देखना होता है कि उससे जब कोई ऑप्शन बड़ा नहीं दिया गया है तो फिर हमें जो ऑप्शन में मैक्सिमम होती है वही लगानी होती है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा हंड्रेड एमबीपीएस मैक्सिमम क्या है हंड्रेड एमबीपीएस आपको ध्यान रखना है तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन देखिएगा लैन में कौन सी टॉपोलॉजी नहीं होती है लैन में कौन सी टॉपोलॉजी नहीं होती है इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है दो नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है तो यहां पर आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेस स्टॉपोलॉजी नहीं होती है ध्यान रखना है ऑप्शन सी हमारा राइट right है क्वेश्चन नंबर बताना है दो और इसमें पूछा गया है हेल्प के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की, तो की इस्तेमाल करते हैं विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर हेल्प तो आपको पता है एफ का इस्तेमाल करते हैं हेल्प के लिए हम एफ शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने है लिब्रोफिस राइटर में विजार्ड किस मेनू में पाया जाता है बताओ इन व्हिच मेनू विजार्ड इज फाउंड इन लिबर ऑफिस राइटर फाइल एडिट व्यू या फिर इंसर्ट इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है विजार्ड का विकल्प हमें कहाँ मिलता है फाइल मेनू के अंदर मिलता है फाइल मेनू में जाएंगे तो वहां पर आपको विजार्ड का ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है और यहां पर आपसे पूछा गया है कैल्क में किसी सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं काफी अच्छा और काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है तो कैल्क में अगर कोई सेल है या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये पूछते हैं कि कैल्क में कॉलम की चौड़ाई कैसे बढ़ा सकते हैं तो बात बराबर है ठीक है तो अगर आपकी कोई सेल है या कोई कॉलम है उसकी चौड़ाई को आप बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला अल्ट के साथ में राइट right एरो हमें प्रेस करना पड़ेगा जैसे ही अल्ट दबाएंगे राइट right एरो प्रेस करते जाएंगे आपकी चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी अगर यही आप लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो चौड़ाई आपकी कम हो जाएगी तो यहां पर हो जाएगा अल्ट के साथ में राइट एरो निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है आपको ये बताना है वेसिक कोबॉल फोट्रॉन या फिर नन ऑफ दिच तो बताइएगा यहां पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर्मूला ट्रांसलेशन फार्मूला ट्रांसलेशन आपको ध्यान रखना है यहां पर आपको बताना है निम्न में विषम विकल्प कौन सा है ठीक है विच ऑफ बताना है विषम कौन सा है पास राइटर या फिर बेसिक तो इसमें विषम आपको सेलेक्ट करना है चुनना है कौन सा हो जाएगा देखो राइटर यहाँ से निकल के आ गया ना राइटर आपको पता है राइटर क्या है राइटर एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है तो यही आपका विषम है बाकी सभी लैंग्वेज है चलिए तो यहाँ पर आप सभी को बताना है ऑफिस कैल्क में आप अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं मीन्स ऑफिस कैल्क में आप अधिकतम जूम कितना नहीं कर सकते हैं 200 हंड्रेड परसेंट थ्री परसेंट फोर परसेंट या 500 परसेंट इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कैल्क में आप मैक्सिमम जूम नहीं कर सकते हैं कितना फाइव आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कैल्क में केवल और केवल आप 400 परसेंट तक की जूम बढ़ा सकते हैं ठीक है तो यहां पर 500 आप नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या कहता है सी वेसिक कोबॉल और जाबा एग्जाम्पल हैं किसके एग्जाम्पल हैं आपके ये बताने हैं किसके एग्जाम्पल हैं लो लेवल कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम या हाई लेवल तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी हाई लेवल के एग्जाम्पल हैं सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं क्वेश्चन कहता है सी प्लस प्लस निम्न में से क्या है सी प्लस प्लस आपको बताना है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज है या फिर मशीन लैंग्वेज है तो सी प्लस प्लस किसमें आती है लो लेवल में आती है या फिर हाई लेवल में आती है तो आपको पता है C++ प्लस आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑप्शन नंबर वी यहां पे राइट right आंसर है निम्न में से चिल्लाना का स्माइली कौन सा है आपको बताना है चिल्लाना का स्माइली निम्न में से कौन सा है करेक्ट जवाब करना है सभी बच्चों को इसमें राइट right आंसर क्या हो जाएगा चिल्लाना का ही आपको बताना है तो right है है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ठीक ध्यान रखना सभी को ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है और अगला क्वेश्चन आपको बताना है टेलीकॉम सिस्टम एग्जाम्पल है टेलीकॉम सिस्टम किसका एग्जाम्पल है लैन का एग्जाम्पल है वैन का एग्जाम्पल है रैन का एग्जाम्पल है या फिर मैन का एग्जाम्पल है टेलीकॉम सिस्टम किसका एग्जाम्पल है तो ध्यान रखना है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है आपका टेलीकॉम सिस्टम पूछा गया है आपसे के वाई सी के तहत द्वारा दस्तावेज हैं पासपोर्ट वोटर आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ऑल ऑफ नंबर डी ऑल ऑफ दीज पासपोर्ट वोटर आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस ये सभी मांगे जा सकते हैं तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा Question कहता है एंड्राइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है बताइए एंड्राइड के विकास के लिए आधिकारिक लैंग्वेज कौन सी है आपको बताना है यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन पहला जाबा ध्यान रखना है जाबा अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है ऑप्शन देखिए असेंबली लैंग्वेज पीओपी थ्री सी प्लस प्लस और जाबा प्रोग्रामिंग भाषाओं का समूह इसमें से कौन सा नहीं है आपको यह बताना है तो सही जवाब क्या हो जाएगा पीओपी थ्री ये प्रोग्रामिंग भाषाओं का समूह नहीं है पीओपी थ्री क्या है एक प्रोटोकॉल है जो कि मेल को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है कौन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है आपको बताना है कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वी बी डॉट पे करेक्ट हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर अगला निम्न में से कौन सा एक मशीन स्तर भाषा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ दैंग्वेज सी प्लस प्लस जाबा पाइथन और नन ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज आपको बतानी है कौन सी है तो यहां पर हो जाएगा नन ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा क्योंकि आपको पता है C++ जावा और पाइथन सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं इसलिए यहां पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है आपको बताना है इसमें से कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है ठीक है ऑप्शन में दिया गया है बेसिक C फास्ट और फोरट्रन कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है तो इसमें राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फास्ट ठीक है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है क्वेश्चन कहता है निम्न में बेसिक भाषा कौन सी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक लैंग्वेज प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बॉथ या फिर नन ऑफ दिच तो इसमें कौन सा आपका राइट right आंसर है ठीक है तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला प्रोसीजर ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट right आंसर हो जाएगा क्वेश्चन कहता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने बनाया मीस किसने डेवलप किया हु क्रिएटेड द सी सी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज तो को किसने डेवलप किया आप सभी को बताना है इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा या सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया है तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डेनिस रिची के द्वारा सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दो और यहां पर आपको बताना है कौन सी में लूप का प्रकार नहीं है इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा गया था कौन सी में लूप का प्रकार नहीं है तो यहां पर आपको आंसर करना है कौन सा हो जाएगा सही जवाब इसमें राइट आंसर होगा इफ इल्स लूप का प्रकार नहीं है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इफ एल्स अगला क्वेश्चन देखिएगा ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं आपको ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करना है तो क्या शॉर्टकट के इस्तेमाल करेंगे स्पेलिंग एरर आपको दिखाई दे जाए ऑटोमेटिकली तो क्या होगा शिफ्ट F7 ऑप्शन हमारा वी है शिफ्ट अब 7 ध्यान रखना है सभी बच्चों को और यहाँ पर आपको बताना है लिब्रो ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्मेट DOCX PPTX XLSX को ओपन करने सेव करने के लिए समर्थन शामिल है तो यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आपका ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा लिब्रो ऑफिस के अंदर अगर आप चाहते हैं कि हम किसी फाइल को डी ओ सी एक्स फॉर्मेट में टीपी टी एक्स फॉर्मेट में या फिर एक्सएल एक्स फॉर्मेट में सेव करा दें तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं तो बिल्कुल आप सेव करा सकते हैं ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा यानी कि लिब्रो ऑफिस में अगर आपने कोई फाइल बनाई है तो आप उसको एम एस वर्ड या एम एस पावर पॉइंट या एम एस एक्सएल में भी सेव करा सकते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा पूछा गया है सी भाषा में डैश दबाकर किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है सी भाषा में आप क्या दबाते हैं कौन सी की प्रेस करते हैं जिससे आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाए तो दो में आपको जवाब करना है इसमें कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट है अल्ट के साथ में एफ आप दबा करके प्रोग्राम को कंपाइल करा सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपको बताना है और यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी के द्वारा किया गया है बताइएगा बॉस, या फिर तो यहां पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉस इसका मतलब होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन जिसका विकास किसके द्वारा किया गया है सी डेक के द्वारा किया गया है तो ये भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका मतलब है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन जिसका विकास भारत की सरकारी एजेंसी सी डेक के द्वारा किया गया है सी डेक का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है और इसी सी डेक के द्वारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम आठ चार का भी निर्माण किया गया था तो यह भी आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है ई कॉमर्स के प्रयोग से यूजर बचा सकता है ई कॉमर्स के इस्तेमाल से यूजर क्या बचा सकता है किसकी बचत कर सकता है टाइम की बचत कर सकता है वर्क यानी कि कार्य की बचत कर सकता है वेल्थ यानी कि धन की बचत कर सकता है या फिर डी ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा सही जवाब ई कॉमर्स के प्रयोग से उजर क्या बचा सकता है देखो तो यहाँ पर सही जवाब हमारा क्या होगा ऑप्शन पहला होगा टाइम बचा सकता है समय की बचत कर सकता है कैसे यहां पर एक ऑप्शन दिया उन्होंने वेल्थ यानी कि धन बचा सकता है तो धन नहीं बचा सकता है आपका जितना मूल्य होगा उतना तो आपको चुकाना पड़ेगा तो यहां पर आपको ऑप्शन पहले सेलेक्ट करना है जो करेक्ट जवाब बनेगा वो ये बनेगा ई कॉमर्स की मदद से हम समय की बचत कर सकते हैं अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो हमें कहा मार्केट में जाना पड़ेगा तो मार्केट में जाने में भी समय लगेगा आने में भी समय लगेगा तो इस चीज को हम बचा सकते हैं यानी कि समय की बचत हम कर सकते हैं ई e कॉमर्स के माध्यम से ठीक है ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा लिब्रो ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है ये कैल्क है आपका ये चीज आपको ध्यान रखना है तो लिब्रो ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आपको बतानी है क्या हो जाएगा डॉट ओ टी एस हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट सीट यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा फेसबुक मैसेंजर किस प्रकार का है फेसबुक मैसेंजर किस प्रकार का है ये आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही जवाब है आपको बताना है फेसबुक मैसेंजर सोशल साइट है ईमेल है इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है या फिर नन ऑफ तीज तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेसबुक मैसेंजर आपका इंस्टेंट मैसेजिंग में आता है और कई बार क्या पूछते हैं कि निम्न में फेसबुक से संबंधित कौन सा है तो फेसबुक से संबंधित भी हमारा क्या है मैसेंजर है क्योंकि आपको पता है मैसेंजर फेसबुक के जो आपका आईडी बना है फेसबुक जो आपने अकाउंट बना है उसी से चलता है ठीक है तो यहां पर हो जाएगा हमारा फेसबुक से संबंधित मैसेंजर है और मैसेंजर से संबंधित फेसबुक है ये भी आपको ध्यान रखना है बट फेसबुक कैसा है तो इंस्टेंट मैसेजिंग का प्रकार है आप यहाँ पे रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं कितने मेंबर हो सकते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो इसमें कौन सा राइट आंसर है तो यहां पर अभी हो जाएगा दो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा बट किसी किसी ऑप्शन ने अगर दो दिया होता है तो आप इसे भी करेक्ट कर सकते हैं अभी यहां पर दो हमारा सही जवाब है आपको ध्यान रखना है ठीक है कई बार दो देते हैं तो वहां पर दो भी आप लगा सकते हैं अब देखिएगा पूछा गया है आई नंबर अगर आपको देखना है तो कौन सा कोड आप इस्तेमाल करेंगे शायद ये क्वेश्चन हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं है ना स्टार हैश हैश इस्तेमाल करना होता है क्योंकि बहुत सारे जब मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं तो इतनी बड़ी क्लास में एक दो तो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं है ना कोई बात नहीं है यहाँ पर इसका जवाब होगा ऑप्शन बी स्टार हैश हैश इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं लिब्रोफिस में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की बताइए काफी बार एग्जाम में पूछा गया है सेल फॉर्मेट करने की जो एक शॉर्टकट की है वो क्या होती है

क्वेश्चन देखिएगा एफ का पूरा नाम क्या होता है एफ का फुल फॉर्म आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है यहाँ पे एफ का मतलब होता है फिक्स डिपोजिट तो ऑप्शन हमारा वी है फिक्स डिपोजिट आपका राइट right आंसर हो जाएगा और कई बार ये पूछते हैं कि किस पर आपको ब्याज ज्यादा मिलता है तो आपको पता है अगर आप एफ करते हैं तो एफ पर आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा ब्याज ज्यादा मिलेगा ठीक है पीएम जेडीवाई की फुल फॉर्म बतानी है आपको पी जे का पूरा नाम आपको बताना है क्या होगा सही जवाब सभी बच्चों को लगातार क्लास करते रहना हमारे साथ जुड़ के रहना है क्योंकि काफी मेहनत मुझे करना पड़ता है इसलिए आपको भी मेहनत करने की पूरी पूरी जरूरत है आवश्यकता है तभी आप अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं तो हमारे साथ आपको अच्छे से कंप्लीट क्लास करनी है इस क्लास में आपको सब कुछ मिलने वाला है जो भी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए आपके लिए पढ़ना जरूरी है ठीक है तो अभी बताना है पीएम जे का पूरा नाम क्या हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना ठीक है ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहां वी प्रधानमंत्री जनधन योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा और यहां पर आपको बताना है निम्न में से कौन सा बड़ा डेटा ढांचा गूगल द्वारा विकसित किया गया था मैप रेड्यूस हैंड हाइप या फिर नन ऑफ थी जिसमें से कौन सा आपका राइट आंसर है आप सभी को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है सही जवाब यहां पे क्या हो जाएगा तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला मैप रिड्यूस आपको पता होना चाहिए मैप रिड्यूस आप ध्यान रखना है ठीक है चलिए पहला आईओटी डिवाइस कौन सा था फर्स्ट आईओटी डिवाइस आपको बताना है इस पूरी क्लास में हम आपको वो सारे क्वेश्चन रिवाइज करा देंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं तो सभी टॉप क्वेश्चन अभी आगे आपको मिलने वाले हैं पूरी क्लास को आपको कंटिन्यू करना है और यहां पर शॉर्टकट की से लेके सारी चीजें आपको यहां पर इसी क्लास में मिलने वाली हैं ठीक है तो पहले बताना है फर्स्ट आईओटी डिवाइस कौन सा था पहला ऑप्शन हो जाएगा एटीएम मशीन आपका फर्स्ट यानी कि पहला आईओटी डिवाइस था और आईओटी का मतलब भी आप समझ लो इसका मतलब क्या होता है आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है पताइए इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है और एक आपसे और पूछते हैं आई आई ओ टी का फुल फॉर्म पूछते हैं तो इसका मतलब इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको ध्यान रखना है आई ओ टी का मतलब और आई आई ओ टी का मतलब दोनों का आपका फुल फॉर्म आना चाहिए आप इसी कॉपी पे नोट कर सकते हैं अपनी ठीक है और यहां पर आपको बताना है सी डी रोम है वट इज सी डी रोम सेमी कंडक्टर मेमोरी है मेमोरी रजिस्टर है मैग्नेटिक मेमोरी है या नन ऑफ दिच तो सी डी रोम किस प्रकार की मेमोरी है ये आपको बताना है कौन सा यहाँ पे राइट right आंसर है टू हंड्रेड ट्वेंटी वन आपके सामने है बताइए सी डी रोम किस प्रकार का है इसमें कौन सा राइट right आंसर हो जाएगा तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नन ऑफ दीज ध्यान रखना इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है नन ऑफ दीज आपका सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं टू हंड्रेड एट्टी टू कहता है निम्न में से कौन कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है ऑप्शन में दिया है मेन फ्रेम कंप्यूटर मैक्स फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर या फिर नोटबुक तो कौन सा कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन में नहीं आता है वर्गीकरण में नहीं आता है तो आपको पता है यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा मैक्स फ्रेम क्योंकि आपको पता है मैक्स फ्रेम नहीं है बाकी मैन फ्रेम की बात करते हैं मिनी की बात करते हैं नोटबुक की बात करते हैं ये सभी आपके कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन में आते हैं मैक्स फ्रेम आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कंप्यूटर डैश से मिलकर बना होता है किससे मिलकर कंप्यूटर बनता है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अब मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट यूनिट या फिर ऑल ऑफ दिच या ऑल ऑफ द तो देखिए यहां पर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस शामिल होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट right आंसर होगा अगला क्वेश्चन पूछा है दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आप सभी को बताना है कौन सा राइट right आंसर होगा ठीक है जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ध्यान रखना है सभी को ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिएगा जरूरी फाइलों को गलती से या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए डैश करना अच्छा रास्ता है क्या करना अच्छा रास्ता है ताकि वो फाइल आपकी डिलीट ना हो हिडन कर देना चाहिए या फिर आ, सिक्योर कर देना चाहिए यहाँ पर हो जाएगा सिक्योर की स्पेलिंग गलत है या रीड ऑनली कर देना चाहिए डिलीट कर देना चाहिए तो यहाँ पर सिक्योर ठीक है तो हमें उसको क्या कर देना चाहिए हेडन कर देना चाहिए छिपा देना चाहिए Heiden कर देना चाहिए ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है क्वेश्चन देखिएगा क्रॉप का प्रयोग किया जाता है क्रॉप का प्रयोग आप कब करते हैं टू क्रॉप अ पार्ट ऑफ द पिक्चर टू मिनिमाइज अ पार्ट ऑफ द पिक्चर टू रोटेट अ पिक्चर क्या टू डिलीट अ पिक्चर तो हम क्रॉप का इस्तेमाल कब करते हैं आपको पता है क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं पिक्चर के किसी पार्ट को क्रॉप करने के लिए काटने के लिए अगर हम पिक्चर का कोई भाग काटना चाहते हैं तो क्रॉप करना पड़ेगा लिब्रो ऑफिस में स्प्रेड क्या है लिब्रो ऑफिस में स्प्रेड हम किसे बोलते हैं ड्रॉ इम्प्रेस कैल्क क्या? राइटर दो में आपका राइट आंसर क्या होगा तो आपको पता है लिब्रो ऑफिस में स्प्रेड सीट कैल्क होता है कैल्क एक स्प्रेड प्रोग्राम है आपके लिब्रो ऑफिस का यहां पर आपको बताना है निम्न में से कौन सा आप मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग करते हैं कौन सा आप मार्जिन बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार का करते हैं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का करते हैं स्टैंडर्ड टूल बार का करते हैं या फिर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का करते हैं तो कौन सा आप मार्जिन बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं दो का जवाब करना है इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे अगर आपको मार्जिन सेट करना है मार्जिन को बदलना है या चेंज करना चाहते हैं तो क्वेश्चन देखिएगा प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है सेंडर को ही वापस आ जाता है ऐसे मेल को क्या नाम देते हैं तो, ऐसे मेल को बाउंस मेल का नाम देते हैं ऑप्शन हमारा वी करेक्ट हो जाएगा बाउंस मेल और इस क्वेश्चन में आपको बताना है लिस्ट सर्वर क्या करता है तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा लिस्ट सर्वर क्या करता है बताइएगा करेक्ट आंसर करना है सभी बच्चों को और यहां पर आपका राइट right आंसर हो जाएगा मैनेज मेलिंग लिस्ट ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन पूछा यदि मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजना हो तो कौन सा कमांड प्रयोग करना होगा यदि मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को मेल भेजना हो तो कौन सा कमांड आपको प्रयोग करना पड़ेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा मेल रिफ्लेक्टर ऑप्शन पहला है मेल रिफ्लेक्टर क्वेश्चन देखिएगा अचानक डिलीटेड फाइल को किस कमांड द्वारा रिकवर कर सकते हैं अचानक से कोई फाइल आपने डिलीट कर दी धोखे से डिलीट हो गई तो हम कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं उसको अनडिलीट करके या डिलीट कैंसिल करके रिस्टोर करके या रिकवर करके तो हमें क्या करना पड़ेगा उस फाइल को हमें रिस्टोर करना पड़ेगा ऑप्शन सी हो जाएगा रिस्टोर कर सकते हैं रिस्टोर करने से क्या होगा वो फाइल आपकी उसी लोकेशन में चली जाएगी जिस लोकेशन से आपने डिलीट की होती है जैसे अगर आप कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है स्वाभाविक है वो आपके कहाँ जाएगी रिसाइकल बिन में जाएगी है ना रिसाइकल बिन में जाती है जब आप कोई किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो आपकी रिसाइकल बिन में आ जाती है अब इस रिसाइकल बिन से अगर फाइल वापस लाना चाहते हैं तो आप या तो रिसाइकल बिन में वापस आएंगे और यहां से इसको हम कट करके पेस्ट कर सकते हैं कट करेंगे और पेस्ट हम जहाँ चाहे वहां कर सकते हैं दूसरा हम क्या कर सकते हैं इस फाइल को रिसाइकल बिन से रिस्टोर कर सकते हैं रिस्टोर करने से एक बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आपकी फाइल पता लगा तीन चार फोल्डर के अंदर कहीं रखी थी और आपको ये पता नहीं है अब कि वो फाइल हमारी कहां से डिलीट हो गई है तो रिसाइकल बिन में जाकर जैसे ही आप रिस्टोर करते हैं वो फाइल पुनः उसी फोल्डर में जाएगी जहां से वो डिलीट होकर आई थी ठीक है तो ये आपका यहाँ पे एक फायदा मिलेगा रिस्टोर करने से आई एस ओ का पूरा नाम आप सभी को बताना है आई एसओ का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन अगला क्वेश्चन देखिएगा डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहां पर होती है आपके डेस्कटॉप पर जो समय और दिनांक होता है ये कहां पर डिस्प्ले होता है समय और दिनांक कहां पर डिस्प्ले होता है ये बताना है तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला टास्क बार पर समय और दिनांक आपको दिखाई देता है आपके डेस्कटॉप पर और यहां पर आपको बताना है एफ का पूरा नाम क्या होता है वर्म ऑफ एफ डी एम आप सभी को एफ का पूरा नाम बताना है कौन सा यहां पे राइट आंसर है एफ का मतलब क्या हो जाएगा बताइएगा तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग भी होता है और फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग भी होता है अगर ये दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं तो आप दोनों करेक्ट करेंगे मतलब फिर आपको बोथ ए एंड बी करके दिया होगा और इसमें से अगर कोई एक दिया है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं चलिए और यहां पर आपको बताना है लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट रूप से कितना मार्जिन सेट होता है ये बताना है लिब्रो ऑफिस में डिफॉल्ट रूप से कितना मार्जिन होता है ठीक है तो यहाँ पर सही जवाब होगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंच ये डिफॉल्ट मार्जिन होता है आपके लिब्रो ऑफिस में क्वेश्चन नंबर देखिए कहता कहता है 297 क्या कहता है क्या लिब्रो ऑफिस में एंड नोट और फुट नोट का विकल्प किस मेनू में मिलता है इन विच मेनू डज दी ऑप्शन ऑफ एंड नोट एंड फुट नोट इन लिब्रो ऑफिस हेल्प व्यू इंसर्ट या फॉर्मेट किस मेनू के अंदर आपको एंड नोट और फुट नोट का ऑप्शन देखने को मिलता है तो यहां पर से ही जवाब हो जाएगा इंसर्ट मेनू इंसर्ट मेनू में आपको एंड नोट और फुट नोट का ऑप्शन देखने को मिलता है ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर देखिए अगला कहता है जीएनयू की फुल फॉर्म क्या होती है आपको बताना है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जुलाई एग्जाम में काफी पूछा गया था क्वेश्चन जी का मतलब क्या होता है जी का मतलब क्या होता है ऑप्शन पहला ही करेक्ट है हमारा जीएन नॉट यूनिक्स ये आपका फुल फॉर्म होता है एक मारुति कार एम से टायर खरीदती है तो इसे क्या कहेंगे बताइएगा तो इसे क्या कहेंगे इसे सी टू सी कहेंगे वी टू सी कहेंगे सी टू बी कहेंगे या फिर वी टू सी कहेंगे इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा कौन सा सही जवाब है आपको बताना है एक एम कंपनी एक मारुति कार एम से टायर खरीदती है तो दोनों कंपनी हो गई है है ना

प्रिंट के लिए कौन सी कमांड देते हैं लिनक्स में आप सभी को जवाब करना है यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल पी कमांड का इस्तेमाल करते हैं और ये सभी लिनक्स की कमांड हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है जहां से आप सभी कमांड पढ़ सकते हैं और इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको बताना है यहां पर पूछा गया है निम्न में से फर्म बियर का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है फर्म बियर का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है ऑप्शन में दिया है बायोस रैम ओएस या फिर नन ऑफ तीज तो इसमें बताइए फर्म बियर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है यहां पर सही जवाब करना है सभी बच्चों को तो करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला BIOS क्या है आपका फर्म का एग्जाम्पल है ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा का मतलब क्या होता है, इसका होता है. मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है इस रोम के अंदर कौन सा प्रोग्राम होता है बायोस होता है जिसे फर्म बियर का नाम देते हैं आप सभी को ध्यान रखना है बाकी आपको पता है रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और ओएस का मतलब यहाँ पर क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपको बताना है विंडोज में शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग चयनित आइटमों को बिना रिसाइकल बिन में भेजे स्थायी रूप से मिटाने के लिए किया जाता है मींस अगर आप चाहते हैं जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसको रिसाइकल बिन में भेजना नहीं चाहते हैं और आप उसे परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे ठीक है शिफ्ट और डिलीट का इस्तेमाल करेंगे ट्रू फॉल्स में बताना यहाँ पर तो क्या यह सही हो जाएगा या फिर फॉल्स होगा यानी कि विंडोज में शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग चयनित आइटमों को बिना रिसाइकल बिन में भेजे स्थायी रूप से मिटाने के लिए किया जाता है तो बिल्कुल सही बात है अगर आप चाहते हैं कि अगर जो फाइल आप डिलीट करते हैं वो आपका रिसाइकल बिन में ना जाए सीधे डिलीट हो जाए परमानेंट डिलीट हो जाए तो आप शिफ्ट के साथ में डिलीट करेंगे ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा गया है इक्वल राउंड दो सौ चौरासी का मान कितना होगा तो यहाँ पर राउंड वाला माइनस में आपसे पूछा है तो बताना है आप सभी को और हमने एक अलग से आपको क्लास प्रोवाइड की है जहां पर सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले जो भी आपके लिप्रो ऑफिस कैलग्र में पूछे जाते हैं वो सभी डिस्कस किए हैं और वहां पर हमने ये सारे फार्मूले बहुत ही अच्छे विद प्रैक्टिकल आपको समझाने की कोशिश की है तो आप उसे भी देख सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे जहां से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं तो देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ अभी आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा

ये वाली को राउंड ऑफ करते हैं जब कभी भी यहां पर माइनस लगा होगा, ये कह रहा है कि टू हमें राउंड करना होगा बट माइनस जब लगा देते हैं तो इस दशमलव के पहले को हमें राउंड करना होता है दशमलव के पहले दो अंकों को हमें राउंड करना पड़ेगा ठीक है तो देखो यहां पर हमें चार को हटाना होगा और आठ को भी यहां से राउंड करना होगा तो हमने आपको बताया था कि जब कभी भी जो संख्या यहां से रिमूव होती है अगर वो फाइव या फाइव से बड़ी है तो आगे वाली संख्या में एक जोड़ देती है प्लस कर देती है तो देखो यहां पर 245 तो यहाँ है ही नहीं इससे मतलब ही नहीं है तो हम इसको क्या कर देते हैं आप यहां पर क्या कर सकते हैं जीरो जीरो कर सकते हैं समझने के लिए ठीक है तो यहां पर क्या आ गया जीरो जीरो आ गया पॉइंट आप लगा सकते हैं चार के स्थान पर हमें जीरो करना है क्योंकि इसको राउंड करना है ठ को हटा करके जीरो करना है और जो संख्या यहां से जा रही है अगर वो फाइव या फाइव से बड़ी है तो आगे वाली संख्या में एक प्लस कर देगी तो आपको पता है आठ फाइव से बड़ा है तो यहां पर एक प्लस कर देगा तो दो और एक यहाँ पे कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री हंड्रेड और दशमलव के बाद जीरो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है सो तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा थ्री हंड्रेड आपका राइट आंसर हो जाएगा ओके चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको बताना है तीन सौ पांच सभी बच्चे भाई शेयर करते रहो क्लास को शेयर और लाइक सभी बच्चे कर दिया करो जो भी बच्चे क्लास में हाजिर हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर देखो क्या बताना है लिब्रो ऑफिस राइटर की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है राइटर प्रोग्राम में आपको बतानी है ये सभी आपको पता होनी चाहिए और इस क्लास के लास्ट में हम राइटर कैल्क और इम्प्रेस सभी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो सारे आपको पढ़ा देंगे इसी वीडियो के अंदर सभी इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो मेन मेन टॉपिक चाहे राइटर हो कैल्क हो या इम्प्रेस हो सभी के हम लास्ट में आपको पढ़ा देंगे ठीक है तो यहाँ पर देखो राइटर का क्या हो जाएगा ओडीटी हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट है ओडीटी चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखेगा लिब्रोफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है आपको टेबल इंसर्ट कराना है राइटर प्रोग्राम में तो आप टेबल के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं बताओ टेबल के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में फिर हमें एफ ट्वेल्व प्रेस करना होता है जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में एफ ट्वेल्व प्रेस करते हैं तो आपकी टेबल इंसर्ट हो जाती है मीन्स एक टेबल इंसर्ट करने का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जहां पर आपसे आप पूछा जाएगा कि आपको कितने कॉलम रखने हैं कितने रो रखने हैं और टेबल का फॉर्मेटिंग आपको कैसा चाहिए उसके बाद आप ओके करेंगे टेबल आपकी इंसर्ट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 307 कहता है 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 इक्वल प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मान क्या होगा यहां पर यूज करना है, मतलब करना मतलब गुणा आपको मल्टीप्लाई करना है तो अगर आप सेवन और आठ की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हो जाएगा 56 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है जहां पर भी प्रोडक्ट लगा होगा वहां पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा गुणा हो जाएगा जहां पर भी सम लिखा होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा आपको योग कर देना है ठीक है जोड़ देना है आपको चलो यहां पर देखिएगा रैम इज अ बोलेटाइल मेमोरी रैम एक बोलेटाइल मेमोरी है क्या होगा इसमें राइट आंसर रैम एक बोलेटाइल मेमोरी है कौन सा यहाँ पे सही जवाब है ट्रू होगा या फॉल्स होगा तो आपको पता है रैम कैसी मेमोरी होती है बोलेटाइल होती है मतलब रैम हमारी अस्थाई मेमोरी होती है इसको हम अस्थाई मेमोरी भी बोलते हैं ठीक है क्वेश्चन देखेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज किस दी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है कौन सी मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है ऑप्शन दिया गया है कैश मेमोरी का रैम रोम या फिर नन ऑफ दीज का अब आपको बताना है इसमें क्या हो जाएगा राइट right आंसर तो सिंपल सी बात है यहां पर हो जाएगा कैश मेमोरी और हमने आपको बताया जब कभी भी यहां पर ये ऑप्शन दिए हो और ये क्वेश्चन पूछा हो और अगर वहां पर आपको रजिस्टर का भी ऑप्शन दिया गया हो तब आपको रजिस्टर करेक्ट कर देना है जब रजिस्टर का ऑप्शन दिया हो तब करना है अदरवाइज कैश मेमोरी ही राइट right आंसर हो जाएगा क्योंकि कैश से भी पास में रजिस्टर होता है आपके सीपीयू के पास में ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा फर्स्ट कॉमर्सियल कंप्यूटर ऑफ द फॉलोइंग निम्न में से पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर की बात की गई है सही जवाब कर देना है सभी बच्चों को तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा पहला व्यावसायिक कंप्यूटर की बात की जा रही है तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडसेक ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर तीन सौ ग्यारह कहता है लिब्रो ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं हाउ मेनी कॉलम इन लिब्रो ऑफिस लिब्रोफिस तो लिब्रो ऑफिस लिब्रोफिस में टोटल कॉलम की संख्या कितनी होती है टोटल कॉलम कितने होते हैं एक हजार चौबीस होते हैं तो सी ऑप्शन हो जाएगा और अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है तो ए एम जे होता है लास्ट वाले कॉलम का नाम ए एम जे होता है और पहले कॉलम का नाम ए होता है मतलब कॉलम आपका ए से स्टार्ट होता है और खत्म कहां पर होता है एक हजार चौबीसवा कॉलम जो हमारा है वो ए एम जे नाम से होता है एक और सवाल यहाँ पर होता है कि एक सही सेल का एड्रेस बताओ मींस सेल का रेफरेंस बताओ तो सेल का एड्रेस बोलो या सेल का रेफरेंस बोलो बात बराबर है तो एक सही सेल का रेफरेंस या एड्रेस क्या हो सकता है जैसे C5 अगर किसी ने लिखा है तो C5 एक सेल का सही एड्रेस है सही पता है अगर अब यहाँ पर लिखते हैं मान लिया मैंने यहां लिख दिया ए एम जे ठीक है AMJ, और 25 तो अब बताओ यह भी आपका एक सेल का एड्रेस है बिल्कुल करेक्ट है इसका मतलब ए एमजे कॉलम होता है ए एमजे वाले कॉलम के अंदर 25 नंबर की रो की बात यहां पर की गई है क्योंकि हर सेल का अपना एक पर्टिकुलर स्थान होता है लोकेशन होती है अपना एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है जैसे आप ये बोल सकते हैं यानी कि इसका अपना एक खुद का एड्रेस होता है पता होता है ठीक है तभी तो आप वहां पर कैलकुलेशन कर पाते हैं तो बट यहां पर आपको समझना क्या है जो कॉलम होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनको ए बी सी डी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं कोई यहां पर नंबर नहीं केवल कॉलम की गत करें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके कॉलम होते हैं और जेड तक चलेंगे उसके बाद में फिर जेड ए आ जाएगा जेड वी आ जाएगा ऐसे करते-करते लास्ट में ए एम जे तक हम लोग पहुंच जाएंगे और टोटल हमारे कॉलम 1024 तक बन जाते हैं व्हाट जब कभी सेल की बात की जाएगी तो सेल हमारा हमेशा सेल में पहले कॉलम आएगा बाद में आपका जो रो होगा उसका नंबर आएगा ठीक है तो सी कॉलम है और रो नंबर 5 इसका मतलब इसका मतलब यह हुआ कि कॉलम नंबर सी के अंदर चौथा वाला रो की बात की गई है ठीक है कॉलम सी के अंदर चौथा वाला रो की बात की गई सी फॉर ई आपका बताता है चलो और ये जो आपका आ, सेल का एड्रेस होता है सेल का रेफरेंस होता है कहाँ पर आपको दिखाई देता है तो ये आप जब किसी सेल पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर एक साइड में आपने देखा नेम बॉक्स भी होता है एक यहां पर आपको एक मिलता है सेल एड्रेस और इसी के पास में यहां पर लेफ्ट साइड में नेम बॉक्स मिलता है तो इस नेम बॉक्स पर आपके सेल का एड्रेस डिस्प्ले हो जाता है ठीक है और एक और चीज आपको ध्यान रखना है जो आपका एड्रेस बार होता है इसमें क्या दिखाई देता है एड्रेस बार में सेल का कंटेंट डिस्प्ले होता है सेल में क्या लिखा है आपने कौन सा फार्मूला आपने लगाया है वो यहां पर दिखेगा फार्मूला बार में सॉरी एड्रेस बार नहीं इसको फार्मूला बार बोलते हैं तो वो कहां दिखेगा फार्मूला बार में दिखेगा वट सेल का नाम क्या है वो कहा दिखेगा सेल का एड्रेस क्या है वो सेल यहाँ पर नेम बॉक्स में डिस्प्ले होगा ठीक है अगला बताइए क्वेश्चन कैल्क में कम से कम कितना जूम कर सकते हैं मिनिमम जूम आप कितना कर सकते हैं कैल्क प्रोग्राम में बताओ तो सिंपल सी बात हम आपको समझा दें यहां पर तो 20 हो जाएगा 20 परसेंट कर सकते हैं कैल्क और राइटर इन दोनों में मिनिमम की बात करेंगे तो 20 परसेंट होगा बस ध्यान रखना है कैल्क और राइटर में मिनिमम 20 परसेंट होता है और मैक्सिमम कैलक में 400 होता है राइटर में 600 होता है ठीक है इंप्रेस का मिनिमम 5 होता है और मैक्सिमम 3000 होता है तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने हैं ठीक है क्योंकि सभी में अलग-अलग है बस व्हिच टाइप ऑफ डिवाइस इज यूएसबी किस प्रकार के डिवाइस है यूएसबी किस प्रकार के डिवाइस है प्राइमरी है इनपुट आउटपुट बोथ वी एंड सी यूएसबी तो आपको पता है ना यूएसबी का मतलब क्या होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है और इस पर तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको दिया था सभी वर्जन यूएसबी के समझाए थे कि कौन सा वर्जन कब आया था तो शायद आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग देख लेना यहाँ पर हमसे पूछा है कि आ, किस टाइप की है प्राइमरी है इनपुट है आउटपुट है या फिर बोथ वी एंड सी तो देखो यहाँ पर डी ऑप्शन हमें करेक्ट करना है क्योंकि हमारा जो यूएसबी होता है ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन कहता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सामान्य उद्देश्य का नेटवर्क है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे जुलाई एग्जाम में तो आप सभी को ध्यान रखना है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज अ जनरल पर्पस नेटवर्क क्या ये सामान्य उद्देश्य के लिए नेटवर्क है गलत हो जाएगा ना ये फॉल्स होगा क्योंकि सामान्य उद्देश्य के लिए नेटवर्क नहीं है वीपीएन का इस्तेमाल हम कब करते हैं प्राइवेट ब्राउजिंग करना चाहते हैं हम तब वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं यानी कि एक प्राइवेट नेटवर्क है एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है ये भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन कहता है एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार है एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है क्या यह सही है तो बिल्कुल सही है ऑप्शन यहां पर पहला हो जाएगा आपका एंटीवायरस हो गया डिस्क फ्रेगमेंटर हो गया है ना ये सभी हमारे सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं आपको ध्यान रखना है आगे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है कौन सी स्टोरेज डिवाइस की स्पीड तेज होती है चलो ऑप्शन हमारे सामने है हार्ड डिस्क सी डी एसएसडी और नॉन ऑफ दीज ऐसे प्रश्नों में हमेशा ऑप्शन देखने पड़ते हैं कि ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है ठीक है ऑप्शन देखना पड़ता है तो देखो यहां पर हार्ड डिस्क दिया है सी डी रोम दिया है और एसएसडी दिया है सबसे ज्यादा स्पीड किसकी हो सकती है कौन सी स्टोरेज डिवाइस की स्पीड तेज हो सकती है तीन सौ सोलह का जवाब करना है सभी बच्चों को तो यहां पर सिंपल सी बात है सभी को ध्यान रखना है एस एस डी एस एस डी की स्पीड ज्यादा होती है इन सभी से ठीक है और इसका मतलब क्या होता है एस एस डी का फुल फॉर्म भी आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होता है इसका पूरा नाम बताओ इसका मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या हो जाएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव हो जाएगा नोट कर लेना अपनी कॉपी पे सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है इसका पूरा नाम जो कि सीडी रोम या फिर हार्ड डिस्क से फास्ट होती तेज होती है ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है बेस आपको बताना है ऑक्टल नंबर सिस्टम का बताओ ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है जल्दी से जवाब करो आप सभी यहाँ पे क्या होगा राइट right आंसर तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है आठ इसमें जीरो से लेकर के सात तक के क्या होते हैं अंक होते हैं ध्यान रखना है ऑक्टल नंबर सिस्टम जब पूछेंगे तो इसका बेस बनेगा आठ और इसमें जो डिजिट होते हैं वो जीरो से सेवन होते हैं बाकी आपको और भी ध्यान रखने हैं अगर आपसे पूछते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस बताओ तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस आपको पता है दो होता है और इसमें जीरो से वन तक के अंक होते हैं अगर आपसे ये पूछते हैं कि हेक्सा सिस्टम का बेस कितना होता है तो हेक्सा डेमल की बेस तो हो होता है सोलह और इसमें अंक कितने होते हैं जीरो से नाइन तक के अंक होते हैं उसके बाद में ए से एफ तक के अंक होते हैं टोटल सोलह इसमें होते हैं डिजिट और इसका जो बेस होता है वो आपका सोलह होता है ठीक है दूसरा अगर आपसे पूछते हैं कि डेसिमल नंबर का बताओ डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस बताओ तो कितना हो जाएगा दस हो जाएगा और इसमें अंक कितने होंगे जीरो से लेकर के नाइन तक के डिजिट अंक होते हैं है ना जीरो से नाइन तक के अंक होते हैं आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगला जब आप पूरी तरह से बंद कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है आपका कंप्यूटर नॉर्मल बंद रखा है आपने काम किया था बंद कर दिया आप चले गए उसके बाद में दोबारा से आप आए और अपने कंप्यूटर को ऑन किया सामान्य तरीके से और काम करना शुरू कर दिया तो इसी का नाम कोल्ड बूटिंग होता है बिल्कुल सही है ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा इसी को कहते हैं कोल्ड बूटिंग और ध्यान रखना है कई बार पूछते हैं हार्ड बूटिंग क्या होता है तो हार्ड बूटिंग भी कोल्ड बूटिंग ही होता है कोल्ड और हार्ड बूटिंग एक समान ही होता है ठीक है जब आप तरह से बंद को करते हैं, तो उसे कहा जाता है। जब आप को, बंद आपका है आपने वर्क किया उस पर काम किया उसको बंद कर दिया आप चले गए बाद में, बाद में फिर से आपने उसको स्टार्ट किया काम करने के लिए ऑन कर दिया है तो इसे दोबारा से ऑन करना क्या कहलाएगा कोल्ड बूटिंग कहलाएगा क्या यह सही है नॉर्मल कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हैं सामान्य तरीके से तो इसको कोल्ड बोटिंग का नाम देते हैं बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा दूसरा आपको ध्यान रखना है हार्ड बोटिंग क्या होता है तो हार्ड बूटिंग भी आपका कोल्ड बोटिंग ही होता है हार्ड बोटिंग कोल्ड बोटिंग के ही समान होता है ये भी आपको ध्यान रखना है बाकी एक होता है वार्मूटिंग तो वार्म बूटिंग क्या होता है जब आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं अगर आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं आपका कंप्यूटर हैंग करने लगता है काम सही से नहीं करता है तो आप उसको क्या करते है? करते हैं हैं और इसी रिस्टार्ट करने को क्या नाम देते हैं वार्म बूटिंग का नाम देते हैं तो वार्म बूटिंग यानी कि कंप्यूटर को दोबारा से रिस्टार्ट करना सामान्य तरीके से कंप्यूटर को ऑन कर देना उसको हम कोल्ड बूटिंग या फिर हार्ड बूटिंग का नाम देते हैं अगला क्वेश्चन आपको बताना है किसी मोबाइल डिवाइस को ट्रैक किया जा सकता है मींस कैसे आप किसी मोबाइल डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं मोबाइल ओनर के नाम से कर सकते हैं मोबाइल नंबर से कर सकते हैं आई नंबर से कर सकते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं तो आपको पता है अगर आप मोबाइल डिवाइस को ट्रैक करना चाहते हैं तो आई नंबर से कर सकते हैं आई नंबर का मतलब क्या होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसका फुल फॉर्म होता है ये आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 320 देखिएगा क्या कहता है लिंक इन एक रोजगार उपलब्ध कराने वाला सोशल नेटवर्क में शामिल है काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम का तो यहां पर बताइएगा लिंक इन एक रोजगार उपलब्ध कराने वाला सोशल नेटवर्क में शामिल है ट्रू फॉल्स में करना है तो बिल्कुल करेक्ट है यहां पर लिंक्ड इन पर क्या होता है आपको रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है आप यहां से जॉब भी ढूंढ सकते हैं सर्च कर सकते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं लोगों से क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन कहता है क्यू आर कोड किस प्रकार का कोड है क्यू आर कोड किस प्रकार का कोड है आज पूरी क्लास को हमारे साथ लगातार कंटिन्यू आपको करना है क्योंकि इस क्लास से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है और इस एक ही क्लास में इसका नाम रखा है ऑल इन वन ट्रिपल सी हैथन क्लास तो इस पूरी अगर महामाराथन क्लास को आप कर लेते हैं है ना आप अपने एग्जाम को इजिली बहुत ही अच्छी ग्रेड में पास कर सकते हैं ठीक है क्योंकि यहां पर आपको बहुत कुछ अभी आगे मिलने वाला है तो देखिएगा यहां पर क्यू आर कोड किस प्रकार का कोड होता है टू डी कोड होता है कई बार एग्जाम में पूछते हैं क्यू आर कोड किस प्रकार का होता है तो टू डी होता है और क्यू आर का मतलब क्या होता है क्विक रिस्पांस कोड होता है उन्नीस सौ चौरानवे में इसको डेवलप किया गया था डेंसो बैप के द्वारा यह भी आपको ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन कहता है सिस्टम को बूट करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है सिस्टम को बूट करने के लिए कौन सा आवश्यक है और यही क्वेश्चन अभी हमने आ, कुछ समय पहले देखा था बट ऑप्शन चेंज थे अभी ऑप्शन बदल गए हैं इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि क्वेश्चन में हमेशा उसका आंसर उसके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि हमसे ऑप्शन में आखिर हमें चार ऑप्शन दिए गए ना उसमें से ही तो बताना होगा आपको तो वो ऑप्शन हमें क्या दिए गए हैं ठीक है तो देखो यहां पर दिया है कंपाइलर हार्ड डिस्क बूट स्ट्रैप लोडर या फिर असेंबलर सिस्टम को बूट करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है तो यहाँ पर अब हो जाएगा सी ऑप्शन बूट स्ट्रैप लोडर उसमें दिया था ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बट पर है है बूट बूट स्ट्रैप स्ट्रैप लोडर लोडर क्योंकि लोडर एक प्रोग्राम है जो क्या करता है आपका जो ओएस होता है यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसको मैन मेमोरी में लोड करने का काम करता है है ना जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं तो आपका जो बायोस होता है ये सबसे पहला प्रोग्राम होता है वायोस ये अपना काम शुरू कर देता है है ना और यहाँ पर क्या होता है जो आपका बूट स्ट्रैप लोडर होता है ये क्या करता है ओएस को जो ओएस आपका होता कहां कहाँ पर है एक्चुअल में ओएस आपका सेकेंडरी मेमोरी में होता है आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में होता है आपको पता है आपका जब आप जब विंडो करते हैं तो कौन सी ड्राइव में रखते हैं अपने हार्ड डिस्क सी ड्राइव में आपकी विंडो होती है तो आपका जो ओएस है वो तो आपकी एक्सटर्नल uh, uh, जो डिवाइस आपने लगा रखी है हार्ड डिस्क लगा रखी है उसमें है तो जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या होता है यही बूट स्टैप लोडर आपके ओएस को आपकी मेन मेमोरी में लोड करने का काम करता है तो ध्यान रखना यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा बताने का मतलब ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं तो आपका अगर ऑप्शन चेंज है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा सही हो सकता है क्वेश्चन देखिएगा तीन क्या कहता है संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है संचार के उद्देश्य से है ना कम्युनिकेशन के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में स्पीकर का सॉफ्टवेयर भाषा मॉडम भाई संचार करना है किसी से हमें कम्युनिकेशन करना है किसी को हमें मेल करना है किसी से हमें वीडियो चैट करना है तो हम क्या करना पड़ेगा मुझे इसमें से क्या हो सकता है करेक्ट आंसर स्पीकर तो हो नहीं सकता है सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता भाषा नहीं यहाँ पर सबसे जरूरी है मॉडम अगर मोडम नहीं है तो आप संचार नहीं कर सकते हैं आप इंटरनेट नहीं चला सकते हैं है ना तो किसी से आप कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे तो यहां पर हो जाएगा मोडम और इसका मतलब होता है मॉडुलेटर डिमॉडुलेटर और कई बार आपसे पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है तो आपका मॉडम इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है दोनों का काम करता है अनलॉक सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को अनलॉक में कन्वर्ट करने का काम आपका मॉडम करता है ठीक है और यहां पर आपको बताना है ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रिव्यू के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं अगर आपको प्रिंट प्रिव्यू देखना है तो आप कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रिंट इसके बाद में प्रिंट प्रिव्यू या कंट्रोल पी या फिर लेआउट उसके बाद में प्रिंट प्रिव्यू तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताना है सभी बच्चों को देखो लिब्रो ऑफिस राइटर में अगर आप प्रिंट प्रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट के इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट ओ तो अभी हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा कंट्रोल शिफ्ट और ओ दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा फाइल मेनू में जाकर के जब आप फाइल मेनू पर क्लिक करते हैं तो उस फाइल मेनू में आपको एक कमांड मिलेगा कौन सा प्रिंट प्रिव्यू नाम का उस प्रिंट प्रिव्यू पर क्लिक करके भी आप प्रिंट प्रिव्यू देख सकते हैं यहां पर देखो दिया है प्रिंट पर क्लिक करोगे फिर प्रिव्यू निकलेगा ऐसा नहीं है प्रिंट का आपको अलग मिलता है राइटर में और प्रिंट प्रिव्यू का आपको अलग मिलता है ठीक है तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता है कंट्रोल पी भी नहीं हो सकता है और लेआउट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फाइल मेनू में आपको जाना पड़ता है ठीक है तो यहां पर हो जाएगा अभी कंट्रोल शिफ्ट ओ आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फाइल मेनू में जाकर के उसके बाद प्रिंट प्रिव्यू पर हम जा सकते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा ऑफिस काल्क में सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई बतानी है आपको ऑफिस काल्क में सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है यह आपको बताना है यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 325 का जवाब करना है जल्दी से बताइएगा ऑफिस काल्क में जो सेल होता है ना उस सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है जीरो इंच होती है जीरो इंच होती है आप सभी को ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है है ना यूपीआई पिन के पिन में कितने डिजिट होते हैं हाउ मेनी डिजिट इन द यूपीआई पिन तो आपको पता है यूपीआई पिन में चार से छह डिजिट होते हैं ऑप्शन बी हमारा है चार से छह डिजिट होते हैं

इसका मतलब माउस का स्क्रॉल व्हील यहाँ पे काम कर रहा है जैसे ही माउस का स्क्रॉल व्हील जो आपने बीच में पहिया सा लगा होता है ना उसको हम जब घुमाते हैं तो ये पेज हमारा स्क्रॉल होता है है ना तो यहाँ पर माउस क्या काम करता है स्क्रॉल करने का काम करता है क्वेश्चन देखेगा सबसे पहला ई मेल भेजा गया था आपको बताना है सबसे पहला ई मेल भेजा गया था क्वेश्चन ऐसा था यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है तो क्वेश्चन क्या कहता है सबसे पहला ई मेल भेजा गया था आपको ये बताना है ठीक है कहाँ भेजा गया था बताइए जापान अमेरिका चीन या भारत तो सबसे पहला ई मेल कहां भेजा गया था अमेरिका में ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया यूपीआई का मतलब क्या होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था तो सही जवाब हो जाएगा रघुराम जी राजन ऑप्शन हमारा हो जाएगा वी रघुराम जी राजन ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा कैश को चेंज करने की शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी होती है कैश अगर आपको चेंज करना है तो इसके लिए क्या हम शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं कैश को चेंज करने की शॉर्टकट की क्या होती है ऑप्शन हमारा हो जाएगा शिफ्ट के साथ में हमें एफ थ्री प्रेस करना होता है शिफ्ट एफ थ्री से हम कैश को चेंज कर सकते हैं अब यहां पर बताना है यूएसबी का पूरा नाम व्हाट इज द फुल फॉर्म फुलस बी यूएसबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका मतलब होगा यूनिवर्सल सीरियल बस तो ऑप्शन हमारा वी हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस होता है यूएसबी का फुल फॉर्म क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा गया है बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से डैश को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से डैश को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है मीन्स किस दोबारा से आप प्रोग्राम कर सकते हैं ठीक है कैश मेमोरी या फिर पी रोम या फिर ईपी रोम या फिर रैम तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है तीन नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईपी रोम को हम पुनः एक विशेष उपकरण के माध्यम से प्रोग्राम कर सकते हैं मीन्स इसको हम अल्ट्रा वायल्ट रेज के माध्यम से डिलीट कर सकते हैं कई बार ये भी आता है कि हम किस मेमोरी के डेटा को इरेज कर सकते हैं तो हम ईपी रोम के डेटा को इरेज कर सकते हैं वो भी कैसे इरेज कर सकते हैं अल्ट्रा वायल्ट रेज के माध्यम से हम इसे डिलीट कर सकते हैं और इसको पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है ठीक है ध्यान रखना है सभी को पीरोम का मतलब क्या होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है अगर बात करते हैं ए, ए, की, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये होता है ठीक है आपको ध्यान रखना है सभी फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछा गया है का का, पूरा नाम क्या होता है आस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है आस्काई भी एक कोडिंग सिस्टम होता है आप जैसे अपने कीबोर्ड से जब आप कुछ लिखते हैं कुछ टाइप करते हैं तो आपने देखा आपने जैसे कुछ ए बी सी डी करके लिखा और लिखने के बाद में वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है तो इसके पीछे भी क्या काम करता है आस्काई कोडिंग सिस्टम ही काम करता है यानी कि आस्काई कोडिंग सिस्टम के द्वारा ही हम अपने कीबोर्ड पर कुछ लिखते हैं और वो हमें हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर कोडॉर्मेशन इंटरचेंज होता है आस्काई कोडिंग सिस्टम कई बार पूछते हैं कितने बिट का होता है तो ये ध्यान रखना है आठ बिट का होता है आठ बिट का होता है आस्काई कोडिंग सिस्टम आप सभी को ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा एफ टीपी एक प्रकार का डैश है एफ टीपी एक प्रकार का क्या है प्रोटोकॉल है लैंग्वेज है वेब ब्राउजर है या फिर सर्वर है तो सभी को जवाब करना है जल्दी से बताइएगा एफ टीपी एक प्रकार का क्या है एफ टीपी का मतलब क्या होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है आपको पता है फाइल भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं एक प्रोटोकॉल होता है एफ टीपी तो क्या हो जाएगा ऑप्शन पहला एक प्रोटोकॉल है जो कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव कहता है एस आई रेफरेंस मॉडल में कुल लेयर बताइए ये सभी पॉपुलर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए ओ एस आई रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं आपको आंसर करना है इसमें कौन सा करेक्ट जवाब हो जाएगा में कुल कितनी लेयर होती हैं सेवन लेयर होती हैं सात लेयर होती हैं आपको ध्यान रखना है टोटल सेवन लेयर होती हैं यहां पर आप सभी को बताना है रैम में निम्न में से किसका प्रयोग होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन रैम तो रैम में निम्न में से किसका इस्तेमाल करते हैं यह आपको बताना है यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा हो जाएगा वी सेमी कंडक्टर का ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा राइट सेमी कंडक्टर का ठीक है चलिए कैल्क स्प्रेडशीट प्रोग्राम में F2 की के प्रयोग से सेल में फार्मूला डाल सकते हैं ट्रू फॉल्स में आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही जवाब कैलक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में एफ टू की से एफ टू की का प्रयोग करके सेल में फार्मूला डाल सकते हैं तो बिल्कुल सही है यानी कि सेल में फार्मूला डालने का मतलब क्या हुआ सेल को पहले हमें एक्टिव करना पड़ेगा और यहाँ पर अगर हम डबल कर क्लिक कर देंगे तो भी हमारा कर्सर आ जाएगा और हम पर टाइप कर सकते हैं दूसरा हमने सेल पर एक बार क्लिक करना है यानी कि सेल को एक्टिव कर देना है उसके बाद में एफ टू हमें प्रेस कर देना है जैसे ही एफ टू प्रेस करेंगे तो सेल के पास कर्सर आ जाएगा और आप फार्मूला लिख सकते हैं ठीक है तो ध्यान रखना बस इसका मतलब यह है यही क्वेश्चन एक बार और ऐसे पूछते हैं कि सेल को एडिट करने का शॉर्टकट की बताओ तो वहां पर भी आपका एफ टू ही इस्तेमाल होता है एफ टू से ही हम सेल को एडिट कर सकते हैं पूछा गया है KYC क्या है इज इसका मतलब क्या होता है नो योर कस्टमर नॉलेज योर कस्टमर नो योर कैरेक्टर या फिर नीच तो केवासी है क्या ये आपको बताना है सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में यहाँ पे क्या हो जाएगा तो केवासी का मतलब होता है नो योर कस्टमर ऑप्शन हमारा पहला राइट हो जाएगा नो योर कस्टमर और यहाँ पर आप सभी को बताना है नावार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई ठीक है नावार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए सभी को पता होना चाहिए नावार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है तो ध्यान रखना है ऑप्शन यहां पर पहला हो जाएगा वी सीवारमन कमेटी द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है डिलीट की कर्सर के किस तरफ के करेक्टर को मिटाती है डिलीट की कर्सर के किस तरफ के करेक्टर को डिलीट करती है मिटाती है अगर आप डिलीट की प्रेस करते हैं तो यहां पर आपका कर्सर है और आपने डिलीट की को दबाया तो कर्सर के किस तरफ के करेक्टर को डिलीट करेगा ऑप्शन नंबर बी राइट साइड के जब कभी भी डिलीट दबाओगे तो कर्सर के हमेशा राइट right साइड वाला करेक्टर ही आपका डिलीट होगा लेटर आपका डिलीट होगा और अगर आप बैक स्पेस दबाते हो तो फिर हमेशा लेफ्ट साइड का करेक्टर आपका डिलीट होता है क्वेश्चन देखिएगा ऑफिस कैल्ग में किसी सेल को डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं हमें कोई सेल एक डिलीट करनी है ऑफिस कैल्ग में तो हम क्या शॉर्टकट के इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर बताइएगा इसके लिए हमें कंट्रोल सॉरी इसके लिए हमें कंट्रोल के साथ में माइनस ऑप्शन हमारा वी यहाँ पे राइट है कंट्रोल के साथ में हमें क्या करना पड़ेगा माइनस को प्रेस कर देना पड़ेगा जैसे ही कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस करते हैं तो वहां पर एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां से आप सेल को डिलीट कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीन सौ बयालीस क्या कहता है एईपीएस में एस का मतलब बताइएगा एईपीएस में एस का फुल फॉर्म क्या होता है इसका पूरा नाम आपको बताना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है तो ऑप्शन हमारा वी हो जाएगा यहां पर तीन सौ बयालीस का ऑप्शन नंबर वी करेक्ट होगा क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज यूज ऑफ आर एम डी आई आर आर एम डी आई आर का प्रयोग किस लिए होता है बताओ आर एम डी आई आर का प्रयोग किस लिए होता है यहां पर कौन सा राइट आंसर होगा इसका मतलब रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरी ऑप्शन हमारा वी है रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरी ठीक है एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हम आर एम डी आई आर का इस्तेमाल करते हैं अब आपको बताना है हाउ टू स्टार्ट स्लाइड शो इन इम्प्रेस इम्प्रेस में स्लाइड शो कैसे स्टार्ट करते हैं क्या आप कंट्रोल के साथ में ये दबाते हैं या आप दबाते दबाते हैं या F5 दबाते हैं या या फिर अलाफ दीज. तो अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट कर देना है तो आप कैसे करेंगे तो स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एफ फाइव प्रेस करना पड़ेगा एफ फाइव से हम स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं दूसरा अगर हम सिफ्ट के साथ में यफ फाइव दबाते हैं तो क्या होता है सिफ्ट के साथ में एफ फाइव दबाने से करंट स्लाइड शो हो जाता है जिस स्लाइड पर आप वर्क कर रहे थे वहीं से आपका स्लाइड शो होना स्टार्ट हो जाता है अब यहां पर आपको बताना है फंट इज व्हाट इज फंट साइज इन कैल्क कैल्क में फंड का साइज बताइए वाइट डिफॉल्ट जब आप कैल्क में कुछ लिखते हैं तो वहां पर जो आपके फंड का साइज होता है वो क्या होता है ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाइट डिफॉल्ट फंड आपको बताना होता है तो यहां पर कैल्क में जो व्हाइट डिफॉल्ट फंड होता है वो आपका क्या होता है बताओ तीन सौ पैंतालीस का कौन सा राइट आंसर है सभी को ध्यान रखना है ऑप्शन पहला हो जाएगा दस होता है वाई डिफॉल्ट दस पॉइंट यानी कि दस पीटी अब एक बच्चे ने सवाल किया था सर जब जो फंड होता ना उसमें साइज में आगे जो पीटी लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है तो पीटी का मतलब होता है पॉइंट ठीक है ध्यान रखना है पीटी का मतलब पॉइंट होता है ठीक है तो यहां पर दस पीटी यानी दस पॉइंट का साइज होता है क्वेश्चन पूछा गया हाउ टू गो ऑन नेक्स्ट सेल इन लिब्रोफिस कैल्क में आप अगली सेल पर कैसे जाएंगे अगले सेल पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप इस वाली सेल पर हैं और अगले सेल पर जाना चाहते हैं तो हमें टैब का इस्तेमाल करना होता है टैब को हम प्रेस करेंगे क्वेश्चन पूछा गया है इन विच ईयर आरटीजीएस लॉन्च आरटीजीएस को कब लॉन्च किया गया था आरटीजीएस को कब लॉन्च किया गया था और आरटीजीएस का मतलब क्या होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है इसे कब लॉन्च किया गया था आपको यह बताना है तो 2004 में आरटीजीएस को लॉन्च किया गया था और 2005 हजार पांच में एनई एफ टी को लॉन्च किया गया था 2005 में तो आरटीजीएस अगर पूछे 2004 हो जाएगा एनई एफ टी पूछे दो हजार पांच हो जाएगा अनई एफ टी का फुलफॉर्म क्या होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इसका पूरा नाम होता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अब आपको यहां पे बताना है वॉट इज रीट्वीट री क्या होता है रीट्वीट कैसे कहते हैं ये भी ट्रिपल ट्रिपल्स एग्जाम के लिए काफी पॉपुलर क्वेश्चन है इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके एग्जाम में आजकल तो रिट्वीट आपको बताना है क्या है ट्वीट कर देना है किसी के ट्वीट को शेयर कर देना है किसी के ट्वीट को लाइक like कर देना है या इसमें से कोई नहीं रिट्वीट का मतलब है किसी के ट्वीट को शेयर कर देना किसी व्यक्ति ने ट्वीट किया है आपने भी उसको शेयर कर दिया यानी कि इसे हम रिट्यूट मानेंगे है ना रिट कर दिया आपने ऑप्शन हमारा वी हो जाएगा वट इज स्पैम मेल स्पैम मेल क्या होता है आपको यह बताना है स्पैम मेल को किस नाम से जानते हैं तो कौन सा हो जाएगा यहां पर राइट आंसर स्पैम मेल यानी कि अनसोलिस्टेड मेल ऑप्शन पहला हो जाएगा अनसोलिस्टेड मेल का मतलब अवांछित मेल ऐसा मेल जिसकी आपको आवश्यकता नहीं थी है ना वो मेल भी आपके पास आया है तो उसे हम स्पैम मेल का नाम देते हैं तो इसका मतलब होता है अनसोलिस्टेड मेल क्वेश्चन देखिएगा व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कॉशियंट फाइव का मान आपको बताना है मा टू का मान क्या होगा आपको बताना है यहां पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा देखो यहां पर होगा क्या कोशियंट काम क्या करेगा इसमें आपको भाग फल बताना होता है यहां पर दिया फाइव कामा टू इसका मतलब हमें दो से भाग कर देना है फाइव को और यहां पर जब दो से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा दो दूना चार शेष फल एक बचेगा शेष फल यही छोड़ देना है भाग फल को हमारा आंसर यही हो जाएगा भाग फल ही हमारा आंसर हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका दो सौ रुपए के नोट का रंग कैसा होता है दो सौ रुपए के नोट का रंग कैसा होता है बस आपने अगर इस पूरी क्लास को ईमानदारी से पढ़ लिया कहीं पर स्किप नहीं किया पूरा क्लास अच्छे से देखा और समझा है तो निश्चित आप अपने एग्जाम को एक बेहतर ग्रेड में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर पाएंगे दो सौ रुपए के नोट का रंग आपको बताना है कलर कई बार पूछते हैं कैसा होता है तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राइट येलो होता है दो सौ रुपए का नोट का रंग ब्राइट येलो होता है क्वेश्चन आपको बताना है डीबीएमएस स्टैंड फॉर यानी कि डीबीएमएस का हमें पूरा नाम बताना है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? का फुल क्या होता है? बताओ कौन सा यहां पर करेक्ट आंसर है इसका मतलब होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शन पहला हो जाएगा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है डीबीएमएस का पूरा नाम अगला क्वेश्चन बताना है जीपीयू स्टैंड्स फॉर यानी कि जीपीयू का फुल फॉर्म यहां पर आपको बताना है जीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा बताओ इसका मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन हमारा वी यहां पर राइट है और यहां पर आपको बताना है एईपीएस पी रिक्वायर यूनिक आईडी एंड और आगे डैश लगा हुआ है कि और क्या चाहिए आपको ए पी एस से पैसे निकालने के लिए यूनिक आई डी और की आवश्यकता होती है और किसकी आवश्यकता होती है अगर आप एस से विद्रॉल करते हैं पैसे निकालते हैं तो एक तो आपको यूनिक आई डी चाहिए होगी दूसरा क्या चाहिए होगा पासवर्ड चाहिए होगा बायोमेट्रिक चाहिए होगा आई एफ एस सी चाहिए होगा या अकाउंट नंबर जरूरत पड़ेगा तो आंसर करना है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा देखो यहाँ पर फिर बायोमेट्रिक की आवश्यकता होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का मतलब आधार से पैसे निकाल लेना है ना आप किसी छोटी ब्रांच में गए वहां पर आपने अपना आधार नंबर बताया और अपना फिंगरप्रिंट इस्तेमाल किया उसके बाद आप पैसे निकाल सकते हैं इसका मतलब होता है ए पी एस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी से ही यह पैसे आप निकाल पाते हैं या फिर जमा कर पाते हैं या फिर बैलेंस की इंक्वायरी भी आप यहां से कर सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर प्लेट इनमें से कौन सा स्टोरेज माध्यम सर्कुलर प्लेट के रूप में होता है सर्कुलर प्लेट के रूप में होता है कौन सा स्टोरेज माध्यम ऑप्शन समझो कैश मेमोरी दिया गया है हार्ड डिस्क दिया गया है रजिस्टर दिया गया है और रैम दिया गया है बताइएगा काफी अच्छा प्रश्न है यहाँ पर आपको आंसर करना है कौन सा हो जाएगा राइट right आंसर तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क में क्या होता है सर्कुलर प्लेट होती है हार्ड डिस्क के अंदर भी आपने देखा होगा एक सर्कुलर प्लेट गोल सी प्लेट लगी होती है सीडी की तरह ही आपके हार्ड डिस्क के अंदर है ना ध्यान रखना है तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है सभी बच्चों को कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं बताओ कब मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस दो दिसंबर को मनाते हैं ऑप्शन बी है हमारा दो दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस को मनाया जाता है क्वेश्चन देखिएगा एक उच्च स्तरीय भाषा को कंपाइलर की मदद से मशीनी भाषा में अनुवादित किया जाता है एक जो हाई लेवल लैंग्वेज हमारी है उसको हम कंपाइलर की हेल्प से क्या करते हैं मशीनी भाषा में अनुवादित कर देते हैं ट्रांसलेट कर देते हैं इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा ट्रू हो जाएगा देखो होता क्या ना हमने आपको बताया था कि हम अभी जो प्रोग्राम लिखते हैं इस समय जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो हाई लेवल लैंग्वेज में की जाती है और अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोई कोई प्रोग्राम करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो क्या होता है ना आपका कंप्यूटर तो केवल मशीन भाषा समझता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को तो समझता ही नहीं है तो आपका कंप्यूटर कैसे काम कर पाएगा इसके लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है तो यहां पर ट्रांसलेटर काम करता है हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर और असेंबलर तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम करेगा अगर आप हाई लेवल से मशीन लेवल में कन्वर्ट कराने का काम करते हैं तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या है कंपाइलर हो जाएगा जैसे मान लिया आप किसी कंट्री में गए और यहाँ पर आपको केवल हिंदी आती है आप केवल हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हैं है ना और जिस व्यक्ति से आप विदेश में बात करते हैं उस व्यक्ति को केवल और इंग्लिश आती है उसको हिंदी नहीं आती है तो अब वो अपनी बात इंग्लिश में कह रहा है और आप अपनी बात हिंदी में बोल रहे हैं दोनों एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे हैं इसका मतलब हमें अब एक ऐसे थर्ड पर्सन की आवश्यकता होगी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों का ज्ञान रखता हो है ना तब हम अपनी बात हिंदी में बोलेंगे और ये व्यक्ति हमारी बात को क्या कर देगा ट्रांसलेट कर देगा तो यहां पर ये व्यक्ति एक ट्रांसलेटर का काम करेगा ऐसे ही हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेटर का काम करता है, जो कि हाई लेवल से लो लेवल में ट्रांसलेट कर देता है क्वेश्चन देखिएगा विच शॉर्टकट की इज सो वार राइटर। राइटर में हमें साइड वार को हाइड या शो कराना है तो हम क्या शॉर्टकट के इस्तेमाल कर सकते हैं बताओ को हाइड या शो कराने के लिए क्या की हो सकती है तो कंट्रोल के साथ में हमें एफ फाइव दबाना होता है जैसे ही कंट्रोल या फाइव दबाते हैं तो हमारी साइड बार अगर शो हो रही है तो हाइड हो जाएगी अगर हाइड है तो आपको डिस्प्ले होने लगेगी और आपकी साइड बार होती कहां है तो राइट right साइड में आपने देखा होगा राइट right साइड में एक साइड बार होती है आपके लिप्रॉपिस में एक सवाल यहां से और बनता है कि साइड वार को हाइड और अनहाइड कराने के लिए आप किस मेनू में जा सकते हैं या किस मेनू में आपको साइड वार को हाइड और शो करने का ऑप्शन मिलता है तो ये बात और आपको ध्यान रखना है व्यू मेनू में मिलेगा और जहां पर भी अधिकांश हाइड या शो की बात होगी तो वो हमेशा व्यू मेनू में होगा ठीक है यह भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन कहता है टाइटल बार पर वर्तमान में सक्रिय दस्तावेज का नाम प्रदर्शित होता है जो टाइटल बार होता है इस पर क्या डिस्प्ले होता है करंट एक्टिव डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट पे आप वर्क करते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको कहाँ दिखाई देता है उसका नाम हमें टाइटल बार पर डिस्प्ले होता है तो बताइए जवाब यहाँ पे क्या होगा भाई बिल्कुल सही बात है टाइटल बार पर तो आपका टाइटल ही दिखेगा आपके डॉक्यूमेंट का क्या टाइटल रखा है आपने उसका क्या नाम दिया है वो हमें टाइटल बार पर डिस्प्ले हो जाएगा और टाइटल बार आपके विंडो के अंदर सबसे ऊपर आपको मिलेगा टॉप पर आपका जो डॉक्यूमेंट है आपका जो अप्लीकेशन है उसमें सबसे टॉप पर ही आपको टाइटल बार मिलता है और इसी टाइटल बार पर राइट साइड में आपको तीन कंट्रोल बटन भी मिलते हैं जिसका मतलब होता है क्लोज एक होता है क्लोज मैक्सीमाइज और मिनिमाइज क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक इन ऑफिस राइटर ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है आपको बताना है पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है शायद ये क्वेश्चन मैंने इसी क्लास में पढ़ाया है तो दोबारा से रिपीट हो गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल एंटर हमें दबाना पड़ेगा कंट्रोल एंटर और शिफ्ट एंटर से क्या होता है लाइन ब्रेक कर सकते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए आप शिफ्ट एंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई वाईफाई का पूरा नाम आप सभी को बताना है

टीसीपीआईपी मॉडल में कितनी परतें होती हैं कितनी लेयर होती हैं तो कुल लेयर आपको बतानी है टीसीपीआईपी में कितनी होती हैं टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब आपको पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है इसमें लेयर की बात की गई है तो यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा टोटल चार लेयर होती है आपके टीसीपी आईपी मॉडल में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए थ्री सिक्सटी फाइव में क्या पूछा है इक्वल सीलिंग नाइनटी सेवन कामा सेवन का परिणाम बताना है रिजल्ट बताना है अगर आपने इस फार्मूले को यूज किया है तो आपको पता होगा और हमने ये सभी फार्मूले विद प्रैक्टिकल आपको समझा रखे हैं इसके लिए लिब्रोफिस नाम की एक प्ले लिस्ट दी गई है हमारे चैनल पर जब आप जाएंगे तो उस प्ले लिस्ट से आप ये सारे क्लास कर सकते हैं तो यहाँ पर बताइएगा सीलिंग दिया गया है और जब सीलिंग दिया हो इसका मतलब हमें ऊपर की तरफ देखना है और 97 के ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है जो सात से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी ये आपको बताना है तो 97 के ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है जो से से पूरी तरह डिवाइड हो जाए वही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा वी नाइन्टी आपकी वो संख्या है जो क्या हो जाएगा सात से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन देखो का फुल फॉर्म आपको बताना है Nascom का फुल फॉर्म क्या होता है कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है Nascom का पूरा नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। इसका मतलब होता है नेशनल है और यहाँ पर आपको बताना है डिलीट मेल को आप पुनः डेस्क से प्राप्त कर सकते हैं डिलीट मेल को आप कहाँ से पुनः प्राप्त कर सकते हैं ये आपको बताना है ट्रैश फोल्डर स्पैम फोल्डर आउटबॉक्स फोल्डर या फिर नन ऑफ दीच तो आप डिलीट अगर आपने मेल कर दिया है उसको वापस हम कहा से ला सकते हैं ट्रैस फोल्डर से उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं यानी कि जब भी हम कोई कोई मेल अपना डिलीट कर देते हैं तो हमारा वो मेल ट्रैस फोल्डर में चला जाता है अगला क्वेश्चन देखिएगा वी की फुल फॉर्म क्या होती है आपको बताना है वी का पूरा नाम क्या होता है तो वी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कापी ऑप्शन हमारा वी हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कापी इसका फुल फॉर्म होता है क्वेश्चन कहता है अमेजॉन क्या है वॉट इज अमेजॉन ये सोशल साइट है कॉमर्शियल साइट है मैसेंजर या फिर नन ऑफ तो इसमें आपको क्या बताना है अमेजॉन है क्या तो आपको पता है अमेजोन एक ई कॉमर्स साइट है ऑप्शन हमारा वी हो जाएगा एक कॉमर्सियल साइट यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन पूछा गया है विंडोज 10 में बाय डिफॉल्ट कौन सा वेब ब्राउजर होता है आपके विंडोज 10 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा होता है ये आपको बताना है तो विंडोज के अंदर विंडो टेन के अंदर आपका डिफॉल्ट ब्राउजर का नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एज आपको ध्यान रखना है माइक्रोसॉफ्ट एज आपका राइट आंसर है है क्वेश्चन कहता विंडोज कब लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में आपने देखा विंडोज इलेवन को भी लॉन्च किया गया था उसका लॉन्च इवेंट रखा गया था तो कब था ये बताना है आपको सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन पहला 24 जून 2021 को लॉन्च किया गया था ऑप्शन पहला करेक्ट है पूछा गया है वेब फाइल में डॉट के बाद डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है वेब फाइल में डॉट के बाद जो एक्सटेंशन होता है है ना उसको आपको बताना है। क्या एक्सटेंशन होता है तो वेब फाइल में जो एक्सटेंशन होता है डॉट का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का होता है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है देखो यहां पर क्या पूछा गया आपसे निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ध्यान रखना है क्या पूछा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है लोडर बायोस तो यहां पर कौन सा हो जाएगा आप सभी को जवाब करना है क्या होगा राइट आंसर तो अभी आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम किसका होता है बूट स्ट्रेप लोडर का होता है ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा लिब्रोफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए किस की का इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट को सेंटर करना है तो कौन सी की आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल ई -E का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल पी इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल जेड इस्तेमाल करते हैं या कंट्रोल ओ इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप टेक्स्ट को सेंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कंट्रोल ई -E इस्तेमाल करना होता है कंट्रोल ए से हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाता है कंट्रोल पी से हम प्रिंट कर सकते हैं कंट्रोल जेड से हम अंडू कर सकते हैं और कंट्रोल ओ से आप क्या कर सकते हैं ओपन कर सकते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है आपके ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल होता है पैन होता है मैन होता है वैन होता है या फिर लैन होता है तो ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताना है तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला पैन होता है जिसका मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है और आपको अगर डब्ल्यू पैन मिलता है तो भी आप करेक्ट करेंगे क्योंकि डब्ल्यू पैन ही एक्चुअल में होता है जिसका मतलब होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क क्योंकि आपके ब्लूटूथ में कोई आ, तार तो होता नहीं है कोई बायर तो होता नहीं है वो वायरलेस होता है ना तो डब्ल्यू पैन इसका पूरा नाम होता है ये ध्यान रखना आपको बट कई बार आपको केबल पैन मिलता है तो आप इसे भी करेक्ट कर सकते हैं है ना कोई डाउट नहीं क्योंकि पता है ब्लूटूथ के अंदर आपका वायर नहीं होता है सीपी और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है हु कंट्रोल्स दी मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड आईओ मीन इनपुट एंड आउटपुट तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा कंट्रोल यूनिट का काम होता है ऑप्शन पहला यहां पे करेक्ट है कंट्रोल यूनिट अब आपको बताना है निम्न में से ई e कॉमर्स कौन सा है निम्न में से विच इज ई कॉमर्स ऑफ फॉलोइंग निम्न में से ई e कॉमर्स कौन सा है यहां पर ये यह लिखने में, में मिस्टेक है क्या बताना है निम्न में से ई कॉमर्स कौन सा है फेसबुक व्हाट्सएप अमेजॉन या फिर इंस्टाग्राम ई कॉमर्स पूछा गया ना तो फेसबुक तो देखो सोशल साइट है आपकी व्हाट्सएप भी वही है अमेजॉन क्या होगा ई e कॉमर्स हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है अमेजॉन एक ई e कॉमर्स है व्हाट्सएप हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग में आता है और इंस्टाग्राम भी हमारा सोशल साइट है क्वेश्चन पूछा गया है समानार्थी यानी कि सिनोनिम शब्द ढूंढने के लिए आप वर्ड के किस यूटिलिटी का इस्तेमाल करते हैं बताओ शब्द ढूंढने के लिए आप वर्ड में किस यूटिलिटी का इस्तेमाल करते हैं स्पेल चेकर थी सारस आउटलाइनर या ग्रामर चेकर क्या होगा राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा थी सारस ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है और एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है हमेशा आपसे पूछते हैं कि थिसारस के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं तो लिब्रो ऑफिस राइटर में कंट्रोल के साथ में अगर आपने अप आप सेवन दबाया तो इससे हम थिसारस का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ऑप्शन हमें मिलता है कहाँ पर है कौन से मेनू में ये मिलेगा तो टूल्स मेनू में ही आपको मिलेगा टूल्स मेनू में आपको जाना पड़ेगा पूछा गया है निम्न में से किस क्लाइंट प्रोग्राम के प्रयोग द्वारा इंटरनेट सर्विस तथा डब्ल्यू पर उपलब्ध संसाधन का प्रयोग हम कर सकते हैं किस क्लाइंट प्रोग्राम के प्रयोग के द्वारा ही हम इंटरनेट पर जो सर्विस हमें मिलती है डब्ल्यू पर जो भी संसाधन है उनको हम कैसे देख सकते हैं तो आई का इस्तेमाल करके कर सकते हैं वेब ब्राउजर वेब सर्वर या नन ऑफ तेज तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन हमारा वी वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करके ही हम इस सर्विस का लाभ ले सकते अगर आपका कंप्यूटर आपका मोबाइल फोन इंटरनेट से कनेक्ट है इसके बावजूद भी अगर आपके पास वेब ब्राउजर नहीं है तो भी आप डब्ल्यू पर क्या है वहां पर आप नहीं देख सकते हैं किसी वेबसाइट को हम विजिट नहीं कर सकते हैं बिना वेब ब्राउजर के क्वेश्चन पूछा है कंसोलिटेड डायलॉग बॉक्स निम्न में से कौन सा फंक्शन नहीं होता है कंसोलिटेड डायलॉग बॉक्स में कौन सा फंक्शन नहीं होता है प्रिंटर एवरेज इवेन या फिर मैक्स का करेक्ट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा प्रिंटर का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा है ना अगला क्वेश्चन देखिएगा एक टर्मिनल जिसमें लोकल प्रोसेसिंग की क्षमता नहीं होती है उसे आप क्या कहते हैं कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इनपुट डिवाइस कहते हैं डम्ब टर्मिनल का नाम देते हैं आउटपुट डिवाइस कहते हैं या फिर नन ऑफ तीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसे हम डम्ब टर्मिनल का नाम देते हैं ऑप्शन हमारा वी यहाँ पे राइट है क्वेश्चन पूछा गया अक्षरों के केस बदलने के लिए अमस पावर पॉइंट में आप क्या करेंगे पावर पॉइंट में आप कैसे केस को चेंज कर सकते हैं इसके लिए क्या शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं तीन सौ बयासी में आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है तो यहां पर भी हमें शिफ्ट के साथ में अफ्री ही इस्तेमाल करना होता है सिफ्ट अफ्री ही हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन देखिएगा एनई जी पी का पूरा नाम क्या होता है एनई जी पी का फुल फॉर्म आपको बताना है तो एनई जी पी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बताइएगा इसका मतलब होता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नेशनल गवर्नेंस प्लान होता है अन्य जीपी -E का देखिएगा पूछा गया है एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता हो और कई कंप्यूटरों का समूह हो उसे आप क्या बोलेंगे एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता है और कई कंप्यूटरों का समूह है उसको आप क्या बोलेंगे उसको आप होस्ट के नाम से जानते हैं होस्ट या फिर सर्वर आप बोल सकते हैं सर्वर का मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करता है एक ऐसा कंप्यूटर जो नेटवर्क में कनेक्ट है और अपनी सेवाएं दूसरे कंप्यूटर्स से को प्रोवाइड कर रहा है उसे ही हम सर्वर या होस्ट का नाम देते हैं और ऐसे कंप्यूटर जो इस सर्वर से लाभ ले रहे हैं सर्विस ले रहे हैं तो ऐसे कंप्यूटर का नाम क्या होता है क्लाइंट होता है क्लाइंट या फिर इसे हम नोड नाम से भी जानते हैं और यहां पर आपको बताना है निम्न में कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं कौन सा यहां पे राइट आंसर हो जाएगा तो देखो यहां पर एस टी टी टीपी दिया है टीसी पी आई पी दिया है और एफ टीपी दिया है इसका मतलब यहां पर नन ऑफ दीज का ऑप्शन हमें करना है सेलेक्ट क्योंकि मेल के लिए इस्तेमाल होने वाला यहां पर कोई भी प्रोटोकॉल नहीं दिया गया आपको बता दें मेल के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है एस एम टीपी ध्यान रखना है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस एम टीपी का इस्तेमाल करते हैं और मेल में और भी प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं जैसे आपने नाम सुनोगा पी ओ पी थ्री का इसके बाद आई एम ए पी का तो ये भी प्रोटोकॉल आपको ध्यान रखना है अगर इनमें से कोई भी आ जाता है तो ये सभी मेल के लिए ही इस्तेमाल होते हैं इनका वर्क अलग अलग होता है है ठीक है एस का काम क्या होता है मेल को भेजने का काम करता है है ना मेल को भेजने का काम कर जब आप मेल को भेजते हैं तो वहां पर एस काम करता है पीओपी और आई का मतलब होता है मेल को डाउनलोड करने का है ना ये मेल को डाउनलोड करने का काम करता है और एस मेल को भेजने का यानी कि अपलोड करने का काम करता है देखिएगा यहाँ पर कुछ मेल के प्रोटोकॉल हमने बता भी दिए हैं आप यहाँ देख सकते हैं SMTP जिसका मतलब होता है सिंपल तो मेल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो यह संदेश को अपलोड करने का काम करता है जैसा कि अभी हमने आपको बताया था और पीओपी थी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये सभी मेल के प्रोटोकॉल है इनको ध्यान रखना है ठीक है इसलिए हमने यहाँ पर नोट डाउन भी आपके लिए कर दिए हैं तो जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है इसका मतलब होता है मेल संदेश को डाउनलोड करने के लिए होता है और आई एम एपी तो यहाँ मेल संदेश को डाउनलोड करने के लिए होता है परंतु यहां एक एडवांस प्रोटोकॉल है मतलब यह आपका पीओपी से थोड़ा एडवांस प्रोटोकॉल होता है आपका आई जिसका मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और पीओपी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और एसएमडीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो यह आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा व्यू लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का व्यू नहीं है स्लाइड शॉर्ट व्यू शॉर्ट व्यू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शॉर्ट व्यू ये हमारा का का प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है बाकी स्लाइड स्लाइडर व्यू की बात करें तो ये भी होगा यहाँ पर स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है नॉर्मल व्यू भी होता है बट शॉर्ट व्यू आपका नहीं होता है थ्री प्रिंटर एक प्रकार का है क्या है भाई आपको बताना है इंडस्ट्रियल रोबोट वर्चुअल रियलिटी क्रिप्टोग्राफिक नन ऑफ तीच थ्री डी प्रिंटर एक प्रकार का क्या है ये आपको बताना है तीन में कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताइए तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला ठीक है क्या हो जाएगा इंडस्ट्रियल रोबोट हो जाएगा ऑप्शन पहला यहां पे करेक्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स डैश है कंप्यूटर नेटवर्क है 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 मशीन फिजिकल ऑल ऑफ ऑफ इंटरनेट थिंग्स क्या जिसका नाम होता है शॉर्ट में आप क्या करते हैं इसको आईओटी के नाम से जानते हैं आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो ये क्या है एक्चुअल में यह एक फिजिकल वर्ड है है ना एक फिजिकल वर्ड है मतलब एक डिवाइस होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो उसी का नाम होता है तो इसको हम फिजिकल वर्ड का नाम देते हैं यानी कि क्या है ये हमारी फिजिकल वर्ड है ठीक है फिजिकल वर्ड है क्वेश्चन देखिएगा तीन सौ नवासी कहता है पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में कई चिप लगी होती हैं इस बोर्ड का नाम आपको बताना है पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में कई चिप लगी होती हैं तो ये जो बोर्ड होता है ना इस पर बहुत सारी चिप यहां पर लगी होती हैं आपका यहां पर प्रोसेसर भी होता है रैम होता है और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं इस बोर्ड का नाम क्या होता है इसी बोर्ड का नाम होता है मदर बोर्ड इसको क्या बोलते हैं मदर बोर्ड का नाम देते हैं ठीक है यह हमारा मदर बोर्ड होता है दूसरा इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं पीसीबी भी बोलते हैं मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तो ध्यान रखना है आपका जो मदर बोर्ड होता है ना इसका दूसरा नाम क्या है पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी इसका नाम होता है काफी इंपॉर्टेंट है और आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना उसमें ये क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं वहां पर आपके हेल्प करेंगे और यहाँ पर आपको बताना है डैश के माध्यम से मालवेयर कंप्यूटरों में कई तरह के संक्रमण फैलाते हैं तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा और जल्द ही हम आप सभी के लिए जो भी अच्छी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पर कंप्यूटर आता है तो उसके लिए भी नया बैच हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है तो बहुत जल्द आप सभी के लिए एक न्यू बैच देंगे जहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हम आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे तो यहां पर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन हमारा वी है ई मेल ई के माध्यम से क्या होता है मालवीय कंप्यूटर में कई तरह के संक्रमण फैला सकते हैं कई तरह के वायरस आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं चलो और यहां पर आपको बताना है कैलक में कोई फार्मूला जो सेल डी फोर की वैल्यू को सेल सी टू की वैल्यू से जोड़ने के बाद सेल की वैल्यू से गुणा करेगा तो जवाब यहाँ पे क्या होगा आपका ये बताना है क्या हो सकता है सही जवाब सेल डी फोर की वैल्यू को सेल सी टू की वैल्यू से जोड़ेगा उसके बाद में सेल की वैल्यू से गुणा करा देगा तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा यहां पर तो इक्वल नहीं लगा है आप हटा दीजिए जब कभी भी एक में अगर इक्वल लगा है तो फिर इक्वल वाले जो ना लगे हैं उनको हटा देना है किसी में इक्वल नहीं लगा है फिर वहां से भी आपको एक सेलेक्ट कर देना होगा है ना बट यहाँ पर इक्वल लगा है दोनों में और इसमें लगा नहीं है तो मतलब यहाँ तो आपका सही हो नहीं सकता है अब इसमें देखो आप क्या हो सकता है तो इसमें देखो डी फोर की वैल्यू को सी सी टू की वैल्यू से जोड़ेगा तो ये हो गया और इसमें फिर क्या करेगा ये मल्टीप्लाई करा देगा तो ऑप्शन हमारा डी हो सी हो जाएगा यहाँ पे डी फोर प्लस सी टू

या फिर नन ऑफ ऑफतीज तो यहां पर एक रेडीमेड फार्मूला हो जाएगा ऑप्शन पहला करेक्ट है एक रेडीमेड फार्मूला होता है क्वेश्चन देखिएगा तीन सौ तिरान कहता है एक ईमेल एड्रेस बना होता है आपका एक ईमेल एड्रेस बना होता है वन पार्ट यानी कि एक भाग में टू पार्ट दो भाग में थ्री पार्ट तीन भाग में और नन ऑफ ऑफतीज का ऑप्शन दिया है तो आपका ईमेल एड्रेस होता है उसके कितने पार्ट होते हैं दो पार्ट होते हैं सिंपल सी बात है ऑप्शन बी हो जाएगा है ना पहला वाला क्या होता है पहला वाला यूजर नेम होता है और दूसरा वाला क्या होता है डोमेन नेम होता है बीच में एट द रेट का सिंबल होता है ठीक है एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटरों को एक साथ एक नेटवर्क में जोड़े उसे आप क्या कहेंगे एक कंप्यूटर जो कई साथ कई कंप्यूटरों को एक साथ एक नेटवर्क में कनेक्ट करे को क्या बोलते हैं सर्वर का नाम देते हैं ऑप्शन बी है ना सर्वर आपका राइट आंसर और यहां पर आपको बताना है यूपीआई एक डैश पेमेंट सर्वर है यूपीआई एक पेमेंट सर्वर है ऑफलाइन पेमेंट सर्वर है और नेट बैंकिंग है कैश पेमेंट है या फिर ऑनलाइन पेमेंट सर्वर है तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑनलाइन पेमेंट सर्वर है आपका यू और यहाँ पर आपको बताना है जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं आपका कंप्यूटर स्टार्ट है बट कोई भी रिएक्शन नहीं करता है कोई रिएक्ट नहीं करता है तो उसे आप क्या बोलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे इसका मतलब वो हैंग हो गया ना ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है यहाँ पर हैंग हो गया एक गीगावाइट समतुल्य है जीबी किसके बराबर है एक जीबी किसके बराबर है बराबर है, चौबीस मेगाबाइट के बराबर है या फिर एक मल्टीप्लाई एक हजार के बराबर है या फिर 10 मिलियन मेगाबाइट के बराबर है तो 1 जी यानी कि 1 गीगाबाइट व एक हजार चौबीस एम बी के बराबर है ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट है

और यहां पर आपको बताना है ऑफिस सीट of में कर्सर को पहली सेल ए वन में ले जाता है कौन ऑफिस of में कर्सर को पहली सेल ए वन पर कौन लेकर जाएगा कंट्रोल एफ वन दबा देंगे तब आप जाएंगे कंट्रोल होम के साथ में अल्ट एफ वन के साथ में अल्ट जीरो के साथ में तो कंट्रोल के साथ में हमें होम बटन प्रेस करना होता है और जैसे ही कंट्रोल के साथ में आप होम दबाते हैं तो आप ऑफिस सीट of में कर्सर को कहा लेकर आ जाते हैं सबसे पहली सेल में ए वन सेल में आ जाते हैं और यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है कौन सा इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है बताओ कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी सी आर टी सी आर टी कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित है अगला क्वेश्चन आपको बताना है मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टॉपोलॉजी की आवश्यकता होती है मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टॉपोलॉजी की आवश्यकता होती है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टार टोपोलॉजी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा और यहां पर आपको बताना है यह ब्लॉकचेन तकनीक का उदाहरण है इसमें से कौन सा ब्लॉकचेन तकनीक का है ऑप्शन में दिया गया है प्रोसेसर विट कॉइन विट एंड वाइट या फिर नन ऑफ दिच तो इसमें से आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप सभी को बताना है कौन सा ब्लॉकचेन तकनीक का एग्जाम्पल है तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट कॉइन क्या है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है आपका विट कॉइन आप सभी को ध्यान रखना है और आपसे एग्जाम में क्या पूछते हैं कि विट कॉइन की करता यानी कि फाउंडर कौन है तो आंसर होगा सतोशी नाकामोटो तो ध्यान रखना है सतोशी नाकामोटो ये कौन है विट कॉइन के फाउंडर है ये आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या पूछा गया है एड्रेस वन क्या कहलाता है इसको क्या बोलते हैं है ना कौन सा एड्रेस है आपको यह बताना है लूप बैक एड्रेस होता है रिजर्व एड्रेस होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है या मल्टीकास्ट एड्रेस होता है तो यह एक आईपी एड्रेस है बट किस प्रकार का आईपी एड्रेस है यह आपको बताना है 403 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा लूप बैक एड्रेस है लूप बैक एड्रेस आपको ध्यान रखना है और यहां पर आपको बताना है कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट प्रया इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है मींस कंप्यूटर का जो पैरेलल पोर्ट है वो किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन पहला है प्रिंटर माउस मॉनिटर या फिर अदर स्टोरेज डिवाइस यहां पर होगा अदर स्टोरेज डिवाइस ठीक है तो अब आपको जवाब करना है इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आपको पता है कंप्यूटर का जो पैरेलल पोर्ट होता है वो प्रिंटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन हमारा पहला होगा प्रिंटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या पूछा गया है डिफॉल्ट रूप में लिब्रो ऑफिस कैल्क में कितनी वर्कशीट होती हैं डिफॉल्ट रूप से आपके लिब्रो ऑफिस कैल्क में टोटल वर्कशीट की संख्या आपको बतानी है टोटल नंबर ऑफ वर्कशीट कितने होती हैं जब डिफॉल्ट uh, आप फर्स्ट टाइम लिब्रो ऑफिस को ओपन करते हैं तो वहां पर आपको कितने मिलते हैं तो वहां पर केवल आपको एक वर्कशीट मिलती है यानी कि वन वर्कशीट ही आपको डिस्प्ले होती है बट आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं और यही अगर आपसे पूछते हैं एक्सेल में डिफॉल्ट वर्कशीट कितनी होती है तो आपको आंसर होगा थ्री वहां पर तीन वर्कशीट आपको डिफॉल्ट रूप से मिलती हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर देखिये चार सौ छह लिप्रोफिस डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ पर स्थित होता है लिप्रोफिस डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ पर होता है टॉप ऑफ द पेज यानी कि पेज के टॉप पर होता है एट द बॉटम ऑफ ईच पेज प्रत्येक पेज के बॉटम पर होता है या फिर ओनली फर्स्ट पेज पर होता है या ओनली लास्ट पेज पर होता है तो लिब्रोफेस में हेडर uh, कहां पर स्थित होता है यह आपको बताना है हेडर पर होगा तो एट द टॉप ऑफ द पेज यानी कि ऑप्शन पहला हो जाएगा टॉप ऑफ द ईच पेज प्रत्येक पेज के टॉप पर होता है आपका हेडर और फुटर कहां पर होता है तो ये होगा बॉटम ऑफ द पेज प्रत्येक पेज के बॉटम पर आपका फुटर होगा और टॉप पर आपका हेडर होगा ये ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन कहता है कैल्क लिप्रोफिस में रो की संख्या बताइए कैल्क लिप्रोफिस में टोटल नंबर ऑफ रो कितने होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ रो की संख्या आपको बतानी है कॉलम कितने होते हैं एक हजार चौबीस होते हैं रो कितने होते हैं तो दस अड़तालीस पांच सौ छिहत्तर टोटल नंबर ऑफ रो की संख्या होती है दस लाख अड़तालीस हजार पांच सौ छिहत्तर ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा पहला करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 408 में आपको बताना है प्रिंटिंग हेतु तो उचित पेपर ओरिएंटेशन है प्रिंट करने के लिए कौन सा एक उचित पेपर ओरिएंटेशन हो सकता है इसमें कौन सा आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपको बताना है पोर्ट्रेट होगा लैंडस्केप होगा बोथ या फिर नन ऑफ नॉफीज देखो यहाँ पे पूछा गया है प्रिंटिंग हेतु तो उचित पेपर ओरिएंटेशन क्या हो सकता है तो यहाँ पर आपको करेक्ट करना है ऑप्शन पहला पोर्ट्रेट आपको करना है वैसे आप दोनों में प्रिंट कर सकते हैं वट उचित

तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है ऐसे लंबाई में होता है तो ऐसे ही हम प्रिंट करते हैं बट हम चाहे तो इसको रोटेट कर सकते हैं इसको घुमा सकते हैं ऐसे करके इसको घुमा देंगे तो ये कैसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा तो इसको कहते हैं लैंडस्केप और इसको कहते हैं पोर्ट्रेट तो नॉर्मली जब हम प्रिंट करते हैं तो पोर्ट्रेट मोड में ही होता है इसका मतलब ऑप्शन पहला यहां पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन कहता है डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए निम्न में से कोई एक वैध नहीं है डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए कोई एक वैध नहीं है आपको यह बताना है कोई डाटा सोर्स है उसका फील्ड नेम बनाना चाहते हैं कॉलम देखो यहाँ पर हमने क्या करना है हमें कुछ कॉलम बनाने हैं ऐसे करके अब हम यहाँ पर कोई डाटा लिखने वाले हैं उसका ऊपर कोई कॉलम बनाने फॉर्मेट बनाएंगे जैसे मैंने कहा यहाँ पे एस नंबर होगा यहाँ पर नेम होगा यहाँ पे मदर्स नेम होगा यहाँ पर डीओबी होगा यहां पे फादर्स नेम होगा ऐसे करके हमने कुछ आ, फील्ड नेम बना लिया इसको कहते हैं फील्ड नेम तो फील्ड नेम में क्या नहीं शामिल हो सकता है क्या वैध नहीं हो सकता है लेटर नंबर अंडर स्कोर करेक्टर या स्पेस तो चार सौ नौ में आपका जवाब यहां पर क्या हो जाएगा बताइए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नंबर वैलिड नहीं हो सकता है नंबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे आप फील्ड का नाम देना चाहते हैं ना कि आप यहाँ क्या लिखने वाले हैं इसमें डेटा क्या रहेगा तो आप नाम दे रहे हैं एस नंबर फिर नाम दे रहे हैं स्टूडेंट नेम फादर्स नेम मदर्स नेम मोबाइल नंबर ऐसे कुछ नाम दे रहे हैं तो इसमें आप ऐसा थोड़ी यहाँ पे वन टू थ्री भर देंगे तो उसके नीचे फिर भरेगा क्या व्यक्ति है ना तो हम फील्ड नेम में क्या नहीं कर सकते हैं नंबर नहीं कर सकते हैं लेटर हमें देना पड़ेगा है ना अंडरस्कोर भी हम लगा सकते हैं और स्पेस भी तो हमें देना पड़ेगा जब वहां पर हम कुछ टाइप करेंगे तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है ठीक है तो यहाँ पर नंबर आप यहाँ पर जो हमारा फील्ड नेम है उसमें नहीं दे सकते हैं चार सौ दस कहता है ई डिलीट होने पर कहा स्टोर होती है आप ईमेल को डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ पर सेव हो जाती है क्या वो इनबॉक्स में चली जाती है आउट आउटलुक में चली जाती है रिसाइकल विन में चली जाती है ट्रैस में चली जाती है तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन वो ट्रायस फोल्डर में चली जाती है जब आप अपने कंप्यूटर में ईमेल कोई डिलीट करते हैं तो ईमेल कहाँ कहां जाएगी आपके और ट्रैश फोल्डर में चली जाएगी वट अगर आप अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो फाइल हमारी कहाँ जाती है आपके कंप्यूटर के रिसाइकल बिन में चली जाती है ठीक है और आपको पता है इनबॉक्स के अंदर क्या होता है जो भी मेल आपको रिसीव हुई होती हैं जो मेल आपके पास आई होती हैं वो इनबॉक्स में सेव हो जाती हैं यहाँ से आप उन्हें पढ़ सकते हैं और आउटलुक क्या है तो यह एक मेल के लिए इस्तेमाल होने वाला क्लाइंट प्रोग्राम है आउटलुक क्या है एक ई क्लाइंट प्रोग्राम है आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन कहता है किसी फार्मूले में सेल एड्रेस ए ए फोर का मतलब यह है मतलब इज रिलेटिव सेल रेफरेंस एब्सलूट सेल रेफरेंस मिक्स्ड सेल रेफरेंस या फिर ऑल ऑफ किसी फार्मूले में सेल एड्रेस अब यहाँ पे लिखा है ए उसके बाद डॉलर का साइन है उसके बाद फोर दिया है मतलब ए फोर एक सेल का एड्रेस है लिखा कैसे गया ए डॉलर फोर तो इसका मतलब आपको समझाना कैसा रिलेटिव सेल रेफरेंस है

तो इस रो को यहां पर डॉलर के द्वारा दिखाया गया है इसका मतलब और ए को यहां पर कॉलम को डॉलर नहीं लगाया गया है तो ये क्या हो जाएगा आपका मिक्सड हो जाएगा यहां पर मतलब ये रिलेटिव भी है और एब्सोलूट भी है अब देखो रिलेटिव क्या होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है अगर हमने लिखा यहां पर वी फाइव तो V5 हमने बस सिंपल लिख दिया है। इसका मतलब ये हमारा रिलेटिव रेफरेंस होगा इसमें कोई डॉलर का साइन नहीं आएगा लेकिन आपका एब्सलूट सेल रेफरेंस क्या होगा अगर हम लिखते हैं यहाँ पे V वी से पहले हम एक डॉलर लगा देंगे इसके बाद एक डॉलर लगा देंगे और फाइव लिख देंगे अब देखो क्या हो गया डॉलर वी डॉलर फाइव ठीक है यानी कि यहाँ रो को भी डॉलर से दिखाया गया और वी को भी डॉलर से दिखाया गया है तो यहाँ हमारा क्या होता है एबसुलूट सेल रेफरेंस होता है तो अब आपके समझ में आ चुका होगा कि जो सिंपल लिखेंगे वो तो आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस होगा जो आप डॉलर में लगा देंगे दोनों आप कॉलम के ऊपर भी लगा देंगे और आपका रो के ऊपर भी लगा देंगे ठीक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा एब्सोलूट सेल रेफरेंस हो जाएगा और अगर आपने एक में ही लगाया है आपने अगर केवल रो में लगाया है केवल कॉलम में लगाया है तो एक में अगर आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मिक्स हो जाएगा मतलब यहाँ पर आपका रिलेटिव भी है जिसमें लगा नहीं है और भी है जिसमें लगा है तो मिक्स हो गया ना तो ये हो जाएगा सेल रेफरेंस आपको आपको ध्यान ध्यान रखना रखना है है बस इतनी सी बात आपको रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए कैल्क स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको आवश्यकता होती है स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है कौन सा करेक्ट जवाब यहां पर हो जाएगा आपको बताना है बताओ कैल स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है तो आपको फार्मूला की आवश्यकता होती है ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा फार्मूला की आवश्यकता होती है क्वेश्चन कहता है ई e वॉलेट का इस्तेमाल होता है ई e वॉलेट का इस्तेमाल होता है चेक पेमेंट के लिए होता है कैश पेमेंट के लिए होता है डिजिटल पेमेंट के लिए होता है या फिर नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं तो आपका यहाँ पे जवाब क्या होगा बताओ ई e वॉलेट का इस्तेमाल कैसे होता है कौन सा हो जाएगा चार सौ तेरा में करेक्ट जवाब आप सभी को करना है ई e वॉलेट का इस्तेमाल होता है मीन डिजिटल पेमेंट में होता है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा पर डिजिटल पेमेंट में ई e वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं ई e वॉलेट एक ऐसा वॉलेट होता है जहां पर हम अपना पैसा रख सकते हैं ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है है ना इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है जहां पर हम अपना पैसा रख सकते हैं और फिर यहां से हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भेज सकते हैं ठीक है तो ई वॉलेट के माध्यम से अगर हम पेमेंट करते हैं तो यह है एक डिजिटल पेमेंट होता है डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है मतलब यहां पे दिया है डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल क्यों किया गया ताकि ऑल कंप्यूटर्स कुड कनेक्ट टू ईच अदर पीपल कुड फाइंड कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट पीपल कुड फाइंड ईच अदर ऑन द इंटरनेट या फिर नन ऑफ डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल क्यों किया गया ताकि क्या होगा इसमें सही जवाब आपको यह बताना है नेम सिस्टम का इस्तेमाल किया गया ताकि ये बताना है क्यों हटा देते हैं यहां, तो यहां पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा बताइएगा चार सौ चौदह में करेक्ट आंसर करना है सभी बच्चों को तो यहाँ पर देखो पीपल कुड फाइंड कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट ऑप्शन हमारा वी यहाँ पे करेक्ट होगा इसका मतलब पीपल कुड फाइंड कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट लोग कंप्यूटर को इंटरनेट पर

कंप्यूटर्स को इंटरनेट पर सर्च कर सकें है ना उनको ढूंढ सके उनको फाइंड कर सके जैसे आ, आपको ट्रिपल सी वाई डॉट कॉम पर जाना है तो ट्रिपल सी वाई डॉट कॉम का भी अपना एक अलग सर्वर होगा जहां पर डेटा रखा है और उस डेटा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको उस देख सकते हैं अपने मोबाइल से इंटरनेट के माध्यम से उस डेटा को आप देख सकते हैं आपके कंप्यूटर में कोई डेटा है आप उसे भी पढ़ सकते हैं बट इंटरनेट के माध्यम से अगर किसी दूसरे कंप्यूटर में कोई डेटा रखा है तो उस डेटा को भी आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं और इसके लिए एक डोमेन नेम का इस्तेमाल करते हैं जो आपको याद रहता है कि हमें इस वेबसाइट पर जाना है इस कंप्यूटर का डेटा हमें देखना है ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीपल कुड फाइंड कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट इसके लिए हम डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपको डोमेन नेम याद रहता है हालांकि इसके पीछे आईपी एड्रेस काम करता है ठीक है बट डोमेन नेम आपको आसानी से याद हो जाता है जैसे आपने देखा होगा आपके मोबाइल फोन में क्या होता है बहुत सारे नंबर होते हैं बहुत सारे लोगों के नंबर होते हैं बट सभी के नंबर आपको याद नहीं होते हैं लेकिन नाम आपको याद होते हैं और उनका नंबर जो भी होता है वो आप एक नाम दे करके अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं तो जैसे मान लिया आपको किसी को आ, फोन लगाना है आपने उस व्यक्ति का नाम सर्च किया और उसका नंबर टाइल कर दिया तो वो जैसे जिस नाम पर आपने क्लिक कर दिया है उस नाम के पीछे एक नंबर होगा ना उसी नंबर पर कॉल जाएगा वैसे ही हमारा यहाँ पर जो सर्वर होता है इसका अपना एक एड्रेस होता है एक अपना आईपी एड्रेस होता है और यहाँ पर आपका डोमेन नेम जो होता है आपको डोमेन नेम याद रहता है बहुत आसान हो गया आपके लिए कि ट्रिपल सी बाई डॉट कॉम पर जाना है बट आपको सी बाई कॉम का एड्रेस नहीं याद है तो हम जैसे ही ट्रिपल सी वाई फॉट कॉम कर डालते हैं वहां पर तो हम उस आई पी एड्रेस पर डायरेक्ट हो जाते हैं है ना जो हमारे सर्वर का होता है और आप हमारे कंप्यूटर तक उस वेबसाइट तक उस सर्वर तक पहुंच जाते हैं और वहां पर जो डेटा होता है उसको आप एक्सेस कर पाते हैं बहुत ही आसानी के साथ ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा इंटरनेट टेक्नोलॉजी में एस एम आई एम ई का फुल फॉर्म आपको बताना है इसका फुल फॉर्म की पूरा नाम क्या होता है बाकी बहुत ज्यादा डीप आपके एग्जाम में आता नहीं है ट्रिपल ट्रिपल्स एग्जाम में बट हम कभी जब कॉम्पिटिव एग्जाम के क्लास लेंगे तो वहां पर फिर हम बहुत सारे डिटेल में ये सारी चीजें आपको अलग से पढ़ाएंगे ठीक है तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी में एस एम आई एम ई का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है इसका मतलब होता है सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा तो आप सभी को ध्यान रखना है क्वेश्चन देखिएगा 416 क्या कहता है यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है आपको बताना है यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है टोटल डिजिट आपके यूपीआई पिन में कितने होते हैं और यूपीआई का मतलब क्या होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है तो इसमें जो डिजिट होते हैं वो चार से छह डिजिट होते हैं क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहां पर भी हो जाएगा चार से छह डिजिट होते हैं यहाँ पर उल्टा लिख दिया है छह से चार है ना तो आपको ध्यान रखना है चार से लेकर के तक आप डिजिट का पिन बना सकते हैं यूपीआई में अगला क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस क्या करता है पृष्ठ को अगर आपको नीचे करना है है ना तो हम माउस से क्या करेंगे बताओ यहां पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ को नीचे करना है तो माउस से क्या करना पड़ेगा तो से हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा स्क्रॉल करना पड़ेगा क्वेश्चन कहता है लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल कौन से हैं लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क तो लैन के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले दो प्रोटोकॉल के नाम आप सभी को बताने हैं इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इथरनेट एंड टोकन रिंग आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक रोबोट स्वचालन प्रक्रिया को विकसित करती है कौन सी तकनीक रोबोट स्वचालन प्रक्रिया को विकसित करती है तो सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा चार सौ उन्नीस का बताइएगा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा इनमें से कौन कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं है कनेक्टर सीरियल कनेक्टर या फिर सिस्टम बस इसमें से कौन सा कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं है यहां पे कौन सा राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिस्टम बस ऑप्शन बी आपका यहां पे सॉरी ऑप्शन डी आपका यहां पे करेक्ट है सिस्टम बस और यहां पर आपको बताना है एक डॉक्यूमेंट के शुरुआती पांच प्रश्नों को प्रिंट करने के लिए आप कौन सी कमांड देंगे एक डॉक्यूमेंट के शुरुआती पांच प्रश्नों को प्रिंट करने के लिए आप कौन सी कमांड देंगे थोड़ा सा यहां लिखने में मिस्टेक है बट यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है कि एक डॉक्यूमेंट के शुरुआती पांच प्रश्नों को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कौन सी कमांड देंगे ठीक है तो यहां पर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा शुरुआती पांच पृष्ठ ही हमें पेज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर देखो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है फ्रॉम टू मतलब यहां पर हमें फ्रॉम और टू में लिख देना होगा कि हमें कहा से लेकर के कहा तक के पेज प्रिंट करने हैं है ना यहाँ पर आपको पेज नंबर देना है जैसे मान लिया शुरुआत के पांच ही प्रिंट करना है तो हम यहाँ लिखेंगे वन और टू फाइव तो एक से लेकर पांच तक के पेज ही हमारे प्रिंट हो जाएंगे क्वेश्चन कहता है मेल यूजर एजेंट को डैश भी कहा जाता है मेल यूजर एजेंट को हम और क्या कहते हैं मेल यूजर एजेंट को डैश भी कहा जाता है मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा ई क्लाइंट भी कहा जाता है ठीक है आपको ध्यान रखना है जो सरकार के लिए हैकिंग करता है वह इथिकल हैकिंग कहलाती है जो सरकार के लिए हैकिंग करता है उस हैकिंग को इथिकल हैकिंग कहते हैं और हैकिंग करने वाले को इथिकल हैकर कहते हैं तो क्या ये बात सही है करेक्ट जवाब कर देना है सभी बच्चों को और भाई शेयर नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से क्लास को एक बार फिर से, से शेयर कर दीजिए जो बच्चे अभी भी क्लास से जुड़े हैं आप लोग शेयर कर दीजिए और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा ठीक है तो यहाँ पर यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन पहला जो सरकार के लिए हैकिंग करता है वहां एथिकल हैकिंग कहलाती है और उसको इथिकल हैकर का नाम देते हैं क्वेश्चन कहता है आजकल सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुफ्त में उपलब्ध है वो कौन सा है बताओ करेक्ट जवाब करना है लिनक्स यूनिक्स टू या फिर चार सौ में आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओबन है ना ओबन आपका राइट right आंसर सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है ओबन आपका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए गए खोज परिणामों को क्या कहा जाता है यानी कि रिजल्ट्स की एक पंक्ति में व्हाट आर द सर्च रिजल्ट प्रेजेंटेड इन अ रो ऑफ रिजल्ट कॉल्ड तो आप इसे क्या बोलते हैं सर्च इंजन क्वेरी बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं टैग लिस्ट बोलते हैं कैटेगरी लिस्ट बोलते हैं परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए गए खोज परिणामों को क्या कहा जाता है इसको थोड़ा सा हम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं जैसे आपने गूगल पर कुछ सर्च किया क्या किया आपने गूगल पर कुछ सर्च किया यहाँ पर जैसे ही आपने गूगल पर कुछ सर्च किया है तो क्या होगा एक लंबी सी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी सर्च जब आप कुछ सर्च करते हैं कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाती हैं तो बस यही पूछा है कि परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए गए खोज परिणामों को क्या कहते हैं जो आपने सर्च किया है और आप सर्च करने के बाद में जो रिजल्ट आपको दिखाए गए जो परिणाम आपको दिखाए गए एक लंबी सी लिस्ट दिखाई गई है इसी को क्या बोलते हैं बताओ तो इसी को सर्च इंजन रिजल्ट पेज का नाम देते हैं ये हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है जो हमने सर्च किया है उसी से संबंधित यहाँ पर हमें पेज दिखाए जाते हैं यहाँ पर कुछ वेबसाइट के लिंक दिखाए जाते हैं जहाँ पर हम क्लिक करके अपनी वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसको आपने सर्च किया है क्वेश्चन कहता है ब्राउजर वर्तमान सत्र के दौरान जो बेब प्रश्नों को विजिट किया गया है उसकी एक सूची रखता है फेवरेट ट्रायल कैश या फिर हिस्ट्री आपका जो ब्राउजर होता है जब आप ब्राउजिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है एक सूची रख लेता है आपने जहां जहां भी विजिट किया होता है जो जो वेबसाइट आपने विजिट की होती है तो किसके माध्यम से होता है हिस्ट्री ऑप्शन नंबर डी हमारा है ना उसकी एक हिस्ट्री हमारी हो जाती है और हम उस हिस्ट्री में जाकर के देख सकते हैं कि हमने अभी पीछे क्या क्या वेबसाइट को देखा है क्या क्या हमने चलाया है है ना कौन सी वेबसाइट पर आप गए हैं सारा डेटा हिस्ट्री में आपका सेव हो जाता है वेब में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल का नाम आपको बताना है वेब में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एच टी पी जिसका मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और आपने सुना होगा एच टी टी पी एस का भी नाम तो एच एस का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और यस फॉर सिक्योर हो जाएगा, ठीक है सिक्योर होता है। इंटरनेट वास्तविक रूप से डैश के द्वारा विकसित किया गया अब इंटरनेट को किसके द्वारा विकसित किया गया डेवलप किया गया यह आपको बताना है तो कौन सा यहां पे राइट आंसर हो जाएगा यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ही इंटरनेट को वास्तविक रूप से डेवलप किया गया और बनाया गया जैसा कि हमने आपको बताया था शुरुआत में जो इंटरनेट डेवलप किया गया वो किसके द्वारा किया गया था यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया था यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट में कौन था अरपा नाम की एक संस्था थी अरपा इसका मतलब था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और अरपा नाम की संस्था ने सबसे पहला नेटवर्क बनाया जिसका नाम पड़ा अरपा नेट है ना एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ठीक है तो यहीं से इंटरनेट की शुरुआत हुई आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन कहता है ईमेल पते में क्या क्या शामिल होता है एक ईमेल पते में क्या क्या शामिल होता है डोमेन एड्रेस ऑफ ऑफ द मेल सर्वर होम एड्रेस यूजर आइडेंटिटी या फिर नेम चार सौ उन्तीस में करेक्ट जवाब कर देना है सभी बच्चों को क्या हो जाएगा तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला डोमेन एड्रेस ऑफ द मेल सर्वर डोमेन एड्रेस ऑफ द मेल सर्वर का डोमेन एड्रेस होता है ईमेल पते में कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है फाइल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड फाइल कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल फाइल को भेजने में करते हैं तो आपको पता है एफ टीपी यहां पर हो जाएगा जिसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफ टीपी ठीक है एस टी टीपी का मतलब क्या होता है अभी हमने आपको बताया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एस एम टी पी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आगे देखते हैं ओ एल एक्स क्या है आपको क्या बताना है ओ एल एक्स क्या है एक एजुकेशनल वेबसाइट है ई कॉमर्स वेबसाइट है वीडियोज प्लेटफॉर्म है या नीच तो ओ इसमें से क्या है आपको यह बताना है बताओ ओ एल एक्स क्या हो सकता है एक ई कॉमर्स वेबसाइट है ऑप्शन हमारा वी कनेक्ट है एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने करेक्टर प्रयोग कर सकते हैं ये भी काफी अच्छा प्रश्न है इंस्टाग्राम पर आप अधिकतम कितने करेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं बताओ यहां पर सही जवाब करना है चार में कौन सा राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा वी हो जाएगा हम यहाँ पर बाईस सौ करेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है चलो और यहां पर आपको बताना है निम्न सर्वर में से अन्य सर्वर और क्लाइंट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है कौन निम्न में से अन्य सर्वर और क्लाइंट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कौन काम करता है तो सही जवाब कर देना है सभी बच्चों को यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रॉक्सी सर्वर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा प्रॉक्सी सर्वर क्वेश्चन देखिए चार सौ चौतीस कहता है ट्रांसमिशन माध्यम सबसे तीव्र डेटा दर प्रदान करता है Means कौन सा ट्रांसमिशन माध्यम सबसे तीव्र डेटा दर प्रदान करता है ऑप्शन दिया गया है माइक्रोवेव ऑप्टिकल फाइबर ट्विस्टेड पेयर या फिर को केबल तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को जवाब करना है बताइएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है सभी बच्चों को क्या हो जाएगा तो राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर वी ऑप्टिकल फाइबर ध्यान रखना है ऑप्टिकल फाइबर आपका राइट right आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन पूछा गया है एच टी टी पी एस की पोर्ट संख्या आपको बतानी है एच टी टी पी एस में पोर्ट संख्या क्या होती है कौन सा पोर्ट नंबर इस्तेमाल करता है आपका एच टी टी पी एस कौन सा यहाँ पे राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चार सौ तैतालीस पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है आपको ध्यान रखना है ठीक है क्वेश्चन देखिएगा लिब्रोफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपको बताना है क्या है पेज साइज है पेज का ओरिएंटेशन होता है टेक्स्ट इफेक्ट होता है या पेज लेआउट यहां पर राइट right आंसर होगा तो कौन सा राइट right आंसर हो जाएगा 436 का लिब्रो में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है ये सभी आपके पेज ओरिएंटेशन है ऑप्शन तो हमारा वी हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी रेखा मैसेज की सामग्री का वर्णन कराती है जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो कौन सी रेखा कौन सी लाइन ये बताती है कि संदेश में क्या भेजा है यानी कि संदेश में सामग्री क्या है उसका वर्णन कौन सी रेखा कराती है मटेरियल टू सब्जेक्ट या फिर सी 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 तो बताइए यहां पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी सब्जेक्ट ही बताता है कि मेल में क्या है आप क्या भेज रहे हैं ये कौन बताता है सब्जेक्ट ही बताता है तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सब्जेक्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में आईओटी क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसमें से बताना है क्या हो सकता है स्मार्ट टीवी हो सकता है स्मार्टफोन हो सकता है टैबलेट हो सकता है या फिर ऑल ऑफ तीज इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या हो सकता है 438 में आपको जवाब करना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ तीज स्मार्ट टीवी स्मार्टफोन टैबलेट ये सभी क्या है सभी आपके आई में आते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आते हैं क्वेश्चन कहता है इनमें से इनमें से कौन एक पुश बटन बनाता है कौन सा एक पुश बटन बनाता है 439 में आपको जवाब बताना है क्या होगा राइट आंसर इनमें से कौन सा एक पुश बटन बनाता है चेक बॉक्स है रिसेट है इनपुट है और रेडियो का ऑप्शन दिया गया है तो बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 439 का इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका है ना रेडियो हो जाएगा आपका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है रेडियो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंध करता है ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रबंध करता है मेमोरी का करता है इनपुट आउटपुट का करता है प्रोसेसर का करता है या ऑल ऑफ तीज तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रबंध करता है या किसको मैनेज करने का काम करता है आपको पता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर यानी कि यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी को मैनेज करने का काम करता है रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है आपको बताना है रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है तो यहां पर क्या होगा सही जवाब ऑप्शन पहला हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन कहता है बातचीत को सरल बनाने में निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान है बातचीत को सरल बनाने में किसका सबसे ज्यादा योगदान होता है कंप्यूटर का एजुकेशन का आईटी गैजेट्स का या फिर ऑल ऑफ दीच तो यहाँ पर देखो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आई टी गैजेट्स ठीक है आई टी गैजेट्स आपका करेक्ट जवाब है क्वेश्चन बताना है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल किया जाता है क्या होगा यहाँ पे सही जवाब वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल होता है यू एल एस आई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा और प्लस ए आई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन है IIS का नाम आपको बताना है आई आई एस का फॉर्म क्या हो जाएगा बताओ आई आई एस का फुल फॉर्म यहां पर आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा तो इसका मतलब होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर ऑप्शन बी हमारा राइट होगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर और अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है यहां पर पूछा गया है फेसबुक में किसी पोस्ट को लिखते समय अधिकतम कितने करेक्टर लिखे जा सकते हैं फेसबुक में किसी पोस्ट को लिखते समय आप कितने करेक्टर लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा तिरसठ हजार दो सौ छह करेक्टर आप लिख सकते हैं और अगला क्वेश्चन आपको बताना है फेसबुक में यूजर नेम अधिकतम कितने करेक्टर का रख सकते हैं फेसबुक यूजर नेम में अधिकतम कितने करेक्टर आप रख सकते हैं हाउ मैनी मैक्सिमम करेक्टर इज यूज इन फेसबुक यूजर नेम तो आपका यहाँ पे क्या होगा राइट right आंसर फेसबुक यूजर नेम में आप अधिकतम पचास करेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको बताना है एम एम आई डी में कितने डिजिट होते हैं हाउ मेनी डिजिट इन एम एम आई डी कई बार आपके एग्जाम में पूछते हैं एम एम आई डी में कितने डिजिट होते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टोटल सात डिजिट होते हैं आपके एम एम आई डी में ठीक है और यहाँ पर आपको बताना है टेलीग्राम के सी ईओ कौन है Who is the CEO of Telegram? ऑफ टेलीग्राम कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलीग्राम के सीई आपको बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला पबेल ड्रॉप ये आपके टेलीग्राम के सीईओ हैं। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कंट्रोल वी से क्या होता है कंट्रोल बी से आप क्या करते हैं कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं कट करते हैं या फिर रन ऑफ तेज तो कट या कॉपी के गए हम टेक्स्ट को अगर पेश करना चाहते हैं तो कंट्रोल वी इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर वी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा हम पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बताना है एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है आपका एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है कितने डिजिट होते हैं आपके एटीएम पिन में या फिर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि आपका डेबिट कार्ड जो होता है ना उसमें कितने पिन होते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा चार डिजिट का पिन होता है आपका डेबिट कार्ड या फिर एटीएम पिन का आप बोल सकते हैं यहाँ पर आपको बताना है कंप्यूटर के किसी विंडो से बाहर आने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्ट के साथ में या दबाएंगे तो आप कंप्यूटर में विंडो के बाहर आ जाएंगे और अल्ट या से आप कंप्यूटर को बंद भी कर सकते हैं सट डाउन भी कर सकते हैं तो आपको ये भी याद रखना है और यहां पर आपको बताना है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है उसे क्या कहते हैं मैग्नेटिक टैप डिस्क बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज तो इसमें से आपको बताना है आपका राइट right आंसर यहां पर क्या हो जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा का भंडार कर सकता है तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा बोथ ए एंड बी मैग्नेटिक टैप और डिस्क दोनों आपके राइट right आंसर है क्योंकि यहाँ पर हम आंकड़ों को अधिक मात्रा में स्टोर कर सकते हैं भंडार कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है और यहाँ पर पूछा है आपसे पेन ड्राइव है पेन ड्राइव क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है कंप्यूटर राइटिंग डिवाइस है ड्राइंग टूल है या फिर नन ऑफ तो इसमें से पेन ड्राइव आपका क्या होगा यह आपको बताना है कौन सा यहां है तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है तो ध्यान रखना है एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है आपकी पेन ड्राइव और यहां पर आपको बताना है कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन दिया गया है फॉर परमानेंट स्टोरेज के लिए से आपको जवाब करना है आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कैश मेमोरी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है तो यहां पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू रिमूव द स्पीड बैरियर बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में जो स्पीड है उसको कम करने के लिए उसको रिड्यूस करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर वी हो जाएगा राइट आंसर ठीक है होता क्या है जब आपका आ, जो कैश मेमोरी होती है उसमें जो डेटा मेन मेमोरी से आपके सीपीयू तक जाता है तो उसकी एक कॉपी कैश मेमोरी में भी स्टोर हो जाती है और जब कभी भी आपके सीपीयू की सीपीयू को उस डेटा की आवश्यकता होती है तो उसे पुनः वो कैश मेमोरी से ही उठा लेता है तो यहाँ मेन मेमोरी से जो डेटा आता है आपके सीपीयू के पास उसमें जो समय लगता है उसको ये कम कर देता है कैश मेमोरी ठीक है चलो अब यहां पर देखो क्या पूछा है कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है अब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहलाता है डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज होगा या डायग्नोसिस डेटा एक्सचेंज होगा या फिर डायमीटर डेटा एक्सचेंज होगा तो 455 आपके सामने है यहां पर बताना है करेक्ट जवाब क्या है और एक बार फिर से आप सभी क्लास को भाई शेयर कर दो तो सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दो और जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप सभी को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर आपने नहीं किया है तो ठीक है तो बताओ चार सौ पचपन आप सभी के सामने है और यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है डायनेमिक डेटा एक्सचेंज ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा डायनेमिक डेटा एक्सचेंज और यहाँ पर आपको बताना है पेन ड्राइव है पेन ड्राइव क्या है ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा था बट वहाँ पर ऑप्शन चेंज थे और यहाँ पर ऑप्शन दूसरे हैं तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है स्टेशनरी सेकेंड स्टोरेज यूनिट अ मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट या अ रिमूवल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट या फिर ऑफ टीच तो इसमें से पेन ड्राइव क्या है अब आपको बताना है चार ऑप्शन आपके सामने है तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है ठीक है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है और यहां पर आपको बताना है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम क्या होगा सी डी सी डी आर डब्ल्यू डीबी डी या फिर रोम तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम आपको बताना है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी डी आर डब्ल्यू इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिराइटेबल ठीक है क्या होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल इसका फुल फॉर्म होता है अभी आपको ध्यान रखना है चलो अब यहां पर आपको बताना है कंप्यूटर का इन बिल्ड मेमोरी कौन सा है कंप्यूटर का इन बिल्ड मेमोरी आपको बताना है रोम 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 पी ईपी या फिर रैम इसमें कौन सा राइट right आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का इन बिल्ड मेमोरी कौन सा होता है तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला रोम जिसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी ठीक है और आपको पता है रोम के ही पार्ट हैं पी रोम और आपका

कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना के लिए किस नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में अगर कोई भी डाटा स्टोर करते हैं या फिर कोई भी गणना होती है आपके कंप्यूटर प्रोसेस करता है तो किस प्रकार के डाटा को प्रोसेस करता है डेसिमल ऑक्टल बाइनरी या फिर हेक्सा डेसीमल तो बताओ चार सौ उनसठ आप सभी के सामने है और इसमें कौन सा राइट आंसर है तो आपको पता है आपका जो कंप्यूटर होता है वो केवल और केवल मशीनी भाषा को समझता है और मशीनी भाषा में लिखा गया कोड क्या होता है बाइनरी कोड कहलाता है तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा बाइनरी ठीक है कंप्यूटर में डाटा स्टोर तथा गणना के लिए किस नंबर सिस्टम का इस्तेमाल होता है तो बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है आपको बताना है स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है 460 में कौन सा जवाब होगा ऑप्शन दिया है जीबी केबी एमबी या फिर नन ऑफ दीज तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला जीबी जिसका मतलब होता है गीगा वाइट यहां पर देखो पूछा यह है कि चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा सबसे बड़ा स्टोरेज इकाई है तो इन सभी में तो जीबी आपका होगा है ना गीगा वाइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपको बताना है बड़े से छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है बड़े से छोटे के क्रम में आपको बताना है कौन सा सही है सबसे बड़ा फिर उससे छोटा उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर तो यहां पर क्या करेक्ट है ये बताओ चार सौ इकसठ का कौन सा जवाब हो जाएगा तो देखो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले टीवी दिया है मतलब टेरा वाइट दिया है उसके बाद फिर क्या होता है उससे छोटा होता है, गीगा वाइट उससे छोटा होता है मेगावाइट और उससे छोटा है आपका केवी यानी कि केलो बाइट ठीक है तो सबसे बड़ा टीवी मतलब टेरा वाइट फिर जीबी मतलब गीगा वाइट फिर एमबी मतलब मेगावाइट और फिर केवी मतलब केलोबाइट ठीक है आप देखो एक हल्का संवेदनशील डिवाइस जो चित्रकारी मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है उस डिवाइस का नाम आपको बताना है एक हल्का संवेदनशील डिवाइस जो चित्रकारी मुद्रित पाठ अन्य छवियों को डिजिटल रूप में चेंज कर देता है परिवर्तित कर देता है उसको क्या बोलते हैं कीबोर्ड प्लॉटर स्कैनर या फिर ओ एम आर आपके पास कोई एक फोटो है कोई एक इमेज है आपका कोई फोटो है आपकी कोई टेक्स्ट फाइल है जिसको आप कंप्यूटर में ले जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा स्कैनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा स्कैनर तो स्कैनर क्या होता है आपका कोई फोटो है कोई फाइल है अगर आपने कोई प्रिंट आउट निकाल के रखा है तो उसको क्या करेगा ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और आपके कंप्यूटर सिस्टम पर दिखा देगा ठीक है आपके स्क्रीन पर आपको शो करा देगा मतलब एक हल्का संवेदनशील रिवाइस जो चित्रकारी मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है उसका नाम है स्कैनर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है कितनी पीढ़ियों में कंप्यूटर को वर्गीकृत किया जा सकता है कंप्यूटर को कितनी जनरेशन में बताया गया है या कितनी पीढ़ियों में इसको वर्गीकृत किया गया है यह आपको बताना है वन टू थ्री वन टू फाइव या फोर इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा तो आपको पता है कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां हैं अभी तक फाइव जनरेशन है अभी फाइव जनरेशन हमारी करंट में है तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा और यहां पर आपको बताना है कंप्यूटर में निम्न सर्किट का मेमोरी डिवाइस के रूप में

यहां पर बतानी है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जल्दी से जवाब करना है सभी बच्चों को जो भी क्लास में प्रेजेंट हैं आप सभी को बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए तो इसको ध्यान रखना है ऑप्शन हो जाएगा वी टीसीएस ठीक है ऑप्शन बी हो जाएगा टीसीएस और इसका मतलब क्या होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ऑप्शन यहाँ पर हमारा वी करेक्ट है और यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का अधिक उपयोग होता है या किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है आप ऐसा भी बोल सकते हैं तो बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर स्टेटिक्स ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा स्टेटेक्स में ठीक है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन कहता है इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है देखो थोड़े से क्वेश्चन बड़े हैं समझना है आपको अगर क्वेश्चन समझते हैं तो निश्चित रूप से आप इनका जवाब कर पाएंगे और अपने एग्जाम में भी आप इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे आते हैं तो इस प्रकार से अगर आप समझ करके करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना आंसर सटीक दे पाएंगे जो करेक्ट होगा है ना बस थोड़ा सा क्वेश्चन का मीनिंग समझना है और फिर ऑप्शन आपको देख रहे हैं कि कौन सा करेक्ट हो सकता है तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस कमांड इंटरफेस या नीच तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है साफ साफ लिखा है स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों के द्वारा हम कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं अब देखो जैसे आपका विंडोज है कैसा है विंडोज हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है मतलब हमारे विंडोज के ऊपर जब आप डेस्कटॉप पर आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे आपको आइकन दिखाई देते हैं छोटे छोटे आइकन आपको दिखाई देते हैं ये सब हमारे फोल्डर्स और फाइल्स के आइकन होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं हम सिंपली यहाँ किसी आइकन पर डबल क्लिक करके फाइल को ओपन कर सकते हैं फोल्डर को ओपन कर सकते हैं तो ये आइकन भी हमारे बेसिकली क्या होते हैं चित्र ही होते हैं जहाँ पर हम क्लिक करते हैं और फाइल हमारी ओपन हो जाती है तो इसी को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ठीक है कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है बताइएगा चार सौ अड़सठ आपके सामने है और इसमें राइट right आंसर क्या हो जाएगा कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है ऑप्शन हमारा है कंपाइलर इंटरप्रिटर कन्वर्टर या फिर नन ऑफ दीज तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला कंपाइलर आपको पता है आपका जो कंपाइलर होता है एक प्रकार का क्या है ट्रांसलेटर है और ये ट्रांसलेटर क्या करता है एक बार में पूरे स्टेटमेंट को रीड कर लेता है उसके बाद में इसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में और यही आपसे सवाल हो रहा है कि कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है तो ये क्या करता है पूरी फाइल्स को या जो भी हमारा कोड होता है ना उसको ये क्या कर देता है कंपाइल कर देता है एक ही बार में सारा स्टेटमेंट व्हाट इंटरप्रेटर क्या करता है या एक कथन को एक बार में ही ट्रांसलेट करता है व्हाट कंपाइलर पूरे स्टेटमेंट को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर आपको बताना है कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिससे प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है तो कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा भाग जिसमें प्रोग्राम या फिर अनुदेश शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं बताओ तो सिंपल सी बात है उसे सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर हो जाएगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन कहता है जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं ऐसा अनुदेश ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसको हम आसानी से ईजिली समझ पाए उसे क्या बोलते हैं बताओ कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है तो यहां पर हो जाएगा यूजर फ्रेंडली उसे हम यूजर फ्रेंडली का नाम देते हैं आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है आपको यह बताना है वेसिक, कोबॉल, या फिर पास्कल। तो कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हमारा फोट्रॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा फोट्रॉन का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन आपको ध्यान रखना है फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है और यहां पर बताना है फोर्ट्र एल्गोल पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नीब का पत्थर कहा जाता है किसे फोट्रॉन एल्गोल पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नीब का पत्थर किसे कहा जाता है सी प्लस प्लस वेसिक कबॉल या फिर फ्रेंच तो आपको बताना है यहां पर क्या होगा राइट आंसर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है तो सही जवाब हो जाएगा बेसिक ठीक है फोटॉन एल्गोल पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर किसे कहा जाता है बेसिक लैंग्वेज को कहा जाता है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है और यहां पर आपको बताना है वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट किसके एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर या नन ऑफ तेज तो वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट ये सभी हमारे एप्लीकेशन हैं, जिस पर हम काम करते हैं तो ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 74 क्या कहता है 474 पर हम लोग आ चुके हैं और यहां पर आपसे पूछा है यदि सिस्टम में डेट और टाइम गलत है तो आप इसे कहां से रिसेट कर सकते हैं आपके सिस्टम में डेट और टाइम गलत है तो आप इसे कहां से रिसेट कर सकते हैं और ये क्वेश्चन जुलाई एग्जाम में पूछा गया था तो आप सभी को ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि कहीं ना कहीं पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो देखो डेट और टाइम अगर गलत है तो आप कहां से रिसेट कर सकते हैं सिंपल सी बात है हमें कहां जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा ऑप्शन हमारा यहां पर हो जाएगा डी कंट्रोल पैनल ठीक है और यहां पर आपको बताना है आपको अपने कंप्यूटर को निम्नलिखित में से किससे सुरक्षित रखना चाहिए आपको अपने कंप्यूटर को किससे सुरक्षित रखना चाहिए वायरस टाइम बॉम्ब्स बॉर्म्स या फिर ऑल ऑफ दीज तो बताइए आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से सुरक्षित रखना चाहिए ऑप्शन पहला हो जाएगा वायरस ठीक है यहां पर आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक डैश है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है ग्राफिक्स प्रोग्राम है वर्ड प्रोसेसिंग है या डाटा प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आपने नाम सुना होगा तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपको पता है ठीक है तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम्स का समूह है इसमें से कौन सा प्रोग्राम्स का समूह है बताओ क्या होगा राइट आंसर तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला एसेसरीज कैसे देखो पूछा क्या है सिंपल सी बात पहले क्वेश्चन को समझो निम्न में कौन सा प्रोग्राम्स का समूह है जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं वहां पर आपने देखा होगा ऑल प्रोग्राम्स का एक ऑप्शन होता है है ना वहां पर आपको एक एसेसरीज का भी ऑप्शन मिलता है और जब आप एसेसरीज पर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको दिखाई देते हैं तो एसेसरीज में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं या क्या होता है प्रोग्राम्स का समूह आप इसे बोल सकते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए सेवेंटी कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है बहुत ही सिंपल है विंडोज एंटी या एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा नहीं है ऐसा प्रोग्राम जहां यूजर वर्क कर सकता है जो यूजर के वर्क के लिए बनाया गया है उसे एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम देते हैं और ऐसा प्रोग्राम जो सिस्टम के काम का है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं तो यहां पर हो जाएगा हमारा कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है इसका मतलब ऑप्शन पहला है विंडोज एन टी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम देंगे बाकी पेज मेकर की बात करें तो ये क्या है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का प्रयोग बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइल में बदलने के लिए किया जाता है काफी अच्छा प्रश्न है किस प्रोग्राम का प्रयोग बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइलों में बदलने के लिए किया जाता है ऑप्शन समझो क्या पूछा है विनजिप विन स्रिंक विन स्टाइल या फिर नन ऑफ तीच चलो भाई जल्दी से बताओ सेवनटी नाइन का आंसर क्या हो जाएगा तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला विनजिप कोई एक बड़ी फाइल है उसको हम छोटी फाइल बनाना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करना होता है विनजिप आपको ध्यान रखना है ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा विनजिप और यहां पर आपको बताना है निम्न में से कौन सा विंडोज संस्करण 64 बिट प्रोसेसर का समर्थन करता है विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज वर्जन सपोर्ट्स 64 बिट प्रोसेसर इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप सभी को बताना है कौन सा विंडोज का वर्जन 64 बिट प्रोसेसर का समर्थन करता है तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा विंडोज एक्सपी देखो होता क्या है जो आपका प्रोसेसर होता है उसमें अलग अलग बिट आते हैं जैसे बत्तीस बिट प्रोसेसर होता है चौसठ बिट प्रोसेसर होता है है ना तो इसका मतलब यह है कि एक बार में बत्तीस बिट क्या कर देगा बत्तीस बिट डेटा को एक बार में ये प्रोसेस कर देगा मतलब अगर कोई प्रोसेसर चौसठ बिट का है तो एक बार में 64 बिट डेटा को क्या कर देगा प्रोसेस कर देगा 32 बिट का है तो 32 बिट प्रोसेस कर देगा आपने देखा होगा शुरुआत में 8 बिट प्रोसेसर था 16 बिट प्रोसेसर था मतलब वो कंप्यूटर केवल 16 बिट डेटा को ही एक बार में प्रोसेस करवाता था बट आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो चौसठ बिट डेटा को हम एक बार में ही प्रोसेस करवा सकते हैं तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है कंप्यूटर बूट होने पर कौन सा, मतलब आए, हो तो कौन सा प्रोग्राम यह पता लगाता है कि सभी कंपोनेंट्स सही कार्य कर रहे हैं या फिर नहीं आपका जब कंप्यूटर ऑन होता है मतलब जैसे ही आप आए कंप्यूटर का स्विच ऑन किया कंप्यूटर बूट होना स्टार्ट हो गया तो कौन सा प्रोग्राम ये पता लगाता है कि कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट सही से कार्य कर रहे हैं या फिर नहीं तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पोस्ट और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था तो आपको ध्यान रखना है यहां पर हो जाएगा पोस्ट और कई बार आपसे एग्जाम में पूछेंगे पोस्ट का फुल फॉर्म इसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसको नोट कर लेना कहीं पर इसका मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट तो यह एक प्रोग्राम होता है एक तरीके से आप बोल सकते हैं जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो बायोस में क्या होता है यह पहला प्रोग्राम होता है बायोस में ये प्रोग्राम आपका रन होता है जो ये चेक करता है कि सारे कंपोनेंट वर्क कर पा रहे हैं सही से या फिर नहीं जब ये पता लग जाता है कि सारे कंपोनेंट सही से वर्क कर रहे हैं तो क्या होता है फिर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मेन मेमोरी में लोड होना स्टार्ट हो जाता है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है वो फिर मेन मेमोरी में लोड होना स्टार्ट हो जाता है तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट अब यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है कौन से विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विंडोज एट आपका राइट आंसर है विंडोज एट आपको ध्यान रखना है ठीक है क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा प्रोग्राम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम का समर्थन नहीं करता है कौन सा प्रोग्राम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम का समर्थन नहीं करता है तो चार सौ तिरासी में जवाब करना है सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा तो देखो इसमें हो जाएगा ऑप्शन पहला डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है विच फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है डॉस दिया गया है लिनक्स दिया गया है विंडोज दिया गया है और ओरिकल दिया गया है आपको पता है डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स भी है विंडोज भी है इसका मतलब ओरिकल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है एक्सेल में डैश वर्तमान सेल एड्रेस को प्रदर्शित करता है कौन एक्सेल में वर्तमान सेल एड्रेस मीन जो हमारी एक्टिव सेल है उसको कौन डिस्प्ले करता है उसके एड्रेस को कौन दिखाता है फार्मूला बार है स्टेटस बार है नेम बॉक्स है या फिर टाइटल बार है तो हमने आपको बताया भी था कि जो आपका सेल होता है उसका एड्रेस कौन डिस्प्ले करता है नेम बॉक्स करता है सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा नेम बॉक्स सेल का एड्रेस दिखाता है और सेल में आपने क्या लिखा है उसको कौन दिखाता है उसको फार्मूला बार दिखाता है जो आपका फार्मूला बार होता है वहां पर सेल में क्या कंटेंट है क्या फार्मूला इस्तेमाल किया है वो डिस्प्ले होता है और सेल का नाम क्या है ये आपका सेल एड्रेस में डिस्प्ले होता है अब आपको बताना है चार में यहां पर पूछा एक्सेल में मैक्रोज बनाने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग होता है एक्सेल में मैक्रोज बनाने के लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं Visual Basic C या Visual C++ या फिर जावा तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला विजुअल का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन लिब्रोफिस कैलक की टर्म नहीं है कौन लिब्रोफिस कैलक की टर्म नहीं है बताओ सेल्स रोज कॉलम डॉक्यूमेंट तो आपको यहां पर जवाब करना है आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कौन सी ऑफिस कैलक की टर्म नहीं है देखो सिंपल सी बात है सेल्स की अगर बात करते हैं तो ऑफिस कैलक से कहीं ना कहीं रिलेट करता है आपको पता है ऑफिस कैलक में रोज एंड कॉलम होते हैं और आपको सेल के भी बारे में पता है रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन सेल कहलाता है तो सेल भी होते हैं रोज और कॉलम भी होते हैं लेकिन फिर डॉक्यूमेंट हमारा सही हो जाएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट जो होता है वो ऑफिस कैलक से संबंधित नहीं है यहां पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन की और पूछा गया है एक बार चार्ट बनाने के लिए आप किसका चयन करेंगे एक बार चार्ट बनाना है किसका इस्तेमाल करेंगे एडिट में, में जाके चार्ट में जाएंगे इंसर्ट में जाके चार्ट में जाएंगे टूल्स में जाके चार्ट में जाएंगे या फॉर्मेट में जाके चार्ट में आप जाएंगे तो सिंपल सी बात है हमें चार्ट बनाना है तो हमें इंसर्ट में जाना पड़ेगा और उसके बाद में चार्ट में जाना पड़ेगा तो बी ऑप्शन हम यहाँ पर राइट करेंगे क्वेश्चन देखिएगा अगला कहता है उस चार्ट को आप क्या कहेंगे जिसमें यह प्रदर्शित होता है कि कोई डाटा दूसरे डाटा से कैसे संबंध रखता है उस चार्ट को आप क्या कहेंगे जिसमें यह डिस्प्ले होता है कि कोई डाटा दूसरे डाटा से कैसे संबंध रखता है एक्स वाई चार्ट उसको बोलेंगे लाइन चार्ट बोलेंगे पाई चार्ट बोलेंगे या फिर कॉलम चार्ट आप उसे नाम देंगे तो यहां पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा तो यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उसको हम पाई चार्ट का नाम देंगे पाई चार्ट में होता क्या है जैसे आपने देखा होगा अगर हमें पाई चार्ट बनाना है तो कुछ इस प्रकार से बनता है जैसे अगर कोई सौ परसेंट चीज है उसके हम अलग अलग हिस्सों में दिखाना चाहते हैं तो हम पाई चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ परसेंट हम यहाँ पर दिखा देते हैं कुछ परसेंट हम यहाँ पर दिखा देते हैं ऐसे करके हम अलग अलग परसेंट में ये डेटा हम शो करा सकते हैं है ना तो ये आपस में सभी ये डेटा जो होता है ना आपस में रिलेट करता है सभी से उस चार्ट को आप क्या कहेंगे जिसमें यह प्रदर्शित होता है कि कोई डेटा दूसरे डाटा से कैसे संबंध रखता है जैसे अगर आपको बताना है कि ऑक्सीजन कितना है नाइट्रोजन कितना है ये सब बताने के लिए क्या कर सकते हैं हम पाई चार्ट का इस्तेमाल करके बता सकते हैं ठीक है क्वेश्चन देखिएगा स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को डैश मैनू से स्पेलिंग चुनकर शामिल किया जा सकता है अब यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे ये पहले समझो स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को डैश मैनू में मेनू से स्पेलिंग चुनकर शामिल किया जा सकता है किस मैनू से और बात हो रही है स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स की तो सिंपल सी बात है आपको पता है स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स हम कहाँ से ओपन कर सकते हैं या फिर स्पेलिंग कहाँ से चेक कर सकते हैं तो कुछ समझना ही नहीं है बस सीधे टूल्स मेनू को टिक कर देना है आपको पता है टूल्स मेनू में ही आपका स्पेलिंग का दिया जाता है कमांड है 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 ना स्पेलिंग का जो ऑप्शन होता वो तो टूल्स मेनू में ही आपको मिलता है। और कई तो कर बार आप स्पेल चेक करने की पूछ लेते हैं तो वहां पर हो जाएगा जिससे हम ऑटोमेटिक स्पेल चेक कर सकते हैं अब यहां पर बताना है स्पेलिंग को जांचने के लिए आप किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं या स्पेलिंग को जांचने के लिए कौन से की प्रेस करते हैं अभी हमने आपको बता ही दिया आप सेवन हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब है ना चलो आगे बढ़ते हैं रिमोट कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को स्टोर करता है रिमोट कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को स्टोर करता है उसको क्या बोलेंगे काफी यूनिक क्वेश्चन है बस थोड़ा सा समझना है थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है यहाँ पर आपको मीनिंग निकालना है उसके बाद जवाब करना है ऑप्शन देखो सिस्टम कंप्यूटर सर्वर्स क्लाइंट या फिर नन ऑफ टीज अब आप खुद ही सोचो क्या होगा रिमोट कंप्यूटर क्या है रिमोट कंप्यूटर है जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को स्टोर करता है तो सिंपल सी बात है हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वर क्या हो जाएगा सर्वर हो जाएगा देखो सर्वर जो होता है ना वो भी तो आपका एक कंप्यूटर ही होता है आपका कोई डेटा है जो किसी सर्वर पर अपलोड है जैसे आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो यह वीडियो कहाँ है एक सर्वर पर अपलोड है और वहां से आप रिमोटली इसे एक्सेस कर पा रहे हैं अपने मोबाइल के थ्रू एक इंटरनेट के थ्रू वहां पर ये डेटा आप देख पा रहे हैं ठीक है तो रिमोट कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को स्टोर करता है उसे क्या बोलते हैं उसे भी हम सर्वर का नाम देते हैं वो भी हमारा सर्वर होता है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा टीसीपीआईपी का अर्थ होता है आपको बताना है। टीसीपीआईपी का अर्थ क्या होता है फुल फॉर्म बतानी है यहां पर टीसीपीआईपी का मतलब क्या होता है जल्दी से बताइएगा चार में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है इसका मतलब ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही हो क्लास में कुछ समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देना कि हाँ सर समझ में आ रहा है क्लास बहुत अच्छी लग रही है और इससे हमें काफी फायदा होने वाला है ठीक है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्लास आपको कैसी लग रही है ठीक है चलो चार सौ चौरानवे में आपको बताना है इस सर्विस के माध्यम से आप किसी को भी संदेश भेज बा प्राप्त कर सकते हैं अभी तो बहुत कुछ आगे आपको मिलने वाला है अभी धैर्य रखो बस के साथ में क्लास को करते रहो अच्छे से पढ़ते रहो अगर आपने पूरा क्लास जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया पूरा क्लास अच्छे से देख लिया तो सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है इस सर्विस के माध्यम से आप किसी को भी संदेश भेज बा प्राप्त कर सकते हैं क्या होगा यहाँ पे सही जवाब चार सौ चौरानवे में आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा ई मेल जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल तो ई मेल हमारा राइट right आंसर है यह प्रोटोकॉल यूजर को रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सहायक होता है यह प्रोटोकॉल यूजर को रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सहायक होता है कौन सा हो जाएगा बताओ तो सही जवाब हो जाएगा यहां पर फिर टेल नेट टेल नेट का इस्तेमाल करते हैं रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए तो ऑप्शन हमारा यहां पर हो जाएगा टेल नेट प्रोटोकॉल ठीक है क्वेश्चन देखिएगा फेसबुक में कितनी प्रतिक्रियाएं होती हैं है ना हाउ मैनी आर दियर रिएक्शन इन फेसबुक फेसबुक में कितनी प्रतिक्रियाएं होती हैं ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आपको बताना है यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा डी सात प्रतिक्रियाएं होती हैं कई बार पूछते हैं कि फेसबुक में कितने रिएक्शन होते हैं तो सात रिएक्शन होते हैं आपको ध्यान रखना है पंक्तियों पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं पंक्तियों पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में अगर हमें बदलना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं चार सौ सत्तानवे में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा तो देखो बुलेट लिस्ट में अगर हम बदलना चाहते हैं कोई भी हमारी पंक्ति मतलब कोई लाइन हमने लिखी है कोई रो हमने लिखी है मतलब हमने कुछ लिखा है कोई एक लाइन है और जिसको हम बुलेट में बदलना चाहते हैं है. मीन्स बुलेट लिस्ट लगाना चाहते हैं ऐसे कुछ आप यहाँ पर बुलेट लिस्ट लगाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें किसका किस आइकन का प्रयोग करते हैं स्लाइड मास्टर को अप्लाई करना है तो स्लाइड बार के किस आइकन का आप इस्तेमाल करते हैं ठीक है ये सभी काफी यूनिक प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए तो पूरा क्लास आपको बहुत ही अच्छे से करना है 498 क्वेश्चन आपके सामने है आपको बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा फिर मास्टर स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन बी है हमारा मास्टर स्लाइड क्वेश्चन कहता है हु इज द फाउंडर ऑफ ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन के फाउंडर कौन है ब्लॉकचेन के फाउंडर कौन है आपको बताना है 499 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताओ ब्लॉकचेन के फाउंडर हैं ऑल ऑफ दीज हमने ये सभी नाम यहाँ पर शामिल कर दिए हैं ताकि अगर कोई भी नाम इसमें से आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप उसका जवाब बता तो देखो वेन रिप से भी फाउंडर हैं निकोलस कैरी और पीटर स्मिथ ये तीनों क्या हैं तीनों फाउंडर हैं ब्लॉकचेन के ठीक है और एक सवाल आपसे और होता है कि विट क्वाइन के फाउंडर हैं तो ये ध्यान रखना है अगर कभी विट क्वाइन के फाउंडर पूछें तो आंसर हो जाएगा सतोसी नाकामोटो ठीक है सतोसी नाका मोटो ये हो जाएगा नाम आपका बिटकॉइन के फाउंडर हैं लेकिन अगर आपसे पूछे ब्लॉकचेन के फाउंडर क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जुलाई एग्जाम में देखा गया था जिसमें पूछा था ब्लॉकचेन के फाउंडर बताओ तो यहाँ पर नाम ध्यान रखना है वेन रिप्स निकोलस कैरी और पीटर स्मिथ ये हैं ब्लॉकचेन के फाउंडर हु इज द फाउंडर ऑफ क्रेडिट कार्ड आपको बताना है क्रेडिट कार्ड के फाउंडर कौन है क्रेडिट कार्ड के फाउंडर कौन है आपको बताना है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन बिगिंस बिगिंस जॉन क्रेडिट कार्ड के फाउंडर हैं ठीक है ठीके? और हम सभी ने 500 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है अब आगे बढ़ेंगे 501 पर तो देखो यहां पर क्या पूछा है व्हाट इज द मेमोरी क्लोज क्लोजेस्ट टू द सीपीयू मतलब व्हाट इज द मेमोरी क्लोजेस्ट टू द सीपीयू सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है सीपीयू के नजदीक कौन सी मेमोरी होती है तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू के नजदीक मेमोरी कौन सी होती है हमने आपको पहले ही बता रखा है सीपीयू के पास में कैश मेमोरी होता है सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कैश मेमोरी वट जब कभी रजिस्टर दिया हो तो आपको रजिस्टर फिर करेक्ट कर देना है लाइट पेन किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है आपको क्या बताना है लाइट पेन किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है बताओ इनपुट डिवाइस में आती है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में आती है स्टोरेज डिवाइस या फिर नन ऑफ तेज देखो लाइट पिन की बात हो रही है और लाइट पिन हमारा क्या है पॉइंटिंग डिवाइस है मतलब पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस भी हम इसे बोल सकते हैं या केवल पॉइंटिंग डिवाइस का भी नाम दे सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जी टू जी आपको क्या बताना है जी टू जी का फुल फॉर्म क्या होता है जी टू जी का पूरा नाम यहाँ पर आपको बताना है इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा ध्यान रखना है सभी को अगला क्वेश्चन कहता है विच इज द फर्स्ट ए आई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली ए आई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बतानी है कौन सी है फर्स्ट ए आई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बतानी है कौन सी है ठीक है चलो पहली ए आई प्रोग्रामिंग भाषा की अगर बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिस्ट जिसका मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग ठीक है लिस्ट प्रोसेसिंग होता है इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है और यहां पर आपको बताना है कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है ईमेल क्लाइंट की बात की गई है आउटलुक इंटरनेट और या फिर रन ऑफ दीज कौन सा एक ईमेल क्लाइंट क्लाइंट है तो राइट right आंसर होगा ऑप्शन पहला आउटलुक हमारा एक प्रोग्राम है ठीक है क्वेश्चन पूछा गया है यूपीआई किस संबंधित है यूपीआई किस से संबंधित है क्या यह मनी ट्रांसफर से संबंधित है या फिर लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित है या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट से संबंधित है या फिर none of these यूपीआई किससे संबंधित है तो सिंपल सी बात है ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा ये मनी ट्रांसफर से संबंधित है आपका यूपीआई क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी बताओ पीपीपी का पूरा नाम आपको बताना है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीपीपी का फुल फॉर्म इसका मतलब क्या हो जाएगा कौन सा हमारा सही जवाब हो जाएगा पीपीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है इसका मतलब हो जाएगा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर वी है point point आपका point point protocol यहां पर आपका प्रोटोकॉल पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है और यहां पर आपको बताना है यूपीआई स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस तो क्या ये सही है इसमें कौन सा राइट right आंसर हो जाएगा बताओ ट्रू होगा या फॉल्स होगा तो सिंपल सी बात है ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपको बताना है इज द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है और डबल अंडरलाइन आप किस शॉर्टकट की के माध्यम से कर सकते हैं काफी अच्छा प्रश्न है और यहाँ पर हमारा राइट right आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ में डी आप कंट्रोल के साथ में बस डी दबाना है और इससे हम टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन कर सकते हैं यानी कि आपके टेक्स्ट के नीचे दो लाइनें आ जाएंगी वर्ट पहले हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा उसके बाद में कंट्रोल डी दबाना होगा ठीक है एन ई एफ टी इज कंट्रोल्ड बाई किसके द्वारा एन ई एफ टी को कंट्रोल किया जाता है ये आपको बताना है एस बी आई आर बी आई वी ओ बी या फिर वी ओ आई तो एन ई एफ टी को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है एन ई एफ टी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और इसको कंट्रोल कौन करता है तो इसको आर बी आई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है और यहां पर आपको बताना है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी द टेक्स्ट टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है आप टेक्स्ट को कॉपी कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है तो सिंपल सी बात है टेक्स्ट को हमें कॉपी करना है तो कंट्रोल हम सी का इस्तेमाल करेंगे और अगर हमें टेक्स्ट को कट करना है तो कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रोल सी से हम कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल जी से क्या होता है तो इससे गो टू का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जहां से आप किसी पर्टिकुलर पेज पर जा सकते हैं कंट्रोल पी से आपको पता होगा प्रिंट कर सकते हैं ठीक है वर्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ यू आर एल आपको बताना है यू आर एल का पूरा नाम क्या होता है यू आर एल का फुल फॉर्म क्या होता है मतलब क्या होगा इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर तो राइट right आंसर हो जाएगा वी हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा यू आर एल का फुल फॉर्म और यहां पर आपको बताना है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फुल स्क्रीन इन लिब्रो ऑफिस लिब्रो ऑफिस में अगर हमें फुल स्क्रीन मोड में देखना है तो हम क्या शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं फुल स्क्रीन के शॉर्टकट के लिब्रो ऑफिस में क्या हो जाएगी तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल शिफ्ट और जे का इस्तेमाल करते हैं फुल स्क्रीन मोड में देखने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और जे का इस्तेमाल करते हैं आगे बढ़ते हैं यहां पर आपको बताना है कैन यू पे वाई क्रेडिट कार्ड इवन इफ यू डोंट हैव एनी फंड योर अकाउंट यदि आपके खाते में कोई धनराशि नहीं है क्या आप क्रेडिट कार्ड तो से भुगतान कर सकते हैं अगर आपके खाते में कोई धनराशि नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं स yes या नो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा है ना क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि हमारे अगर बैलेंस नहीं है हमारा जो पैसा जमा है वो फिनिश हो चुका है बट फिर भी एक लिमिट तक हम क्या कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं यानी कि क्रेडिट कार्ड जब हमारा बनता है तो वहां पर एक लिमिट भी सेट हो जाती है कि इतने तक आप पेमेंट कर सकते हैं भुगतान कर सकते हैं और ये जो आपने भुगतान किया है या जो भी आपने खर्चा किया है जो भी आपने परचेज किया है जिसका जो भी आपने बिल पेमेंट किया है तो ये बाद में फिर आपको जमा करना पड़ता है डिपोजिट करना पड़ता है तो सिंपल सी बात है कि हमारे खाते में अगर हमारी धनराशि नहीं है तो भी हम क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं ठीक है कैन यू यूज डेबिट कार्ड फॉर ई एम आई ई एम आई के लिए आप क्या कर सकते हैं डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल आप कर सकते हैं ई एम आई के लिए हम डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रेडिट uh, कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जी मेल आपको जी मेल का पूरा नाम बताना है जी मेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका मतलब गूगल मेल हो जाएगा इसका मतलब ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा गूगल मेल और यहां पर आपको बताना है फॉर विच पर्पज इज द मेघ दूत ऐप यूज मेघ दूत ऐप का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाता है मेघ दूत एप्लीकेशन का इस्तेमाल किस परपज के लिए किया जाता है फॉर वेदर इंफॉर्मेशन फॉर इलेक्शन कमीशन फॉर रेलवे रिजर्वेशन या फिर नॉन ऑफ तो इसमें कौन सा राइट आंसर है आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा तो सिंपल सी बात ऑप्शन पहला है फॉर वेदर इंफॉर्मेशन बस आपको ध्यान रखना है मेघ दूत का इस्तेमाल मौसम की जानकारी के लिए करते हैं और ये स्पेशली जो एप्लीकेशन है ये किसान भाइयों के लिए बनाया गया है यानी कि जो किसान लोग हैं वो मौसम की जानकारी इस ऐप के माध्यम से ले सकते हैं यानी कि कब कब बारिश बारिश होने वाली है नहीं होगी ये पूरा हाल मौसम की पूरी जानकारी वो इस एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हैं बाकी और भी यहाँ पर जो आपकी कृषि से संबंधित जानकारियां हैं वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से दी जाती है तो स्पेशली ये किसान भाइयों के लिए बनाया गया एप्लीकेशन है मेघ जो की

व्हाट अगर आपसे कभी ये पूछते हैं कि मैनुअल आप कितना भर सकते हैं तो मैनुअल मिनिमम दो कर सकते हैं और मैक्सिमम मैनुअल नाइनटी ट्रिपल नाइन पॉइंट नाइन आप बोल सकते हैं नौ सौ निन्यानवे पॉइंट नाइन आप बोल सकते हैं और कई बार एग्जाम में ऐसा भी देखा गया है वहां पर एक हजार लिख दिया गया है तो एक हजार भी आप फिर करेक्ट कर सकते हैं एक हजार का ऑप्शन है तो आप इसे लगा सकते हैं क्योंकि नौ सौ निन्यानवे पॉइंट नाइन तक आप बढ़ा सकते हैं साइज को ठीक है 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 लिस्ट के अंदर जो होता है, वो और होता वो और ही तो देख लेना है कि हमारे ऑप्शन में कैसे ऑप्शन दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब कर देना है ठीक है अगर यहाँ कहीं दो मिल जाता तो हम दो आंसर कर सकते थे ठीक है क्योंकि कई क्यों बार ऐसा लिख के देते ना कि आप लिब्रोफिस कालक में आ, अगर चाहें तो मैनुअली या फिर मिनिमम कितना किया जा सकता है अगर ऐसा दिया है तो फिर दो आपको करना पड़ेगा अगर दिया है तो नहीं दिया है तो फिर आपको सिक्स ही करना है ठीक है अमेजोन डॉट इन एक है क्या है अमेजोन डॉट इन एक क्या है वी टू बी है वी टू सी है सी टू बी है अमेजोन डॉट इन एक वेबसाइट है कैसी वेबसाइट है ई कॉमर्स वेबसाइट है है ना तो इसका मतलब ये हो जाएगा मतलब वी टू सी मतलब बिजनेस टू कस्टमर यहाँ पर क्या होते हैं लोग यानी कि कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं खरीद सकते हैं मंगा सकते हैं और ये हमारा फिर वी टू सी में आ जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम अटैचमेंट साइज इन याहू मेल याहू मेल में अधिकतम अटैचमेंट साइज आपको बताना है याहू मेल में अधिकतम अटैचमेंट साइज कितना होता है बताओ कौन सा सही जवाब हो जाएगा तो सिंपल सी बात है 25 फाइव एम होता है याहू मेल में भी 25 एम बी होता है और जी uh, मेल में भी पच्चीस एमबी का होता है दोनों तो में पच्चीस एमबी ही अटैचमेंट साइज होता है बट एक चीज आपको ध्यान रखना है अगर कभी भी आपसे पूछे आउटलुक तो आउटलुक के अंदर क्या होता है इसमें हम बीस एम बी ही अटैच कर सकते हैं फाइल को बीस एम बी की फाइल ही अटैच कर सकते हैं ठीक है यहां पर आपको बताना है आप फोल्डर कांट मोर देन नाइन कॉपी एक फोल्डर में नौ कॉपी से ज्यादा नहीं हो सकती हैं एक फोल्डर में नौ कॉपी से ज्यादा नहीं हो सकती हैं ट्रू फॉल्स जवाब करना है तो क्या हो जाएगा ये तो फॉल्स हो जाएगा ना ऑप्शन बी हमारा राइट है आप एक फोल्डर में नौ से ज्यादा भी कॉपी रख सकते हैं इज़ द फुल फॉर्म ऑफ़ टी आपको बताना है आई सी टी का पूरा नाम क्या होता है बताइएगा आई सी टी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा कौन सा राइट आंसर है इसका मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा वी करेक्ट हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम होता है और अगला क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पर पूछा गया है विच अलाइनमेंट इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रो ऑफिस राइटर लिब्रो ऑफिस राइटर में कौन सा अलाइनमेंट अवेलेबल नहीं होता है बताओ कौन सा अलाइनमेंट अवेलेबल नहीं होता है तो देखो क्या दिया है राइट right, फिर सेंटर फिर लेफ्ट फिर टॉप तो ये टॉप वाला नहीं होता है लिब्रो ऑफिस में टॉप अलाइनमेंट नहीं होता है ध्यान रखना है वट अगर हम कैल्क की बात करते हैं तो कैल्क में आपको टॉप का अलाइनमेंट भी मिल जाता है मिडल का भी मिलता है और बॉटम का भी मिलता है ठीक है पी एनजी स्टैंड यहां पर बताना है पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है पी एन जी का पूरा नाम आपको बताना है इसका मतलब हो जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स ऑप्शन पहला है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पी एन जी एक इमेज फाइल होती है आपको पता है ठीक है तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट है अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू मेन पार्ट ऑफ द सीपीयू सीपीयू के दो मुख्य भाग कौन से हैं सीयू एमयू ए एंड दोनों या कौन सा राइट आंसर हो जाएगा सीपू के दो मुख्य भाग आपको बताने हैं तो सिंपल सी बात है फिर यहां पर सी ऑप्शन आप करेंगे यानी कि कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट आपको पता है वैसे सीपू के तीन मुख्य भाग होते हैं एक हमारा सी यू होता है दूसरा हमारा एमयू होता है तीसरा हमारा ए एल यू होता है जिसका मतलब आर्थमेट्रिक लॉजिक यूनिट होता है लेकिन ऑप्शन में हमें ऐसा नहीं दिया है दो दिए हैं तो आप बता सकते हैं क्योंकि हमसे दो ही पूछे हैं तो हम सी बता देंगे भाई सी यू और एमयू दोनों होते हैं

और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन है जिसका नाम है सी विजिल और इस एप्लीकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं आप जो इलेक्शन में कोई गड़बड़ी होती है आप वहां पर शिकायत कर सकते हैं ठीक है इलेक्शन में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है आपको लगता है तो आप सी विजिल एप्लीकेशन के थ्रू अपनी शिकायत इलेक्शन कमीशन के, के पास दर्ज करा सकते हैं आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको बताना है ब्लॉगर इज अ पर्सन ब्लॉगर एक व्यक्ति होता है ब्लॉगर एक व्यक्ति का नाम है जो ब्लॉगिंग का काम करता है उसे ब्लॉगर कहते हैं तो सिंपल सी बात है ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा ट्रू है है ना जैसे आपने देखा होगा जो टेबल वगैरह बनाता है उसको हम कारपेंटर का नाम देते हैं ऐसे ही जो ब्लॉगिंग करता है उसको ब्लॉगर का नाम देते हैं ठीक है जो यूट्यूब पर वीडियो बनाता है उसको यूट्यूबर का नाम देते हैं तो ऐसे कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं और यहां पर आपको बताना है द फुल नेम ऑफ ऑफ इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी इंडिया का पूरा नाम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण होता है क्या ये सही है इसका आंसर क्या होगा ट्रू फॉल्स में आपको बताना है तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट है यू आई डी का मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा और यहाँ पर आपको बताना है इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक फेसबुक के फाउंडर कौन है फेसबुक के फाउंडर आपको बताने हैं कौन है तो कौन सा यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा बताओ सिंपल सी बात है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग और यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वाईफाई पासवर्ड वाईफाई पासवर्ड की अधिकतम लंबाई कितनी होती है वाईफाई पासवर्ड की अधिकतम लंबाई आपको बतानी है कितनी होती है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है वाईफाई पासवर्ड की जो लंबाई है वो तिरसठ होती है तिरसठ डिजिट की होती है और मिनिमम की अगर बात करते हैं तो मिनिमम आठ डिजिट आपको वाई पासवर्ड में देने होते हैं मैक्सिमम तिरसठ होते हैं ठीक है, Maximum, है। तो याद रखना है काफी इंपॉर्टेंट है यूनिक्स इज अ सॉफ्टवेयर यूनिक्स एक सॉफ्टवेयर है ट्रू फॉल्स में बताना है सिंपल सी बात है यूनिक्स एक सॉफ्टवेयर है तो आप यस बोलेंगे बिल्कुल यूनिक्स एक सॉफ्टवेयर है बट कैसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्योंकि यूनिक्स क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है इज इज आपको बताना है एंटीवायरस क्या है एक हार्डवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है सर्विस या फिर नॉन ऑफ्ट एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है तो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है तो यहां पर आपको बताना है वट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ लेटर इन अ ट्वीट ठीक है मैक्सिमम लेंथ आपको बताने लेटर की मैक्सिमम लेंथ एक ट्वीट में क्या हो सकती है ठीक है तो ट्विटर में एक ट्वीट की जो अधिकतम लेंथ होती है वो क्या हो सकती है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 280 ठीक है 280 लेटर ही आप लिख सकते हैं और यहां पर आपको बताना है Calc. Calc की टू गो फ्रॉम एक्टिव सेल से आप पिछली सेल पर जाना चाहते हैं प्रीवियस सेल पर जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ में टैब दबा देना होगा बस केवल टैब जब दबाते हैं तो क्या होता है सेल से हम आगे जाते हैं वट जब शिफ्ट के साथ टैब दबाते हैं तो फिर हमारा जो कर्सर होता है वो सेल के प्रीवियस सेल पर आ जाता है पीछे वाले सेल पर आ जाता है और आपको पता है अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो क्या होता है आपके पास कुछ सेल है आपने एंटर प्रेस किया तो नीचे आएंगे सेल के नीचे आ जाते हैं बट शिफ्ट के साथ जब एंटर प्रेस करते हैं तो, तो सेल से ऊपर की तरफ जाते हैं ये भी ध्यान रखना है शिफ्ट के साथ एंटर दबाया तो ऊपर जाएंगे सेल के और अगर आपने केवल एंटर दबाया तो सेल तो 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 के नीचे आएंगे टैब दबाते हैं सिंपल तो आप सेल के आगे जाते हैं और अगर शिफ्ट के साथ टैब दबाते हैं तो पीछे जाते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है वट इज द शॉर्टकट की टू मूव फ्रॉम वन टू टूदर इन मोर देन वन ओपनिंग विंडो एक से अधिक खुली हुई विंडोज में एक से दूसरे पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करते हैं एक से अधिक खुली हुई विंडोज में एक से दूसरे पर हम मूव करना चाहते हैं तो हमें कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी होती है बताओ तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है अल्टर के साथ में टैब दबाना होता है ऑप्शन डी हो जाएगा अल्ट के साथ में टैब का इस्तेमाल करना होता है और यहाँ पर आपको बताना है विंडोज वेज्ड कंप्यूटर आर ग्राफिकल यूजर विंडोज वेज्ड जो कंप्यूटर होते हैं उनको ग्राफिकल यूजर का नाम देते हैं तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है विंडोज वेज्ड जो आपके कंप्यूटर हैं वो क्या होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है यानी कि जीवाई पर आधारित होते हैं पूछा गया है मॉडम मोडम इज कॉल्ड इंटरनल मॉडम एंड एक्सटर्नल मॉडम मॉडम को आंतरिक मॉडम और बाहरी मॉडम कहते हैं क्या ये सही है तो इसका जवाब होगा यस yes, बिल्कुल करेक्ट है मॉडम को इंटरनल मॉडम और एक्सटर्नल मॉडम भी कहते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं और यहां पर आपको बताना है वी इज फॉर बिजनेस इन बी टू सी ई कॉमर्स बी टू सी ई कॉमर्स में वी का मतलब बिजनेस होता है बी टू सी का मतलब क्या होता है बिजनेस टू कस्टमर तो बी का मतलब क्या हुआ बिजनेस तो बिल्कुल सही है ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा और यहां पर आपको बताना है कैश मेमोरी इज इनसाइड द रैम कैश मेमोरी रैम के अंदर लगी होती है कैश मेमोरी रैम के अंदर होती है नो no. तो ये फॉल्स हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है ठीक है जब कॉलम सी में ए बन प्लस बीबन डालेंगे तो क्या मान होगा जहां ए की वैल्यू फाइव है और बी की वैल्यू टेन है कॉलम सी के अंदर आपने लिखा इक्वल ए बन प्लस बी वन और ए के अंदर आपने वैल्यू दे दी फाइव की बी वन के अंदर वैल्यू दे दी दस की तो क्या हो जाएगा जोड़ देगा पंद्रह हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ कर देगा तो प्लस हो जाएगा सिंपल सी बात है बट अगर प्लस ना दिया हो कभी और आपको कहे कि भैया ऐसे लिखा है इक्वल सम सॉरी उसके बाद कॉमा लगा देते हैं यहां पर ओके भाई इसको डिलीट करते हैं इसके बाद कॉमा लगा देते हैं और यहाँ पर V1 कर देते हैं अब आपसे पूछा कि एक सी कॉलम में आपने लिखा इक्वल सम ए वन कामा बी वन और जहां एवन का मान फाइव था बीबन का मान दस था तो आंसर क्या होगा तो आपको पता है सम भी जोड़ कर देता है तो द, 15 हो जाएगा फिर. A1 और B1 जोड़ जाएगा फिर और जुड़ आपस में पंद्रह हो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा की इज टू टू गो द नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड में जाने की की बताओ अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की बताओ क्या होगा पेज डाउन से हम अगली स्लाइड पर जा सकते हैं तो ऑप्शन पहला हो जाएगा पेज डाउन

और यहां पर आपको बताना है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट कैन में आप अधिकतम व्हाट्सएप ग्रुप में आप अधिकतम तो सिंपल सी बात है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा दो सदस्य हम जोड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में और यहां पर आपको बताना है विच ऑफ प्रोटोकॉल निम्न में से कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल है बताओ निम्न में कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल है यहां पर क्या हो जाएगा सही जवाब देखो ईमेल प्रोटोकॉल पूछा है तो यहां पर हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा आई एम ए पी आपको पता है आई एम ए पी एक ईमेल प्रोटोकॉल है जिसका मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ठीक है एस टी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और टीसीपीआईपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल

आप देखो यहां पर क्या पूछा है वट इज द फर्स्ट ग्राफिकल बे ब्राउजर ऑफ द वर्ल्ड विश्व का पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा है विश्व का पहला ग्राफिकल बे ब्राउजर आप सभी को बताना है पहला ग्राफिकल बे ब्राउजर की बात करें तो हो जाएगा मोजाइक ऑप्शन हमारा वी करेक्ट होगा और अगर मोजाइक नहीं दिया है तो आप नेट स्केप नेविगेटर को भी करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मोजाइक को बाद में बदल करके नेट स्केप नेविगेटर ही कर दिया गया अब देखिए क्यू आर कोड में इस्तेमाल होता है क्या होता है क्यू आर कोड में इस्तेमाल नंबर अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल करेक्टर या फिर अल्फावीट क्यू आर कोड का मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है जिसको बनाया किसने ने डेंसोबैब ने कब बनाया उन्नीस सौ चौरानबे को बनाया था डेंसो बैब ने और इसमें अल्फा न्यूमेरिक इस्तेमाल होते हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा पूछा है कैल्क में फर्स्ट सेल पर जाने की शॉर्टकट की बता दो कैल्क में पहली सेल पर जाना है शॉर्टकट के इस्तेमाल करना होता है पांच में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेल पर जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल के साथ में होम दबा देंगे फर्स्ट सेल पर हम आ जाएंगे में कुल रो कितनी होती हैं टोटल नंबर ऑफ रो आपको बतानी है कैल्क प्रोग्राम में कुल रो कितनी होती हैं तो टोटल नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी होती है दस लाख अड़तालीस हजार पांच सौ छिहत्तर ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सी हमारा हो जाएगा दस अड़तालीस पांच सौ छिहत्तर ठीक है अब देखो यहां पर पूछा इक्वल फ्लोर एक सौ का मान कितना होगा आपको बताना है एक सौ अट्ठाईस वैल्यू क्या होगी तो 550 में कौन सा राइट आंसर है ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा 550 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है देखो यहाँ पर क्या दिया है फ्लोर दिया है इसका मतलब हमें नीचे की तरफ देखना होगा एक से नीचे ऐसी संख्या ढूंढ कर लानी होगी जो 19 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए इसका मतलब यहाँ पर फिर 114 वो संख्या होगी जो 19 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी तो ऑप्शन हमारा वी यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन बताना है इक्वल राउंड चौदह हजार तीन सौ छब्बीस का मांव का मान कितना होगा इसकी वैल्यू आपको बतानी है तो क्या होगा यहाँ पर सही जवाब जल्दी से बताना है सभी बच्चों को राइट आंसर क्या होगा राउंड दिया गया है और यहाँ पर फाइव नंबर दिया गया है मतलब फाइव हमें राउंड करना है तो यहां पर हमारा सिंपल आंसर क्या आने वाला है ऑप्शन पहला ही हो जाएगा चौदह हजार तीन सौ छब्बीस ही हमारा राइट आंसर होगा अब ऐसा क्यों हुआ तो देखो यहां पर दिया है चौदाह तीन सौ छब्बीस हम यहां पर पॉइंट लगा करके अगर फाइव जीरो कर देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है एक और बढ़ा देते हैं तो अभी भी मेरा यहां पर बिल्कुल चौदह हजार तीन सौ छब्बीस ही लिखा है क्योंकि मतलब है। है? तो अब अब यहाँ जीरो नहीं लिखा इसका मतलब जीरो आप लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट अब जब जीरो ही है तो इसको हम हटा देंगे यहां से फाइव जीरो हटा देंगे तो सिंपल हमारा यही बचेगा चौदह हजार तीन सौ छब्बीस ठीक है तो आई होप आपके समझ में आया होगा एक और हम आपको अच्छा समझाते हैं फिर आपके समझ में आ जाएगा देखो जैसे मालिया यहाँ पे मैंने लिखा है दो दो चार और पांच पॉइंट लगाया उसके बाद लिखा दो नाइन टू थ्री का अब हम कर देते हैं यहाँ पर थ्री इसका मतलब अब इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट लगने के बाद में ये तीन ये कहता है कि हमें तीन ही अंक चाहिए ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां से चौथा वाला अंक हटा देना होगा तो एक नियम कहता है अगर चौथा वाला अंक हटाते हो अगर वो जो संख्या आप रिमूव करते हो वो फाइव है या फाइव से बड़ी है तो आगे वाली संख्या में एक आपको प्लस कर देना होगा और अगर ऐसा नहीं है तो प्लस नहीं करना होगा ना ही आपको घटाना है बस सिंपल उतार देना है तो अभी इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा दो सौ यहाँ पे बाईस पैंतालीस दशमलव दो नौ और दो बस इतना आंसर आ जाएगा क्योंकि तीन यहां पर पांच से छोटा है तो हमें यहाँ पर प्लस करने की आवश्यकता नहीं है वट अगर यहां पर ये फाइव दिया होता तो क्या करना होता तब हमें यहाँ पर एक ऐड कर देना होगा और दो के स्थान पर फिर तीन हो जाता ठीक है और जब जीरो जीरो को हटाते हैं तो प्लस करने वाला कोई सिस्टम होता ही नहीं है मतलब वो तो फाइव से कम है ऑलरेडी तो फिर यही संख्या हमारे सामने बचेगी चौदह हजार तीन सौ छब्बीस ठीक है और यहाँ पर आपको बताना है जी मेल इज अ पैड सर्विस ऑफ गूगल जी मेल गूगल की पैड सर्विस एक पैड सेवा है इसके लिए आपको पैसे देने होते हैं तभी आप जी का इस्तेमाल कर पाते हैं तो ये तो फॉल्स हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है है ना ये फ्री सर्विस है अभी हम इसका फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं जी का और यहाँ पर आपको बताना है हाउ मेनी डिजिट इन आई एम ई आई नंबर आई एम ई आई नंबर कितने डिजिट का होता है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी और कितने डिजिट का होता है तो पंद्रह अंकों का होता है आपका आई एम ई आई नंबर और यहाँ पर आपको बताना है इज

यहां पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा बताओ इंस्टाग्राम के मालिक हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा के सिस्ट्रॉम केबिन सिस्ट्रॉम क्या है इंस्टाग्राम की फाउंडर हैं आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं और यहां पर बताना है इक्वल सम फाइव का मा का मान कितना होगा अब यहां पर बताना है सम फाइव का मा की वैल्यू कितनी होगी बताइएगा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सिंपल सी बात है फाइव और टू को यहां पर जोड़ देंगे सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेवन हो जाएगा तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा पूछा गया है फ्लिप कार्ट इज द वेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश लगा हुआ है तो फ्लिपकार्ट किसका वेस्ट एग्जाम्पल है ब्लॉगिंग ई कॉमर्स नेटवर्किंग या फिर नन ऑफ तीज तो आपको पता है फ्लिपकार्ट किसका वेस्ट एग्जाम्पल है ई e कॉमर्स का एक वेस्ट एग्जाम्पल है आपका फ्लिपकार्ट और फ्लिपकार्ट किस में आएगा किस मॉडल में आएगा तो वी टू सी में आएगा ये तो आपको पता ही होगा है ना कई बार हमने आपको बताया है। अब देखो यहाँ पे पूछा है कैलक में सेल A1 कमा V1 कमा C1 तथा D1 का मान क्रमशः 1, 2, 3 बा 4 है, जिसमें C कॉलम को हाइड कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर सम A1 कॉलन D1 का मान कितना होगा? बताओ। A1, V1, C1, D1 में क्रमशः 1, 2, 3, 4 लिखा गया है, जिसमें C कॉलम को छिपा दिया गया हाइड कर दिया गया है तो क्या वैल्यू निकल के आएगा सभी को जोड़ देंगे है या नहीं? तो आपको बता दें, आप मतलब यहाँ पर वन टू थ्री और फोर सभी को ऐड कर दिया जाएगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा चार तीन सात दो नौ एक दस हो जाएगा इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है यहाँ पर वैल्यू दस निकल के आएगी भले ही आप इसमें एक कॉलम को हाइड क्यों ना कर दें, ठीक है अगला क्वेश्चन पूछा है जी एन यू की फुल फॉर्म क्या होती है जी एन यू की फुल फॉर्म एग्जाम में जुलाई में पूछी गई थी आपको पता होना चाहिए ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कई बार पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको हमने इस क्लास में शामिल किया है तो ये पूरी क्लास आपको जैसा कि हम बार बार आपको बताते हैं पूरी क्लास बहुत ही अच्छे से करना है और बिल्कुल भी कहीं पर स्किप नहीं करना है इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन पहला जी एन यूज नॉट यूनिक्स होता है आपका पूरा नाम यहाँ पे ठीक है ट्विटर क्या है वर्ड्स ट्विटर बताओ ट्विटर क्या है कौन सा जवाब होगा यहाँ पर ट्विटर क्या है हमारा एक माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है तो ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा माइक्रो ब्लॉगिंग प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है प्रिंट करने के लिए हमें कंट्रोल पी का इस्तेमाल करना होता है कंट्रोल पी से हम प्रिंट कर सकते हैं अब यहां पर आपको बताना है यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीआर यूटीआर का पूरा नाम आप सभी को बताना है यूटीआर का मतलब यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है तो सही यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस अभी तक मोबाइल के लिए कोई एंटीवायरस नहीं बना है नो एंटीवायरस मेड फॉर मोबाइल एट क्या ये सही है अभी तक मोबाइल के लिए कोई एंटीवायरस नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि मोबाइल के लिए भी बहुत सारे एंटीवायरस हैं क्वेश्चन पूछा गया है बॉस भारत के द्वारा बनाया गया बॉस भारत के द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रूफ फॉल्स में जवाब करना है बिल्कुल सही है और इसको डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है सी डैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे में ये स्थापित है और इसी के द्वारा बॉस को बनाया गया है ना ये ध्यान रखना है चलो नाबार्ड के संस्थापक श्री बी शिवार हैं आपको बताना है नाबार्ड के संस्थापक कौन है और कई बार ये पूछते हैं कि नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई है तो आपको पता होना चाहिए नाबार्ड की स्थापना वी के द्वारा ही की गई है ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा ठीक है हु इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट इंटरनेट के फाउंडर कौन है चार्ल्स बेबेज विंड सर्फ मार्क नन ऑफ दीज इंटरनेट के फाउंडर की बात की गई है तो इंटरनेट के फाउंडर कौन है या इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है तो ऑप्शन हो जाएगा विंट सरफ को इंटरनेट का जनक माना जाता है और अब यहां पर आपको बताना है आई में आई हम क्या कर सकते हैं आई से हम क्या कर सकते हैं बस टिकट बुक कर सकते हैं रेल टिकट बुक कर सकते हैं पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं या फिर बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं तो आई से हम क्या कर सकते हैं रेल टिकट बुक कर सकते हैं ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा रेल टिकट बुक कर सकते हैं और यहां पर आपको बताना है लैन शहर से बाहर भी फैला हुआ नेटवर्क है लैन जिसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क और लैन शहर से बाहर भी फैला हुआ नेटवर्क है तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यहां पर है फॉल्स हो जाएगा ठीक है फॉल्स हो जाएगा क्योंकि तो आपको बताया लैन का इस्तेमाल एक बिल्डिंग या एक कैंपस में करते हैं ना कि शहर से बाहर इसका इस्तेमाल करते हैं और यहां पर आपको बताना है वट इज द शॉर्टकट की फॉर रूलर इन लिब्रो ऑफिस ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट की आपको बतानी है क्या हो जाएगा राइट आंसर लिब्रो ऑफिस में रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट आर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट आर रूलर के लिए इस्तेमाल करते हैं आपको ध्यान रखना है ठीक है इससे हम रूलर को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं और अगर आपसे ये पूछे कि रूलर को हाइड और अनहाइड करने का ऑप्शन हमें कौन से मेनू में मिलता है व्यू तो मेनू में आपको यह ऑप्शन मिलता है ओ टीपी टाइप ऑफ डैश पासवर्ड ओ टीपी किस प्रकार के पासवर्ड का प्रकार है OTP जिसका मतलब वन टाइम पासवर्ड होता है तो यह एक डायनेमिक पासवर्ड का प्रकार है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा डायनेमिक देखो यहां पर क्या पूछा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंक्रीज अ कॉलम इन कैल्क कॉलम को इंक्रीज करने के लिए कैल्क में कॉलम का साइज हमें बढ़ाना है तो क्या शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं Calc में हम कॉलम का साइज अगर बढ़ाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं Alt के साथ में फिर राइट राइट एरो एरो हमें प्रेस करना पड़ेगा। दबा लेंगे और right आप दबाते तो कॉलम का साइज छोटा हो जाएगा और यहां पर आपको बताना है स्टाइल को मैनेज करने की शॉर्टकट की क्या होती है राइटर में स्टाइल को मैनेज करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है यहां पर कौन सा आपका अतुल्य भारत ऐप को किस उद्देश्य के लिए बनाया गया अतुल्य भारत ऐप को किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है किस पर्पस के लिए बनाया गया है ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए बनाया गया है प्रमोशन ऑफ टूरिज्म या अतुल्य भारत ऐप को किस लिए बनाया गया है प्रमोशन ऑफ टूरिज्म टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य भारत ऐप को डेवलप किया गया है बनाया गया है ठीक है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप बोल सकते हैं आगे देखो डिजी लॉकर को बिना आधार के एक्सेस किया जा सकता है क्या डिजी लॉकर का इस्तेमाल आप बिना आधार के कर सकते हैं तो बिल्कुल नहीं आप डिजी लॉकर का इस्तेमाल बिना आधार के नहीं कर सकते ऑप्शन पहला करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सर्विस हैं जो आधार लगाने पर ही उन सर्विस का आप लाभ ले पाएंगे या ले सकते हैं क्वेश्चन पूछा है एम कवच एप किससे संबंधित है एम कवच ऐप किससे संबंधित है किससे रिलेटेड है मोबाइल सिक्योरिटी से कंप्यूटर सिक्योरिटी से वेब सिक्योरिटी से या नीच एम कवच ऐप किससे संबंधित है तो सिंपल सी बात है एम फॉर मोबाइल बस आप समझ जाओ मोबाइल सिक्योरिटी से संबंधित है आपका एम कवच ऐप और यहां पर पूछा है मेल मर्ज का विकल्प किस मैनू में मिलता है तो कौन से मेनू में आपको मेल मर्ज का विकल्प मिलता है लिब्रो ऑफिस राइटर से सवाल है आपसे तो मेल मर्ज की जो कमांड है वो कहां पर आपको मिलेगी कौन से मेन्यू में आपको मिलेगी तो इसके लिए हमें टूल्स मेनू में जाना होता है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है मेल मर्ज की कमांड टूल्स मेनू में मिलती है और यहाँ पर आपको बताना है कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है ये थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पर इसमें यह लिखा है कि कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश फ्रीक्वेंटली ठीक है मतलब कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है डी रैम यस रैम बोथ या फिर नन ऑफ तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो डी रैम होता है जिसका मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और इस डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है बट अगर बात करते हैं यस रैम की तो यह एक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और यह एक नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी है इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पर आपको क्या बताना है क्या भीम ऐप एक यूपीआई नेट बैंकिंग सर्विस है भीम ऐप एक यूपीआई नेट बैंकिंग सर्विस है तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा वीम का मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी तो बिल्कुल सही है वीम ऐप एक यूपीआई नेट बैंकिंग सर्विस है तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर आपको बताना है वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम ई ए आपको एम ई ए का पूरा नाम बताना है एम ई ए का फुल फॉर्म क्या होता है कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एम ई ए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा सी आप सभी के सामने है और इसमें आपको राइट आंसर करना है तो सही जवाब हो जाएगा मेन इलेक्ट्रॉनिक्स इसका मतलब मेन इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली हो जाएगा आपका सही जवाब अब यहां पर आपको बताना है आईपीबी फोर कितने बाइट का होता है कभी आपसे बिट पूछते हैं बट कभी आपसे बाइट पूछ लेते हैं तो अभी हमें क्या बताना है आईपीवी फोर पता कितने बाइट का होता है आईपीबी फोर पता कितने बाइट का होता है चार वाइट का होता है ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी चार वाइट का होता है और बिट अगर आपसे पूछे तो थर्टी टू बिट का होता है बत्तीस बिट का होता है अगर आप बिट को बाइट में चेंज करेंगे तो आठ से डिवाइड कर देना होगा बस आपका वाइट आ जाएगा ठीक है वी आर का फुल फॉर्म क्या होता है वट इज द फुल फॉर्म ऑफ वी आर आपको बताना है वी आर का पूरा नाम क्या होता है वी आर का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी तो ऑप्शन हमारा वी हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी होता है वीआर का फुल फॉर्म और यहां पर आपको बताना है लिनक्स में डायरेक्टरी बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है लिनक्स में डायरेक्टरी बनाने की शॉर्टकट की आपको बतानी है लिनक्स में डायरेक्टरी बनाने की शॉर्टकट की होती है एम के डी आई आर ऑप्शन यहां पर वी है आपका एम के डी आई आर ठीक है मेक डायरेक्टरी और यहां पर आपको बताना है ईमेल संदेश किस प्रोटोकॉल से भेजते हैं ईमेल संदेश किस प्रोटोकॉल से भेजे जाते हैं आई एम ए पी पी ओ पी एस टी टी पी या एस एम टी पी तो ईमेल संदेश को किस प्रोटोकॉल की मदद से भेजते हैं सिंपल सी बात है एस एम टी पी आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और किस प्रोटोकॉल की मदद से डाउनलोड करते हैं तो आई एम ए पी और पी ओ पी फिर आपका आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को टैग करने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं काफी अच्छा प्रश्न है व्हाट्सएप ग्रुप में हम किसी को टैग करना चाहते हैं तो कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे क्या हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी उसके बाद फिर हम एट द रेट का इस्तेमाल करते हैं अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप में किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को टैग करना चाहते हैं तो फिर एट द रेट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है बताइएगा कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की आपको बतानी है यहां पर सही जवाब करना है सभी बच्चों को क्या होगा राइट आंसर अगर आप फुल स्क्रीन मोड में देखना चाहते हैं को तो हमें क्या करना पड़ेगा कंट्रोल सिफ्ट और जे का इस्तेमाल करना पड़ेगा कंट्रोल सिफ्ट और जे का इस्तेमाल करना पड़ेगा ठीक है यूपीआई किस वर्ष लॉन्च हुआ आपको बताना है यूपीआई किस वर्ष लॉन्च किया गया इसमें कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा तो 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया था ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट है पूछा गया है क्या पालतू जानवर के नाम का पासवर्ड रखना सही है क्या पालतू जानवर के नाम का पासवर्ड रखना सही है रख सकते हैं तो रख सकते हैं लेकिन रखना सही नहीं है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा वी हो जाएगा फॉल है पालतू जानवर के नाम का पासवर्ड रखना सही नहीं है ठीक है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर आईपीएम 400 है इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज आई बी एम फोर हंड्रेड नो आपको बता चुके हैं आपको पता है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम आठ हजार नाम से जाना जाता है जिसे सी डेक के द्वारा डेवलप किया गया था तो ये हमारा फॉल्स आंसर है ऑप्शन बी क्या कैल्क प्रोग्राम में सौ परसेंट जूम कर सकते हैं कैल्क में सौ परसेंट जूम आप कर सकते हैं बहुत ही सिंपल सी बात है भाई नॉर्मल है हम कर सकते हैं और डिफॉल्ट जोम साइज हमारा यही होता है कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि कैल्क में और डिफॉल्ट जोम कितना होता है राइटर में डिफॉल्ट जोम कितना होता है तो सौ परसेंट ही होता है ठीक है वेब कैम कौन सा मीडिया है आपको बताना है वेब कैम कौन सा मीडिया है प्राइमरी सेकेंडरी आउटपुट या फिर इनपुट वेब कैम एक इनपुट डिवाइस है तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी इनपुट मीडिया आप इसे बोल सकते हैं एक लाइन में लिखा गया शब्द जिसके नीचे कुछ अक्षर अच्छा लिखा होता है जिसे क्या कहते हैं एक लाइन में कोई शब्द लिखा गया है उसके नीचे एक अक्षर अच्छा लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं जैसे आपने लिखा यहाँ पर से नीचे लिख दिया टू तो इस टू को हम क्या नाम देते हैं इसका नाम होता है सब स्क्रिप्ट इसी को हम सब बोलते हैं और इसकी शॉर्टकट की भी लिप्रो ऑफिस में कई बार आपसे पूछते हैं तो मतलब कंट्रोल शिफ्ट और बी हो जाएगा कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाना है और फिर आपको वी प्रेस कर देना है यह आपका सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है अगर आपसे पूछे सुपर स्क्रिप्ट तो कंट्रोल शिफ्ट और पी फिर और लगा देना है कंट्रोल शिफ्ट यही रहेगा पी दबा देना है सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट कैसा होता है ये बेस लाइन के ऊपर लिखा जाता है जैसे आपको लिखना है एक्स स्क्वायर आपको क्या लिखना है एक्स स्क् और वाई स्क्वायर तो यहाँ पर जो स्क्वायर मैंने लगाया ये में लिखा जाएगा पैराग्राफ में कुछ लाइनों को मूव कराकर दूसरे पेज में ले जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट के इस्तेमाल करेंगे पैराग्राफ में कुछ लाइनों को हमें मूव कराना है और उसको दूसरे पेज में ले जाना है वहां से हटाना है और दूसरे पेज में ले जाना है कॉपी एंड पेस्ट करेंगे कट एंड पेस्ट करेंगे पेस्ट एंड कट करेंगे डिलीट एंड पेस्ट करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा भाई कट और पेस्ट हमें क्योंकि वहां से हटाना है तो कट कर लेंगे और हम अगले पेज में पेस्ट कर देंगे इंटरनेट पर नेटिकेट्स का अर्थ क्या होता है यहाँ पे दिया है इंटरनेट पर नेटिकेट्स का अर्थ अच्छा व्यवहार होता है ट्रू फॉल्स में बताना है नेटिकेट्स का मतलब अच्छा व्यवहार तो बिल्कुल सही है नेटिकेट्स का मतलब होता है शिष्टाचार या अच्छा व्यवहार आप बोल सकते हैं तो ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट है लेब्रो ऑफिस में कितनी भाषाएं हैं हाउ मैनी लैंग्वेज इन लिब्रो ऑफिस ऑफिस में कितनी लैंग्वेज हैं? काफी अच्छा प्रश्न है काफी यूनिक प्रश्न है आपको पता होना चाहिए याद रखना है सभी बच्चों को क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था तो कितनी भाषाएं हैं आपके लेब्रो ऑफिस में एक भाषाएं हैं ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा एक भाषाएं हैं आपको ध्यान रखना है ठीक है लिब्रोफिस राइटर में बुलेट्स लगाने के लिए क्या शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं अगर आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट के इस्तेमाल करेंगे बताओ बुलेट्स लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ऑप्शन पहला हो जाएगा शिफ्ट के साथ में ये ट्वेल्व दबाना होता है शिफ्ट के साथ में यफ ट्वेल्व से हम बुलेट लगा सकते हैं कंट्रोल कंट्रोल्व से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं और केबल एफ ट से हम क्या कर सकते हैं नंबर लिस्ट को इंसर्ट करा सकते हैं क्या सीडी की संग्रहण क्षमता डीवीडी से अधिक होती है क्या सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है या डीवीडी से ज्यादा होती है तो यहां पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका फॉल्स हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है ठीक है फॉल्स है क्योंकि डीवीडी में डेटा ज्यादा आता है सीडी की अपेक्षा ऐसा नहीं है कि सी में ज्यादा आता हो यहाँ पर दिया सी डी की संग्रहण क्षमता ज्यादा होती है डीवीडी से तो ये फॉल्स हो जाएगा ठीक है और यहां पर आपको बताना है कार्यक्रम जो आसानी से समझ में आ जाए उसे कहते हैं ऐसे कार्यक्रम जो आसानी से समझ में आ जाए उसे क्या कहते हैं उसे यूजर फ्रेंडली का नाम देते हैं ऑप्शन डी होगा और शायद मुझे लगता है ये क्वेश्चन हम आपको भी पढ़ा चुके हैं कुछ समय पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है है ना फिर भी आपको ध्यान रखना यूजर फ्रेंडली हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब यहां पर आपको क्या बताना है इंटरनेट बैंकिंग के लिए पिन की आवश्यकता होती है इज पिन रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग क्या इंटरनेट बैंकिंग के लिए पिन की आवश्यकता होती है तो बिल्कुल होती है ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग के लिए पिन की आवश्यकता होती है अगला क्वेश्चन पूछा है आपको पता है, इंप्रेस की जो है, होता है ना कि वी तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा ठीक है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है और यहां पर आपको बताना है कॉलम किस प्रकार का होता है कॉलम किस प्रकार का होता है क्या कॉलम ए बी सी डी करके होता है ए वन बी वन सी वन करके होता है या फिर वन ए टू बी थ्री सी फोर डी करके होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑफिस में जो कालम होता है वो एवी सी डी करके होता है यानी कि ऑफिस में को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए वी सी डी करके होते हैं और अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है एक्स एफ डी सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स एफ टी नहीं होगा आपका ए एमजे होता है अंतिम कॉलम का नाम लिब्रोफिस कैलक में ए एमजे होता है और एक्स एफ डी किस में होता है एक्स एफ डी आपका एक्सल में होता है बट यहां पर ए एम जे हो जाएगा आपका ये लिप्रोफेस कैल्क्यू में लास्ट कॉलम का नाम है और टोटल कॉलम की संख्या एक होती है तो कॉलम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी डी करके करते हैं और सेल को वन टू थ्री करके वन टू थ्री करके करते हैं और जो आपका सेल का रेफरेंस होता है या सेल का एड्रेस होता है उसको कॉलम के लेटर और सेल के रो से दिखाते हैं मतलब अगर किसी सेल का एड्रेस बताना है जैसे मैंने यहां लिखा ए फाइव इसका मतलब ए e कॉलम और फाइव नंबर का रो है तो यहाँ एक हमारा सेल का एड्रेस हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको बताना है लिब्रोफिस राइटर में हेडिंग टू लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं राइटर में अगर आपको हेडिंग टू अप्लाई करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट के इस्तेमाल करेंगे विच शॉर्टकट की इज टू सेट हेडिंग इन ऑफिस राइटर में अगर हमें हेडिंग टू अप्लाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल टू से हम हेडिंग टू अप्लाई कर सकते हैं कंट्रोल वन से हम हेडिंग वन अप्लाई कर सकते हैं और कंट्रोल थ्री से हम हेडिंग थ्री अप्लाई कर सकते हैं तो ये सभी इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है अब यहां पर आपको बताना है आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोवाइडर होता है आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोवाइडर होता है क्या यह सही है आपको पता है आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है तो यहां फॉल्स हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आपके आईपी का फुल फॉर्म एक से अधिक लोगों को ई नहीं भेज सकते हैं आप एक से ज्यादा लोगों को ईमेल नहीं भेज सकते हैं तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है आप सभी को बताना है एक से ज्यादा लोगों को मेल आप नहीं भेज सकते हैं ये फॉल्स है क्योंकि हम एक से ज्यादा लोगों को मेल भेज सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी तो एफटीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है एफटीपी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा एफटीपी का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा इसका मतलब ऑप्शन पहला हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका राइट right आंसर है पूछा गया है गूगल क्रोम फुल स्क्रीन मोड में देखने के लिए क्या शॉर्टकट करते हैं गूगल क्रोम में में फुल स्क्रीन मोड देखना है तो कौन सी शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करनी होती है तो यहां पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एफन का इस्तेमाल करते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है व्हाट इज द फुल आपको बताना है इसका मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस इसका फुल फॉर्म होता है और यहां पर आपको बताना है पीडीएफ का फुल फॉर्म व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ तो पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है बताइएगा पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और यहाँ पर आपको बताना है यूटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीएस और कई बार ऑप्शन चेंज होता है यहां पर दिया होता है अनरिजर्व टेक्टिंग सिस्टम तो आप इसे भी करेक्ट कर सकते हैं इसका मतलब मतलब यूटीएस का होता है अनरिजर्व टेक्टिंग सिस्टम ऑप्शन में अगर नहीं दिया होता है तो फिर आपको देखना है कि जो ऑप्शन उसमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है तो यहां पर हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल टाइप सर्वर भी होता है तो ऑप्शन पहला करेक्ट है यूनिवर्सल टाइप सर्वर अब पूछा है हु इन्वेंट्स इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट सर्किट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है मीन आईसी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैक किलवी के द्वारा आईसी का आविष्कार किया गया है और यहां पर आपको बताना है विच इज अट विच इज अट ऑफ प्री डिफाइंड स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पूर्व निर्धारित शैलियों और स्वरूपण का एक सेट कौन सा है बताओ यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर पूर्व निर्धारित शैलियों और स्वरूपण का एक सेट आपको बताना है तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी टेम्पलेट यहां पर टेम्पलेट आपका राइट आंसर है और यहां पर आपको बताना है आईएफएससी कोड का पूरा नाम क्या होता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी कोड आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म आपको बता देना है क्या हो जाएगा मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है आईएफएससी का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है यह ग्यारह डिजिट का कोड होता है आपको पता है ग्यारह संख्याओं का ग्यारह अंकों का यह आईएफएससी कोड होता है ठीक है तो अब हम यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ई वॉलेट के बारे में बताएंगे और आपको पता है ट्रिपल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ई वॉलेट से संबंधित पूछे जाते हैं तो यहाँ पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट ई वॉलेट के नाम आपके सामने रखे हैं जिनके बारे में हम एक एक करके बताएंगे बट इससे पहले हम ये समझते हैं कि ई वॉलेट होता क्या है तो आपको बता दें इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट ई वॉलेट जैसे डिजिटल वॉलेट कहा जाता है यह एक सुरक्षित स्थान है ई वॉलेट की मदद से आप मुद्रा स्थानांतरण टॉपअप और अन्य भुगतान सेवाओं तक पहुंच सकते हैं इससे आप मुद्रा स्थानांतरण कर सकते हैं यानी कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं टॉपअप रिचार्ज कर सकते हैं अगर हमें कोई भुगतान करना होता है किसी को पेमेंट करना होता है तो हम कर सकते हैं जैसे आपने देखा होगा आप फोन पे का इस्तेमाल करते होंगे आप पेटीएम का इस्तेमाल करते होंगे आप गूगल पे का इस्तेमाल करते होंगे तो वहां पर आप क्या करते हैं अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर देते हैं अपने बैंक अकाउंट को आपने लिंक कर दिया है अपने पेटीएम से या फिर आपने अपने फोन पे से ठीक है और होता क्या है यहां पर आप सीधे अपनी बैंक से ही पेमेंट कर देते हैं किसी को अगर पैसे भेजने होते हैं तो आप बैंक से ही पैसे भेज सकते हैं बट आप चाहें तो इनका ई e वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो ई e वॉलेट की फैसिलिटी देते हैं और इसमें होता क्या है आप बैंक से पैसे निकाल करके इस ई e वॉलेट में डाल देते हैं और फिर इस पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं टॉप अप रिचार्ज कर सकते हैं यानी कि जो भी आपको कार्य करना है वो इस ई वॉलेट की मदद से भी आप कर सकते हैं बट यहां पर आपको बैंक से पहले पैसे निकाल करके रखने होते हैं उसके बाद में इनका इस्तेमाल करना होता है तो इसी को बोलते हैं ई वॉलेट या आप इसको कह सकते है? हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट ठीक है जैसे आपको अगर पैसे खर्च करने हैं कैश में तो आप बैंक में जाकर के पैसे निकाल करके पहले अपने खर्च करते हैं वैसे यहां पर जो हमारा ई वॉलेट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है उसमें भी पैसे हमें रखने होते हैं बैंक से निकाल करके बट ये इलेक्ट्रॉनिक होता है डिजिटली होता है और हम इसका इस्तेमाल फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन

डी इंटरनेट बैंकिंग यह ई ई वॉलेट नहीं है मतलब यह ई वॉलेट का प्रकार नहीं है बाकी आईसीआईसी पॉकेट्स की बात करते हैं तो ई e वॉलेट का प्रकार है साइट्रस ऑक्सीजन ये सभी ई e वॉलेट में आते हैं इंटरनेट बैंकिंग आपका ई e वॉलेट का प्रकार नहीं है तो अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट ई वॉलेट के नाम बताते हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ई वॉलेट हैं और अगर आपसे कोई सवाल आता है इस प्रकार से तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हाँ ये तो हमने पढ़ा था ये तो ई e वॉलेट है और ये ई e वालेट नहीं है ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं हम पे पेटीएम की पेटीएम भारत में सबसे लोकप्रिय ई वॉलेट है आपको पता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इससे अधिकृत किया गया है और आपको पता है पेटीएम बैंक भी है यानी कि पेटीएम में आपका अकाउंट भी ओपन हो जाता है और वहां पर आप वो सारे काम कर सकते हैं जो बाकी बैंक में होता है

ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी सर्विस आती है और इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है अगस्त 2010 में इसकी स्थापना हुई और विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर हैं तो आपको पता चला पहला ई वॉलेट का नाम ठीक है पेटीएम है आगे बढ़ते हैं अगला नाम यहाँ दिया है यह भी एक ई वॉलेट है यह भुगतान के लिए विकल्पों की मेजबानी भी करता है और डोमिनोज पिज्जा बिग बाजार ई बे ठीक है जयबोंग शॉपक्ल्यूज या फिर नॉप टोल मेक माई ट्रिप या फिर पीपर फाइव या बुक माई शो जैसे कई लोकप्रिय और प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ इसकी भागीदारी है तो ध्यान रखना है मोविक विक यह भी एक ई e वॉलेट का प्रकार है आपको ये ध्यान रखना है अब बात कर लेते हैं इसके फाउंडर की तो देखो बिपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू ये फाउंडर हैं अप्रैल 2009 में इसकी स्थापना हुई गुड़गांव इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है सर्विस किसकी ऑल ओवर इंडिया में है ठीक है ऑल ओवर इंडिया में इसकी सर्विस है और सर्विस ये किस प्रकार की देती है तो मोबाइल एंड ऑनलाइन पेमेंट फोन एंड डीटीएच मनी ट्रांसफर और शॉपिंग की सर्विस यहां पर दी जाती है है तो बस आपको सिंपल ध्यान रखना कि हमारा जो विक है ये भी एक ई वॉलेट का प्रकार है आगे देखते हैं ऑक्सीजन जो सबसे फेमस है ऑक्सीजन का नाम आपने सुना भी होगा तो यह मोबाइल वॉलेट भारत में सबसे लोकप्रिय मोबाइल वॉलेट में से एक है यह वॉलेट भी आरबीआई द्वारा अनुमोदित है और इसमें एक बार में आप पांच हजार व एक माह में दस हजार से अधिक स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं एक बार में पांच हजार से ज्यादा नहीं कर सकते हैं और एक माह में दस हजार से ज्यादा स्थानांतरित आप नहीं कर सकते हैं तो ऑक्सीजन भी हमारा एक ई वॉलेट में आता है अब ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं फाउंडर की तो प्रमोद सक्सेना इसके फाउंडर हैं जुलाई 2004 में इसकी स्थापना हुई गुड़गांव इंडिया इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव के अंदर और इसकी सर्विस ऑल ओवर इंडिया में है सर्विसेज क्या है रिचार्ज बिल पेमेंट मनी ट्रांसफर टिकट बुकिंग और मोबाइल वॉलेट है ना जैसा कि हमने बताया भी आपका एक ई e वॉलेट का प्रकार है तो ये कुछ नाम है जो आपको बस ध्यान रखने हैं हैं अब बात करते साइट्रस की तो यहाँ भी एक लोकप्रिय भुगतान गेटवे है साइट्रस वॉलेट भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त है और इसके अंतर्गत भी बिल भुगतान मनी ट्रांसफर आदि किया जा सकता है तो आपको पता चला साइट्रस भी हमारा एक ई e वॉलेट का ही प्रकार है अब बात करते हैं इसके फाउंडर की तो जितेंद्र गुप्ता और सतीन कोठारी ये इसके क्या है फाउंडर है दो हजार में इसकी स्थापना हुई थी ठीक है आई टी जेड कैश की बात करते हैं तो यह भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत आई टी जेड कैश एक मोबाइल वॉलेट है जो कि कैश केयर एल द्वारा संचालित है यह डिजिटल लेन देन की अनुमति देता है जैसे बैलेंस ट्रांसफर करना है प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज रेलवे टिकट बुकिंग आदि तो ये आपको पता चल गया आई टी जेड क्या है एक ई e वॉलेट का प्रकार है बात करते हैं फाउंडर की तो नबीन सूर्या इसके फाउंडर हैं 2005 में इसकी स्थापना की गई थी ये भी आपको ध्यान रखना है आगे देखो पॉकेट आई जैसा कि हमने आपको बताया था पॉकेट्स आईसीआईसी का है ना तो आईसीआईसीआई पॉकेट्स की अगर बात करते हैं तो यह आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा निर्मित और संचालित है और यह एक डिजिटल वॉलेट है तो आईसीआईसीआई पॉकेट भी आपका एक डिजिटल वॉलेट है आप सभी को ध्यान रखना है अब आगे बात करते हैं फोन पे की तो आपको पता है फोन पे भी एक भारतीय ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम व ई वॉलेट है और इसकी स्थापना दिसंबर दो में की गई थी परंतु इसका ऐप अगस्त दो में लाइव हुआ था और पहला पेमेंट यूपीआई के माध्यम से किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है फाउंडर की बात करते हैं तो समीर निगम राहुल चैरी और वर्जिन इंजीनियर्स इसके फाउंडर हैं दिसंबर 2015 में इसकी स्थापना हुई इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है हमने आपको फाउंडर्स नेम जब अभी पढ़ाए थे ना उसमें बताया भी था कि इसके फाउंडर्स नेम क्या है तो आपको पता चला फोन पे भी हमारा एक ई e वॉलेट है एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का प्रकार है ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वॉलेट थे जो हमने आपके सामने रखे और आई होप अगर आपने इन्हें अच्छे से समझ लिया होगा तो यहां से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इसका जवाब अवश्य कर पाएंगे तो अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडर्स नेम के बारे में आपको बताते हैं जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में बहुत सारे फाउंडर्स नेम भी आते हैं तो सबसे पहला नेम यहाँ पर आपके सामने है पेटीएम के फाउंडर आपको बताने हैं और कई बार आपसे भी पूछते हैं कि पेटीएम कब लॉन्च किया गया था तो आपको ध्यान रखना है पेटीएम दो में लॉन्च किया गया था और इसके फाउंडर का नाम है विजय शेखर शर्मा तो सभी को ध्यान रखना है अगला पूछते हैं आपसे इंस्टाग्राम के फाउंडर तो यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम को लॉन्च किया गया था दो में और फाउंडर की अगर बात करते हैं तो के बिन सिस्ट्रॉम इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एक हम लिस्ट लेकर आए हैं आपके सामने जहां पर जो भी टॉप फाउंडर्स नेम है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेज हैं या जो एग्जाम में आपके अक्सर पूछ जाते हैं वो सारे फाउंडर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं देखो अगला यहाँ पर दिया गया है टेलीग्राम अब टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं वो पवेल ड्रॉब हैं और इसका जो लॉन्च किया गया था वो 2013 में इसे लॉन्च किया गया था टेलीग्राम के फाउंडर पवेल ड्रॉब और इसको लॉन्च किया गया था 2013 में अब अगर बात करते हैं व्हाट्सएप की तो व्हाट्सएप 2009 में आया था और इसका जो फाउंडर है वो है ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ठीक है ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ये फाउंडर हैं व्हाट्सएप के और इसे लॉन्च किया गया था 2009 में इसके बाद बात करते हैं फोन पे की तो फोन पे 2015 में लॉन्च हुआ था और इसके फाउंडर का नाम है समीर निगम वर्जिन इंजीनियर और राहुल चैरी ये इनके फाउंडर हैं तो आपको ध्यान रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला देखिएगा यहाँ पर दिया गया है फेसबुक फेसबुक के फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग आपको ध्यान रखना है और फेसबुक कब आया था तो 2004 में लॉन्च किया गया था फेसबुक को इसके फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग अगला देखिएगा पूछा गया है अली तो अली के फाउंडर हैं जैक मा और इसे उन्नीस में लॉन्च किया गया था अली एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि चाइना की है और इसके फाउंडर का नाम है जैक मा उन्नीस में इसे लॉन्च किया गया था तो ये सभी फाउंडर्स ने ध्यान रखने हैं क्योंकि यहां से भी कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं चलो आगे बात करते हैं गूगल की तो देखो गूगल उन्नीस में आया था और फाउंडर की बात करें तो लैरी पेज और सैरजी ब्रिन ये हैं गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सरजी ब्रिन उन्नीस में इसे लॉन्च किया गया था अब बात करते हैं अमेजॉन की जो आपकी एक ई कॉमर्स साइट है तो अमेजॉन के फाउंडर हैं जेफ वेजॉस आपको पता है जेफ वेजॉस अमेजॉन के फाउंडर हैं और उन्नीस में इसे लॉन्च किया गया था उन्नीस में अमेजॉन को लॉन्च किया गया था जेफ जेफॉस इसके फाउंडर हैं अगला है ट्विटर तो ट्विटर को 2006 में लॉन्च किया गया था और इसका फाउंडर का नाम है जैक डॉर्सी तो ध्यान रखना है सभी बच्चों को जैक डॉर्सी फाउंडर नेम और 2006 में इसे लॉन्च किया गया था आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तो माइक्रोसॉफ्ट को 1975 में लॉन्च किया गया था और या इसकी स्थापना हुई आप ऐसा बोल सकते हैं और इसके फाउंडर का नाम है विल गेट्स ठीक है विल गेट्स इसके फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के और 1975 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी बात करते हैं फ्लिपकार्ट की तो फ्लिप 2007 तो में आया था और फाउंडर की बात करेंगे तो यहाँ पर बिन्नी बंसल सचिन बंसल आपका यहाँ पर फाउंडर है फ्लिपकार्ट के ठीक है इसके बाद बात करते हैं याहू की आपको पता है याहू एक सर्च इंजन है उन्नीस में याहू आया था और डेविड फिलो और जेरी यांग ये या आपके फाउंडर हैं याहू के ठीक है 1994 में ये लॉन्च किया गया था याहू आगे बात करते हैं एप्पल की तो आपको पता है एप्पल के जो फाउंडर है है। है, हैं वो स्टीव जॉब्स हैं स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के फाउंडर है तो विकीपीडिया के फाउंडर जिमी बेल्स और 2001 में विकीपीडिया की स्थापना की गई थी है ना दो में इसे लॉन्च किया गया था और फाउंडर का नाम है जिमी बेल्स आगे बात करते हैं यूट्यूब की तो देखो यूट्यूब की स्थापना कभी दो हजार में यह लॉन्च हुआ था और जावेद करीम और स्टीव चेन ये हैं इनके फाउंडर तो जावेद करीम और स्टीव चेन यूट के फाउंडर हैं जो कि 2005 में स्थापित हुआ था अब बात करते हैं क्विकर की तो क्विकर आपका 2008 में आया और अगर फाउंडर की बात करते हैं तो प्रणय चैलेट ये आपके फाउंडर हैं क्विकर के ठीक है आपको ध्यान रखना है आगे देखो यहाँ पे दिया गया है लिंक्ड इन दो में इसकी स्थापना हुई और लिंकड इन के फाउंडर की बात करें तो रेड हॉफमैन कॉन्स्टेंटिन जल एन ब्लू एरिक लाई जीन लक ये फाउंडर्स नेम है यहाँ पर बट मुख्य रूप से आपको ध्यान रखने हैं रेड ऑफ मैन और कॉन्स्टेंटिन ज्योरिक कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं बाकी भी आपको ध्यान रखने हैं कि हो सकता है इसमें से कोई आ जाए ठीक है तो आपके लिए मैंने सारे यहां पर नोट कर दिए हैं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं टी की टीसीएस का मतलब होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको पता होगा TCS से कंपनी है जो इंडिया में काफी फेमस है और इसकी स्थापना उन्नीस में हुई थी उन्नीस में अब कई बार एग्जाम ये पूछा गया है कि टीसीएस के फाउंडर बताओ टीसीएस की स्थापना किसके द्वारा की गई तो ध्यान रखना है फकीर चंद कोहली जी टाटा टाटा सन्स ठीक है इनके द्वारा TCS कंपनी की स्थापना की गई और अगर बात करते हैं वर्तमान सीईओ की तो राजेश गोपीनाथन ये आपके TCS कंपनी के सीईओ हैं ठीक है ध्यान रखना है और फुलफाम भी कई बार पूछ देते हैं तो इसका मतलब टाटा -टा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो जाएगा आगे बात करते हैं विट की तो विट क्वाइन की स्थापना दो में हुई थी ठीक है यानी कि 2009 में इसे लॉन्च किया गया था और सतोशी नाकामोटो इसके फाउंडर हैं विट कॉइन के फाउंडर हैं सतोशी नाकामोटो अब बात करते हैं ओ की और आपको पता है ओ एक सी टू सी ई कॉमर्स साइट है तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और फाउंडर का नाम है जैब्रिस ग्रिंडा एलेक

आगे देखो सी एच मोड इस कमांड की हेल्प से आप फाइल परमिशन को बदल सकते हैं ch मोड से आप फाइल परमिशन को बदल सकते हैं यहां पर दिया गया है सी डी तो इस सी डी से क्या कर सकते हैं इसकी मदद से आप करेंट डायरेक्टरी को बदल सकते हैं करेंट डायरेक्टरी को अगर आपको बदलना है तो सी डी कमांड हमें इस्तेमाल करना होगा अगला दिया है क्लियर इस कमांड की मदद से आप स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं अगर आप स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर कमांड आपको देना होता है इसके बाद में है डी यू अब इस कमांड से आप जान सकते हैं कि कौन सी फाइल कितनी जगह ले रही है और डी यू से आप क्या पता कर सकते हैं कि कौन सी फाइल कितना स्पेस ले रही है कितना जगह ले रही है आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दिया गया है सी एच ऑन ठीक है तो इस कमांड का प्रयोग करके आप फाइल ऑनर बदल सकते हैं सी एच ऑन से क्या कर सकते हैं फाइल ऑनर आप चेंज कर सकते हैं अगला दिया गया है यहाँ पर डी एफ इस कमांड से आप यूज्ड और अवेलेबल डिस्क स्पेस देख सकते हैं कितना हो गया है 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 और कितना अभी अवेलेबल ठीक तो आप डिस्क का स्पेस देख सकते हैं कि कितना कितना में है और कितना अभी अवेलेबल है अब आगे बात करते हैं फाइंड की तो इस कमांड का इस्तेमाल किसी टर्म को सर्च करने के लिए किया जाता है अगर आप किसी टर्म को सर्च करना चाहते हैं तो आपको फाइंड कमांड इस्तेमाल करना होगा ठीक है अभी आपको केवल ये कमांड याद रखनी है एग्जाम में बस इतना ही पूछते हैं कि कौन सी कमांड किस लिए होती है ठीक है बस इतना सा अभी आपको याद रखना है आगे बात करते हैं एमबी कमांड की तो इससे किसी फाइल या डायरेक्टरी को रENAME या मूव करा सकते हैं एमबी से किसी फाइल या डायरेक्टरी को मूव करा सकते हैं या रENAME कर सकते हैं अगला जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में देखा गया है पूछा गया है एमकेडीआर सभी को याद रखना है एम के डी आई आर इसका मतलब इस कमांड के प्रयोग से आप नई डायरेक्टरी बना सकते हैं मेक अ डायरेक्टरी आप एक डायरेक्टरी यहां से बना सकते हैं एम के डी आई आर से देखो डायरेक्टरी होता क्या लिनक्स में डायरेक्टरी क्या है एक फोल्डर है जैसे आपने देखा होगा फोल्डर का नाम सुना होगा बैस बस वैसे ही फोल्डर यहाँ पर डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है यहाँ पर फोल्डर डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है आगे बात करते हैं एल पी आर जो कि काफी आ, आता है आपके एग्जाम में एल पी आर इस कमांड के कोई कंटेंट को प्रिंट कर सकते हैं मतलब इस कमांड का इस्तेमाल हम प्रिंट करने के लिए करते हैं आगे बढ़ते हैं और यहां पर दिया गया है एस यू इस कमांड के प्रयोग से आप एक अलग यूजर में स्विच हो सकते हैं अगर आप दूसरे यूजर में स्विच होना चाहते हैं तो एस यू कमांड का इस्तेमाल करना होता है अब आगे बात करते हैं पासवर्ड की तो इस कमांड से आप यूजर पासवर्ड बदल सकते हैं पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं अगला दिया गया है यहां पर अंजिप इस कमांड की हेल्प से आप इसी फाइल को अंजिप कर सकते हैं है ना इस कमांड की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं किसी फाइल को सॉरी यहाँ पे होगा किसी फाइल को आप अंजीब कर सकते हैं अगर आप अंजीब करना चाहते हैं किसी फाइल को तो आप अंजीब कमांड का इस्तेमाल करते हैं आगे दिया काम डी आई आर इस कमांड से आप एम्पटी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं आर एम डी आई आर से क्या कर सकते हैं हम एम्पटी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं आगे बात करते हैं हिस्ट्री की इस कमांड से आप सभी एग्जीक्यूटेड कमांड्स की लिस्ट को स्क्रीन पर देख सकते हैं सभी एग्जीक्यूटेड कमांड की लिस्ट को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर दिया गया अगली कमांड है लेस इस कमांड से आप फाइल कंटेंट को पेज बाई पेज देख सकते हैं यानी कि इस कमांड से आप फाइल कंटेंट को पेज बाई पेज देख सकते हैं लेस कमांड से अगला देखिएगा अनजिप इस कमांड से आप किसी फाइल को अंजिप कर सकते हैं अगर आप किसी फाइल को अंजिप करना चाहते हैं तो इस कमांड से आप अंजिप कर सकते हैं सॉरी यहाँ पर ये दो बार हो गया अंजिप यहां पर भी आ चुका है पहले ठीक है चलो आगे देखो मैन इस कमांड से आप हेल्प डिस्प्ले कर सकते हैं हेल्प डिस्प्ले करने के लिए हम मैन कमांड का इस्तेमाल करते हैं और अगला दिया गया यहाँ पर पीडब्ल्यूडी तो इस कमांड से आप करेंट यूजर वर्किंग डायरेक्टरी को डिस्प्ले कर सकते हैं करेंट यूजर वर्किंग डायरेक्टरी को हम डिस्प्ले करा सकते हैं पीडब्ल्यू डी से आगे बात करते हैं कैल की यानी कि इससे क्या होता है करंट माह का कैलेंडर देखने के लिए हम कैल इस्तेमाल करते हैं करंट माह का हमें कैलेंडर देखना है तो हम कैल का इस्तेमाल करेंगे आगे देखो हु दिया गया है इस कमांड से सभी यूजर्स की लिस्ट को आप देख सकते हैं सभी यूजर्स की लिस्ट को आप देखना चाहते हैं तो हु कमांड आपको इस्तेमाल करना होता है आगे दिया गया है पीएस तो करंट समय में प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए आप एस का इस्तेमाल करते हैं आप सभी को ध्यान रखना है और आगे यहां पर दिया गया है किल कमांड किल का इस्तेमाल कब करते हैं प्रोसेस प्रक्रिया को बंद करने के लिए यहाँ पर होगा बंद करने के लिए ठीक है प्रोसेस प्रक्रिया को बंद करने के लिए हम किल का इस्तेमाल करते हैं और अगला दिया गया है डेट तो इससे क्या होगा करंट दिनांक और समय आप देख सकते हैं करंट दिनांक और समय आप देख सकते हैं तो ये ट्वेंटी फाइव लिनक्स की कमांड आप सभी को याद रखनी है काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं ठीक है चलो अब आगे बात करते हैं यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको कापी कलम लेकर बैठ जाना है और अपने साथ साथ इसे नोट कर लेना है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए पढ़ने का मतलब याद होना चाहिए एग्जाम में आप केवल आप ही होंगे वहां पर आपके पास कोई कॉपी नहीं होगा कोई आप वीडियो नहीं देख रहे होंगे जो भी आपके दिमाग में होगा वही आप कर पा रहे होंगे तो इसका मतलब आपको ऐसे पढ़ना है ताकि याद हो जाना चाहिए तो आपको कॉपी पे नोट कर लेना है साथ साथ अगर आप हमारे नोट करते जाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा ठीक है तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर की आपको पता है लिब्रो ऑफिस राइटर जो अभी नए बच्चे होंगे उनको ये पता ही नहीं होगा कि राइटर होता क्या है है ना तो इसके लिए आप हमारे पुराने क्लास देख सकते हैं थोड़ा सा हम आपको संक्षेप में बता देते हैं कि लिब्रो ऑफिस राइटर अमस वर्ड की तरह ही एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है ये लिब्रो ऑफिस का राइटर है जो कि वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है अमस ऑफिस में आपने अमस वर्ड का नाम सुना होगा ठीक है अब राइटर में हम बात करते हैं टोटल मैनू की तो टोटल नंबर ऑफ मैनू की संख्या यहाँ पर इलेवन होती है मतलब राइटर में जो फाइल होता है एडिट होता है व्यू फॉर्मेट ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेनू होते हैं और इन मेनू के अंदर कमांड होती हैं जहां पर क्लिक करके आप कोई वर्क करते हैं तो टोटल जो मेनू होते हैं वो हमारे कितने होते हैं टोटल मेनू की संख्या ग्यारह होती है ये आपको ध्यान रखना है अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम जूम की क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉइंट हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं तो अगर आपने सभी और हमने सभी के यहाँ पे पॉइंट करे हैं आपका राइटर हो और इम्प्रेस सभी के आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे तो देखो मैक्सिमम जूम की बात करते हैं तो 600 परसेंट आप कर सकते हैं राइटर की अभी बात कर रहे हैं और मिनिमम की अगर बात करते हैं तो आप 20 परसेंट मिनिमम कर सकते हैं लेकिन कम से कम हम 20 परसेंट कर सकते हैं और अधिक से अधिक हम 600 परसेंट तक जूम बढ़ा सकते हैं राइटर प्रोग्राम में तो दो चीजें तीन चीजें आपको समझ में आ गई हैं आप मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं मिनिमम कितना कर सकते हैं और टोटल आपके मेनू कितने होते हैं ठीक है अब बात करते हैं डिफॉल्ट फंट साइज की देखो जब भी आप राइटर प्रोग्राम ओपन करते हैं और वहां पर कुछ लिखना शुरू करते हैं तो जब आप कुछ लिखते हैं तो उसका भी एक साइज आप मिलता है ना आपको वाई डिफॉल्ट वहां पर एक साइज मिल जाता है आपके फंड का क्या साइज रहेगा तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपको क्या साइज देता है फंड का साइज बारह पिट का देता है मतलब बारहा पीटी लिखा होता है आगे जिसको हम पॉइंट का नाम देते हैं बारह पीटी का मतलब पॉइंट एक बच्चे ने सवाल किया था सर जो पॉइंट होता है उसके आगे पीटी क्यों लिखा होता है उसका मतलब होता है पॉइंट ध्यान रखना है ठीक है तो डिफॉल्ट फंड साइज आपको पता चल गया बारह होता है चलो आप देखो यहाँ पर क्या दिया है नेम क्या होगा उस उसका नेम क्या होगा तो लिबरेसन उसका नाम होगा जो फंड आपको मिलता है जब कुछ टाइप करते हैं तो उसका साइज तो हमें पता चला बारह होता है बारह पीटी का होता है अब उसका जो स्टाइल है फंड का नेम क्या होता है तो उस फंड का नाम होता है लिबरेसन शेरीफ ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है चलो आप देखो आगे बात करते हैं मिनिमम फंड की कम से कम फंड कितना होता है तो भाई कम से कम हम छे कर सकते हैं हमारा जो फंड होता है उसका साइज हम कम करके छे तक ला सकते हैं मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं मैक्सिमम हम 96 कर सकते हैं मैक्सिमम 96 और मिनिमम से कर सकते हैं व्हाट एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखनी है जो फंड साइज कम करने की ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है ना उस लिस्ट में ये दिया होता है कम से कम छे और मैक्सिमम मैक्सिम इससे ज्यादा भी भी हम हम बढ़ा सकते 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 हैं सकते हैं हैं और इससे कम कर कर कितना फिर अगर आप मैनुअल पर टाइप कर देते हैं तो हम कितना कर सकते हैं तब हम छे के स्थान पर फिर दो लिख देंगे अगर आपसे ये पूछे कि मैनुअली वहां पर आप कितना फंड साइज कम कर सकते हैं या अधिक से अधिक कितना फंड साइज कम किया जा सकता है ऐसा सवाल होता है तो हम दो तक ले जा सकते हैं फंड तो साइज कर देंगे अब फिर पूछेंगे कि कि आप बताओ मैक्सिमम तो यहाँ पर 96 कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिलता है, बट मैनुअल आप और करना चाहते हैं वहां पर टाइप करके तो कितना कर सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है फिर ट्रिपल नाइन पॉइंट नाइन मतलब नौ सौ निन्यानवे दशमलव नौ पिट यानी कि पॉइंट तक हम इस साइज को बढ़ा सकते हैं आप कह सकते हैं कि एक हजार पिट तक हम कर सकते हैं क्योंकि कई बार ऑप्शन में ऐसा देखा गया है जहां पर नौ सौ निन्यानवे पॉइंट नाइन नहीं दिया गया है एक हजार का ऑप्शन दे दिया गया है तो आप उसे भी करेक्ट कर सकते हैं तो आपकी ये बात समझ में आ गई है कि मिनिमम कितना कर सकते हैं फंड साइज छे मिनिमम कर सकते हैं मैक्सिमम नाइनटी सिक्स कर सकते हैं बट मैनुअल जब बात करेंगे तो मिनिमम दो कर सकते हैं और मैक्सिमम नौ सौ निन्यानवे पॉइंट नौ कर सकते हैं

ठीक है जब टाइटल उसको बना देते हैं तो फिर वहां पर ऑटोमेटिक आपको कितना साइज दिया जाता है तो वो आपसे पे पूछा गया है है तो ऑटोमेटिक साइज हमें कितना दिया जाता है? 28. अगर हमने वहां पर उसको सिलेक्ट कर लिया किसी टेक्स्ट को और उसको क्या बना दिया टाइटल दे दिया यानी कि टाइटल उसको बना दिया तो उसका साइज हमारा हो जाएगा ट्वेंटी एट बस ये आपको ध्यान रखना है अब वहां पर हम टाइटल के अलावा और क्या बना सकते हैं तो हम हेडिंग वन अप्लाई कर सकते हैं यानी कि हेडिंग वन भी बना सकते हैं हम किसी टेक्स्ट को तो अगर आप हेडिंग वन अप्लाई करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से 18.2 का का साइज हमें हेडिंग वन मिलता है आप चाहें तो हेडिंग वन बनाने के बाद में इसका साइज और बढ़ा सकते हैं लेकिन लिब्रो ऑफिस की तरफ से आपको 18.2 का ही साइज हेडिंग वन के लिए दिया जाता है आगे बढ़ते हैं हेडिंग टू की बात करते हैं तो अगर आपने हेडिंग टू बनाया है तो सोलह आपको साइज मिलेगा सोलह का साइज आपको मिलेगा हेडिंग अगर आपने टू बनाया है तो ठीक है देखो यहाँ पर क्या करते हैं हेडिंग टू के लिए हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल टू इस्तेमाल कर सकते हैं और हेडिंग वन के लिए हम कंट्रोल वन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने हेडिंग थ्री अप्लाई किया है तो चौदह पॉइंट वन साइज आपको मिलेगा आपका जो फंड का साइज होगा वो चौदह पॉइंट वन का होगा अगर आप हेडिंग थ्री अप्लाई करते हैं तो अभी हम आगे आपको बता देंगे अगर ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा ये समझ में ना आ रहा हो कि हेडिंग होन होता क्या है थ्री होता क्या है कैसे लगाते हैं तो इसके लिए भी हम आगे भी आपको बता देंगे है ना लाइव आपको दिखा देंगे कि हेडिंग कैसे अप्लाई करते हैं और हेडिंग टू कैसे अप्लाई करते हैं उसका साइज वगैरह क्या होता है सारा कुछ आगे आपको बता देंगे अभी बस केवल आपको थ्योरी को समझना है कि हम कह क्या रहे आपसे सवाल आपसे हो क्या रहा है ठीक है वो समझना है अभी देखो यहां पर पूछा एक्सटेंशन नेम एक सवाल यह बनता है कि एक्सटेंशन नेम बता दो लेब्रो ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम बता दो तो भाई ध्यान रखना है डॉट ओडीटी होता है इसका मतलब ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हो जाता है पूरा नाम ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हो जाता है ये लेब्रो ऑफिस का एक्सटेंशन नेम होता है देखो होता है क्या है अगर हम किसी भी प्रोग्राम में किसी भी हम सॉफ्टवेयर पर अपना काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें एक्सटेंशन नेम भी मिल जाता है ताकि ये पता लगा सके कि कोई फाइल कौन से सॉफ्टवेयर पर बनाई गई है तो अगर आपने राइटर में वर्क किया है तो वहां पर डॉट ओडीटी आ जाएगा है ना अगर आपने एमएस वर्ड में काम किया है तो आपने देखा होगा वहां पर .doc का एक्सटेंशन आपको मिल जाता है तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी फाइल हमारी कौन से प्रोग्राम पर बनाई गई है अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ऑफिस कैल्क के आपको पता है लिबर ऑफिस कैल्क क्या है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जैसे एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल का नाम सुना होगा वैसे ही लिबर ऑफिस में ल्क का आप नाम सुनेंगे यानी कि कैल्क हमारा ये ऑफिस का एक स्प्रेड शीट प्रोग्राम है ठीक है अब यहां पर सबसे पहला सवाल आपसे होता है कि टोटल मेनू बताइए तो आपको ध्यान रखने टोटल मेनू यहां पर भी इलेवन ही होते हैं टोटल मेनू की संख्या ग्यारह ही होती है चलो ये क्लियर हो गया अब देखो मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं तो बस ये नोट कर लो भाई जल्दी से चार ही बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम जूम साइज चार कर सकते हैं आगे देखो मिनिमम जूम की बात करें अगर तो बस ध्यान रखना है कम से कम ट्वेंटी कर सकते हैं ठीक है चलो फंड साइज की अगर करते हैं तो दस लोड कर लो आप दस ही बढ़ा सकते हैं ये फंड साइज डिफॉल्ट है सॉरी बढ़ा नहीं सकते हैं डिफॉल्ट फंड साइज है मतलब यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट फंड साइज जब आप ऑफिस कैल्क में वर्क करते हैं जैसे आपने ओपन किया काम करना शुरू किया तो वहां पर फंड का साइज हमें क्या मिलेगा केवल दस मिलेगा दस पीटी का साइज ही होता है आगे चाहे तो आप और इंक्रीज कर सकते हैं अभी आपको बताएंगे अब आप ये पूछा गया है आपसे कि इसका नाम बताओ तो लिब्रेशन सेंस नाम होता है अभी आपने राइटर में क्या देखा था लिबरेशन सेरिफ देखा था लेकिन यहां पर लिब्रेशन सेंस होता है ठीक है इतनी चीजें आपको पता चली कमेंट बॉक्स में बताते रहना कि क्लास कैसी लग रही है क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं या समझ में आ रहा है आपके या नहीं आ रहा है ठीक है क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है आपको इस मैराथन को देने के लिए आपको पता नहीं होगा शायद इसके पीछे मुझे कितना मेहनत करना पड़ा और कितना ये सब कॉन्टेंट को समझना पड़ा सर्च करना पड़ा कि कौन सा कंटेंट हम आपको दें जिससे हम आपको बेहतर तरीके से तैयार करा सकें और इसे क्लास से आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें ठीक है इसके पीछे बहुत सारा मेहनत करना पड़ा मुझे इसलिए सभी बच्चों को लाइक करना है क्लास को शेयर करना है दबा करके जितना हो सके उतना ज्यादा आपको शेयर करना है इस क्लास को ठीक है स्पेशली तो आप बात करते हैं यहां पर मिनिमम फंड की कम से कम कितना फंड कर सकते हैं तो वही हमारा सिक्स रहेगा कम से कम यहां पर भी सिक्स कर सकते हैं और मैक्सिमम भी हम यहां पर नाइनटी सिक्स कर सकते हैं फंड साइज लिब्रो ऑफिस राइटर हो

क्या होते हैं अगर आपने आ, क्लास वगैरह पहले से किए हैं तो तो कॉलम मतलब आपके जब आप लेबर ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर ऐसे खड़ी लाइनें मिलती हैं इनको कॉलम बोलते हैं और ऐसी पड़ी लाइनें होती हैं इनको रो बोलते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम की संख्या एक होती है और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे अल्फाबेट से आपकी जो ए बी सी डी होती हैं इनसे हम कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पहले कॉलम का नाम होता है ए दूसरे का वी तीसरे का सी ऐसे करके जो एक हजार चौबीसवा कालम होता है उसका नाम ए एम जे होता है ठीक है उसका नाम ए एम जे होता है ए एम जे हमारा एक हजार चौबीसवा कालम हो जाएगा तो टोटल कालम भी आपको पता चल गए कितने होते हैं अब आगे बात करते हैं मैक्सिमम रो की टोटल नंबर ऑफ रो यानी कि जो पड़ी लाइनें होती हैं ऐसी ये कितनी होती हैं तो कितनी होती हैं दस लाख अड़तालीस हजार पांच सौ छिहत्तर टोटल नंबर ऑफ जो आपकी रो हैं वो दस लाख अड़तालीस हजार पांच सौ छिहत्तर होती हैं आपके लेबर ऑफिस कैल्क में आप देखो आगे बात करते हैं डिफॉल्ट सीट नंबर की डिफॉल्ट सीट की अगर कर बात करते हैं तो केवल एक ही सीट आपको मिलती है जब आप लेबर ऑफिस कैल में काम करते हैं तो आपने देखा होगा नीचे की तरफ सीट वन लिखा होता है तो बस सीट वन ही मिलता है ठीक है यानी कि एक जो हमारी वर्क बुक होती है इस वर्क बुक में बहुत सारी वर्कशीट होती और वर्क डिफॉल्ट हमें एक ही मिलती है बट हम आगे मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं कितना तो दस हजार आप ऐड कर सकते हैं सीट वन सीट टू सीट थ्री करके आप ऐसे दस हजार मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं अब आगे बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल इन कैल्क पर वर्क सीट में पर वर्क में जो हमारी आ, सेल होती है वो कितनी होती है काफी अच्छा ये भी प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछा गया है देखो यहां पर समझो दोबारा से मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल इन कैल्क पर वर्कशीट कैल्क की जो एक वर्कशीट है ना सीट वन की हम बात कर रहे हैं अभी या सीट टू की बात कर लो किसी एक की बात कर लो तो सीट वन है उसमें टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं जैसे यहां पर यह हमारा ऑफिस कैल्क है इसमें कॉलम है रो है ये हमारा एक सीट है तो इसमें टोटल जो हमारी ये सेल है ना जो सेल क्या होता है कॉलम एंड रो का जो कॉम्बिनेशन होता है बीच का ये बॉक्स होता है इसी का नाम सेल होता है तो ऐसे कितने बॉक्स होते हैं एक वर्कशीट के अंदर ये बताना है तो देखो यहां पर मैंने लिख दिया है, ये आपको याद रखना है एक अरब सात करोड़ सैतीस लाख इकतालीस हजार आठ सौ चौबीस होते हैं एक वर्कशीट में टोटल जो बॉक्स होते हैं यानी कि इसको हम सेल का नाम देते हैं अगर आप बात करते हैं कैलके की भाषा में तो टोटल नंबर ऑफ सेल हमारे कितने होते हैं एक अरब सात करोड़ सैंतीस लाख इकतालीस हजार आठ सौ चौबीस हमने यहां पर लिख भी दिया है तो यह आपको संख्या याद रखनी है बाकी आप ऐसे याद कर सकते हैं दस तिहत्तर चौहत्तर अठारह चौबीस दस तिहत्तर चौहत्तर अठारह चौबीस आप याद कर सकते हैं तो ऐसे भी आपको याद रहेगा अब आगे बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर इन वन सेल ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो हमने इसको भी यहां पर शामिल किया है ताकि कुछ भी रह ना जाए मिस ना हो जाए कुछ इस क्लास में ठीक है तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर पूछ रहा है एक सेल में जैसे लेबर ऑफिस में जैसा कि हमने बताया बहुत सारे कॉलम एंड रो होते हैं और प्रत्येक कॉलम एंड रो का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है एक सेल कहलाता है तो एक सेल के अंदर अब आप कितने करेक्टर लिख सकते हो एक सेल में कितना करेक्टर आप लिख सकते हो तो बत्तीस हजार हम लिख सकते हैं बत्तीस हजार सात सौ सड़सठ करेक्टर हम एक सेल के अंदर लिख सकते हैं इतना आपको क्लियर हुआ अब बात करते हैं एक्सटेंशन नेम की तो तो भाई सिंपल सी बात है डॉट ओ डी एस हो हो जाएगा मतलब, document, हो जाएगा मतलब तो ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट ये रही कहानी आपके ऑफिस कैल्क की आई होप आपके समझ में आया होगा आपने नोट भी किया होगा हमारे साथ साथ है ना क्योंकि नोट करते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाता है जल्दी से याद हो जाता है अब आगे बात करते हैं ऑफिस इंप्रेस की इम्प्रेस क्या है तो यहाँ एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जैसे आपने नाम सुना होगा पावर पॉइंट का ऑफिस में बस सेम वही यहाँ पर इंप्रेस काम करता है है ये भी हमारा एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता लिब्रो ऑफिस की ठीक है तो ऑफिस में जो हमारा इम्प्रेस होता है इसमें टोटल मेनू की संख्या आपको बतानी है यहां पर हो जाएगा दस अभी आपने देखा कैल और राइटर में ग्यारह होती है बट यहां पर हमारे जो मेनू होते हैं वो दस होते हैं ठीक है अब आगे देखो जूम की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम जूम 3000 होता है और मिनिमम की बात करें तो फाइव परसेंट होता है मैक्सिम तीन हजार एक चीज और एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि डिफॉल्ट जूम कितना होता है तो डिफॉल्ट जूम हमने यहां कहीं नोट नहीं किया है बट आपको बता देते हैं डिफॉल्ट जूम जो होता है वो सौ ही होता है चाहे राइटर हो कैल्क हो या इंप्रेस हो

आप देखो मिनिमम कितना कर सकते हैं तो वही रहेगा हमने आपको बताया था कि मिनिमम आपका यहाँ पर सभी में बराबर है तो तो मिनिमम मिनिमम रहेगा maximum आपका 96 रहेगा मैक्सिमम मैक्सिमम आपका और maximum 96. बात करते हैं एक्सटेंशन नेम की ओटीपी तो यहाँ पर हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन हो जाएगा ठीक है ओडीपी एक्सटेंशन नेम हमने आपको कैल्क uh, का क्या बताया था चलो कैल्क में देखो मैंने बताया ठीक है ओडीएस बताया था मुझे लगा कि ओडीपी हमने यहाँ पे बता दिया आपको तो यहां पर ओडीपी हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन एक्सटेंशन नेम भी आपके समझ में आ गया है तो अब हमने यहाँ पर ऑफिस राइटर ऑफिस कैल्क और ऑफिस इम्प्रेस को बिल्कुल फिनिश कर दिया है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो भी हमने आपको समझा दिए हैं ठीक है बाकी ऑफिस राइटर कैल्क और इम्प्रेस में हम थोड़ा अभी आपको प्रैक्टिकल भी समझा देंगे वही पॉइंट आपको समझाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है केवल वही पॉइंट हम आपको आगे प्रैक्टिकल में भी समझा देंगे ठीक है अभी बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एप्रीवियसन की है ना एप्रीवियसन में हम कुछ फुल फॉर्म पढ़ने वाले हैं और ऐसी फुल फॉर्म जो हमारे एग्जाम में अक्सर आती हैं बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है अक्सर यहाँ से सवाल होता है और आपसे होगा तो इसको पूरा बहुत ही मन से और अच्छे से पढ़ना है सभी बच्चों को देखो मैराथन का मतलब महा मैराथन का मतलब सब कुछ यहाँ पर समाहित होगा ऑल इन वन हमने इसका नाम दिया है ऑल इन वन महा मैराथन का मतलब सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है है ना कुछ भी नहीं छूटेगा काफी ज्यादा मेहनत जैसा कि हमने आपको बताया इस क्लास के लिए हमें करना पड़ा और यहाँ पर हमने बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए क्लास बनाई है इसके लिए आपको मेहनत करना है आपको पूरी मेहनत और लगन के साथ देखना है क्योंकि ये मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए ठीक है इसका कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलना चाहिए तो चलो शुरुआत करते हैं फिर भाई फुल फॉर्म आपको पढ़ाने की तो सबसे पहला हमारा है भीम का जो काफी कॉमन है और आपको पता भी होगा हमने कई बार अपने क्लासेस में आपको पढ़ाया भी है भीम का मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी बस केवल मेरे साथ आप लोग पढ़ते जाओ मेरे साथ साथ आप बोलते जाओ पढ़ते जाओ आपको याद हो जाएगा बहुत ही सिंपल है बस मेरे साथ आपको पढ़ना है 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 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा तो देखो भीम का मतलब क्या होता है? भारत होता भारत इंटरफेस फॉर मनी अब अगला दिया है यूपीआई इसका मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हमेशा ध्यान रखना यस लगा होना जरूरी है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है यूपीआई का चलो आगे देखो भाई यूएसएसडी मतलब अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा यू यूएसएसटी का मतलब अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है ओके okay. आगे देखो उमंग का इसका मतलब यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस हो जाएगा वर्ड कई बार आपसे क्या पूछते हैं कि उमंग में एन का फुल फॉर्म बताओ तो देखो एन का मतलब क्या होगा यहां पर न्यू एज हो जाएगा पूरा आपको लिखना है न्यू एज ठीक है सीसी का मतलब क्या हो जाएगा कार्बन कॉपी हो जाएगा आगे देखो वीसीसी का मतलब बताओ व्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है वीसीसी का फुल फॉर्म आगे यहां पर दिया गया है HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTML की बात करते हैं तो यहां पर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एच में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा आगे बात करते हैं डी एच टी एम एल की तो इसका मतलब डायनेमिक आपको और एड कर देना है बाकी एच टी एमल ही रहेगा तो डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा ठीक है हमारे साथ साथ आपको बोलना है पढ़ना है तभी आपको आसानी से याद हो जाएगा कोबॉल का क्या होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबॉल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आगे देखते हैं फोरट्रान इसका मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन ठीक है क्या हो जाएगा फॉर से फार्मूला और टी आर एन से ट्रांसलेशन ठीक है याद रखना है अगला देखिएगा बेसिक इसका मतलब विग्नर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड विग्नर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड होता है बेसिक का फुल फॉर्म ठीक है अगला देखिएगा पीओपी थ्री दिया गया है तो इसका मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थ्री होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थ्री होता है आपको पता है पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लग गया इसका मतलब इसका इस्तेमाल मेल के लिए होता है तो यह एक मेल प्रोटोकॉल है पीओपी थ्री ठीक है जो मेल को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है आगे बात करते हैं आई की तो आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जैसे आप अपने अभी मोबाइल फोन में सिम इस्तेमाल कर रहे होंगे जियो का या फिर एयरटेल का हो सकता है और किसी का भी हो सकता है तो यहाँ ये यह सिम आपको किसके द्वारा मिला गया है है ना जियो कंपनी के द्वारा आपको दिया गया है या एयरटेल कंपनी के द्वारा आपको दिया गया है तो यह क्या है यहाँ एक आईएसपी का ही तो एग्जाम्पल है इसका मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही तो है आपका जियो एयरटेल वोडाफोन ठीक है आगे देखो आई एम एपी की बात करते हैं तो यहां पर हो जाएगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल आई एम एपी एक प्रोटोकॉल है जो मेल को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल अगला क्वेश्चन दिया गया है मीन अगला फुल फॉर्म दिया गया है यूपीएस इसका मतलब अन इंटरप्टिवल पावर सप्लाई होता है यूपीएस का मतलब अन इंटरप्टिबल पावर सप्लाई होता है आपको ध्यान रखना है ठीक है अन इंटरप्टिबल पावर सप्लाई आगे देखो यू आर एल दिया गया है इसका मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है आपका यू आर एल ठीक है आप देखो कोई लिंक शेयर कर देते हैं जैसे हमने कोई लिंक अपने टेलीग्राम पे डाली आपने किसी और को शेयर कर दी तो वो जो लिंक होता है ना वही तो हमारा एक यू आर एल होता है उस यूआरएल से हमारा एक वेब पेज ओपन हो जाता है जो भी उसे कनेक्ट होता है ठीक है तो यू आर एल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यह यूनिक होता है हर वेब पेज का अलग अपना एक यूआरएल होता है यहाँ यूनिक होगा ये ध्यान रखना है आपको BIOS का आउटपुट मतलब सिस्टम होता है वायोस वायोस एक फॉर्म बेयर है आपको पता है है ना ये आपका रोम के अंदर रहता है ये भी आपको पता होगा रोम के अंदर रहता है बट बायोस का फुल फॉर्म आपसे पूछते हैं तो क्या हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा अब बात करते हैं ए एल यू की इसका मतलब आर्थमेट्रिक लॉजिक यूनिट होता है एलयू एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है आपको पता है आपके सीपीयू का एक पार्ट होता है एलयू जिसे एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का नाम दिया जाता है अब आगे बात करते हैं एआई की काफी इंपॉर्टेंट है इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई बार आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि एआई का जनक बताओ एआई के फादर का नाम क्या है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है तो आपको ध्यान रखना है जॉन मैकार्थी के द्वारा एआई का आविष्कार किया गया है और एआई कौन सी जनरेशन में आया तो आपको बता देना है फिफ्थ जनरेशन में आपका एआई आया है पांचवी जनरेशन में आया है आविष्कार किया है जॉन मैकार्थी ने यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं और यहां पर दिया है आर पी ए जिसका मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है एग्जाम में कई बार देखा गया है फुल फॉर्म आरपीए का मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन मुझे थोड़ा सा भी लगा कि आपके एग्जाम में आ सकता है हमने उसको शामिल कर लिया है बिल्कुल कंजूसी नहीं की है थोड़ा सा भी लगा कि ये पढ़ाना चाहिए तो उसको हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है और अक्सर ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में देखी गई हैं ठीक है थीके? तो याद रखना है सारी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है अब बात करते हैं एनपीसीआई की इसका मतलब नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई का मतलब क्या होता है नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर इसका पूरा नाम होता है आगे देखिएगा पैन का फुल फॉर्म बताना है तो इसका मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर परमानेंट अकाउंट नंबर भी होता है तो दो फुल फॉर्म है पैन की एक तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जो पैन जैसे हम बोलते हैं पैन कार्ड आप नाम देते हैं दूसरा पैन एक नेटवर्क होता है जिसका मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जो आपके ब्लूटूथ में इस्तेमाल किया जाता है है ना ब्लूटूथ अगर आप ऑन करते हैं और किसी दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो एक कनेक्टिविटी होती है आपस में जो संचार होता है वो पैन नेटवर्क के माध्यम से होता है और एक्चुअल में ये डब्ल्यू पैन होता है जिसका मतलब होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क क्योंकि ब्लूटूथ में आपको तार नहीं लगाते हैं तो ये वायरलेस होता है ठीक है आगे देखो लैन इसका मतलब लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा आपको ध्यान रखना है इसके बाद में दिया गया है वैन जिसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क मैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा मैन का मतलब मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और अब बात करते हैं एच एस टी पी इसका मतलब हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हो जाएगा यहां पर आपका सही जवाब आगे देखिएगा आई मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क हो जाएगा ये भी आपको ध्यान रखना है अब बात करते हैं एल की इसका मतलब होता है Liquid Crystal Display, Liquid Crystal Display हो जाएगा इसका पूरा नाम अगला देखिएगा आई दिया गया है इसका मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शायद अभी आपको बता दिया था मैंने आई इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अब देखिए यहाँ पर दिया गया है NPI इसका मतलब नेटवर्क प्रोवाइडर इंटरफेस NPI का मतलब नेटवर्क प्रोवाइडर इंटरफेस हो जाएगा आगे बात करते हैं OCR की जिसका मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये भी आपको ध्यान रखना है काफी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन OMR का मतलब क्या होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है MICR का मतलब क्या होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है ये भी आपको ध्यान रखना है आगे देखिएगा NFS मतलब नेटवर्क फाइल सिस्टम एन का मतलब नेटवर्क फाइल सिस्टम अब बात करते हैं डीएलसी की जिसका मतलब होता है डाटा लिंक कंट्रोलर डीएलसी का मतलब डाटा लिंक कंट्रोलर होता है अब बात करते हैं जीआईएफ की जिसका मतलब होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट ठीक है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट हो जाएगा आगे बात करते हैं सी की कैथोड रे ट्यूब होता है और कई बार आपको यहाँ पे ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट भी मिलेगा तो वो भी करेक्ट है आपका ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट भी आप करेक्ट कर सकते हैं नो प्रॉब्लम सीआरटी का मतलब क्या होता है कैथोड रे और अगला सी टी सी पी जिसका मतलब होता है क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है सी टी सी पी कई बार एग्जाम में देखा गया है इसका मतलब क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल होता है अब आगे बात करते हैं डीएनएस की जिसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है आगे देखिएगा एस पी इसका मतलब एक्टिव सर्विस पेज एस का मतलब एक्टिव सर्विस पेज है अगला दिया, होता है. UTR दिया गया है जिसका मतलब होता है यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस होता है और आगे बात करते हैं ए एस सी आई आई मीन आसकाई की तो यहाँ पर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज अब यहां पर बात करते हैं स्विफ्ट कोड की कई बार आपसे पूछते हैं स्विफ्ट का फुल फॉर्म बताओ तो मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड होता है स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म बात करते हैं एफ का मतलब फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग इसका पूरा नाम हो जाएगा ये भी एग्जाम में कई बार देखा गया है आगे दिया गया है जीपीआरएस मतलब जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम GPRS का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ठीक है, आगे, है, ICMP, तो है, Unibag, मतलब है Computer, आगे बात करते हैं ए बी आर एस की तो एबीआरएस का फॉर्म होता है आधार वेस्ड रेमिटेंस सर्विस आपको ध्यान रखना है आधार वेस्ड रेमिटेंस सर्विस होता है ए बी आर एस का फुलफॉर्म आगे देखिएगा सी मॉस का मतलब क्या होता है उसका तो मतलब होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडेक्टर सी मॉस का मतलब कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडेक्टर होता है आगे बात करते हैं बैप यानी कि डब्ल्यू एपी इसका मतलब होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और आगे दिया गया है एफ क्यू डीएन मीन्स फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है ठीक है एफ क्यू डीएन का मतलब फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है आगे दिया गया है सैन इसका मतलब स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है ये भी ध्यान आपको SAN का मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है आगे दिया गया है लिस्प इसका मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग आपको पता है में जो इस्तेमाल की गई पहली लैंग्वेज है वो लिस्प ही थी यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग ही था ये आपको ध्यान रखना है पर कई बार ये भी पूछते हैं कि लिस्ट प्रोसेसिंग का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है तो जॉन मैकार्थी के द्वारा ही किया गया है आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है सारथी का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आया है इसका मतलब एडवांस एप्लीकेशन रेल हेल्प एंड रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन यहां पर ट्रेवल थोड़ा इधर आ गया आपको ध्यान रखना है देखो क्या होगा एडवांस एप्लीकेशन रेल उसके बाद में ट्रेवल उसके बाद में हेल्प एंड इंफॉर्मेशन ये हो जाएगा अब बात करते हैं नाबार्ड की तो यहां पर हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है इसके बाद में बात करते हैं सिम कार्ड तो इसका मतलब सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा आपका पूरा नाम अब बात करते हैं ईडीपी का इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग हो जाएगा और ईडीपी भी अभी जुलाई एग्जाम में भी पूछा गया था कम से कम दो तीन बार ये बच्चों ने हमारे पास क्वेश्चन भेजा था तो वहां पर एग्जाम ये पूछा गया था ईडीपी का फुल फॉर्म अगला होगा यहाँ पर फैट इसका मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल फैट का मतलब फाइल एलोकेशन टेबल आगे दिया गया है डीईसी जिसका मतलब होता है डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन तो याद रखना है आप सभी को आगे बात करते हैं डी की तो यहां पर हो जाएगा डाटा टर्मिनल रेडी ठीक है अगला दिया गया है का का मतलब मतलब हो हो जाएगा CSS का मतलब, कैस शीट्स हो जाएगा आपका राइट आंसर अब बात करते हैं एनए का इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर तो यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर अब आगे बात करते हैं पी की मीन क्या हो जाएगा पब्लिक स्विस्ट टेलीफोन नेटवर्क हो जाएगा पब्लिक स्विस्ट टेलीफोन नेटवर्क आगे दिया गया है Mips, इसका मतलब मिलियन मिलियन पर पर हो जाएगा आगे बात करते हैं आई पी एम जो काफी इंपॉर्टेंट है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा अब बात करते हैं जीएसएम की मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन का का मतलब Global System for Mobile Communication. आगे बात करते हैं राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद क्या जी यूआई मीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा है ना आपको पता होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यहां पे राइट आंसर है अब आप बात करते हैं यहाँ पर आरटीजीएस की जिसका मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आर टीजी का फुल फॉर्म क्या होता है ग्रॉस ग्रॉस सेटलमेंट सेटलमेंट हो जाएगा यानी कि रियल टाइम पर सही जवाब है इसके बाद दिया गया है एनई एफ टी मींस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर ये भी आपको ध्यान रखना है आगे दिया गया है आई एम पी एस इसका मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है आई एम पी एस का फुलफॉर्म आगे दिया गया है डी ओ एस इसका मतलब होता है का का फुल फुल फॉर्म फॉर्म आगे दिया गया है है इसका मतलब मतलब क्या होगा Symbian OS Installer File. Symbian OS Installer File होता मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हो जाएगा यू एम टी एस का फुल फॉर्म आगे दिया गया है आईपी जिसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल ये भी आपको ध्यान रखना है आईएसपी दिया गया जिसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस और, मतलब और मतलब, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है ये भी आपको ध्यान रखना है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ठीक है बाकी कुछ और हैं इसके बाद ये कुछ और इंपॉर्टेंट हमने आपके लिए नोट किए हैं तो यहां पर देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गीको

और आज का ही हमने आपको भी बताया था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन होता है तो यहां पे डबल हो गया है और यहां पर आपको बताना है एटीएम एटीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन ध्यान रखना है इसका मतलब क्या होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा आगे दिया गया है एस रैम का फुल फॉर्म तो इसका मतलब स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और वी रैम का मतलब होता है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी तो ये आपको ध्यान रखना है बाकी आगे बात करते हैं पीएल वन की तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वन ये भी एग्जाम में कई बार आया है इसलिए हमने यहां पर इसको नोट किया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वन हो जाएगा बाकी बात करते हैं आई टी की तो इसका मतलब होता है

और यहाँ पर दिया है गिगो इसका मतलब आपको बता ही चुके हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन कंप्यूटर फुल फॉर्म थी जो हमने आप सभी को पढ़ा दी है इन्हें आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और निश्चित रूप से हर हालत में आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक बार आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना तो अब आइए यहां पर हम आप सभी के लिए लिब्रोफिस कैलेक्सी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले कराते हैं जैसा आपको पता है आपके ट्रिपल्स एग्जाम में ऑफिस काफी फार्मूले आते हैं और इनसे बनने वाले जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की है आपको पता है जब आप एग्जाम में होते हैं तो वहां पर केवल आपके स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिखाई देता है आपका प्रश्न दिखाई देता है वहां पर आप कैलक और एक्सेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में जो फार्मूलों से संबंधित प्रश्न है आप उनका आप कैसे करेंगे? यहाँ पर हम आपको ये सिखाने वाले हैं। तो देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले हम आपको ये बता देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिसमें पूछा गया है कैलक प्रोग्राम में ए बन बराबर 10, बी बन बराबर 20 और सी बन बराबर 40 दिया हो। तो इक्वल सम ए मान आपको बताना है तो अब इसका जवाब हमें कैसे करना है एक्सेल और कैलक पर आसान हो जाता है क्योंकि वहां पर आप क्या करते हैं फार्मूला टाइप करते हैं और आपका कैलक या एक्सेल आपको रिजल्ट दिखा देता है वट ये रिजल्ट कैसे निकल कर आता है अगर आपने ये सीख लिया तो फिर आप इस जवाब इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से कर पाएंगे है ना क्योंकि आपको पता है आप जब एग्जाम में बैठे होते हैं तो केवल आपको स्क्रीन पर आपका प्रश्न ही दिखाई देता है वहां पर कैलक और एक्सेल इस्तेमाल करने को नहीं मिलेगा तो अगर आपने सीखा होगा तभी आप इसका आंसर बता पाएंगे तो देखो यहां पर हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा पचास हो जाएगा अब समझो कैसे ऐसा हुआ तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि सम का मतलब होता है योग कर देना जोड़ देना जोड़ ठीक है जहां पर भी सम मिलेगा आपको योग करना होगा अब किसका योग करना है तो यहां पर उन्होंने दिया है ए बन कामा सीबन बस तो इसका योग करना है तो ए बन की वैल्यू दस है यहां पर आप दस लिखेंगे प्लस करेंगे और सीबन की वैल्यू चालीस है तो आप चालीस लिखेंगे बराबर आपका पचास आंसर आ गया है एक चीज आपको ध्यान रखना है जब कभी भी यहाँ पर कामा दिया हो तो कामा होने पर क्या करना है जो सेल की यहाँ पर वैल्यू बताई गई है बस उसी पर हमें मल्टीप्लाई कराना है या फिर योग कराना है जो भी हमारा फॉर्मूला कहता है अगर यहाँ पर कॉलन दिया होगा है ना तो बिंदी अगर कॉलन दिया होता है तो कॉलन से एक रेंज बन जाती है जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं मैंने यहाँ पर ए लिखा कॉलन लगा दिया और सी लिख दिया इसका मतलब ए उसके बाद में V1 भी पड़ेगा बीच में और C1 ये तीनों यहाँ पर सेल फंस गई हैं। बट अगर हम A1 वन कामा सी करते हैं तो केवल इसमें A1 और C1 की बात की जा रही है तो ये आपको समझना है जब कभी भी अः यहाँ पर कॉलन दिया होगा तो बीच में जो भी सेल फंसेंगी आपको सभी पर फार्मूला अप्लाई करना होता है अगर ऐसा यहाँ पर दिया होता तो आंसर क्या होता तो फिर आपको दस जोड़ना था बीस भी इसमें ऐड करना था तो इसका आंसर फिर सत्तर हो जाता बट अभी हमें केवल ए बन और सी बन को ही यहाँ पर जोड़ना था चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप बताने की कोशिश करो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप सभी इसको लगाने की कोशिश करो कि आपका सही जवाब क्या होगा प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें आप आसानी से समझ पाओगे देखो क्या कहता है कैल्क प्रोग्राम में ए बन बराबर बीस ए टू बराबर दस ए थ्री बराबर चालीस ए फोर बराबर तीस दिया है तो इक्वल सम ए बन कॉलन ए फोर का मान आपको बताना है बताओ अभी हमने आपको बताया था अगर कॉलन दिया हो तो क्या करना है तो एक रेंज बन जाती है और उस रेंज में फंसने वाली सभी सेल पर आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा तो यहाँ पर A1 वन कॉलन ए की हमें वैल्यू बतानी है A1 का मान कितना दिया है बीस दिया है और आपको पता है A1 के बाद में जो V1 आएगा ना वो भी यहाँ पर बीच में इसके आ गया है एक रेंज बन गई है ए वन से लेकर ए तक सभी को अप्लाई करना है तो यहाँ पर वी नहीं आएगा बल्कि क्या होगा ए दिया गया है तो ए के बाद में ए आएगा तो हमें ए टू को भी जोड़ देना है यानी कि यहां पर भी दस हो जाएगा उसके बाद में ए थ्री की वैल्यू दी गई है तो चालीस लिख लेते हैं और ए फोर की वैल्यू फिर तीस लिख लेते हैं तो आप सभी का योग हो हो जाएगा जाएगा इसका मतलब हमारा आंसर पर ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ठीक है तो आपके समझ में आ गया होगा अगर कॉलम दिया होगा तो हम सभी को जोड़ लेते हैं जो भी हमारी ए वन से लेकर ए फोर के बीच में सेल आती है वर्ड कामा दिया होगा तो केवल हमें वही आ, सेल जोड़ना है जो यहाँ पर दी गई है ठीक है चलो छह सौ चौदह क्या कहता है इक्वल बीबन माइनस सी बन का मान क्या होगा बीबन माइनस सी बन की वैल्यू आपको बतानी है जब कभी भी ऐसा सवाल हो और जहां पर वैल्यू ना दी गई हो मतलब यहां पर इन्होंने ये नहीं बताया है कि B1 का मान कितना है और सी बन का मान कितना है मीनस बीबन और सी बन की वैल्यू नहीं बताई गई है तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा फिर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे लिखा है इक्वल प्रोडक्ट चार कामा छे कामा दस का मान ज्ञात करना है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ट्रिपल्स एग्जाम में आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा इसका जवाब। मतलब तो मतलब तो दस में करा देंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है चार छोबीस और चौबीस मल्टीप्लाई दस करेंगे तो दो सौ चालीस हो जाएगा बस इतना सा काम करना है आपका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा दो सौ चालीस ठीक है आपके एग्जाम में वैल्यू चेंज होगी यही रहेंगे इसमें से कोई भी आएगा आपको ऐसे ही लगाना है बस आपको देखना है कि वैल्यू क्या दी है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लेकर आना है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखेगा इक्वल फोर प्लस टू प्लस फोर और ब्रैकेट में सिक्स लिखा है और पूछा है क्या यह सही फार्मूला का प्रकार है क्या यह करेक्ट फार्मूला है तो इसका आंसर क्या होगा ये रॉन्ग हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा इसको एक्सेल एक्सेप्ट नहीं करता है कैल्क एक्सेप्ट नहीं करता है क्यों क्योंकि देखो यहाँ पर गलत क्या है यहाँ पर इक्वल सही है 4 प्लस आपने यहाँ लगाया टू प्लस फोर इसके बाद में यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा मीन्स स्टार का जो सिंबल होता है ना वो लगाना पड़ेगा तभी ये मान्य करेगा अदरवाइज ये रॉन्ग बता देगा ठीक है तो अभी ये जो हमारा यहाँ पे दिखाएगा ना ये फॉल्स है ऑप्शन हमारा भी यहाँ पे करेक्ट है और यहाँ पर आपको बताना है इक्वल सम चार कमा सेवन और इसके बाद में मल्टीप्लाई आपको फाइव से करना है तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी इस फॉर्मूले का जवाब क्या होगा आप सभी को बताना है यहां पर आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देखो इसका आंसर आ जाएगा अब कैसे आएगा तो तो पे लिखा sum, पहले तो हमें है इक्वल सम सम पहले हमें करना चार सेवन और यहाँ पर मल्टीप्लाई फाइव से करना पड़ेगा तो देखो क्या होता है ना पहले हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें फाइव सेवन में मल्टीप्लाई करना होगा तो अगर पांच में हम सेवन का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा थर्टी फाइव आ जाएगा और इसके बाद में हमें फिर इसी फाइव से फोर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ट्वेंटी आ जाएगा अब इसको आप अगर योग कर देंगे तो हमारा आंसर फिफ्टी फाइव होगा अगर आपने मैथमेटिक पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन हमें कैसे हल करने होते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फिफ्टी फाइव आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए छह सौ अठारह क्या कहता है इक्वल सम टू कामा फाइव कामा सिक्स प्लस प्रोडक्ट फाइव काम फाइव का मान आपको बताना है अब इसका मान क्या होगा इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है तो सिंपल सी बात है ऑप्शन यहाँ पर थर्टी एट हो जाएगा देखो सबसे पहले क्या करना है आपको ये सम कर लेना है अब अगर आप टू फाइव सिक्स को सम कर देते हैं तो कितना होगा 6 5 ग्यारह और दो कितना होता है ग्यारह और दो आपका तेरह हो जाएगा ठीक है प्लस प्रोडक्ट फाइव फाइव की अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो पच्चीस हो जाएगा तो तेरह और पच्चीस का योग कितना हो जाएगा थर्टी एट हो जाएगा ठीक है तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 619 सौ उन्नीस में देखिएगा कहता है ए बन बराबर चालीस है तब इक्वल का मान आपको बताना है तो यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 61 वन एकट कैसे आ गया देखो कहता है ए बन कॉलन सी बन ए बन यहां लिखा आपने कॉलन लगाया माइनस टीबन करना है तो यहां पर सम करना है पहले एवन से सी वन तक तो एवन का वैल्यू चालीस है चालीस प्लस बी वन का पैंतीस है प्लस सी वन का ट्वेंटी सिक्स है अब अगर आप इनका योग करते हो तो कितना आ जाएगा 6 पांच ग्यारह तीन दो पांच और चार नौ एक दस एक सौ एक आ जाएगा इसके बाद में क्या करना है आ, आपको माइनस टीवन कर देना है तो इसमें से आपको 40 कम कर देना है टीवन की वैल्यू कितनी है 40 है तो हमें 40 कम कर देना है और अगर हम 101 से 40 कम करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा एक सेट फिर हमारा आंसर आ जाएगा तो बस इस प्रकार से हमें इनके जवाब ढूंढ कर लाने हैं अब यहाँ पर देखो छह सौ बीस क्या कहता है इक्वल मोड तेरह कामा फाइव का मान कितना होगा मोड में क्या होगा एमओी ही रहता है ई e नहीं लगेगा तो इक्वल मोड तेरह कामा फाइव का मान आपको बताना है ठीक है यहां पर क्या होगा हमारा सही जवाब जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 620 आप सभी के सामने है तो इसमें कौन सा हमारा राइट right आंसर है यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देखो थ्री आपका जवाब होगा कैसे मोड क्या करता है मोड फंक्शन क्या बताएगा हमें शेष फल बताएगा जैसे हमने क्या करना है फाइव से अगर हम तेरह को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा पांच से हम बात करेंगे दो बार जाएगा ना और यहाँ पर क्या हो जाएगा दस हो जाएगा पांच दो न दस होता है और तीन यहाँ पर शेष बचेगा तो यहां पर ये यह क्या करेगा रिमाइंडर वैल्यू बताता है मोड फंक्शन रिमाइंडर वैल्यू शेष आपका बचेगा बस वही हमारा आंसर होता है तो यहां पर थ्री बचा बस यही हमारा आंसर हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखेगा एक और आपको बताना है इक्वल मोड और यहां पे लिखा है ट्वेंटी सिक्स कामा फोर का मान कितना होगा इक्वल मोड ट्वेंटी सिक्स कामा फोर का मान कितना होगा अब आप सभी बताइएगा यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर छब्बीस दिया गया है ना तो हमें चार से डिवाइड करना होगा छब्बीस को क्या होगा बताओ चार पंचे बीस चार चौबीस तो यहां पर चौबीस हो जाएगा और हमारा बचेगा दो तो आंसर यहां पर आ जाएगा निकल के दो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट है ठीक है ठीक अगला क्वेश्चन देखिएगा हर जगह मोड में स्पेलिंग गलत कर दी है इक्वल मोड ट्वेंटी नाइन कामा सेवन का मान कितना होगा अब आपको क्या बताना है इक्वल मोड ट्वेंटी नाइन कामा सेवन का मान क्या होगा इसकी वैल्यू आपको बतानी है तो सिंपल सी बात है आपको समझ में आ चुका होगा मोड फॉर्मूला कैसे काम करता है सात से भाग करना है ट्वेंटी नाइन को क्या हो जाएगा सात सौ को 28 और बचेगा यहाँ पर एक शेष आपका इसका मतलब ऑप्शन हमारा वी करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो अगर मोड फंक्शन आता है तो आप आराम से जवाब कर पाएंगे अब आगे देखते हैं सीलिंग फार्मूला तो यहाँ पर दिया है इक्वल सीलिंग दो सौ तेईस पांच का मान कितना होगा दो सौ तेईस पांच का मान आपको बताना है क्या होगा राइट right आंसर छह सो आप सभी के सामने है आपको जल्दी से जवाब करना है तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 225 क्योंकि देखो सीलिंग जब कभी दिया हो तो हमें क्या करना है ऊपर की तरफ चलना है 223 के ऊपर क्या आता है 224 आता है फिर 225 आता है और वो संख्या ढूंढनी है जो इस फाइव से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो 223 तो होती नहीं है 224 भी नहीं होती है 225 वो संख्या है जो फाइव से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वी करेक्ट दो कहता है इक्वल सीलिंग मा टू बताओ दो से सात डिवाइड नहीं होगा तो सात से ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है जो दो से डिवाइड हो जाएगी बताओ तो आठ ऐसी वो संख्या होगी जो दो से डिवाइड हो जाएगी इसका मतलब यहां पर हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला what, यहां पर ये यह रॉन्ग दिया गया है ये गलत है आपका ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा एट हो जाएगा क्योंकि देखो यहां पर क्या होगा ना सीलिंग दिया गया है और इसका मतलब हमें ऊपर की तरफ देखना है और सात से ऊपर ऐसी वो कौन सी संख्या है जो दो से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी ठीक है तो यहां पर आपका जो आठ है ना वो दो से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब ऑप्शन पहला करेक्ट है अब यहां पर आपको बताना है इक्वल फ्लोर सत्रह का मान कितना होता है बस वही नियम अप्लाई करना है फ्लोर में आपको नीचे की तरफ देखना है तो सत्रह के बाद में सोलह आता है उसके बाद में पंद्रह आता है अब आपको ये देखना है कि इस चार से कौन सी संख्या कट रही है सत्रह के बाद में तो सत्रह के बाद में सोलह ही कट जाएगी चार से पूरी पूरी इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है ठीक है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है अच्छा एक चीज और आपको ध्यान रखना है कई बार ऐसा भी क्वेश्चन देखा गया है अगर यहां पर दिया होता इक्वल फ्लोर और सोलह कामा अब इसका जवाब क्या करते हैं आप लोग क्योंकि आपको पता है सोलह भी चार से कट रही है तो इसका जवाब फिर सोलह ही हो जाता ठीक है अगर यही संख्या कट रही है ना वही संख्या हमारा आंसर है बट वो नहीं कट रही है तो आगे देखना है हमें ठीक है अगला क्वेश्चन इक्वल फ्लोर एक सौ उन्नीस कामा बीस का मान आपको बताना है एक सौ उन्नीस कामा बीस की वैल्यू क्या होगी फ्लोर दिया है मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा नीचे की तरफ देखना होगा एक सौ उन्नीस के नीचे आ जाओ एक सौ अठारह एक सौ सत्रह एक सौ सोलह अब यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी संख्या है जो बीस से डिवाइड हो जाएगी तो उसका मतलब ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला हो जाएगा हंड्रेड वो संख्या होगी जो बीस से कटेगी ठीक है हंड्रेड हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा अब देखिएगा इक्वल सीलिंग एक सौ उन्नीस बीस का मान कितना होता है और ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं तो यहाँ पर बताना है सीलिंग एक सौ उन्नीस ट्वेंटी का मान कितना हो जाएगा सीलिंग दिया गया है तो ऊपर की तरफ देखना है आपको और 119 से ऊपर कितना होगा वो संख्या कौन सी होगी जो 20 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 120. 119 के बाद में 120 ऐसी वो संख्या है जो इस 20 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि आपको पता है 120 को हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं ना ठीक है तो हो गया डिवाइड पूरी तरह से तो आंसर हमारा सी हो जाएगा एक देखो यहां पे कहता है यदि सेल ए फाइव बराबर चार है बी फाइव बराबर छह है और सी फाइव बराबर दस है और डी फाइव बराबर चार दिया हो तो काउंट ए फाइव कॉलन डी फाइव का मान कितना होगा ठीक है काउंट दिया गया है और काउंट का मतलब हमने आपको बताया था काउंट केवल नंबर्स को काउंट करता है केवल नंबर्स को क्या करेगा काउंट करेगा बस तो ए फाइव कॉलन डी फाइव के बीच में जो सेल पड़ती हैं हैं उनमें कितने नंबर ये काउंट कर लीजिए ए फाइव के अंदर क्या लिखा गया चार लिखा गया एक नंबर पे दिया गया है ठीक है अब ए फाइव के बाद में बी फाइव में क्या सिक्स दिया यह भी एक नंबर है फिर यहां पर भी एक नंबर है और यहां पर भी एक नंबर है मतलब यहाँ पे वन टू थ्री फोर जगह नंबर लिखे हैं चार सेलों में नंबर लिखे गए हैं तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार वर्ट अगर यहां पर क्या कर देते मान लिया यहां पर डी फोर के अंदर हमने फोर को हटा दिया और यहां पर हमने लिख दिया है वी एक नंबर हटा करके हमने अल्फाबेट लिख दिया है अब काउंट फंक्शन अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर आंसर आने वाला है थ्री क्यों क्योंकि वो डी फाइव चेक करेगा तो पता चला डी फाइव के अंदर तो अल्फाबेट लिखा गया है नंबर लिखा ही नहीं गया है और काउंट की एक विशेषता है कि ये केवल नंबर्स को ही काउंट करता है वट अगर काउंट के स्थान पर काउंटा होता तो क्या करेगा ये अल्फाबेट को भी काउंट कर लेगा आगे बढ़ते हैं अब यहां पर आपको फिर से बताना है काउंट सिक्स कामा फोर कावा फाइव कावा थ्री कावा जीरो कावा टेन का मान कितना होगा हमने दो दो प्रश्न इसलिए शामिल किए हैं हर एक फार्मूले के ताकि एक क्वेश्चन हम आपको समझा सकें और दूसरे क्वेश्चन में आप अपना माइंड लगा करके उसको समझ पाओ कि हाँ अब इसका जवाब हमें क्या करना है और कैसे करना है ठीक है इसलिए हमने दो दो प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश की है ताकि आपको और अच्छे से हम समझा सकें देखो काउंट जब भी आएगा हमने आपको बताया नंबर्स को काउंट करता है और अगर ऐसे दिया गया है इसका मतलब यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नंबर है तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जितने नंबर लिखे हैं आपके सेल में वो हमारा काउंट फार्मूला गिन के हमें बता देगा काउंट करके हमें बता देगा यदि सेल ए में स्टडी दिया है तो इक्वल का मान कितना होगा? यदि ए वन में आपने लिखा स्टडी तो इक्वल लेन ए वन का मान आपको बताना है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला करेक्ट क्योंकि ये क्या करेगा यहां पर कितने लेटर हैं ये आपको काउंट कर देगा मतलब इसका लेंथ बता देगा आपने जो वर्ड लिखा है उस वर्ड की लेंथ कितनी है वो आपको बता देगा तो इसकी लेंथ हमारी फाइव है देखो वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पर लेटर दिए गए हैं वही इसने आंसर आपको बता दिया ठीक है अब देखो आगे इक्वल लेन अब आपने लिखा है ट्रिपल सी वाई फाइवी का मान कितना होगा इसकी वैल्यू आपको बतानी है हमने आपको बताया लेथ क्या करता है लेंथ बता देता है एक वर्ड की लेंथ कितनी है तो इसमें कितने लेटर हैं वो बता देगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें टोटल बारह लेटर आते हैं ठीक है तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है अब देखो इक्वल राउंड काफी आता है आपके एग्जाम में ध्यान से समझना क्या दिया है राउंड ट्वेंटी फाइव दशमलव तीन पांच चार दो का मान आपको बता देना है इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है देखो सिंपल से एक बात समझो अगर कॉमा के बाद यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है ठीक है फिर से समझो कामा के बाद में जो वैल्यू दी गई है उसका मतलब दशमलव के बाद हमें उतने ही अंक रखने हैं अभी देखो दशमलव के बाद में तीन अंक यहाँ पे दिए गए हैं बट यहाँ पर टू कर दिया है कामा के बाद इसका मतलब दशमलव के बाद हमें दो ही अंक चाहिए ठीक है तीसरा वाला अंक यहां से हमें हटा देना है तो हटाने का एक नियम है जिस अंक को आप हटा रहे हैं अगर वो अंक आपका फाइव है या फाइव से बड़ा है तो जो शेष यहां पर रह जाएगा उसमें हमें एक प्लस कर देना होगा और अगर वो फाइव से छोटा है तो कोई बात नहीं आप उसको हटा दीजिएगा और यहां पर आपको प्लस करने की आवश्यकता नहीं और ना ही आपको माइनस करने की आवश्यकता है कई बच्चे क्या करते हैं माइनस कर देते हैं लेकिन यहाँ ना प्लस होगा ना माइनस होगा सेम वही हमारा अंक रहेगा जैसे यहां पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला ट्वेंटी फाइव पॉइंट थ्री फाइव आपका जवाब हो जाएगा कैसे थोड़ा फिर से समझो देखो यहां पर ये टू लिखा है इसका मतलब दशमलव के बाद में दो ही अंक में चाहिए और तीसरा वाला अंक हमें हटा देना है तो देखो यहां से हमने चार को हटा दिया अब चार को हटाया इसका मतलब चार फाइव से छोटा था अगर फाइव से छोटा है तो फिर हमें यहां पर प्लस करने की आवश्यकता नहीं है तो ट्वेंटी फाइव पॉइंट थ्री फाइव हमारा जवाब हो जाएगा एक और क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं तब आपके समझ में आ जाएगा इक्वल राउंड ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर टू टू का मान आपको बताना है 422 दिया गया है दशमलव के बाद में और इनका कहना है कि दशमलव के बाद में हमें केवल दो ही स्थान चाहिए अभी तीन स्थान तक दिया गया है हमें दो ही स्थान चाहिए तो ठीक है आप यहाँ से हटा दीजिएगा जो फालतू है उसको हटा दीजिएगा फालतू क्या है हमारा टू है और आपको पता है टू फाइव से छोटा होता है इसका मतलब उनतीस पॉइंट बयालीस आपका सही जवाब हो जाएगा आपको ध्यान रखना है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको बताना है इक्वल राउंड पचास दशमलव दो तीन पांच कमा जीरो का मान आपको बताना है ठीक है पचास दशमलव टू थ्री फाइव का जीरो की वैल्यू क्या होगी अब देखो जीरो का मतलब क्या है इसका मतलब कि दशमलव के बाद में हमें कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं चाहिए दशमलव के बाद में कोई स्थान हमें चाहिए नहीं ठीक है तो क्या करना है देखो फाइव को हटा दिया थ्री को हटा दिया और यहाँ पर टू हटेगा अब जो लास्ट में आपने हटाया ना वही देखना है वही फाइव या फाइव से बड़ा होना चाहिए तभी प्लस करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे तो यहां पर भी ये टू हमारा फाइव से छोटा था इसका मतलब हमारी संख्या यहां पर पचास ही आ जाएगी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें बी सही हो जाएगा पचास आपका राइट आंसर है क्यों क्योंकि यहाँ पर हमने थ्री को हटाया फाइव को हटाया थ्री को हटाया टू को हटाया और टू जब हटाया तो देखा कि ये फाइव से छोटा था इसलिए हमने आपको बताया था जब कभी फाइव से छोटा वैल्यू होगा तो हम प्लस नहीं करते हैं मतलब बढ़ाते नहीं है बट अगर फाइव से ज्यादा होता है तो हमें एक बढ़ा देना होता है जैसे आप यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर लिखा है इक्वल राउंड है ना दस दशमलव चार आठ तीन का मान आपको बताना है इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें दशमलव के बाद में केवल एक ही अंक चाहिए बाकी नहीं चाहिए अभी तीन अंक हैं बट हमें एक ही स्थान चाहिए हम दोनों को हटा देंगे थ्री को हटाया ठीक है आठ को हटाया तो पता चला कि आठ फाइव से बड़ा है और अगर आठ फाइव से बड़ा है तो जो शेष अंक यहाँ पर बच जाएगा ना उसमें हमें एक को जोड़ देना होगा का मतलब दस दशमलव चार में एक जोड़ दिया गया तो पांच हो जाएगा तो दस दशमलव पांच हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा अगर आपके समझ में आ रहा है तो प्लीज आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आ, सर समझ में आ रहा है हमारे ये सारे फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं ठीक है ठीके? आगे बढ़ते हैं एक और फार्मूला हमने यहाँ पर शामिल किया है और इसको हमने माइनस में शामिल किया है क्योंकि कई बार देखा गया है आपके एग्जाम में माइनस से भी क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है ये माइनस वाला हमें कैसे करना है यहाँ पर दिया है इक्वल राउंड ठीक है ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो कामा लगा के माइनस वन कर देखो इनको एक्सेल और कैल्क पे करना तो बहुत इजी है क्यों इजी है जैसे ही आपने ये डाला आंसर आपको बता देगा बट आंसर कैसे आया है ये समझ में आ गया तो बिना कैलक के कॉपी पर भी आप कर सकते हो और यही एग्जाम में आपको करना पड़ेगा आपको अगर ये आता है तभी आपका आप जवाब कर पाओगे अदरवाइज आप इसका जवाब नहीं कर पाओगे आप तो का भले ही मार दो बट आंसर आपको पता नहीं होगा कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा ठीक है तो अब बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर ये हमें सॉल्व कैसे करने हैं हमें कैसे लगाने हैं सारे फॉर्मूले देखो जब कभी भी माइनस दिया होगा तो हमें क्या करना है माइनस के लिए हमें यह जो पॉइंट दिया गया ना इस पॉइंट से पहले देखना है डेसिमल से पहले देखना है जैसे यहां पर दिया गया है पच्चीस दशमलव जीरो तीन फाइव और फोर कामा माइनस वन दिया है इस माइनस वन का ये मतलब है कि इस दशमलव के बाद में अब कुछ नहीं करना है दशमलव से पहले एक अंक हमें यहां से गायब करना है दशमलव से पहले एक अंक हमें हटा देना है कैसे हटेगा देखो यहाँ पर तो हमारा जीरो जीरो होना ही है अब ये जीरो हो गया ये हट गया ये हट गया ये हट गया इनका कहना है कि माइनस वन कर दो भाई पॉइंट से पहले भी एक जीरो कर दो इसको भी हटा दो तो हम यहाँ फाइव को भी हटाने लगे फाइव को हटा दिया और आपको पता चला कि फाइव हमने बताया था फाइव है या फाइव से बड़ा है तो एक प्लस हो जाता है तो फाइव को हटाने पर इस दो में एक एड हो गया इसका मतलब थ्री हो गया यहाँ पर फाइव के स्थान पर फिर जीरो आ गया तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा आ जाएगा ऑप्शन हमारा यहां पे करेक्ट होगा तीस आ जाएगा अगर आप ये लगाना चाहते हो हो तो लगा सकते हो, और यहां पर भी जीरो जीरो तो दसमलव जीरो 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 तो राउंड छ सौ चौतीस कामा माइनस टू का मान आपको बताना है क्या होगा छो चौतीस कामा माइनस टू का मान कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर होगा क्या छह सौ चौतीस दिया गया है और इनका कहना है माइनस टू कर दो मीन्स यहाँ पर दो स्थान हमें जीरो करने हैं तो यहाँ पर चार को हटा देंगे थ्री को हटा देंगे हट हट गया थ्री हट गया और थ्री हमारा क्या था से था से छोटा इसका मतलब पर सिक्स रहेगा इसमें प्लस नहीं करना पड़ेगा और दोनों जगह पर आपका जीरो जीरो हो जाएगा मतलब ऑप्शन हमारा बी कर सी करेक्ट है यहाँ पर छे सौ हो जाएगा आपका राइट आंसर ठीक है छ सौ आपका करेक्ट आंसर होगा आगे देखते हैं दिया गया है इक्वल राउंड तीन सौ चौबीस का मान बताना है 324 का मा माइनस आठ का मान बताना है और ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन हमने देखा था ट्रिपल्स एग्जाम में पूछा गया था जहां पर क्या था कि जो बैलू दी गई थी उससे ज्यादा यहां पर अंक माइनस करवा दिए थे मिस राउंड करवा दिए थे तो फिर आंसर क्या हो जाएगा मतलब यहां पर आपने लिखा तीन अब इनका कहना है माइनस आठ राउंड कर देना है यहां पर क्या करना है हमें आठ वैल्यू नहीं चाहिए दशमलव से पहले हमें आठ तक वैल्यू नहीं चाहिए इसका मतलब चार भी नहीं चाहिए दो भी नहीं चाहिए तीन भी नहीं चाहिए और आगे हम चाहें तो जीरो जीरो लगा सकते हैं उनको वो भी नहीं चाहिए मतलब माइनस आठ तक लेकर जाना है तो आखिर में आंसर क्या होगा हमारा जीरो ही होगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी फिर आपका जवाब जीरो आने वाला है जैसे यहां पर एक चीज हम आपको समझाना चाहेंगे और ऐसा भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है मान लिया हमने तीन चौबीस के स्थान पर यहां लिख दिया 624 सौ चौबीस और हमसे पूछा कि 624 सो चौबीस कामा माइनस यहां पर कर देते हैं थ्री 624 सौ चौबीस कामा माइनस थ्री अब इसका जवाब क्या होगा तो देखो यहां पर आपने फोर को हटाया क्योंकि यहां पर माइनस थ्री करना है मतलब तीन स्थान तक राउंड करना है दशमलव से पहले तो हमने दस, क्योंकि यहाँ पर आप दशमलव मान सकते हैं अगर आप छह दशमलव कर देते हैं जीरो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या करना है दशमलव से पहले ये तीन अंक हटाने हैं तो पहला चार हटा दिया दूसरा हमने दो हटा दिया और तीसरा हमने छह हटाया तो पता चला कि छह जो है वो फाइव से बड़ा है और अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि हमें एक आगे प्लस करना पड़ता है और आगे हमारा संख्या क्या है जीरो हम मान सकते हैं क्योंकि आगे संख्या है ही नहीं तो जीरो में फिर हमें एक जोड़ देना होगा मतलब हमारा यहाँ पे वन हो जाएगा और यहाँ पर इन तीनों जगह पर फिर क्या आ जाएगा जीरो जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा एक हजार करेक्ट आंसर होगा ठीक है तो ये भी क्वेश्चन ऐसे भी कई बार आ जाता है एग्जाम में जब कभी भी जो संख्या यहां पर दी गई है अगर उतने ही राउंड करवा रहा है तो फिर आपको ये देख लेना है क्या जो लास्ट वाली संख्या है वो कहीं फाइव या फाइव से बड़ी तो नहीं है अगर फाइव या फाइव से बड़ी है तो फिर यहाँ पर एक आ जाएगा और फिर आगे जीरो 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 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आंसर फिर चेंज हो जाएगा बट अभी क्या है अभी हमारा थ्री है इसका मतलब थ्री को हटाएंगे तो आगे हमारा प्लस करना ही नहीं होता है और जब प्लस करना नहीं होता है तो फिर आंसर कितना मिलेगा जीरो ही मिलेगा आपको ऑप्शन तो हमारा से यहाँ पर करेक्ट है ठीक है तो अब आइए यहाँ पर हम आपको ऑफिस से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की कराते हैं जैसा आपको पता है आपके ट्रिपल एग्जाम में शॉर्टकट से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ऑफिस राइटर की आपको पता है ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है और इसका एक्सटेंशन भी कई बार पूछते हैं तो इसका एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीटी मतलब ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है इसका एक्सटेंशन और यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की शामिल की हैं तो आप यहाँ पर सबसे पहला जो शॉर्टकट की है आपके लिए कंट्रोल ए है आपको पता है लिब्रो ऑफिस में कंट्रोल ए का इस्तेमाल हम सेलेक्ट ऑल करने के लिए करते हैं इससे क्या होगा हमारा पूरा डॉक्यूमेंट एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा दूसरा शॉर्टकट की आपको ध्यान रखना है कंट्रोल एन जिसका मतलब क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट अगर हमें एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हम कंट्रोल एन इस्तेमाल करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं कंट्रोल ओ दिया गया है इसका मतलब हमें अगर कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है मीन्स हमने कोई डॉक्यूमेंट पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है और हमारा डॉक्यूमेंट कहीं पर सेम है और हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन कराना चाहते हैं तो हम ऑफिस राइटर में जाकर के फाइल मेनू पर क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ओ दबा करके भी हम उस फाइल को ओपन करा सकते हैं ठीक है अब देखिएगा कंट्रोल यस क्या कहता है इसका मतलब सेव अ डॉक्यूमेंट अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को सेव कराना है मतलब हमने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और हम चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमारा हार्ड डिस्क में सेव हो जाए उसके लिए हमें कंट्रोल एस प्रेस करना होता है ठीक है जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो सेव का डायलेक्ट बॉक्स ओपन हो जाता है और वहां पर आपको फाइल का नाम देना होता है और लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो बाई डिफॉल्ट कहाँ सेव हो जाता है डॉक्यूमेंट में सेव हो जाता है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अगर आप अह uh, ऑफिस में कोई फाइल को सेव कराते हैं तो डॉक्यूमेंट वो फाइल कहां पर सेव हो जाएगी तो ध्यान रखना है वो फाइल हमारी डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी आगे दिया गया है कंट्रोल शिफ्ट और यस इसका मतलब सेव एज अनदर कॉपी अगर हम एक और कॉपी सेव करना चाहते हैं यानी कि सेव एज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और एस प्रेस करना पड़ेगा यहां पर दिया है एस एच आई एफ टी होगा ठीक है तो कंट्रोल शिफ्ट और एस का इस्तेमाल किस लिए होता है सेव एज करने के लिए जैसे आपने कोई एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है और आप ये चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट का एक दूसरी कॉपी हमें सेव uh, करना है तो हम सेव एज करा सकते हैं एक दूसरी लोकेशन पर उसको सेव करा सकते हैं कंट्रोल पी का मतलब प्रिंट करने के लिए होता है अगर हमें प्रिंट कराना है तो कंट्रोल पी का इस्तेमाल करते हैं इसके बाद में दिया है कंट्रोल शिफ्ट ओ मतलब प्रिंट प्रिव्यू अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रिव्यू देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट ओ ओ दबाते हैं जैसे ही कंट्रोल प्रेस करते हैं तो आप उसका Preview देख सकते हैं मतलब कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा वो हम पहले ही यहां पर प्रिव्यू में देख सकते हैं आगे दिया है कंट्रोल क्यू इसका मतलब एग्जिट द दिब्रो ऑफिस आप लिब्रो ऑफिस से बाहर हो जाएंगे कंट्रोल क्यू दबाते ही ठीक है आपका लिब्रो ऑफिस का जो विंडो है क्लोज हो जाएगा कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट दिस दिलेक्टेड टेक्स्ट मीन जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है उसी को कट कर देगा और इसके बाद कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी द सेलेक्टेड अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ है उसको आप कॉपी कर सकते हैं मीन्स उस टेक्स्ट की एक कॉपी बन जाती है और फिर आप कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर सकते हैं तो कंट्रोल वी क्या करता है पेस्ट द कट और कॉपीड मैटर जो भी आपने मैटर कट किया है या कॉपी किया है उसको ये पेस्ट करा देता है कंट्रोल वी ठीक है आगे दिया गया है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और बी इसका मतलब पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट अगर हमने किसी भी टेक्स्ट को कॉपी किया है और वो टेक्स्ट हमारा पहले से फॉर्मेटेड है मींस उस टेक्स्ट पर पहले से आ, क्या किया गया है उसको बोल्ड किया गया है उसका साइज भी बढ़ा दिया गया है उसका कलर भी चेंज कर दिया गया है तो ऐसा अगर है और उस टेक्स्ट को हमने कॉपी किया है और हम ये नहीं चाहते हैं कि उसकी फॉर्मेटिंग भी साथ में कॉपी होकर के आ जाए तो हमें पेस्ट कैसे करना होगा कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और बी से करना होगा इससे क्या होगा वो टेक्स्ट हमारा पेस्ट हो जाएगा बट उसके साथ में जो उसका कलर था बोल्ड था और साइज बड़ा था वो नहीं आएगा डिफॉल्ट जो साइज जो कलर होता है वही हमारा यहां पर दिखेगा बट कंट्रोल वी अगर आप दबा देंगे तो क्या होगा जैसा आपने कॉपी किया होगा जो फॉर्मेटिंग आपने वहां पर लगाई होगी वो फॉर्मेटिंग भी आपकी अप्लाई हो जाएगी अब देखते हैं कंट्रोल के इसका मतलब हाइपरलिंक होता है कंट्रोल के का मतलब हाइपरलिंक होता है यानी कि हाइपरलिंक अगर हमें डालनी है तो हम कंट्रोल के का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो इस मैराथन का मतलब क्या था कि हम आपको वो सारी चीजें यहां पर पढ़ा सकें जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं बाकी अगर हम इनको विद प्रैक्टिकल समझाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी सो इसके लिए हमने अलग से प्रैक्टिकल कराया भी है अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो वहां से भी आप कर सकते हैं इसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पर हमने ये सारी शॉर्टकट के विद प्रैक्टिकल कराई है बट क्या है मुझे समझना है कि ये शॉर्टकट के का काम क्या है और आसानी से अगर आपने इनको देखा समझा तो या आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना और अगर आपने ये याद कर लिया तो यहां से बनने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उनके जवाब आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे क्योंकि ये सभी शॉर्टकट की क्वेश्चन में आती हैं आपके सामने एक क्वेश्चन होगा उसके सामने चार ऑप्शन होंगे और उसी में ये शॉर्टकट की आपसे पूछ ली जाती हैं तो बस आपको याद रखना है जो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको थोड़ा सा समझना है आपके समझ में इजीली आ जाएगा देखो कंट्रोल शिफ्ट और बी का मतलब पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करने का होता है मींस जैसे ही आपने कोई टेक्स्ट को कॉपी किया है कॉपी करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस कर दिया तो क्या होगा एक बॉक्स आ जाएगा और वहां पर आपसे पूछेगा कुछ ऑप्शन दिखेगा उन ऑप्शन के हिसाब से आपको पेस्ट कर लेना है तो क्या होगा इसका मतलब पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करा देगा कंट्रोल शिफ्ट और वी कंट्रोल जेड क्या करता है ये अंडू करने का काम करता है अंडू द लास्ट एक्शन मीन्स लास्ट में जो आपने कार्य किया उसको अंडू कर देगा जैसे मैंने यहां पर एक लाइन खींची और अगर हम कंट्रोल जेट दबा देंगे तो ये लाइन हमारी यहाँ से डिलीट हो जाएगी क्यों क्योंकि ये क्या करेगा अंडू करेगा लास्ट एक्शन को इरेज कर देगा ऐसे आप समझ लो मिटा देगा और अगर आप कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं तो क्या होगा रेडो द लास्ट एक्शन लास्ट एक्शन को रेडो करेगा जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पर इस line को खींचा था और undo कर दिया, इसको हमारा वो वापस रेडो हो जाएगा वापस हमें शो हो जाएगा ठीक है तो एक दूसरे के अपोजिट है कंट्रोल जेड और कंट्रोल बाई अब कहता है कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल और बाई अब इसका मतलब क्या है रिपीट एक्शन कर देगा ठीक है आपने जो भी लिखा होगा उसी को दोबारा से लिख देगा अगर आप शिफ्ट कंट्रोल और बाई दबाते हैं रिपीट एक्शन कर देगा कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड ये फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ इस्तेमाल करते हैं अगर हमें कोई भी टेक्स्ट फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं कंट्रोल एच से क्या होता है फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होने के लिए या करने के लिए हम कंट्रोल एच का इस्तेमाल करते हैं इसे क्या कर सकते हैं हम किसी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं और हम चाहे तो किसी टेक्स्ट को रिप्लेस भी कर सकते हैं जैसे आपने कोई वर्ड लिखा है अपने डॉक्यूमेंट में कम से कम चार या पांच स्थानों पर तो हम उस वर्ड को अब पर्टिकुलर नाम चेंज जैसे आपने एक वर्ड लिखा महेश मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ एक नाम ले लेता हूँ महेश कुमार तो आपने ये महेश नाम कम से कम अपने डॉक्यूमेंट में 10 से 12 जगह लिखा है बट अब यहां महेश के स्थान पर हम करना चाहते हैं सुरेश कुमार ठीक है ना सुरेश कुमार करना तो हमें या तो महेश कुमार पर मैनुअली जा जाके उसको चेक करना पड़ेगा कहाँ लिखा है और उसको आप चेंज कर दीजिए वर्ड कंट्रोल एस दबाने से क्या होगा पहले हमसे बोलेगा फाइंड कर लीजिएगा तो हमने क्या फाइंड करना है महेश को फाइंड करना है फाइंड करने के बाद फिर एक बॉक्स होगा नीचे रिप्लेस का तो भाई रिप्लेस कर देना है किस में सुरेश में और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहां जहां महेश लिखा होगा वहां पर सुरेश आ जाएगा मीन्स रिप्लेस कर देगा ठीक है अब देखो कंट्रोल जी का मतलब क्या है गो टू मतलब आप अपने पेज में जा सकते हैं कहाँ जा सकते हैं जिस पेज नंबर पर आप जाना चाहते हैं वो पेज नंबर वहां पर बता दीजिएगा एंटर करते ही आप उसी पेज नंबर पर आ जाएंगे जैसे आपका एक डॉक्यूमेंट है और आपने कंट्रोल जी दबा दिया है तो यहाँ पर एक बॉक्स खुल जाएगा आपको पेज नंबर देना है और एंटर पेज करना है उसी पेज नंबर पर आप सीधे ही पहुंच जाएंगे देखिए कंट्रोल शिफ्ट और पी क्या कहता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और पी मतलब अगर हमें सुपर स्क्रिप्ट लिखना है जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हमने जो टू लिखा है ना ये बेस लाइन से ऊपर लिखा गया है इसके लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट और पी इस्तेमाल करना होता है अब बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और बी की इसका मतलब सब स्क्रिप्ट होता है अगर हमें एच टू एस ओ ठीक है एच टू एस ओ फोर लिखना है सॉरी यहां पे क्या रहेगा एच टू एस ओ फोर लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट और बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके लिए हम सब स्क्रिप्ट बोलते हैं यानी कि ये हमारा जो लिखा होता है लेटर वो बेस से नीचे लिखा होता है है अब बात करते हैं कंट्रोल कंट्रोल एल एल की इसका मतलब अलाइन लेफ्ट हो जाएगा अगर हमने प्रेस कर दिया है, तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाएगा ठीक है जैसे हमारा डॉक्यूमेंट है और उसमें हमने कोई टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ आर लिख दिया है और अगर हम कंट्रोल आर कंट्रोल एल प्रेस कर देते हैं तो क्या होगा ये टेक्स्ट हमारा कहा हो जाएगा लेफ्ट में आ जाएगा यहां पर आ जाएगा लेफ्ट साइड में आ जाएगा और अगर हमने कंट्रोल ई -E दबाना है तो ये सेंटर पर आ जाएगा कंट्रोल आर दबाना है तो ये राइट right में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लेफ्ट अलाइन हो जाएगा अब बात करते हैं कंट्रोल आर की तो, तो जैसा हमने बताया कंट्रोल आर से हम राइट right अलाइन कर सकते हैं और कंट्रोल ई -E से हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं आगे बात करते हैं कंट्रोल आई दिया गया इसका मतलब इटैलिक द सेलेक्टेड वर्ड जो भी वर्ड आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसको एक इटैलिक कर देता है कंट्रोल आई दबाने से इटैलिक हो जाएगा ठीक है मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा आप जो लिखेंगे वो थोड़ा सा तिरछा लिखेगा कंट्रोल बी से क्या कर सकते हैं बोल्ड कर सकते हैं सिंपल सी बात किसी को हमें हाईलाइट कराना है थोड़ा सा बोल्ड करना है अधिकांश हम हेडिंग वगैरह बनाते हैं तो वहां पर बोल्ड करते हैं तो हम कंट्रोल बी इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल यू से क्या होगा अंडरलाइन द सेलेक्टेड वर्ड जो भी वर्ड हम सेलेक्ट करेंगे उसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और जैसे क्या होगा फुल स्क्रीन मोड में हम देख सकते हैं अपने लिब्रो ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है उसको फुल स्क्रीन मोड में देखने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और जे इस्तेमाल कर सकते हैं अब बात करते हैं शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो इसका मतलब मूव कर्सर लेफ्ट विद सिंगल लेटर सिलेक्शन यहां पर क्या होगा आपका जो कर्सर है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा शिफ्ट के साथ में अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर लेफ्ट के तरफ मूव करेगा विद सिंगल लेटर सिलेक्शन एक एक लेटर को सिलेक्ट करते हुए जैसे मान लिया कि हमारा कर्सर यहां पर है और हमने दबाया शिफ्ट के साथ में राइट right एरो तो ये लेफ्ट की तरफ आएगा नहीं सॉरी हमने दबाया शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो तो क्या होगा ये लेफ्ट की तरफ आएगा अब पहला लेटर सेलेक्ट करेगा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा पांचवा ऐसे लेफ्ट की साइड में जा जा करके एक, एक लेटर को सिलेक्ट करते हुए आएगा अब यही आपका यहां पर शिफ्ट प्लस राइट एरो के साथ होता है बस यहां पर ये एक-एक को राइट साइड मेंसर राइट विद सिंगल लेटर आगे देखते हैं कंट्रोल के साथ में राइट साइड नेक्स्ट वर्ड आप अगले वर्ड में राइट right साइड में चले जाएंगे अगर आप कंट्रोल से राइट right एरो दबा देते हैं जैसे आप यहां पर हैं, ये वर्ड के आगे है यहां पर आप कर्सर हमारा है कंट्रोल हमने राइट बटन दबा दिया है तो हम यहां पर आ जाएंगे राइट right साइड में आ जाएंगे ठीक है कंट्रोल के साथ में लेफ्ट दबाने से क्या होगा गो टू लेफ्ट साइड नेक्स्ट वर्ड तो लेफ्ट साइड में अगले वर्ड पर आप चले जाएंगे मीन्स आप यहां पर हैं, तो आप यहां पर आ जाएंगे वर्ड के आगे चले जाएंगे

एक एक पूरा वर्ड हमारा सेलेक्ट करते हुए राइट साइड की तरफ बढ़ेगा ऐसे ही अगर हमने यहां पर कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस कर दिया है तो फिर क्या होगा एक एक वर्ड लेफ्ट की तरफ सेलेक्ट होते हुए बढ़ेगा ऐसा ये हो गया दूसरा तीसरा चौथा तो ऐसे एक एक वर्ड ये लेफ्ट की तरफ सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेगा अगर आप एरो अप करते हैं तो मूव कर सक वन लाइन एरो केवल जो आपकी चार एरो की होती है ना उनको अगर आप अप एरो दबा देते हैं तो आप वन लाइन चले जाते हैं ऊपर ठीक है शिफ्ट प्लस एरो दबाते हैं तो सेलेक्टिंग लाइन इन अपर्ड डायरेक्शन आप लाइन को अपवर्ड यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप शिफ्ट के साथ में एरो दबा देते हैं सेम कंट्रोल के साथ में अगर आप अप एरो दबाते हैं तो मूव कर्सर टू विगनिंग पैराग्राफ तो पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आपका कर्सर आ जाता है ठीक है जो पैराग्राफ है उसके शुरुआत में आपका कर्सर आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट आप एरो अगर आप दबा देते हैं तो क्या होगा सेलेक्ट टू विगनिंग पैराग्राफ तो पैराग्राफ तक जो आपका एक पैराग्राफ की शुरुआत जहां से हुई है वहां तक सेलेक्ट ही कर देगा अगर कंट्रोल शिफ्ट आप एरो दबा देते हैं तो पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट करा देगा डाउन ईयर दबाने से क्या होगा कर्सर डाउन वन लाइन आपका आ जाएगा यानी कि वन लाइन नीचे की तरफ आप आ जाएंगे होम दबाने से क्या होगा बिगनिंग ऑफ लाइन आप लाइन के बिगनिंग में प्रारंभ में आ जाएंगे जैसे आप यहां पर थे अपने होम की प्रेस कर दिया तो आपका कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएगा लाइन के शुरुआत में आ जाएगा और शिफ्ट के साथ होम दबाने से क्या होगा गो टू सेलेक्टिंग द बिगनिंग ऑफ लाइन गो टू सेलेक्टिंग द बिगनिंग ऑफ लाइन तो आप लाइन के शुरुआत में आ जाएंगे ये आपको ध्यान रखना है ठीक है go to selecting the beginning of line और साथ में क्या होगा सेलेक्ट भी हो जाएगा मतलब आपका कर्सर यहाँ पर था और आप यहाँ पर आ गए तो क्या होगा जैसे ही आपने शिफ्ट के साथ होम दबाया तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट करते हुए आप बिल्कुल आ, अपनी लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएंगे होम से केवल क्या होगा कि लाइन के स्टार्टिंग में आएंगे बट शिफ्ट होम से क्या होगा कि लाइन के स्टार्टिंग में तो आएंगे बट पूरी लाइन को सेलेक्ट भी कर देगा ठीक है और अगर आप एंड की प्रेस कर देते हैं तो गो टू एंड ऑफ द लाइन तो लाइन के एंड में आ जा जाएंगे मतलब आप यहां पर कर्सर हमारा है और हमने प्रेस कर दिया है एंड की तो हम लाइन के अंत में आ जाएंगे अब देखो यहां पर क्या दिया है शिफ्ट के साथ में एंड बटन आपको प्रेस करना है इसका मतलब गो टू सेलेक्टिंग एंड ऑफ द लाइन आप लाइन के अंत में क्या आ जाएंगे सेलेक्ट करते हुए आ जाएंगे मतलब यह पूरी लाइन हमारी सेलेक्ट हो जाएगी और लाइन के अंत में हम आ जाएंगे कंट्रोल होम कहता है गो टू बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट आप डॉक्यूमेंट में सबसे टॉप पर सबसे बिगनिंग जहां से प्रारंभ आपने किया था वहां पर आ जाएंगे और कंट्रोल एंड से आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड में आ जाएंगे अंत में आ जाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट होम से क्या होगा गो टू सेलेक्टिंग टू बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट तो कंट्रोल शिफ्ट होम दबाने से आपका डॉक्यूमेंट जहां से शुरुआत हुई है डॉक्यूमेंट की वहां तक आप सेलेक्ट कर पाएंगे ठीक है सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट एंड से क्या होगा गो टू सेलेक्टिंग टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट तो कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाने से डॉक्यूमेंट के अंत तक आप सेलेक्ट कर पाएंगे यानी कि सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल आर्ट ई से क्या होता है एक्सटेंशन मैनेजर डायलॉग बॉक्स हम ओपन कर सकते हैं एफ वन से हेल्प का जो की होता है वो एफ वन होता है यानी कि हेल्प के लिए हम F1 इस्तेमाल करते हैं एफ टू का इस्तेमाल फार्मूला बार के लिए होता है अगर हमें राइटर में फार्मूला बार शो कराना है तो एफ टू दबा सकते हैं अगर हाइड कराना है तो हम फिर से एफ टू प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल एफ टू से क्या होगा इंसर्ट फिल कर सकते हैं यहाँ पर ठीक है फिल इंसर्ट का एक बॉक्स आ जाएगा और एफ थ्री से क्या होगा कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट हम एफ थ्री से कर सकते हैं कंट्रोल F3 से क्या होता है ऑटो टेक्स्ट होता है और F5 से क्या होता है नेविगेटर शो एंड हाइड होता है ध्यान रखना है ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि नेविगेटर को शो और हाइड कराने के शॉर्टकट के बताओ तो आंसर याद रखना है F5 होगा आपका सही जवाब कंट्रोल शिफ्ट F5 से क्या होता है गो टू पेज नंबर तो कंट्रोल शिफ्ट F5 से भी हम पेज नंबर पर जा सकते हैं एप सेवन का इस्तेमाल करने से स्पेल चेक कर सकते हैं और शिफ्ट एप सेवन से ऑटोमेटिक स्पेल चेक कर सकते हैं तो दोनों इंपॉर्टेंट है ठीक है कंट्रोल एप सेवन से थिसारस इस्तेमाल कर सकते हैं

और आगे देखते हैं यहाँ पर कंट्रोल जीरो है इसका मतलब टेक्स्ट बॉडी होता है यानी कि हम अगर टेक्स्ट बॉडी भी लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल जीरो प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल वन से हम हेडिंग वन अप्लाई कर सकते हैं कंट्रोल टू से हम हेडिंग टू अप्लाई कर सकते हैं और कंट्रोल थ्री से हम हेडिंग थ्री अप्लाई कर सकते हैं और चलिए अब हम आपको ऑफिस कैलक से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की बताते हैं जैसा आपको पता है ऑफिस कैलक एक स्प्रेड सीट प्रोग्राम है और इसका एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीएस मीन ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेड सीट इसका एक्सटेंशन होता है सबसे पहला शॉर्टकट की है यहाँ पर कंट्रोल ए इसका मतलब हम सेलेक्ट ऑल वर्कशीट कर सकते हैं अगर हम पूरा वर्कशीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए इस्तेमाल करना पड़ेगा बट एक और शॉर्टकट की होती है अगर हम पूरा वर्कशीट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार दबा सकते हैं जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करते हैं तो भी आपकी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाती है तो ये दोनों शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है आपको दोनों याद रखनी है आगे बात करते हैं होम अगर आप होम की प्रेस करते हैं तो क्या होगा करंट रो करो केसर मूव करेगा अगर आप एंड की प्रेस कर देते हैं तो मूव द करिटेड सेल ऑफ द करंट रो करंट रो से नीचे जो एडिटेड सेल मिलेगी वहां पर आपका करसर मूव कर जाएगा अगर आप एंड की प्रेस करते हैं तो इसके बाद में बात करते हैं कंट्रोल के साथ में अगर आप होम दबा देते हैं मूव द कर आपकी सीट की जो पहली सेल होगी टॉप वाली सेल होगी वहां पर आपका कर्सर मूव कर जाएगा अगर आप कंट्रोल के साथ में होम बटन प्रेस कर देते हैं तो ऐसे ही कंट्रोल के साथ में अगर आप एंड प्रेस करते हैं मूव द कर द लास्ट एडिटेड सेल ऑफ द सीट तो ये सीट की लास्ट एडिटेड सेल पर आ जाएगा आगे बात करते हैं कंट्रोल के साथ में अगर आप प्लस दवा देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं सेल को इंसर्ट कर सकते हैं अब कई बार एग्जाम में आता है कि अगर हम सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें कौन सी शॉर्टकट के इस्तेमाल करना होता है तो कंट्रोल के साथ में प्लस आपको दबाना होता है ऐसे ही कंट्रोल के साथ में अगर आप माइनस प्रेस कर देते हैं तो हम सेल को डिलीट कर सकते हैं और यह भी सवाल काफी एग्जाम में आता है कि आप लिब्रो ऑफिस कैल में सेल को कैसे डिलीट कर सकते हैं तो सिंपल सी बात है कंट्रोल के साथ में माइनस हमें प्रेस करना है एक छोटा सा डेलक बॉक्स ओपन हो जाएगा और जहां से हम अपनी सेल को डिलीट कर सकते हैं अब इसके बाद में बात करते हैं कंट्रोल के साथ में आपको लगाना है

आगे बात करते हैं कंट्रोल पी की इसका मतलब हम अपनी सीट को प्रिंट कर, तो कर सकते हैं ठीक है तो कंट्रोल पी से हम प्रिंट कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट ओ से हम प्रिंट प्रिव्यू देख सकते हैं देखो ऑफिस राइटर और कैल्क में कुछ शॉर्टकट के सेम रहते हैं बट कुछ शॉर्टकट की आपको अलग मिलेंगी है ना जैसे कंट्रोल शिफ्ट ओ से हम प्रिव्यू देख सकते हैं राइटर में भी और यहां पर भी कंट्रोल एस से हम सेव कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस से हम सेव एज कर सकते हैं इसके बाद में कंट्रोल आल्ट और एंटर से हम क्या कर सकते हैं क्रिएट अ न्यू लाइन इन सेल हम एक सेल में एक नई लाइन बना सकते हैं जैसे अगर हमारी एक सेल है जैसे मान लिया हमारा एक सेल ये वाली है और हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं लिखने के बाद में जैसे आप एंटर करते हो तो आपका कर्सर यहाँ आ जाता है दूसरी वाली सेल पर आ जाता है बट आप चाहते हैं कि हमने इसी सेल में लिखा है और इसी सेल में नीचे एक और लाइन शुरू करना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल कर देना होगा जैसे ही और, और प्रेस करते हैं, तो क्रिएट अ न्यू लाइन इन सेल उसी सेल में एक न्यू लाइन आपकी क्रिएट हो जाती है आगे बात करते हैं कंट्रोल के साथ में टैब अगर प्रेस करते हैं तो गो टू नेक्स्ट सीट आप अगली सीट पर चले जाते हैं कंट्रोल के साथ में टैब दबाया तो अगली सीट पर आप मूव कर जाएंगे शिफ्ट के साथ में कंट्रोल और फिर अगर टैब दबाते हैं तो आप प्रीवियस सीट पर आ जाएंगे आपको पता है में हम एक से ज्यादा सीट ऐड कर सकते हैं और वहां पर डिफॉल्ट आपको एक ही सीट मिलती है तो अगर आपने एक से ज्यादा सीट को ऐड किया हुआ है और आप पहली सीट पर हैं ठीक है तो आपको क्या करना होगा कंट्रोल के साथ में टैब दबाना होगा इससे हम अगली सीट पर मूव कर जाएंगे और अगर आप अगली सीट पर हैं और आप वापस आना चाहते हैं तो शिफ्ट कंट्रोल और टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं अब यहां पर दिया गया है कंट्रोल और सी इससे क्या होगा? हम कमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं कंट्रोल और सी से हम कमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं। कंट्रोल के इसका मतलब हम हाइपर लिंक को डाल सकते हैं अगर हमें हाइपर लिंक इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के का इस्तेमाल करना पड़ेगा ऐसे ही कंट्रोल के साथ में राइट एरो दबाना है तो क्या होगा मूव द कर्सर टू द राइट एज ऑफ द करंट डेटा रेंज करंट डेटा रेंज के आप कहा आ जाएंगे राइट एज यानी कि राइट किनारे पर आ जाएंगे तरफ आ जाएंगे अगर आप कंट्रोल के साथ में राइट right एरो प्रेस करते हैं ऐसे ही कंट्रोल के साथ में अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो क्या होगा मूव द कर्सर टू द लेफ्ट एज ऑफ द करंट डेटा रेंज जो आपने डेटा रेंज बनाई है करंट डेटा रेंज के आप कहा मूव करेंगे लेफ्ट एज में जाएंगे यानी कि लेफ्ट किनारे पर आप आ जाएंगे ठीक है लेफ्ट साइड में आप आ जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और राइट right के साथ में

और अगला है हमारा F1 F1 से हम हेल्प ले सकते हैं यानी कि हेल्प के लिए हम F1 वन की का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल सॉरी यहाँ F2 दिया गया है और F2 का मतलब एडिट द एक्टिव सेल आप अगर एक्टिव सेल को एडिट करना चाहते हैं तो आप F2 का इस्तेमाल करेंगे यानी कि कोई सेल है उसमें कोई डेटा आपने लिखा है और उसको हम बदलना चाहते हैं उसमें जो डेटा लिखा है उसको हम एडिट करना चाहते हैं तो हमें एफ दबाना होगा इससे क्या होगा वहाँ पर एक कर्सर आ जाएगा और फिर हम वहाँ पर एडिट कर सकते हैं ठीक तो है current column. Current column की चौड़ाई अगर हमें बढ़ाना है तो हम अल्ट के साथ राइट right प्रेस करते हैं और एक काफी एग्जाम में आता है इसको ध्यान रखना है कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना है अल्ट के साथ में राइट एरो दबाना होगा और कॉलम की चौड़ाई कम करना है तो अल्ट के साथ में लेफ्ट एरो आपको प्रेस करना होगा F5 से क्या होगा नेविगेटर और hide हो जाएगा आपका अगर आप नेविगेटर को सो और हाइड करना चाहते हैं तो एफ फाइव का इस्तेमाल कर सकते हैं F7 किस लिए होता है? check करने के लिए होता होता है है स्पेल चेक करने के करंट डेटा सीट में हम स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं एफ ट्वेल्व से क्या होगा ग्रुप द सेलेक्टेड डेटा रेंज सिलेक्टेड डेटा रेंज को हम ग्रुप करा सकते हैं आपस में ठीक है कंट्रोल कंट्रोल्व से क्या होगा अनग्रुप दिलेक्टेड डेटा रेंज सिलेक्टेड डेटा रेंज को हम अनग्रुप करा सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट वन से क्या होगा फॉर्मेट एज ए नंबर जो भी सेल में आपने लिखा होगा ठीक है उसको हम फॉर्मेट एज ए नंबर कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट वन से और कंट्रोल शिफ्ट टू से क्या होगा स्टैंडर्ड एक्सपोनशियल फॉर्मेट में हम अपने डेटा को कर सकते हैं तो अगर ऐसा कुछ आता है तो आप इसका जवाब कर सकते हैं अगला है कंट्रोल शिफ्ट थ्री इसका मतलब फॉर्मेट एज डेट जो भी हमने वहां पर लिखा होगा उसको फॉर्मेट फॉर्मेट एज एज डेट डेट में में बदल सकते हैं हैं कि जो नंबर हमने वहां पर टाइप किए उनको में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और थ्री से कंट्रोल शिफ्ट और फोर से क्या होगा फॉर्मेट एज करेंसी जैसे आपने यहाँ लिखा है वन टू थ्री अब इसको हमें करेंसी में चेंज करना है तो हमें कंट्रोल शिफ्ट फोर प्रेस कर देना होगा तो ये हमारा करेंसी में चेंज हो जाएगा ठीक है ऐसे कुछ हो जाएगा आपका कंट्रोल शिफ्ट फाइव इसका मतलब फॉर्मेट एज परसेंट अगर हम किसी नंबर को परसेंट में फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल शिफ्ट और फाइव प्रेस करना होगा और कंट्रोल शिफ्ट सिक्स से क्या कर सकते हैं जनरल जो सामान्य हमारा नंबर होता है तो जनरल में हम कंट्रोल शिफ्ट और सिक्स से कर सकते हैं कंट्रोल या फाइव से क्या होगा सो हाइड साइड वायर साइड वायर को हम सो so और हाइड करा सकते हैं कंट्रोल क्यू से क्या होगा एग्जिट लिब्रो ऑफिस यानी कि हम लिब्रो ऑफिस से बाहर आ जाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट एन से क्या कर सकते हैं इंसर्ट आ न्यू टेम्पलेट अगर हमें नया टेम्पलेट इंसर्ट करना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं आगे देखिए कंट्रोल के साथ में डब्लू यहां पर सी टी आर एल होगा ठीक है आर एल तो कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू प्रेस करने से क्लोज द कैल्क विंडो केवल हमें कैल्क की विंडो को बंद करना है तो कंट्रोल डब्लू हम प्रेस कर सकते हैं ऑफिस ओपन रहेगा बट तो कैल का विंडो हमारा क्लोज हो जाएगा और एफ लेवन इस्तेमाल करते हैं स्टाइल के लिए एफ लेवन स्टाइल के लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट जे व्यू फुल स्क्रीन अगर आप फुल स्क्रीन मोड में देखना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और जे का इस्तेमाल करना होगा ठीक है आगे बात करते हैं लिब्रो ऑफिस इंप्रेस प्रेजेंटेशन की यानी कि ऑफिस में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं तो वो भी हम आपको यहां पर, पर इंप्रेस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला है कंट्रोल एस जिसका मतलब सेव अ डॉक्यूमेंट हम अपने प्रजेंटेशन को सेव करा सकते हैं कंट्रोल एस क्या होगा सेव एज ए कॉपी हम एक कॉपी सेव कर सकते हैं यानी कि सेव एज करा सकते हैं ठीक है कंट्रोल पी का मतलब प्रिंट करने के लिए होता है अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ए से क्या कंट्रोल शिफ्ट ओ से क्या होगा प्रिंट प्रिव्यू देख सकते हैं अगर हमें प्रिंट प्रिव्यू देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट ओ का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे ही एफ टू के लिए होता है टेक्स्ट बॉक्स के लिए होता है तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम एफ टू का इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट एफ थ्री का मतलब डुप्लीकेट करना है अगर हमें डुप्लीकेट करना है तो हम शिफ्ट एफ थ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा है और उस टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना है तो उसको एक बार सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबा देंगे तो वो हमारा डुप्लीकेट हो जाएगा वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि कितनी कॉपी आप बनाना चाहते हैं ऐसे एफ फोर दबाते हैं तो पोजिशन एंड साइज ये आप पोजिशन और साइज यहाँ पर चेंज कर सकते हैं एफ फोर से एफ फाइव से हम क्या कर सकते हैं व्यू स्लाइड शो आप स्लाइड शो को देख सकते हैं और शिफ्ट एफ फाइव से आप व्यू करंट स्लाइड शो जहां पर आप वर्क करते हैं वहीं से स्लाइड शो को हम स्टार्ट कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट F5 फाइव से नेविगेटर ऑन होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है अगर हम राइडर की बात करते हैं या फिर आप लिब्रो ऑफिस कैल की बात करते हैं तो वहां पर आपका केवल एफ फाइव होता है नेविगेटर को ऑन करने के लिए बट यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एफ फाइव होता है नेविगेटर को ओपन करने के लिए App के के लिए लिए क्या कर सकते हैं स्पेलिंग स्पेलिंग चेक चेक यानी कि spelling check करने इस्तेमाल करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और या फेड से क्या होगा फिट टेक्स्ट टू फ्रेम यानी कि फिट टेक्स्ट टू फ्रेम कर सकते हैं एफ एलेवन से स्टाइल ओपन कर सकते हैं होम बटन दबा देंगे तो क्या होगा जंप टू फर्स्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो आप स्लाइड शो में फर्स्ट स्लाइड पर जंप कर जाएंगे फर्स्ट स्लाइड पर चले जाएंगे अगर आप एंड प्रेस करते हैं तो ऐसे ही जंप टू लास्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो आप स्लाइड शो में लास्ट स्लाइड पर जंप कर जाएंगे अगर आप स्के बटन प्रेस करते हैं तो एंड स्लाइड शो आपका स्लाइड शो एंड हो जाएगा और ये भी काफी पूछते हैं कि अगर हमें स्लाइड शो को बंद करना है तो हम कौन सा की प्रेस करते हैं तो हमें स्कैप बटन दबाना होता है अल्ट के साथ में पेज डाउन करेंगे तो गो टू नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट यानी कि बिना इफेक्ट के प्ले किए हुए आप अगली स्लाइड पर जाएंगे अगर अल्ट के साथ में पेज डाउन करते हैं तो ठीक है अगर आप पेज डाउन करते हैं या फिर स्पेस बार दबा देते हैं या फिर राइट एरो दबा देते हैं या फिर एन दबा देते हैं या फिर डाउन एरो दबा देते हैं या फिर एंटर की दबा देते हैं तो इन सभी से क्या होगा अगले स्लाइड पर आप चले जाएंगे देखो क्या क्या शॉर्टकट किए ध्यान से देखो अगर आप पेज डाउन करेंगे तो भी आप अगले स्लाइड पर जाएंगे अगर आप स्पेस बार दबाएंगे तो भी आप अगले स्लाइड पर जाएंगे अगर आप राइट एरो प्रेस करते हैं तो भी आप अगले स्लाइड पर जाएंगे अगर आप एन प्रेस करते हैं तो भी आप अगले स्लाइड पर जाएंगे अगर आप डाउन एरो या फिर एंटर की दबाते हैं तो भी आप अगले स्लाइड पर चले जाएंगे ठीक है ऐसे ही अगर आप पेज अप करते हैं तो क्या होगा प्रीवियस स्लाइड पर आप चले जाएंगे अगर आप पी दबा देते हैं तो भी प्रीवियस स्लाइड पर आप चले जाएंगे अप एरो लेफ्ट एरो ठीक है तो भी आप प्रीवियस स्लाइड पर चले जाएंगे इसी प्रकार से अल्ट प्लस पेज अप अगर करते हैं तो गो टू प्रीवियस स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट बिना इफेक्ट के प्ले हुए प्ले किए हुए आप प्रीवियस स्लाइड पर जा सकते हैं अल्ट के साथ में पेज अप या अल्ट के साथ में पेज डाउन करेंगे तो अगली स्लाइड पर बिना इफेक्ट प्ले करे आप जा सकते हैं नंबर प्लस एंटर अगर आपको नंबर की के साथ में एंटर प्रेस करना है गो टू पर्टिकुलर स्लाइड और गो टू डायरेक्ट स्लाइड नंबर यानी कि जिस हम स्लाइड नंबर पर जाना चाहते हैं वो नंबर दबाना है और एंटर प्रेस कर देना है उसी स्लाइड पर आप चले जाएंगे जैसे मान लिया हम स्लाइड नंबर फाइव पर जाना चाहते हैं तो हमने दबाया एंटर कर दिया नंबर के स्लाइड पर आप चले जाएंगे अगर आप बी दबाते हैं तो क्या होगा आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन शो हो जाएगा ऐसे ही अगर आप डब्ल्यू दबाते हैं तो एक वाइट स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी ठीक है प्रेस स्टार इन न्यूमेरिकल की पैड अगर आप न्यूमेरिकल की पैड में स्टार प्रेस करते हैं फिट इन द पेज इन विंडो तो आपका पेज आपके विंडो में फिट हो जाएगा विंडो के अकॉर्डिंग आपका पेज वहां पर फिट हो जाएगा प्रेस ठीक है प्रेस ऑब्लिक की इन दूमेरिक की पैट अगर आप यहाँ पर ऑब्लिक की या जो आपका फॉरवर्ड स्लेस होता है इसको प्रेस करते हैं तो जूम इन करंट सिलेक्शन तो आप करंट सिलेक्शन जो होगा आपका उसमें जूम कर सकते हैं शिफ्ट के साथ में कंट्रोल और जी दबाएंगे तो ग्रुप हो जाएगा और ऐसे शिफ्ट के साथ में कंट्रोल अल्ट और ए दबाएंगे तो अनग्रुप हो जाएगा तो ग्रुप करने के लिए ऑफिस में शिफ्ट के साथ कंट्रोल और जी प्रेस करना होता है और अनग्रुप करने के लिए शिफ्ट के साथ कंट्रोल अल्ट और ए प्रेस करना होता है ऐसे आगे बढ़ते हैं कंट्रोल के साथ में अगर आपने प्लस दबाया तो ब्रिंग टू फ्रंट हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्रंट में ला सकते हैं कंट्रोल प्लस प्लस दबाने से और शिफ्ट के साथ में कंट्रोल और फिर प्रेस दबाएंगे तो क्या होगा ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर सकते हैं कंट्रोल से माइनस सेंड बैकवर्ड यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम बैकवर्ड में भेज सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट के साथ माइनस तो सेंड टू बैक यानी कि हम बैक कर सकते हैं जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके पीछे ले जा सकते हैं शिफ्ट के साथ में एंटर होगा तो क्या होगा लाइन ब्रेक विदाउट पैराग्राफ आप बिना पैराग्राफ तोड़े लाइन को ब्रेक कर सकते हैं ठीक है आप बिना पैराग्राफ को तोड़े लाइन को ब्रेक कर सकते हैं कि पैराग्राफ आपका वहां से फिनिश नहीं होगा अलग नहीं होगा और लाइन आपकी ब्रेक हो जाएगी शिफ्ट के साथ में एरो लेफ्ट लेफ्ट प्रेस करने से क्या होगा मूव कर्सर विद सिलेक्शन टू द सिलेक्शन के साथ में आपका कर्सर जाएगा लेफ्ट की तरफ मूव करेगा और कंट्रोल के साथ में एरो लेफ्ट दबाने से गो टू विगिनिंग ऑफ द वर्ड तो आप वर्ड के बिल्कुल प्रारंभ में शुरुआत में आ जाएंगे अगर आप कंट्रोल और एरो लेफ्ट प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ में राइट एरो दबाने से क्या होगा गो टू एंड ऑफ द वर्ड तो वर्ड के आप एंड में आ जाएंगे और shift के साथ में राइट साइड करेगा ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट और right राइट करेंगे तो क्या होगा टू द राइट वर्ड बाय वर्ड आप राइट right में वर्ड बाय वर्ड को सिलेक्ट करते हुए चले जाएंगे अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और राइट right एरो प्रेस करते हैं ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो इसका मतलब सेलेक्टिंग टू द लेफ्ट वर्ड बाई वर्ड आप लेफ्ट की तरफ वर्ड बाई वर्ड सेलेक्ट करते हुए चले जाएंगे जैसे आप यहां पर हैं और आपने कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो दबाया तो पहले ये वाला हमारा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा फिर ये होगा ऐसे ये होगा पूरा पूरा वर्ड आपका क्या होगा सेलेक्ट होता हुआ लेफ्ट साइड में आप मूव करेंगे अगर आप एंड दबा देते हैं तो आप गो टू एंड ऑफ द लाइन आप लाइन के एंड में आ जाएंगे अगर आप होम दबा देते हैं तो आप लाइन के बिल्कुल शुरुआत में प्रारंभ में आ जाएंगे जैसे एक लाइन है एक सेंटेंस से और आपका कर्सर यहां पर है आपने एंड दबाया तो आप लास्ट में आ गए अगर आप लास्ट में थे तो आप उस लाइन के शुरुआत में आ गए ये हमने आपको राइटर में भी बताया था और यहाँ पर कंट्रोल के साथ में अगर आप डिलीट करते हैं तो क्या होता है डिलीट वर्ड वर्ड टू द द राइट राइट ऑफ कर्सर कर्सर तो आप के right में पूरा को डिलीट कर सकते हैं जैसे हमारा कर्सर है यहाँ पर और हमने दबाया कंट्रोल के साथ में डिलीट तो ये वाला जो हमारा वर्ड है ना पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा ऐसे कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस इसका मतलब यहाँ पर हमारा कर्सर है और अपने कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस अगर दबाया तो ये पूरा वर्ड लेफ्ट साइड का पूरा वर्ड ही डिलीट हो जाएगा एक-एक वर्ड -एक को फिर डिलीट करने लगेगा वैसे नॉर्मल अगर आप बैकस्पेस दबाते हैं तो क्या होता है एक-एक लेटर डिलीट होता है वर्ड अगर कंट्रोल के साथ में बैकस्पेस दबाते हैं तो पूरा वर्ड ही हमारा डिलीट हो जाएगा कंट्रोल से डिलीट कर देते हैं तो क्या होगा डिलीट अलाइन टू द राइट ऑफ द कर्सर करसर के राइट में जो लाइन है पूरा लाइन को डिलीट कर देगा हमारे करसर यहां पर है हमने दबाया कंट्रोल शिफ्ट और बैक स्पेस तो ये पूरा लाइन ही डिलीट हो जाएगा ठीक है कंट्रोल के साथ में ड्रैग करते हैं तो क्रिएट कॉपी आप किसी की कॉपी बना सकते हैं कंट्रोल दबाया आपने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके छोड़ दिया उसकी एक कॉपी बन जाएगी ठीक है तो आइए अब हम आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की बताते हैं जैसा आपको पता है आपके एग्जाम में वेब ब्राउजर के शॉर्टकट के से काफी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला शॉर्टकट के होम अगर आप होम बटन प्रेस करते हैं तो क्या होगा टॉप ऑफ पेज यानी कि आप जिस वेबसाइट पर हैं उस वेबसाइट के टॉप पर आ जाएंगे जैसे तो क्या होगा आप सीधे ही यहां पर होम पर आ जाओगे टॉप ऑफ सबसे ऊपर पेज के सबसे ऊपर आप आ जाओगे और पेज के सबसे नीचे जाना है तो हम एंड बटन प्रेस कर सकते हैं यही आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड का मतलब वर्म ऑफ पेज पेज के सबसे नीचे अगर हम बॉटम पर जाना चाहते हैं तो एंड की प्रेस कर सकते हैं अगर पेज के टॉप पर आना चाहते हैं तो होम की प्रेस कर सकते हैं तो दो आपने सीख ली एक होम और दूसरा एंड अब तीसरा है कंट्रोल एच अगर आप अपने बे ब्राउजर में कंट्रोल एच प्रेस करते हैं तो क्या होता है ओपन द ब्राउजिंग हिस्ट्री तो यहाँ से आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री ओपन हो जाती है मीन्स आपने अभी तक उस बे ब्राउजर के थ्रू क्या क्या देखा कौन कौन सी वेबसाइट पर गए वो सारा डेटा कंट्रोल एच से आपको मिल जाता है यानी कि हम यहाँ से अपनी

बुक मार्क कर सकते हैं मीन्स अगर हम किसी वेबसाइट पर हैं या किसी वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पेज पर हैं और आपको लगता है कि ये इस पेज पर हमें दोबारा इन फ्यूचर में आना है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो हम क्या कर सकते हैं उस पेज को बुक मार्क कर सकते हैं अपने ब्राउजर में तो इसके लिए हमें कंट्रोल डी प्रेस कर देना होगा जिससे हमारा वो पेज बुक मार्क हो जाएगा है ना बुक मार्क हो जाएगा अब इससे क्या कर सकते हैं हम दोबारा से उसी पेज पर जा सकते हैं आगे लिखा गया है कंट्रोल शिफ्ट और डेल इसका मतलब ओपन द क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री विंडो अगर हम ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर करना चाहते हैं हम डिलीट करना चाहते हैं हम ये नहीं चाहते हैं कि हमने जो भी अभी तक ब्राउज किया है वो यहाँ पर सेब रहे उसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल शिफ्ट और डेल प्रेस कर देना होगा इससे ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करने का विंडो ओपन हो जाएगा दूसरा है कंट्रोल पी इसे हम प्रिंट दी करंट पेज जो हमारे सामने पेज खुला हुआ है उसको हम प्रिंट करा सकते हैं कंट्रोल पी से Control ऐसे क्या होगा सेव करंट पेज टू योर कंप्यूटर अगर उस पेज को अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं आप ये चाहते हैं कि हम जिस पर्टिकुलर पेज पर हैं किसी वेबसाइट के तो वह पेज हमारा हमारे डेस्कटॉप पर हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाए तो हम कंट्रोल यस yes करके उसको सेव करा सकते हैं कंट्रोल ओ से क्या कर सकते हैं ओपन अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को हम यहाँ इंटरनेट पर ओपन करा सकते हैं कंट्रोल ओ से ठीक है तो कंट्रोल ओ से हम ओपन करा सकते हैं किसी फाइल को अधिकांश आपने देखा होगा अगर आपने एच टी एम एल सीखा होगा तो एच टी एम एल में क्या होता है हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां पर उस प्रोग्राम को हमें किसी ब्राउजर पर देखना होता है है ना तो हम क्या करते हैं किसी ब्राउजर में जाकर कंट्रोल ओ दबाते हैं तो ओपन का एक बॉक्स हो जाता है ओपन हो जाता है और उसके बाद में हमने जो प्रोग्राम बनाया है जहां पर सेव किया है उसको ओपन करा देते हैं तो वो हमारा ब्राउजर पर हमें शो हो जाता है तो हम किसी भी चाहे कोई इमेज है आप उसको भी यहाँ पर ओपन करा सकते हैं और वो भी आपको ब्राउजर पर दिखना शुरू हो जाएगी या आपके कंप्यूटर में कोई पीडीएफ पड़ा है तो उसको भी आप यहाँ अपना इंटरनेट पर अगर किसी ब्राउजर में आप देखना चाहते हैं अपने लोकल कंप्यूटर से ही वो डेटा होगा क्योंकि वो पीडीएफ वो फोटो वो इमेज आपके कंप्यूटर में ही होगा तो वो लोकल कंप्यूटर से ही बिना इंटरनेट के ही आप इस वेब ब्राउजर पर उस फाइल को देख सकते हैं मतलब आपके कंप्यूटर में अगर कोई पीडीएफ पड़ा है तो बिना इंटरनेट के ही आप उसको कहाँ ओपन कर सकते हो अपने ब्राउज़र प्रोग्राम पर ओपन कर सकते हो ऐसे ही कंट्रोल यू दिया गया है इसका मतलब ओपन द करंट पेज सोर्स कोड करंट पेज का सोर्स कोड क्या है वो आप देख सकते हो अगर आप करंट पेज का सोर्स कोड देखना चाहते हैं तो कंट्रोल यू आपको प्रेस करना होगा अगला यहां पर दिया है कंट्रोल जीरो इसका मतलब डिफॉल्ट जूम लेवल आप कर सकते हैं मतलब अगर हम डिफॉल्ट जूम लेवल करना चाहते हैं तो कंट्रोल जीरो कर सकते हैं जैसे अगर आपने जूम को बढ़ाया था या जूम को कम किया था और आप चाहते हैं डिफॉल्ट जितना होना चाहिए वो हो जाए यानी कि 100 परसेंट जो हमारा आ जाए तो हम कंट्रोल जीरो इस्तेमाल कर सकते हैं एफ काफी एग्जाम में आता है कि फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की बताओ तो एफ से हम क्या कर सकते हैं फुल स्क्रीन मोड में देख सकते हैं एफ जैसे ही दबाते हैं तो हमारा जो ब्राउजर होता है वो फुल स्क्रीन मोड में हमें दिखाई देता है चलो और यहां पर देखिए कंट्रोल के साथ में अगर आप वन से लेकर के आठ तक कोई भी की प्रेस करते हैं तो क्या होगा स्विच द स्पेसिफाइड टैब कंटिन्यू फ्रॉम द लेफ्ट लेफ्ट साइड से आप एक स्पेसिफाइड टैब पर स्विच कर जाएंगे जैसे आप जब ब्राउजिंग करते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा ब्राउज में पहला पेज आपको दिखाई देता है जहां पर आप कोई भी वेबसाइट पर होते हैं और यहां पर क्या होता है टैब वन होता है पहला टैब होता है एक टैब आपके सामने ओपन है बट कई बार क्या होता है हमें किसी और वेबसाइट पर जाना है तो हम यहां पर प्लस के बटन से टैब टू ले सकते हैं

अगर आप दबाते हैं कंट्रोल के साथ में एट नंबर की के दबाते हैं तो हम आठवीं टैब पर आ जाते हैं ये आपको ध्यान रखना है ठीक है कंट्रोल नाइन से क्या होगा स्विच स्विच टू द लास्ट टैब आप अंतिम टैब पर स्विच कर सकते हैं कंट्रोल लाइन से जैसे अगर मान लिया आपने टोटल पांच ही टैब बनाई है मतलब पांच ही टैब अलग अलग ओपन की है और आप लास्ट टैब पर आना चाहते हैं आपने नौ भी बनाई ही नहीं है फिर भी आप कंट्रोल नौ का इस्तेमाल करके इस पांचवी टैब पर आ सकते हैं इसका मतलब कि हम अंतिम टैब पर जाने के लिए लास्ट टैब पर जाने के लिए कंट्रोल लाइन का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल के साथ में अगर आप टैब प्रेस करते हैं तो स्विच टू तो नेक्स्ट टैब द टैब ऑन राइट आप राइट right साइड में अगली टैब पर स्विच कर जाएंगे ये आपको ध्यान रखना है ऐसे ही कंट्रोल के साथ में दबाएंगे तो क्लोज दी करंट टैब जो टैब आपके सामने ओपन होगी वो हमारी क्लोज हो जाएगी ठीक है कंट्रोल टी से हम नया टैब ले सकते हैं एक नया टैब बना सकते हैं और कंट्रोल एन से क्या होगा ओपन अ न्यू ब्राउजर विंडो एक नया ब्राउजर ही ओपन हो जाएगा जैसे आपने गूगल क्रोम खोल रखा है उस क्रोम के अंदर आपने कंट्रोल अगर टी दबाया तो उसी क्रोम में एक नया टैब मिलेगा वर्ड कंट्रोल एन दबाया तो नया आपका क्रोम ही दोबारा से ओपन कर देगा अल्ट एफ फोर से क्या होगा क्लोज द करंट विंडो आप करंट विंडो को क्लोज करा सकते हैं करंट विंडो को अगर हमें बंद करना है तो हम अल्ट एफ फोर दबा सकते हैं और कंट्रोल एफ फोर से क्या कर सकते हैं हम क्लोज कर सकते हैं करंट टैब को अगर हमें एफ फाइव दबाना है तो क्या होगा रिलोड हो जाएगा मतलब हम रिलोड या रिफ्रेश करने के लिए एफ फाइव की का इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी रिफ्रेश करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं कंट्रोल के साथ में आर भी दबा सकते हैं और स्केप बटन से क्या होगा स्टॉप हो जाएगा अगर हमने रिलोड किया है उसके बाद उसको हम स्टॉप करना चाहते हैं तो इसके बटन दबा सकते हैं अल्ट के साथ में अगर आप होम दबाते हैं तो ओपन होम पेज। आपका होम पेज ओपन हो जाता है आपके ब्राउजर में जो होम पेज सेट है वो होम पेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा कंट्रोल के साथ में प्लस दबाते हैं या फिर कंट्रोल के साथ में माउस व्हील अप करते हैं तो जूम इन होता है अगर जूम बढ़ाना चाहते हैं आप, आप अपने ब्राउजर विंडो का तो कंट्रोल के साथ में आपको प्लस दबा देना है या फिर कंट्रोल दबा लो और माउस का व्हील को अप करना है तो भी आपका जूम होगा वो बढ़ेगा ऐसी कंट्रोल माइनस या कंट्रोल के साथ में माउस व्हील डाउन करेंगे तो जूम हमारा आउट होगा कम होगा कंट्रोल के साथ में माइनस दबाते जाएंगे तो जूम कम हो जाएगा या फिर आपको क्या करना है माउस व्हील को डाउन करना है तो भी हमारा जूम लेवल कम हो जाएगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट थी आपकी वेब ब्राउजर से आई होप आपने इन्हें भी अच्छे से सीख लिया होगा तो आइए अब यहाँ पर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स कराते हैं तो यहाँ पर आपको बताना है मेमोरी को के बी एम बी जी बी में मापा जाता है यानी कि मेमोरी इज मेजर्ड इन के बी एम बी और जी बी इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर पहला करेक्ट होगा बिल्कुल ट्रू है आप मेमोरी को के बी यानी कि किलोबाइट जी बी यानी कि गिका और एम बी यानी कि मेगाबाइट में भी मेजर करते हैं देखिएगा पर पूछा है राइटर की अपेक्षा हाथ से डॉक्यूमेंट बनाना ज्यादा सरल है राइटर की अपेक्षा हाथ से डॉक्यूमेंट बनाना ज्यादा इजी है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 640 का आप सभी को आंसर बताना है तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा आपका फॉल्स ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा ये आपका फॉल्स हो जाएगा आपको ध्यान रखना है ठीक है और यहाँ पर आपको बताना है इंटरनेट एक्स भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है इंटरनेट एक्स प्लोर भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ट्रू फॉल्स में आपको कराना है और इसके बाद हम आप सभी को कराएंगे कुछ करेंसी के इंपॉर्टेंट जो करेंसी है उनके साइज और कलर बताएंगे ठीक है क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो करेंसी है उसके साइज और कलर को लेकर आते हैं तो अभी इसके बाद हम आपको कराने वाले हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा यानी कि इंटरनेट एक्स क्या है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है इंटरनेट एक्स एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा वी करेक्ट होगा यहां पर आपको बताना है एम पी इजी का पूर्ण रूप मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है द फुल फॉर्म ऑफ एम पी इजी इज मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप ट्रू फॉल्स में जवाब करना है इसका क्या होगा राइट right आंसर तो बिल्कुल सही है ऑप्शन यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा आगे देखिएगा ब्लूटूथ वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है ब्लूटूथ वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है तो देखो ब्लूटूथ के अंदर बायर नहीं होता है इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा ये बायर्ड नहीं होता है ये वायरलेस होता है है ना तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है फॉल्स अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ्स के इंडेंट को बढ़ाने या घटाने के लिए क्रमशः इंक्रीज इंडेंट तथा डिक्रीज इंडेंट का प्रयोग करते हैं डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ्स के इंडेंट को अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल किया जाता है तो बिल्कुल सही है ऑप्शन यहाँ पर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा आगे देखिए पूछा गया है आरटीजीएस द्वारा लेन देन की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है आरटीजीएस का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और आरटीजीएस में लेन देन की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है बताओ तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आरटीजीएस में लेन देन की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है तो यहां पर यह हो जाएगा फॉल्स ऑप्शन हमारा वी करेक्ट होगा ये हो जाएगा फॉल्स आपको ध्यान रखना है ठीक है अब यहां पर आपको बताना है वाईफाई एक उच्च क्षमता गति ट्रांसमिशन की तकनीक है वाईफाई का मतलब वायरलेस फैडिलिटी एक उच्च क्षमता बीब्र गति ट्रांसमिशन की तकनीक है बताओ क्या होगा राइट आंसर तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहां पर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा आगे देखिएगा कैल्क के सभी फार्मूला इक्वल से समाप्त होते हैं कैल्क के सभी फार्मूला इक्वल से समाप्त होते हैं तो क्या होगा फॉल्स है क्योंकि आपको पता है कैलक में सभी फॉर्मूला इक्वल से शुरू होते हैं स्टार्ट होते हैं ना कि समाप्त होते हैं यहां पर पूछा है स्प्रेडशीट में गणना फार्मूला की सहायता से की जाती है स्प्रेडशीट में जो गणना होती है वो फार्मूलों की सहायता से की जाती है जब आप फार्मूला लगाएंगे तभी आप वहां पर कैलकुलेशन कर पाएंगे तो बिल्कुल सही है ऑप्शन हमारा यहां पे पहला करेक्ट होगा आगे देखिए सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जिनका भी आगे एग्जाम है है ना या फिर कल एग्जाम होने वाला है तो आप सभी को ये सारी जो भी क्वेश्चन हमने कराए हैं अच्छे से करके जाना है अच्छे से रिवाइज करके जाना है किसी फार्मूला में त्रुटि को पहचानने की प्रक्रिया ऑडिटिंग कहलाती है किसी फार्मूला में त्रुटि को पहचानने की प्रक्रिया ऑडिटिंग कहलाती है बताओ छह सौ उनचास में कौन सा करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन यहां पर पहला हो जाएगा ट्रू ठीक है ध्यान रखना है और अगला क्वेश्चन देखिएगा चैटिंग इंटरनेट की सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुविधाओं में से एक है चैटिंग इंटरनेट की सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुविधाओं में से एक है मतलब इंटरनेट पर आप चैटिंग करते हैं तो यह भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट सुविधा है फैसिलिटी है तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट होगा और यहाँ पर आपको बताना है रिंग टॉपोलॉजी का अन्य नाम बस टॉपोलॉजी है रिंग टॉपोलॉजी का अन्य नाम क्या है बस टॉपोलॉजी है तो इसमें बताइए क्या होगा राइट आंसर तो यहां पर यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फॉल्स हो जाएगा ठीक है ध्यान रखना है देखो यहां पर पूछा है लाइकोस एक इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण है क्या लाइकोस एक इंटरनेट ब्राउजर है तो लाइकोस क्या है एक सर्च इंजन है ना कि ब्राउजर है तो ऑप्शन बी होगा यहां पर ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा एंड्राइड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले एच में प्रयोग किया गया था क्या होगा इसका राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले एच में इस्तेमाल किया गया था तो बिल्कुल राइट right है ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा भीम ऐप एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है क्या भीम ऐप एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ट्रू फॉल्स में आपको बताना है यहां पे क्या होगा राइट right आंसर बताओ तो ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा और अगला क्वेश्चन देखिएगा ई रूपी ऐप कब लॉन्च किया गया आपको बताना है ई रूपी ऐप ई ऐप कब लॉन्च किया गया तो आप सभी को ध्यान रखना है अभी 2 अगस्त 2021 को ई रूपी ऐप को लॉन्च किया गया हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ई रूपी ऐप अभी 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया किसके द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अगस्त 2021 को ई e रूपी को लॉन्च किया गया है और ई रूपी को मैनेज कौन करेगा तो एनपीसीआई एनपीसीआई के द्वारा ही ये मैनेज किया जाएगा मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसे मैनेज किया जाएगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन बताइएगा यहां पर पूछा है वर्ड डॉक्यूमेंट को डॉट एच टी एम एल की फॉर्मेट में भी सेव किया जा सकता है वर्ड डॉक्यूमेंट को डॉट एच टी एम एल की फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं ऑप्शन हमारा पहला होगा यहां पर ट्रू क्वेश्चन हेडर और फुटर में ग्राफिक्स नहीं लगाई जा सकती हैं आप हेडर और फुटर में ग्राफिक्स नहीं जोड़ सकते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आप हेडर एंड फुटर में ग्राफिक्स को भी ऐड कर सकते हैं यहां पर आपको बताना है ईमेल कोलेब्रेशन का बेहतर माध्यम है ईमेल मेल का बेहतर माध्यम है क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन पहला ट्रू हो जाएगा ठीक है ध्यान रखना है और यहां पर आपको बताना है कंप्यूटर की गति रैम पर निर्भर करती है कंप्यूटर की जो स्पीड है वो रैम पर निर्भर करती है क्या होगा इसका जवाब तो देखो यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा होता क्या होता है ना कंप्यूटर की स्पीड केवल केवल और रैम पर निर्भर नहीं करती है वट फिर भी हमारा आंसर यहां पर ट्रू होगा ये आपको ध्यान क्योंकि रैम पर भी निर्भर करती है लेकिन ये कहा जाए कि केवल रैम पर निर्भर करती है तो ऐसा कहना भी गलत होगा तो यहां पर जवाब हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट है ट्रू है पूछा है बायोस फर्मवेयर है जो रोम में स्टोर रहता है बायोस एक फर्मवेयर है जो कि रोम के अंदर स्टोर होता है बायोस के बारे में हमने आपको बताया था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है और यह रोम के अंदर होता है और इस बायोस प्रोग्राम को फर्मवेयर का नाम दिया जाता है तो ऑप्शन पहला हो जाएगा यह ट्रू हो जाएगा आपका पूछा है आस्क डॉट कॉम एक सर्च इंजन नहीं है आस्क डॉट कॉम एक सर्च इंजन नहीं है बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा फॉल्स क्योंकि आपको पता है आस्क डॉट कॉम एक सर्च इंजन है और यहां पर आपको बताना है रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है रैम इज अ अटाइल मेमोरी बताओ रैम क्या एक वोलेटाइल मेमोरी है तो बिल्कुल है ऑप्शन पहला यहां पे करेक्ट होगा रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और रोम की बात करते हैं तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है पूछा गया है सैन एक नेटवर्किंग का प्रकार है सैन इज अ टाइप ऑफ नेटवर्किंग तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स और सैन का क्या होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है सैन का पूरा नाम अगला क्वेश्चन देखिएगा विंडोज विंडोजी पर आधारित है विंडोज जो है आपका वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है क्या होगा इसका राइट आंसर तो बिल्कुल सही है ऑप्शन यहां पर पहला करेक्ट हो जाएगा आगे देखिए पूछा गया है राउटर नेटवर्क में ट्रैफिक कंट्रोल करने का कार्य करता है राउटर नेटवर्क में ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम करता है

बताओ यहां पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर वी हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा आपको ध्यान रखना है प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल को बाउंस मेल कहा जाता है प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल को क्या कहा जाता है बाउंस मेल कहा जाता है तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताओ तो बिल्कुल सही है ऑप्शन हमारा यहां पे पहला करेक्ट हो जाएगा और अगला क्वेश्चन बताना है ईमेल के साथ वीडियो नहीं भेजा जा सकता है कांट सेंड वीडियो विथ ईमेल आप ईमेल के साथ में वीडियो नहीं भेज सकते हैं तो ये भी फॉल्स ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि हम ईमेल के साथ में वीडियो फाइल भी भेज सकते हैं क्वेश्चन देखिएगा से टॉपोलॉजी में किसी एक कंप्यूटर से संपर्क टूटने पर पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है बस से टॉपोलॉजी में किसी एक कंप्यूटर से संपर्क टूटने पर पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है क्या ये सही है छह सौ में आपको जवाब करना है क्या होगा इसका जवाब तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन भी ये फॉल्स हो जाएगा आपका ध्यान रखना है और यहां पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है पूछा है आई पोर्ट एक का उपयोग करता है लेकिन एस एस एल टीएसएल एनक्रिप्टेड आई एम ए पी पोर्ट नौ सौ तिरानवे का इस्तेमाल करता है आई एम ए पी का मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ये पोर्ट नंबर एक सौ तैतालीस इस्तेमाल करता है वट अगर एस एस एल या टी एस एल द्वारा इनक्रिप्टेड है सिक्योर है तो फिर नौ का इस्तेमाल करेगा क्या इसका जवाब होगा आपको बताना है बताओ जल्दी से बताइएगा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही है ऑप्शन पहला यहां पे करेक्ट करता है, है, तो फिर नौ पोर्ट तिरानवे का करता है, लेकिन पोर्ट नंबर पचानवे का इस्तेमाल करता है तो यहां पर क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट है ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी पहला करेक्ट होगा ध्यान रखना है पीओपी का पोर्ट नंबर 110 होता है वर्ट अगर ये पीओपी आपका कैसा है एस द्वारा इनक्रिप्टेड है तो फिर नौ पोर्ट का इस्तेमाल करेगा एस पोर्ट पच्चीस का इस्तेमाल करता है लेकिन एस और टी एस एल इनक्रिप्टेड एस एम टी पी पोर्ट चार सौ पैंसठ का इस्तेमाल करता है तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर भी ऑप्शन पहला करेक्ट होगा ये सब आपको ध्यान रखना है ठीक है क्योंकि यहां से भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपको बताना है डिजी लॉकर फरवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सेवा है जो निवासी भारतीय नागरिकों के दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए एक सुरक्षित समर्पित व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक स्थान प्रदान कराती है डिजी लॉकर फरवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सेवा है जहां पर नागरिक अपने डॉक्यूमेंट संग्रहित कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं तो बिल्कुल सही है ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट होगा वाईफाई का उपयोग किसी भी केबल के बिना दो मशीनों को जोड़ने के लिए किया जा सकता है वाईफाई का इस्तेमाल किसी केबल के बिना आप दो मशीनों को आपस में कनेक्ट करा सकते हैं जोड़ सकते हैं तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट होगा और यहां पर आपको बताना है नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर आई एड्रेस के उपसर्ग के रूप में अनकोडेड है क्या होगा इसमें आपका राइट right आंसर तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट होगा और यहां पर आपको बताना है इंटरनेट पर बेब ट्रैफिक को एफ का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है बताओ यहां पर क्या हो जाएगा आपका सही जवाब 677 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है और इसमें बताना है क्या होगा तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वी ये हो जाएगा फॉल्स और यहां पर आपको बताना है एफ प्रोटोकॉल एक क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम है जो डॉक्यूमेंट को रिटीव करने का काम करता है यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। है इसका मतलब प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम टू रिट्रीव डॉक्यूमेंट यानी कि एफ एक क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम है जो डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करने का काम करता है क्या होगा इसका राइट आंसर तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा अब आप आपको यहाँ पर बताना है आप इंटरनेट पर संदेश भेजने के लिए ईमेल का उपयोग कर सकते हैं लेकिन फाइल भेजने के लिए नहीं कर सकते मतलब आप इंटरनेट पर संदेश तो भेज सकते हैं बाय मेल के द्वारा यानी कि मेल से आप संदेश तो भेज सकते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं भेज सकते हैं कोई फाइल नहीं भेज सकते हैं तो फिर ये आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हम फाइल भी भेज सकते हैं और ईमेल में कितना अटैचमेंट आप कर सकते हैं ये भी कई बार एग्जाम में आता है तो 25 एम की फाइल को ही आप अटैच कर सकते हैं इससे ज्यादा की फाइल को आप अटैच नहीं कर सकते हैं ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है क्या आपका जो ईमेल एड्रेस है ईमेल का पता है वो केस सेंसिटिव होता है तो ये हो जाएगा फॉल्स नहीं वो केस सेंसिटिव नहीं होता है और यहां पर आपको बताना है ईमेल टेक्स्ट आधारित संदेश तक सीमित है मतलब केवल आप टेक्स्ट ही भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आप यहाँ पर कोई फाइल भी भेज सकते हैं किसी वीडियो को भी भेज सकते हैं कोई फोटो भी भेज सकते हैं और पूछा है ईमेल एड्रेस के दो भाग एट द रेट सिंबल से अलग किए जाते हैं ईमेल एड्रेस के दो पार्ट होते हैं और दो भागों को अलग करने का काम एट द रेट का सिंबल करता है तो ये बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन पहला यहाँ पे सही हो जाएगा आगे देखिए बाउंस ईमेल हमेशा प्रेषित किए जाने वाले ईमेल टर को वापस भेज देता है वाउंस मेल हमेशा जिसने मेल भेजा होगा उसी के पास आएगा तो यहां पर भी हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा अब आपको बताना है ईमेल एड्रेस में केवल यूजर नेम निहित होता है ईमेल एड्रेस में केवल यूजर नेम निहित होता है तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि यूजर नेम होता है उसके बाद डोमेन नेम भी होता है और बीच में एट द रेट का सिंबल होता है पूछा गया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है तो आपको पता है प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा पूछा गया है ई टिकट पेपर टिकट के समतुल्य डिजिटल टिकट है फॉल्स में जवाब करना है ई टिकट पेपर टिकट के समतुल्य डिजिटल टिकट है क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहां पर पहला करेक्ट हो जाएगा अब आपको बताना है इस बार कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी है स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी है बिल्कुल सही है ऑप्शन यहां पर भी पहला करेक्ट हो जाएगा और यहां पर आपको बताना है सीआरटी एमआईसीआर का एक भाग है क्या होगा इसमें राइट आंसर सीआरटीएमआई का एक भाग है सीआरटी का मतलब कैथोड रे ट्यूब तो एक प्रकार का मॉनिटर होता है इसलिए यहां पर यह हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स है को एक्सीएल केबल का प्रयोग केबल टीवी नेटवर्क में होता है को एक्सीएल केबल का इस्तेमाल केबल टीवी नेटवर्क में किया जाता है बताओ यहां पर कौन सा आपका राइट right आंसर है तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहां पर पहला करेक्ट हो जाएगा आगे देखिए पीओपी थ्री का उपयोग मेल बॉक्स से ईमेल को प्राप्त करने के लिए करते हैं मेल बॉक्स से ईमेल को डाउनलोड करने के लिए पीओपी थ्री इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल राइट right है और अगर आपको मेल भेजना है यानी कि मेल को अपलोड करना है तो एस एम टीपी का इस्तेमाल किया जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है अब यहां पर बताना है प्राइमरी मेमोरी की भंडारण क्षमता सेकेंडरी मेमोरी से अधिक होती है प्राइमरी मेमोरी की भंडारण से से तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी एक जगह से दूसरी जगह भेजने की क्रिया को डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं क्या होगा यहां पर सही जवाब डाटा को फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी एक जगह से दूसरी जगह भेजने की प्रक्रिया को डाटा ट्रांसमिशन कहा जाता है तो बिल्कुल सही ऑप्शन पर पहला करेक्ट होगा अब आपको बताना है पैन का पूरा नाम प्राइवेट एरिया नेटवर्क होता है पैन का फुल फॉर्म प्राइवेट एरिया नेटवर्क होता है तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है आपको ध्यान रखना है पर्सनल एरिया नेटवर्क दूसरा परमानेंट अकाउंट नंबर भी इसका पूरा नाम होता है और यहां पर आपको बताना है कैल्क में पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ में स्पेस बार आपको प्रेस करना होता है यानी कि शिफ्ट स्पेस बार से हम कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा फॉल्स क्योंकि कॉलम अगर सेलेक्ट करना है तो हमें कंट्रोल के साथ में क्या करना पड़ेगा स्पेस बार दबाना पड़ेगा और अगर हमें रो सेलेक्ट करना है तब हमें शिफ्ट के साथ में स्पेस बार दबाना पड़ेगा शिफ्ट और स्पेस बार कब जब हमें पूरा रो सेलेक्ट करना होता है तब और अगर पूरा वर्कशीट ही सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार आपको प्रेस करना होगा या फिर कंट्रोल ए भी आप प्रेस कर सकते हैं पूछा गया है है वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना के साथ जोड़ता है वेब ब्राउजर क्या है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बिल्कुल करेक्ट है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर क्या है उसको दिखाने का काम करता है और वहां तक ले जाने का काम करता है पूछा गया है सीरियल पोर्ट का प्राथमिक कार्य प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ना होता है सीरियल पोर्ट का प्राथमिक कार्य प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ना होता है कनेक्ट करना होता है तो बिल्कुल सही है ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा व्हाट हम अपने प्रिंटर को आज के समय में यूएसबी पोर्ट के माध्यम से जोड़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा वायरलेस नेटवर्क के साथ अपने डिवाइस की जगह बदलना आसान होता है जो हमारा वायरलेस नेटवर्क होता है उसमें तार तो होता नहीं है क्योंकि वो वायरलेस होता है तो उसको उस डिवाइस की जगह को बदलना आसान हो जाता है तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहां पर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है और यहां पर आपको बताना है फर्म बियर एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस से जुड़ा होता है फर्म बियर एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस से जुड़ा होता है क्या होगा इसका राइट आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा आप अपने माउस के दाएं बा, बाएं बटन के कार्यों को आपस में बदल सकते हैं आप अगर चाहते हैं तो माउस का दाया बटन बाया बटन काम करेगा और बाया बटन दाया बटन के समान काम करेगा ऐसा भी आप करा सकते हैं क्या ये सही है तो बिल्कुल सही ऑप्शन पहला हो जाएगा यानी कि हम अपने माउस के राइट बटन को लेफ्ट बटन बना सकते हैं और लेफ्ट बटन को राइट बटन बना सकते हैं यहां पर आपको बताना है मदर बोर्ड को सिस्टम बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है जो आपका मदर बोर्ड होता है, का भी नाम दिया जाता है तो बिल्कुल सही है मदर बोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है और इसको पीसीबी के नाम से भी जानते हैं मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी इसका पूरा नाम होता है अब आपको बताना है इंटेल कंपनी के द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था इंटेल कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था क्या ये सही है तो बिल्कुल सही है माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली जो सबसे पहली कंपनी है वो है इंटेल और इसने इंटेल चार हजार चार नाम का एक माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले डेवलप किया था बनाया था पूछा गया है सोलह बिट प्रोसेसर एक समय में केवल दो बाइट ही प्रोसेस करता है दो बाइट डेटा ही प्रोसेस करता है सोलह बिट का प्रोसेसर तो देखो सोलह बिट प्रोसेसर एक समय में सोलह बिट डेटा को प्रोसेस करेगा और 16 बिट डेटा का मतलब दो बाइट हो जाता है आठ बिट में क्या होता है एक बाइट होता है और 16 बिट की बात करेंगे तो दो बाइट हो जाएगा ठीक है तो सोलह बिट प्रोसेसर एक समय में दो बाइट डेटा को क्या कर देगा प्रोसेस कर देगा कैल्क में सेल सेल को को इंसर्ट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल कंट्रोल प्लस प्लस का इस्तेमाल होता है प्लस से हम सेल को इंसर्ट करा सकते हैं तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा और कई बार आपसे पूछते हैं कि सेल को डिलीट करना है तो क्या करेंगे तो कंट्रोल के साथ में माइनस हमें प्रेस करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर कोड में गलती ढूंढने की प्रक्रिया डिवगिंग कहलाती है डिबगिंग मतलब सॉफ्टवेयर कोड में कोई एरर है उसको बग कहते हैं और उस बग को दूर करना ही डिबगिंग कहलाता है तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा तो आइए अब हम आपको करेंसी के बारे में भी बता देते हैं क्योंकि आपके ट्रिपल्स एग्जाम में करेंसी के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं कि दो हजार रुपए का साइज क्या है उसमें कलर कौन सा होता है तो ये सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पर शामिल कर दी हैं तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दो हजार रुपए के नोट की जो दो हजार रुपए का नोट होता है इसका साइज पहले समझ लो इसका साइज होता है छियासठ बाई एक सौ छियासठ एम एम यानी कि छियासठ बाई एक सौ छियासठ एमएम का साइज होता है दो हजार रुपए के नोट का आप इसकी बात करते हैं कलर की तो कलर कैसा होता है मैजेंटा होता है ध्यान रखना है सभी को मैजेंटा इसका कलर होता है इसके बाद बात करते हैं टू हंड्रेड रुपीज की दो सौ रुपए के नोट की तो यहाँ पर छियासठ बाई एक सौ छियालीस एमएम होता है इसका साइज और कलर इसका ब्राइट येलो होता है ठीक है अब पांच रुपए की बात करते हैं तो छाठ बाई एक सौ पचास साइज होता है और कलर स्टोन ग्रे होता है स्टोन ग्रे कलर होता है साइज छियासठ बाई एक सौ पचास होता है और अब बात करते हैं पचास रुपए नोट की तो उसका साइज क्या होता है छियासठ बाई एक सौ पैंतीस का इसका साइज होता है और इसका कलर क्या होता है तो फ्लोरेसेंट इसका कलर होता है आपको ध्यान रखना है आगे बात करते हैं यहाँ पर सौ रुपए नोट की ठीक है कई बार सौ रुपए कभी पहुंच लेते हैं तो छियासठ बाई एक सौ बयालीस से एमएम सौ रुपए नोट का साइज होता है और कलर की बात करते हैं तो ब्लू ग्रीन या फिर ब्राउन पर्पल आप इसे बोल सकते हैं यानी कि ब्लू ग्रीन और ब्राउन पर्पल में से कोई भी अगर आता है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं ठीक है

पॉपुलर सर्च सर्च इंजन इंजन है। तो की क्वेरी के अनुसार कंटेंट को सर्च करके एक सूचीबद्ध क्रम में दिखाता है यहाँ सर्च इंजन आपके कंप्यूटर सिस्टम पर वेब पर संग्रहित जानकारी खोजने में आपकी सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है ठीक है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सर्च इंजन के नाम हमने आप सभी के लिए दिए हैं जैसा सबसे पहला नाम है गूगल आपको पता है गूगल सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है अगर हमें कुछ भी सर्च करना है तो हम गूगल पर टाइप कर सकते हैं जो भी कीवर्ड आप टाइप करते हैं उसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमें कुछ सर्च रिजल्ट दिखाए जाते हैं और जहां से हम अपनी उस वेबसाइट पर जा सकते हैं जहां पर हम जाना चाहते हैं तो गूगल हमारा क्या है एक सर्च इंजन है ऐसे ही याहू की बात करते हैं तो याहू भी हमारा एक सर्च इंजन है ऐसे ही हम एओ की बात करते हैं तो ये भी हमारा एक सर्च इंजन है ऐसे ही हम बोल फ्रेम अल्फा की बात करते हैं तो ये भी हमारा सर्च इंजन है ऐसे विंग हमारा हो गया आस्क डॉट कॉम हो गया वाईडू हो गया डक डक गो हो गया ये सभी क्या है सर्च इंजन है बट एक चीज और ध्यान रखना है वाईडू एक वेब ब्राउजर भी है वाई एक वेब ब्राउजर भी है चाइना का और सर्च इंजन भी है तो ये चाइना का है बाकी डकडक गो की बात करते हैं तो ये भी हमारा एक सर्च इंजन है ये भी आपको ध्यान रखना है अब देखिए सर्च इंजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चाचा डॉट कॉम आ जाएगा ये भी हमारे एक है, इसके भी क्लास में हमने आपको बताया लाइकोस के बारे में तो लाइकोस भी हमारा एक सर्च इंजन है अभी इनको बस याद रखना है कि सर्च इंजन कौन कौन से है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकते हैं वो हमने आपको बता दिया क्योंकि कई बार क्या होता है उन्होंने पूछा कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है और आपके ऑप्शन दे दिए चाचा डॉट कॉम वेक्साइट एंड और, और लाइकोस तो आपको पता ही नहीं अगर इनके बारे में है तो आप जवाब नहीं कर पाओगे तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट सचने आपको बता दिए आपने अगर इनको अच्छे से पढ़ लिया है तो अगर इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आराम से आप इसका जवाब कर पाओगे तो आइए थोड़ा सा वेब ब्राउजर के बारे में भी जान लेते हैं संजेव में वेब ब्राउजर होता क्या है वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल होता है और अगर हमें डब्ल्यू पर कुछ भी देखना है तो हम इसी वेब ब्राउजर की हेल्प से देख सकते हैं अगर हम इंटरनेट पर कुछ सर्च करना चाहते हैं तो बिना वेब ब्राउजर के हम इंटरनेट पर नहीं कुछ भी सर्च कर सकते हैं आपको वेब ब्राउजर की हेल्प लेनी पड़ेगी अब हो सकता है कि आपके पास गूगल क्रोम हो मोजाला फायरफॉक्स हो इंटरनेट एक्सप्लोर हो है ना या फिर

इसके बाद बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज की तो माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है ये भी हमारा एक बेब ब्राउजर प्रोग्राम है बेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया 2015 में इसे रिलीज किया गया है और 2017 में यह एंड्राइड के लिए भी रिलीज कर दिया गया एंड्राइड एंड आईओ के लिए रिलीज कर दिया गया है तो आपको पता है विंडोज 10 के साथ में जो डिफॉल्ट ब्राउजर आता है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एज ही होता है अब बात करते हैं मोजिला फारफॉक्स की तो मोजिला फारफॉक्स भी हमारा क्या है एक वेब ब्राउजर है और इसको जो डेवलप किया गया है वो मोजिला कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है 2002 में से रिलीज किया गया था और इसके बाद बात करते हैं ओपेरा की तो ओपेरा भी हमारा एक वेब ब्राउजर है और इसको डेवलप किया गया है ओपेरा सॉफ्टवेयर के द्वारा रिलीज किया गया है उन्नीस सौ आपको ध्यान रखना है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर थे जो आपके एग्जाम में आ सकते थे वो हमने यहाँ पर आपको बता दिए और आज की इस महामराथन क्लास का यहीं पर समापन होता है आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी और जिनका भी कल एग्जाम है या फिर आगे आपका एग्जाम होने वाला है तो आप सभी को हमारी तरफ से वेस्ट ऑफ लग ऑल दी वेस्ट आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और मुझे पूरी आशा है पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने इस महामाराथन क्लास को बहुत ही अच्छे से किया होगा और जाते जाते आप सभी को बता दें आप सभी हमारा एंड्राइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं हालांकि अभी हमने उसको लॉन्च नहीं किया है लेकिन एंड्राइड एप्लीकेशन रेडी हो चुका है और वो गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है आप सभी को गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है ट्रिपल सी वाई स्टडी ठीक है ट्रिपल सी वाई स्टडी आपको सर्च करना है आपको अलग अलग लिखना है ट्रिपल सी अलग लिखना है वाई स्टडी आपको अलग लिखना है और आपको सर्च करना है तो वहां से आप

फिनिश भी हो जाता है इसके बाद भी कंप्यूटर से संबंधित जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हुआ करेंगे वो हम इस एप्लीकेशन पर आपको पढ़ाया करेंगे तो आप सभी इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं आपको अभी गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है या फिर इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे जहां से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आज के लिए बस इतना ही अब मिलेंगे आपको अगले क्लास में तब तक के लिए जय हिंद बाय बाय